योगी कथामृत परमहंस योगानंद प्रस्तावना डब्ल्यू इवांस बेंच जीसस कॉलेज ऑक्सफोर्ड लेखक तिबित बुक ऑफ द दे डेड तिबेट्स ब्रेट योगी मिला रेपा योग एंड सीक्रेट डॉक्ट्रेंस आदि प्रस्तावना से योगानंद जी की आत्मकथा का महत्व इस तथ्य के प्रकाश में बहुत अधिक बढ़ जाता है कि यह भारत के ज्ञानी पुरुषों के विषय में अंग्रेजी में मौलिक रूप से लिखी गई गिनी चुनी पुस्तकों में से एक है जिसके लेखक महोदय ना तो पत्रकार हैं और ना कोई विदेशी बल्कि वे स्वयं वैसे ही ज्ञानी महापुरुषों में से एक हैं सारांश यह कि योगियों के विषय में स्वयं एक योगी द्वारा लिखी गई यह पुस्तक है एक प्रत्यक्षदर्शी के नाते आधुनिक हिंदू संतों की असाधारण जीवन कथाओं एवं अलौकिक शक्तियों के वर्णनों से युक्त इस पुस्तक का सामयिक और सर्वकालिक दोनों दृष्टियों से महत्व है इस पुस्तक के प्रख्यात लेखक जिनसे परिचित होने का सौभाग्य भारत तथा अमेरिका में मुझे प्राप्त हुआ था के प्रति हर पाठक श्रद्धावनत और कृतज्ञ रहेगा निसंदेह उनकी असाधारण जीवन कथा हिंदू मन तथा हृदय की गहराइयों एवं भारत की आध्यात्मिक संपदा पर अत्यधिक प्रकाश डालने वाली पश्चिम में प्रकाशित पुस्तकों में से एक है योगी कथामृत पहला अध्याय मेरे माता पिता एवं मेरा बचपन परम सत्य की खोज और उसके साथ जुड़ा गुरु गुरु-शिष्य संबंध प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है इस खोज के मेरे अपने मार्ग ने मुझे एक भगवत स्वरूप सिद्ध पुरुष के पास पहुंचा दिया जिनका सुगर जीवन युग युगांतर का आदर्श बनने के लिए ही तराशा हुआ था वे उन महान विभूतियों में से एक थे जो भारत का सच्चा वैभव रहे हैं ऐसे सिद्ध पुरुषों ने ही हर पीढ़ी में अवतरित होकर अपने देश को प्राचीन मिस्र यानी जिप्त एवं बेबीलोन के समान दुर्गति को प्राप्त होने से बचाया है मुझे याद आता है मेरे शैशव काल में पिछले जन्म की घटनाओं की स्मृतियां मेरे स्मृति पटल पर उभर रही थीं, तथापि ये स्मृतियां उन घटनाओं के घटित होने के क्रम के अनुसार नहीं थीं। बहुत पहले के एक जन्म की स्पष्ट स्मृतियां मुझमें जागती थीं, जब मैं हिमालय में रहने वाला एक योगी था अतीत के इन झांकियों ने किसी अज्ञात कड़ी से जुड़कर मुझे भविष्य की भी झलक दिखाई शिशु अवस्था की असहायता की अवमाननाओं की स्मृति मुझमें अभी भी बनी हुई है चल फिर पाने में और अपनी भावनाओं को मुक्त रूप से व्यक्त कर पाने में असमर्थ होने के कारण मैं विक्षुब्ध रहता था अपने शरीर की अक्षमताओं का भान होते ही प्रार्थना की लहरें मेरे भीतर उठने लगती थीं। मेरे व्याकुल भाव अनेक भाषाओं के शब्दों में मेरे मन में व्यक्त होते थे विविध भाषाओं के आंतरिक संभ्रम के बीच मैं धीरे धीरे अपने लोगों के बंगाली शब्द सुनने का अभ्यस्त होता गया यह थी शिशु मस्तिष्क की मन बहलाने की सीमा जिसे बड़े लोग केवल खिलौनों और अंगूठा चूसने तक ही सीमित मानते हैं इस मानसिक विक्षुब्धता और मेरा साथ ना देने वाले शरीर के कारण कई बार झल्ला झल्लाकर आकुलता से रो पड़ता था मेरी आकुलता पर पर परिवार में सबको होने वाला विस्मय मुझे याद है सुखद स्मृतियां भी अनेक हैं मेरी मां का दुलार और तुतलाने तथा लड़खड़ा के चलने के मेरे आरंभिक प्रयास इन आरंभिक सफलताओं को सामान्यतः जल्दी ही भुला दिया जाता है परंतु फिर भी ये आत्मविश्वास की स्वाभाविक आधारशिलाएं होती हैं मेरी इन सुदूरगामी स्मृतियों का होना कोई अपूर्व बात नहीं है अनेक योगियों के विषय में ज्ञात है कि उन्होंने जन्म मृत्यु के नाटकीय अवस्था परिवर्तन में भी अपने आत्मबोध को बनाए रखा यदि मनुष्य केवल शरीर होता तो निसंशय उसकी मृत्यु के साथ ही उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता किंतु यदि युग युगांतर से सिद्ध महात्माओं ने सत्य प्रतिपादित किया है तो मानव मूलतः अशरीरी सर्वव्यापी आत्मा है शैश्वावस्था की सुस्पष्ट स्मृतियों का होना विलक्षण तो है किंतु ऐसी घटनाएं अति दुर्लभ भी नहीं अनेक देशों में यात्रा करते हुए मैंने अनेक सत्यनिष्ठ स्त्री पुरुषों के मुख से उनकी शैशवावस्था की स्मृतियां सुनी हैं। मेरा जन्म पूर्वोत्तर भारत में हिमालय पर्वत श्रेणी के निकट स्थित गोरखपुर में 5 जनवरी अठारह ईस्वी को हुआ था वही मेरे जीवन के पहले आठ वर्ष व्यतीत हुए थे हम आठ बच्चे थे चार भाई और चार बहनें मैं मुकुंदलाल घोष भाइयों में दूसरा और माता पिता की चौथी संतान था मेरे माता पिता बंगाली क्षत्रिय थे दोनों ही संत प्रकृति के थे उनके शांत एवं शालीन दाम्पत्य प्रेम में कभी कोई अनर्थक व्यवहार व्यक्त नहीं हुआ माता पिता के बीच आपसी सामंजस्य चारों ओर चलने वाले आठ नन्हे जीवों के कोलाहल का शांत केंद्र था मेरे पिता श्री भगवती चरण घोष स्वभाव से दयालु गंभीर और कभी कभी कठोर थे उनसे अत्यंत प्यार करते हुए भी हम बच्चे उनसे आदर युक्त दूरी बनाए रखते थे वे असाधारण गणितज्ञ और तर्कशास्त्र वेत्ता थे और मुख्यतः अपनी बुद्धि से ही काम लेते थे किंतु मां तो स्नेह की देवी थी और हमें केवल प्रेम के द्वारा ही सिखाती थी मां के देहांत के पश्चात पिताजी अपनी आंतरिक कोमलता अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करने लगे तब मैंने देखा कि उनकी आंखों में प्राय मेरी मां की आंखों की झलक दिखाई पड़ती थी मां के सानिध्य में ही धर्म ग्रंथों के साथ कटु मधुर परिचय हो गया अनुशासन की आवश्यकता पड़ने पर मां रामायण और महाभारत से प्रसंगोचित कहानियां हमें सुनाती थीं। ऐसे अवसरों पर डांट और शिक्षा दोनों ही साथ साथ चलते थे पिताजी के प्रति आदर के प्रतीक स्वरूप कार्यालय से उनके घर आने पर उनका स्वागत करने के लिए शाम में मां हम बच्चों को कपड़े आदि पहनाकर ध्यान पूर्वक तैयार करती थी पिताजी भारत की तत्कालीन बड़ी कंपनियों में से एक बंगाल नागपुर रेलवे यानी बीएनआर में उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट के समकक्ष पद पर कार्यरत थे यात्रा उनके कार्य का एक हिस्सा थी हमारा परिवार मेरे बाल्यकाल में अनेक शहरों में रहा मां गरीबों की सहायता के लिए सदा तत्पर रहती थी पिताजी भी इस मामले में करुणापूर्ण दृष्टिकोण रखते थे परंतु अपनी आर्थिक सीमा के अंदर ही व्यय करना पसंद करते थे एक बार पंद्रह दिनों में मां ने गरीबों को खिलाने में पिताजी की मासिक आय से अधिक रकम खर्च कर दी इस पर पिताजी ने मां से कहा मैं तुमसे केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि कृपा करके अपना दान धर्म उचित सीमा के अंदर करो मां को अपने पति की यह सौम्य उलाहना भी व्यथाजनक लगी बच्चों को किसी प्रकार के मतभेद का कोई आभास दिए बिना मां ने एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई नमस्कार मैं अपने बाइके जा रही हूं प्राचीन धमकी हम लोग चकित होकर विलाप करने लगे उसी समय संयोगवश हमारे मामा वहां आ गए उन्होंने पिताजी के कान में फुसफुसाकर धीरे से कोई परामर्श दिया निसंशय सदियों से चला आ रहा कोई उपाय पिताजी के कुछ संधिजनक स्पष्टीकरण के बाद मां ने खुशी खुशी घोड़ा गाड़ी लौटा दी अपने माता पिता के बीच मेरे द्वारा देखे गए एकमात्र विवाद का इस प्रकार अंत हुआ परंतु एक विशेष संवाद मुझे याद आता है कृपया अभी अभी घर पर आई एक असहाय महिला को देने के लिए मुझे दस रुपए दीजिए मां की मुस्कुराहट में मनाने की अपनी एक शक्ति थी दस किस लिए एक रुपया काफी है पिताजी ने इसके साथ एक औचित्य समर्थन भी जोड़ दिया जब मेरे पिताजी और दादा दादी की अचानक मृत्यु हो गई तब मैंने गरीबी को पहली बार अनुभव किया मीलों चलकर स्कूल जाने से पहले मेरा नाश्ता होता था केवल एक छोटा केला कॉलेज पहुंचने तक मेरी अवस्था इतनी बुरी हो गई कि मैंने एक धनी न्यायाधीश से मासिक एक रुपए की सहायता के लिए प्रार्थना की उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि एक रुपया भी मूल्यवान होता है मां के हृदय से तत्काल तर्क उभरा उस एक रुपए के मना किए जाने की आपको कितनी कड़वी याद है क्या आप चाहते हैं कि यह महिला भी आपके द्वारा इन दस रुपयों को मना किए जाने की वैसी ही दुखद स्मृति अपने मन में रखे जिनकी उसे तीव्र आवश्यकता है तुम जीती पराभूत पति की सनातन भाव भंगिमा के साथ पिताजी ने अपना बटुआ खोला और कहा ये लो दस रुपए का नोट उस महिला को या मेरी शुभकामनाओं सहित दे दो किसी भी नए प्रस्ताव पर पहले नहीं कह देना पिताजी का स्वभाव था इतनी सहजता से मां की सहानुभूति जगाने वाली उस अपरिचिता के प्रति पिताजी का रवैया उनकी स्वभावगत सतर्कता का एक उदाहरण था तत्ण कोई बात स्वीकार कर लेने में अनिच्छा वस्तुतः तो सोच विचार के बाद निर्णय के सिद्धांत का पालन मात्र है मैंने सदा ही देखा पिताजी उचित और संतुलित निर्णय लेते थे यदि मैं अपने अनुरोधों के पक्ष में एक दो अच्छे तर्क प्रस्तुत कर देता तो वे सदा ही मेरी इच्छा पूरी कर देते नई मोटरसाइकिल की अपने बच्चों के बाल्यकाल में पिताजी अनुशासन में उनके साथ दृढ़ता बरतते थे परंतु तो स्वयं किसी वैरागी की तरह सरल सात्विक जीवन व्यतीत करते थे उदाहरणार्थ वे कभी थिएटर नहीं गए बल्कि विभिन्न आध्यात्मिक साधनाओं में और भगवत गीता पढ़ने में ही उन्हें आनंद आता था उन्होंने सारे सुखो भोगों का त्याग कर दिया था यहां तक कि वे जूतों की एक जोड़ी का भी तब तक प्रयोग करते थे जब तक कि वह बिल्कुल ही प्रयोग ना करने योग्य न हो जाए मोटर कारें साधारण चलन में आ जाने के बाद उनके बेटों ने कारें खरीद ली परंतु पिताजी प्रतिदिन अपने ऑफिस जाने के लिए ट्राम गाड़ी की सवारी में ही संतुष्ट रहे सत्ता या वर्चस्व प्राप्त करने के लिए धन संचय करने में पिताजी को कोई रुचि नहीं थी कोलकाता अर्बन बैंक का गठन करने के बाद स्वयं अपने लाभ के लिए उसके शेयर रखने से उन्होंने इनकार कर दिया उनकी इच्छा तो अपने अतिरिक्त समय में केवल अपने नागरिक कर्तव्य का निर्वाह करने की थी पिताजी के पेंशन लेकर सेवानिवृत्त होने के कई वर्षों बाद बंगाल नागपुर रेलवे के बही खातों की जांच करने के लिए इंग्लैंड से एक अकाउंटेंट महोदय भारत आए विस्मित जांच अधिकारी ने देखा कि पिताजी ने उचित समय पर अदा न किए गए किसी बोनस के लिए कभी कोई आवेदन नहीं किया था उन्होंने कंपनी को बताया इन्होंने अकेले तीन आदमियों के बराबर काम किया है पिछली क्षतिपूर्ति स्वरूप इनका एक लाख पच्चीस हजार रुपया कंपनी से निकलता है कंपनी के कोषाध्यक्ष ने उक्त रकम का चेक पिताजी को भेज दिया पर मेरे पिताजी ने इस घटना को इतना नगण्य माना कि वे परिवार को इसकी सूचना देना भी भूल गए बहुत बाद में मेरे सबसे छोटे भाई विष्णु ने बैंक द्वारा दिए गए विवरण में इतनी बड़ी धनराशि जमा देकर पिताजी से इसके बारे में पूछा था भौतिक लाभ में इतना उल्लसित क्यों हो पिताजी ने कहा संभाव को जिसने अपना लक्ष्य बना लिया हो वह ना तो किसी लाभ से उल्लसित होता है ना ही किसी हानि से दुखी वह जानता है कि मनुष्य इस संसार में खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है अपने वैवाहिक जीवन में पदार्पण करने के शीघ्र बाद ही मेरे माता पिता एक महान गुरु बनारस के लाहिडी महाशय के शिष्य हो गए इस संपर्क से पिताजी के पहले से ही विरक्त स्वभाव को और बल मिला मां ने एक बार मेरी सबसे बड़ी बहन रोमा को एक उल्लेखनीय बात बताई तुम्हारे पिताजी और मैं संतान प्राप्ति के लिए वर्ष में मात्र एक बार पति पत्नी के रूप में साथ सोते हैं पिताजी लाहिडी महाशय से अविनाश बाबू के माध्यम से मिले थे अविनाश बाबू बंगाल नागपुर रेलवे के एक कर्मचारी थे गोरखपुर में मेरे बचपन में अविनाश बाबू मुझे अनेक भारतीय संतों की मन को तल्लीन कर देने वाली कहानियां सुनाया करते थे वे सदा अपने गुरु की श्रेष्ठतर महिमा के विषय में श्रद्धा पूर्वक कुछ ना कुछ कहकर ही अपनी कहानी समाप्त करते थे तुमने कभी सुना है कि इन असाधारण परिस्थितियों में तुम्हारे पिताजी लाहिड़ी महाशय के शिष्य बने थे गर्मियों के मौसम में एक अलसाए दिन मैं और अविनाश बाबू मेरे घर के अहाते में बैठे थे तब उन्होंने मेरी उत्सुकता जगाने वाला यह प्रश्न मुझसे किया मैंने आशा भरी मुस्कुराहट के साथ नाम से हिलाया तुम्हारे जन्म से कई वर्ष पहले मैंने अपने वरिष्ठ अधिकारी अर्थात तुम्हारे पिताजी से अपने गुरु का दर्शन करने बनारस जाने के लिए एक सप्ताह की छुट्टी देने की याचना की पर तुम्हारे पिताजी ने मेरी इच्छा का उपहास किया उन्होंने कहा क्या तुम धार्मिक कट्टरवादी बनना चाहते हो यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने काम पर ध्यान दो झाड़ियों में से गुजरती एक पगडंडी से उस दिन उदास मन लिए मैं घर जा रहा था कि पालकी पर सवार तुम्हारे पिताजी से मेरी मुलाकात हो गई उन्होंने पालकी और नौकरों को विदा कर दिया और मेरे साथ चलने लगे मुझे सांत्वना देने के लिए वे सांसारिक सफलता के लिए प्रयास करने के लाभ मुझे समझाने लगे पर मैं उनकी बातें बेमन होकर सुन रहा था मेरा हृदय बार बार यही पुकार रहा था लाहिडी महाशय मैं आपके दर्शन के बिना जी नहीं सकता हम लोग चलते चलते एक सुनसान मैदान के किनारे पहुंच गए जहां सांध्यकालीन सूर्य की किरणें लहराती ऊंची जंगली घास पर चमक रही थी हम लोग उस मनोरम दृश्य को देखने के लिए रुक गए वहां उस मैदान में हमसे कुछ ही गज की दूरी पर मेरे महान गुरु अकस्मात प्रकट हो गए उनका स्वर वातावरण में गूंज उठा भगवती तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो इसके साथ ही वे जिस रहस्यमय ढंग से प्रकट हुए थे उसी रहस्यमय ढंग से अंतर्धान हो गए मैं जमीन पर घुटने टेक कर लाहिडी महाशय लाहिड़ी महाशय पुकार रहा था कुछ क्षणों के लिए तुम्हारे पिताजी स्तंभित हो गए अविनाश मैं ना केवल तुम्हें छुट्टी दे रहा हूं बल्कि वाराणसी जाने के लिए मैं स्वयं भी छुट्टी ले रहा हूं तुम्हारी सहायता करने के लिए जब चाहे अपनी इच्छा के अनुसार प्रकट होने की शक्ति रखने वाले इन महान लाहिडी महाशय के दर्शन मुझे करने ही होंगे मैं अपनी पत्नी को भी साथ लूंगा और इन महान गुरु से प्रार्थना करूंगा कि वे हमें अपने आध्यात्मिक पथ में दीक्षित करें क्या तुम हम दोनों को उनके पास ले चलोगे अवश्य अपनी प्रार्थना के इस चमत्कार के इतने शीघ्र अनुकूल मोड़ लेने पर मेरा मन आनंद से गदगद हो उठा था अगले दिन शाम को तुम्हारे माता पिता और मैं रेलगाड़ी से वाराणसी के लिए चल पड़े अगले दिन हम लोग वहां पहुंचे तो कुछ दूर तक घोड़ा गाड़ी से गए और फिर तंग गलियों में से चलते हुए मेरे गुरु के घर पहुंचे उनका घर आसानी से दिखाई नहीं पड़ता था उनकी छोटी सी बैठक में प्रवेश करने पर वहां हमेशा की तरह पद्मासन में बैठे हुए गुरुदेव को हमने प्रणाम किया उन्होंने अपनी हृदय वेदी आंखें झपकाई और उन्हें तुम्हारे पिताजी पर स्थिर कर दिया भगवती तुम अपने कर्मचारी के प्रति अत्यंत कठोर हो दो दिन पहले घास भरे मैदान में कहे हुए वही शब्द उन्होंने फिर से दोहराए फिर उन्होंने आगे कहा मुझे खुशी है कि तुमने अविनाश को आने की अनुमति दी और साथ में तुम भी अपनी पत्नी को साथ लेकर यहां आ गए तुम्हारे माता पिता को अत्यंत आनंद हुआ कि गुरुदेव ने उन्हें क्रिया योग की दीक्षा दी उस पवित्र दर्शन के अविस्मरणीय दिन से ही तुम्हारे पिताजी और मैं गुरु भाई के रिश्ते से घनिष्ठ मित्र रहे हैं लाहिडी महाशय ने तुम्हारे जन्म में विशेष रुचि दिखाई थी तुम्हारा जीवन निश्चय ही स्वयं उनके जीवन के साथ जुड़ा रहेगा गुरुदेव का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं होता मेरे जन्म के थोड़े ही दिन बाद लाहिड़ी महाशय ने इस जगत से प्रस्थान कर लिया पिताजी का जहां जहां भी स्थानांतरण होता था वहां वहां लाहिडी महाशय की एक सुंदर अलिंकृत फ्रेम में सजी हुई फोटो हमारे पूजा घर में देवताओं के चित्रों और मूर्तियों के साथ विराजमान रहती थी लगभग रोज ही सुबह और शाम को मां और मैं उस पूजा वेदी के सामने ध्यान लगाकर बैठते थे और चंदन से पुष्प अर्पण करते थे धूप और गुग्गल के साथ साथ अपनी संयुक्त भक्ति द्वारा हम उस ईश्वरत्व की पूजा करते थे जो लाहिड़ी महाशय में पूर्णतः अभिव्यक्त हुआ था उनकी उस फोटो का मेरे जीवन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया वैसे वैसे मेरे मन में उस महान गुरु का विचार अधिक दृढ़ होता गया ध्यान में मैं देखता कि उनकी छवि उस छोटे से फ्रेम से बाहर आ गई है और जीवित रूप धारण कर मेरे सामने बैठ गई है जब मैं उनके ज्योतिर्मय शरीर के चरणों का स्पर्श करने का प्रयास करता तब वे बदलकर पुनः चित्र बन जाते जब मैंने बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश किया तो देखा कि फ्रेम में जकड़ी लाहिड़ी महाशय की छोटी सी छवि मेरे मन में जीवित ज्ञान प्रदाय उपस्थिति बनकर विराजमान हो चुकी है किसी उलझन या परीक्षा की घड़ी में मैं उनसे प्रार्थना करता और अपने अंतर में उनका दायक मार्गदर्शन पाता। पहले पहले तो मुझे दुख होता था कि वे शारीरिक रूप में जीवित नहीं थे किंतु जैसे जैसे मुझे उनकी गुप्त सर्व व्यापकता का पता चलता गया वैसे वैसे मेरा दुख कम होता गया अपने उन शिष्यों को जो उनके दर्शन के लिए अति लालायित रहते थे वे प्राय लिखा करते थे जब मैं सदा तुम्हारे कूटस्थ, यानी दिव्य दृष्टि की पहुंच में हूं तो मेरे अस्थि मास को देखने के लिए आने की क्या आवश्यकता है लगभग आठ वर्ष की आयु में मुझे लाहिड़ी महाशय की फोटो के माध्यम से चमत्कारी स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ इस अनुभव ने मेरे प्रेम को और भी अधिक उत्कट कर दिया जब मैं बंगाल के इच्छापुर में अपने पारिवारिक घर में रह रहा था तब मुझे हैजा हो गया मेरे बचने की कोई आशा नहीं रही डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे थे मेरे बिस्तर के पास बैठी मां ने भाव विवहलता के अतिरिक्त के साथ मेरे सिर के ऊपर टंगी लाहिड़ी महाशय की फोटो की ओर देखने का मुझे इशारा किया उन्हें मनी मन प्रणाम करो वे जानती थीं कि प्रणाम करने के लिए हाथ उठाने की शक्ति मुझ में नहीं बची थी यदि तुम सचमुच अपनी भक्ति प्रकट करोगे और अपने अंतर में उनका चरण स्पर्श करोगे तो तुम्हें जीवनदान मिल जाएगा मैंने उनकी फोटो की ओर देखा तो वहां आंखें चौंधियाने वाला प्रखर प्रकाश दिखाई पड़ा जिसने मेरे शरीर और पूरे कमरे को अपने में समा लिया मेरी मिचलाहट और अन्य अनियंत्रणीय लक्षण समाप्त हो गए मैं स्वस्थ हो गया क्षण अच्छा ही मुझ में इतनी शक्ति आ गई कि अपने गुरु में अपार श्रद्धा रखने वाली मां का मैंने झुक कर चरण स्पर्श किया मां बार बार उस छोटी सी फोटो पर अपना माथा टेक रही थी हे hey, सर्वव्यापी गुरुदेव मैं आपकी कृतज्ञ हूं कि आपके आलोक ने मेरे पुत्र को अच्छा कर दिया मैं समझ गया कि उन्होंने भी उस तेजोमय ज्योति का दर्शन किया था जिसकी महिमा से मैं उस साधारणतया प्राण घातक साबित होने वाली बीमारी से एकाएक एक अच्छा हो गया था मेरे पास जो कुछ भी अनमोल चीजें हैं उनमें एक व फोटो भी है स्वयं लाहिड़ी महाशय द्वारा पिताजी को दी गई यह फोटो एक पवित्र स्पंदन से युक्त है इस फोटो के पीछे भी एक चमत्कारिक कहानी है मैंने यह कहानी पिताजी के गुरु भाई काली कुमार राय से सुनी थी ऐसा प्रतीत होता है कि लाहिड़ी महाशय को अपनी फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था एक बार उनके विरोध के बावजूद उनकी और उनके कई शिष्यों की जिनमें काली कुमार राय भी शामिल थे एक सामूहिक फोटो खींची गई पर उस समय फोटोग्राफर के आश्चर्य की सीमा ना रही जब उसने देखा कि उस फोटो में सब शिष्यों के चित्र तो एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहे थे परंतु बीच में जहां उसने लाहिडी महाशय का चित्र होने की सार्थक आशा की थी वहां कोई आकृति नहीं थी वह स्थान बिल्कुल खाली था इस विस्मयकारी घटना पर खूब चर्चा हुई एक शिष्य गंगाधर बाबू ने जो एक कुशल फोटोग्राफर थे डींग मारी कि लाहिड़ी महाशय चाहे जो कर ले उनकी फोटो अवश्य खींच सकते हैं अगले दिन प्रातःकाल जब गुरुदेव लकड़ी की बेंच पर पद्मासन में बैठे थे और उनके पीछे एक कपड़े का पर्दा भी लगा दिया गया था तब गंगाधर बाबू अपने सात सामान के साथ वहां पहुंच गए सफलता के लिए सारी सावधानियां बरतते हुए उन्होंने उत्कंठापूर्वक बारह फोटो खींची किंतु शीघ्र ही उन्हें दिखाई पड़ा कि हर प्लेट पर लकड़ी की बेंच और पर्दे का चित्र तो स्पष्ट है पर गुरुदेव की आकृति का पुनः कहीं पता नहीं गंगाधर बाबू का अभिमान चूर चूर हो गया अश्रु बहाते हुए वे दौड़े दौड़े लाहिड़ी महाशय के पास पहुंचे कई घंटों के बाद लाहिड़ी महाशय ने सार गर्भित वाक्य के साथ अपना मौन तोड़ा मैं ब्रह्म हूं क्या तुम्हारा कैमरा सर्वव्यापी अगोचर का चित्र खींच सकता है गंगाधर बाबू ने कहा मैं देख रहा हूं कि नहीं खींच सकता परंतु हे सर्वज्ञ गुरुदेव आपके देह मंदिर की एक फोटो प्राप्त करने की बहुत इच्छा है मेरी दृष्टि संकुचित रही है आज तक मैं यह नहीं समझ पाया था कि आप में ब्रह्म पूर्ण रूप से वास करता है फिर कल सुबह आओ मैं तुम्हारे कैमरे के सामने बैठकर फोटो खिंचवा लूंगा पुनः फोटोग्राफर ने अपना कैमरा फोकस किया इस बार अगोचर रहस्यमयता के आवरण से रहित उस पवित्र महापुरुष की आकृति प्लेट पर स्पष्ट रूप से उभर आई गुरुदेव ने इसके बाद कभी अपनी कोई फोटो नहीं खिंचवाई कम से कम मैंने नहीं देखी वही फोटो इस पुस्तक में छपी है सांचे में ढली लाहिड़ी महाशय की मुखाकृति से कुछ पता नहीं चल पाता कि वे किस कुल वंश के थे उनकी रहस्यमय मुस्कान में ईश्वर साक्षात्कार के आनंद की कुछ कुछ झलक दिखाई देती है बाह्य जगत में नाम मात्र की रुचि का संकेत देती उनकी अर्धोन अर्धोन्मिलित आंखें आंतरिक परमानंद का संकेत करती हुई आधी बंद भी हैं इस जगत के क्षुद्र प्रलोभनों से अलिप्त वे आध्यात्मिक सहायता के लिए अपने पास आने वाले जिज्ञासुओं की आध्यात्मिक समस्याओं के प्रति सतत पूर्ण जागरूक रहते थे गुरुदेव के चित्र की महिमा से स्वास्थ्य लाभ करने के थोड़े दिन बाद ही मुझे एक प्रभावकारी दिव्य दर्शन हुआ एक दिन प्रातः अपने बिछौने पर बैठा मैं एक गहन दिवा स्वप्न में डूब गया बंद आंखों के अंधकार के पीछे क्या है यह अनुसंधानात्मक विचार बड़े वेग से मेरे मन में उभर आया तक्षण ही मेरी अंतर दृष्टि के सामने प्रखर प्रकाश कौंध गया मेरे ललाट में विस्तीर्ण दीप्तिमान पट पर पर्वत गुफाओं में ध्यानस्थ बैठे संतों की आकृतियां छोटे छोटे चलचित्रों की भांति प्रकट होने लगी आप लोग कौन है मैंने उच्च स्वर में पूछा हम हिमालय के योगी हैं इस दिव्य उत्तर का आनंद वर्णनातीत था मेरा हृदय पुलकित हो उठा आ मैं भी हिमालय में आकर आपके जैसा बनना चाहता हूं दृश्य अंतर्धान हो गया परंतु रजत किरणें मंडलाकार में अनंत की ओर विस्तृत होती गई यह अद्भुत आलोक क्या है मैं ईश्वर हूं मैं प्रकाश हूं यह ध्वनि बादलों की सौम्य बुद्बुदाहट जैसी थी मैं आपके साथ एकाकार होना चाहता हूं यद्यपि वह ईश्वरीय आनंद क्रमश क्षीण होता गया पर उससे मैं ब्रह्म की स्थाई खोज की विरासत प्राप्त करने में सफल हुआ ईश्वर शाश्वत नित्य नवीन आनंद है यह स्मृति मेरे हृदय पटल पर इस अनुभव के बाद लंबे समय तक बनी रही बचपन की एक अन्य स्मृति असाधारण है और उल्लेखनीय भी है क्योंकि उसका चिन्ह आज भी मेरे हाथ पर है एक दिन प्रातः समय मैं और मेरी बड़ी बहन उमा अपने गोरखपुर के घर के आहाते में नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे आसपास के तोतों को नीम के पके फल खाते में निहार रहा था और बीच में जो समय मिलता उसमें उमा दीदी मुझे बंगाली की पहली पुस्तक पढ़ने में मदद कर रही थी उमा दीदी ने अपने पैर पर फोड़ा होने की बात बताई और वो उस पर लगाने के लिए मरहम की एक डिबिया ले आई मैंने उसमें से थोड़ा मरहम लेकर अपने हाथ पर लगा लिया तुम निरोग हाथ पर मरहम क्यों लगा रहे हो बात ऐसी है दीदी मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहां फोड़ा होने वाला है चल झूठा कहीं का दीदी जब तक तुम कल सुबह क्या होता है यह देख नहीं लेती तब तक मुझे झूठा नहीं कह सकती मुझे क्रोध आ गया उमा पर उसका कोई असर नहीं पड़ा और उसने तीन बार अपने व्यंग्य को दोहराया एक दृढ़ निश्चय मेरी आवाज में ध्वनित होने लगा जब मैंने धीरे धीरे कहना शुरू किया मैं अपनी इच्छा शक्ति के बल के साथ कहता हूं कि कल मेरे हाथ पर इसी जगह काफी बड़ा फोड़ा निकल आएगा और तुम्हारा फोड़ा सूचकर दुगना हो जाएगा सुबह मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा फोड़ा निकल आया और उमा का फोड़ा आकार में दुगना हो गया मेरी बहन चीखती हुई मां के पास भागी मां मुकुंद जादू टोना करना सीख गया है मां ने गंभीर होकर मुझसे कहा हानि करने के लिए मैं शब्द शक्ति का प्रयोग कभी ना करूं मैंने मां का वह उपदेश सदा ही याद रखा है और उसका पालन किया है मेरे फोड़े का इलाज चीरे से हुआ डॉक्टर के चीरे से बना चिन्ह आज भी मौजूद है मेरे दाहिने हाथ पर मनुष्य के शब्द की शक्ति का नित्य स्मरण दिलाता हुआ यह चिन्ह स्मारक के रूप में विद्यमान है गहरी एकाग्रता के साथ उमा को कहे गए उन साधारण एवं प्रकट हानि रहित प्रतीत होने वाले शब्दों में बम के सदृश विस्फोट कर निश्चित परिणाम उत्पन्न करने की यद्यपि परिणाम हानिकर थे पर्याप्त शक्ति निहित थी बाद में मेरी समझ में आया कि किसी के जीवन को संकट से बचाने के लिए वाणी की विस्फोटक स्पंदन शक्ति का सदुपयोग किया जा सकता है और इस प्रकार बिना चिन्ह या कष्ट रहित शल्य चिकित्सा की जा सकती है हमारा परिवार पंजाब के लाहौर शहर में स्थानांतरित हुआ वहां मैंने देवी काली के रूप में जगन माता का एक चित्र प्राप्त किया हमारे घर की बालकनी में इस चित्र का अनौपचारिक मंदिर बना मेरे मन में अनायासी यह निश्चित विश्वास पैदा हो गया कि उस पवित्र स्थान पर की गई मेरी किसी भी प्रार्थना को पूर्ति का ताज पहना दिया जाएगा एक दिन वहां उमा के साथ खड़े होकर मैं दो लड़कों को दो घरों की छतों पर पतंग उड़ाते देख रहा था इन दोनों घरों और हमारे घर के बीच एक बहुत ही संकरी गली थी तुम आज इतने चुप क्यों हो ने खेल खेल में मुझे धक्का देकर पूछा मैं यह सोच रहा हूं कि कितनी अद्भुत बात है कि मैं जो भी मांगता हूं जगन माता मुझे दे देती हैं। मैं समझती हूं वह तुम्हें वे दोनों पतंगे भी दे देंगी मेरी बहन उपहास की हंसी हंसते हुए बोली क्यों नहीं मैंने उन पतंगों को पाने के लिए मौन प्रार्थना शुरू कर दी भारत में धागों पर मांझा यानी गोंद और शीशे का चूर्ण लगाकर पतंगों का खेल खेला जाता है प्रत्येक पतंग उड़ाने वाला अपने प्रतिद्वंद्वी की पतंग काटने का प्रयास करता है कटी हुई पतंग छतों के ऊपर से जाती है तब उसे पकड़ने में बड़ा मजा आता है उमा और मैं ऐसी बालकनी में खड़े थे जिसके ऊपर छत थी और दोनों ओर दीवारें भी थीं। इसलिए किसी कटी पतंग का हमारे हाथ आना असंभव प्रतीत होता था क्योंकि स्वाभाविक तौर पर उसका धागा छत के ऊपर ही लटकता हुआ आगे निकल जाता गली के उस पार पतंग उड़ाने वालों ने अपना खेल शुरू किया एक धागा कट गया तो ही पतंग मेरी दिशा में लपकी। अचानक हवा बंद हो जाने के कारण वह पतंग एक क्षण के लिए स्थिर हो गई और इसी बीच उसका धागा सामने वाले घर के ऊपर उगे नागफनी के पौधे में उलझ गया मेरे पकड़ने के लिए एक पूरा फंदा बन गया मैंने यह पुरस्कार उमा को सौंप दिया यह तो केवल एक असाधारण संयोग था न कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर यदि वह दूसरी पतंग भी तुम्हारे पास आ जाए तो मैं मानूंगी दीदी की काली आंखों से उनके शब्दों की अपेक्षा कहीं अधिक विस्मय प्रकट हो रहा था मैंने तीव्रता से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखी उस दूसरे पतंग उड़ाने वाले के जोर से झटका मारने के कारण उसका धागा भी टूट गया हवा में नाचती हुई पतंग मेरी ओर आने लगी मेरे सहायक नाक फनी के पौधे ने फिर से धागे को उलझाकर आवश्यक फंदा बना दिया ताकि मैं उसे पकड़ सकूं। मैंने अपना यह दूसरा पुरस्कार भी उमा को भेंट कर दिया सचमुच जगन माता तुम्हारी प्रार्थना सुनती है यह सब मेरे लिए विलक्षण है दीदी भयभीत मृक्षावक की भांति भाग गई दूसरा अध्याय मां का देहांत और अलौकिक तावीज मेरी मां की सबसे बड़ी इच्छा मेरे बड़े भाई के विवाह की थी आहा जब मैं अनंत की पत्नी का मुख देखूंगी तब मुझे इस धरती पर ही स्वर्ग मिल जाएगा इन शब्दों में मां को अपने वंश को आगे चलाने की प्रबल भारतीय भावना व्यक्त करते मैं प्राय सुनता था अनंत की सगाई के समय मैं लगभग ग्यारह वर्ष का था मां कोलकाता में अत्यंत उल्लास से विवाह की तैयारियों में जुटी हुई थी केवल पिताजी और मैं ही उत्तरी भारत में स्थित बरेली में अपने घर में रह गए थे जहां लाहौर में दो वर्ष रहने के बाद पिताजी का स्थानांतरण हो गया था इसके पूर्व मैं अपनी दो बड़ी बहनों रमा और उमा के विवाहों का ठाट बाट देख चुका था किंतु घर में सबसे बड़ा पुत्र होने के नाते अनंत के विवाह की तैयारियां तो और भी बड़े स्तर पर हो रही थी मां प्रतिदिन दूर दूर से कोलकाता पहुंचते सगे संबंधियों की आव भगत करने में व्यस्त थी मां ने फिफ्टी गए एक नए विशाल घर में उन सबके आराम पुर्वक ठहरने की व्यवस्था की थी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी विवाह भोज के लिए नाना विध व्यंजन बारात के साथ अनंत को ले जाने के लिए पालकी रंग बिरंगी बत्तियों की कतारें गत्ते के विशाल काये हाथी और ऊंट अंग्रेजी स्कॉटिश और हिंदुस्तानी बैंड बाजे पेशेवर गायक तथा नर्तक विवाह विधि संपन्न कराने के लिए पंडित पुरोहित सब कुछ तैयार था मंगलोत्सव के उत्साह से भरे हुए पिताजी और मैं समय पर विवाह के लिए पहुंचने का विचार कर रहे थे परंतु उस शुभ दिन से थोड़े ही पहले मैंने एक अमंगल सूचक दृश्य ध्यान में देखा यह बरेली में अर्ध के समय था मैं पिताजी के साथ अपने बंगले के बरामदे में सोया हुआ था पलंग पर लगी मच्छरदानी के विचित्र की किसी ध्वनि से मेरी नींद खुल गई पतली मच्छरदानी के पर्दे खुल गए और मुझे अपनी प्रिय मां दिखाई पड़ी अपने पिताजी को जगाओ मां की आवाज केवल एक फुसफुसाहट की तरह लगी आज ही भोर को चार बजे यहां से चलने वाली पहली गाड़ी पकड़ो यदि मुझे देखना चाहते हो तो जल्दी करो इसके बाद वह छाया मूर्ति अदृश्य हो गई पिताजी पिताजी प्राण त्याग रही हैं मेरे आर्त स्वर में व्याप्त भयाकुलता ने उन्हें तक्षण जगा दिया सुबकते हुए मैंने उन्हें सारी घटना सुना दी अपने स्वभाव के अनुसार इस स्थिति को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मुझसे कहा चिंता की कोई बात नहीं यह तुम्हारे मन का भ्रम मात्र है तुम्हारी मां बिल्कुल ठीक है यदि कोई दुखद समाचार मिल ही गया तो हम लोग कल चल पड़ेंगे यदि आप अभी तुरंत नहीं चले तो अपने आप को आप कभी क्षमा नहीं कर पाएंगे तीव्र व्यथा के कारण मेरे मुंह से यह शब्द भी निकल पड़े और ना ही मैं आपको कभी क्षमा करूंगा विषादपूर्ण प्रातःकाल स्पष्ट संदेश लेकर आया मां गंभीर रूप से अस्वस्थ विवाह स्थगित तुरंत आइए पिताजी और मैं हत बुद्धि होकर निकल पड़े रास्ते में जहां गाड़ी बदलनी पड़ती थी वहां मेरे एक चाचा हम लोगों से मिले आकार में बड़ी बड़ी होती जाती एक रेलगाड़ी वज्र गर्जन के साथ हमारी ओर आ रही थी आंतरिक शुद्धता के कारण अपने आप को गाड़ी के आगे झोंक देने का निश्चय अचानक मेरे मन में उठा मुझे लगा कि मां की छत्र छाया से वंचित हो जाने के बाद अब अचानक पूर्णतः उजड़ गए इस संसार को सहने की क्षमता में नहीं है मैं मां से इस संसार में सबसे प्रिय मित्र के रूप में प्यार करता था उनके सांत्वनादायक काले नयन बचपन की छोटी छोटी व्यथा वेदनाओं के समय मेरा एकमात्र आश्रय थे क्या मां अभी तक जीवित हैं? चाचा से एक अंतिम प्रश्न करने के लिए मैं रुक गया चाचा को मेरे चेहरे पर छाई अधीरता को भाप लेने में तनिक भी देर नहीं लगी नहीं संशय वे जीवित हैं पर मुझे उन पर थोड़ा भी विश्वास नहीं हुआ हम कोलकाता में घर पहुंचे तो हमें मृत्यु के अचेतन करने वाले रहस्य का सामना करना पड़ा मृत प्राय सा होकर गिर पड़ा किसी प्रकार की सांत्वना को मेरे हृदय का स्पर्श भी कर पाने के लिए कई वर्ष लग गए मेरी आर्त पुकारों ने साक्षात स्वर्ग के द्वारों को हिला दिया आखिर जगत जननी को आना ही पड़ा उनके स्नेह स्निग्ध शब्दों ने मेरे रिश्ते घावों को भर दिया वह मैं ही थी जिसने जन्म जन्मांतर में अनेक माताओं की स्नेह वत्सलता के माध्यम से तुम्हारी देखभाल की खोए हुए जिन दो सुंदर काले नयनों को तुम ढूंढ रहे हो उन्हें मेरी आंखों में देखो परम प्रिय माँ के श्राद्ध कर्म के बाद शीघ्र ही पिताजी और मैं बरेली लौट आए अतीत की स्मृति में प्रतिदिन भोर में ही मैं अपने बंगले के सामने स्थित नरम हरित स्वर्णिम हरियाली को छाया देते खड़े पारिजात वृक्ष की दुखार्थ होकर तीर्थ यात्रा करता कभी कभी काव्य में क्षणों में मैं सोचता था कि पारिजात के श्वेत पुष्प अपनी अंतर जात भक्ति से हरित तृण वेदी पर अपने आप को बिखेर रहे हैं उस बिंदुओं के साथ अपने अश्रु बिंदुओं को मिलाते हुए मैं प्राय ऊषा से लोकोत्तर अलौकिक प्रकाश निकलता देखा करता ईश्वर को पाने की तीव्र कसक से मैं तड़प उठता। हिमालय चले जाने की प्रबल इच्छा मुझ में जाग उठी मेरे एक चचेरे भाई हिमालय की पावन पर्वत श्रेणियों की यात्रा कर हमारे यहां बरेली आए योगियों और स्वामियों के उस उच्च पर्वत निवास स्थान की कहानियां मैंने उनसे उत्सुकतापूर्वक सुनी चलो हिमालय भाग चलें। यह प्रस्ताव एक दिन मैंने बरेली में अपने मकान मालिक के पुत्र द्वारका प्रसाद के समक्ष रखा परंतु वह ऐसे विचारों से सहमत नहीं था उसने मेरे इस विचार से मेरे बड़े भाई को अवगत करा दिया जो उसी समय पिताजी से मिलने के लिए वहां आए थे एक छोटे बच्चे की इस अव्यवहारिक योजना को हंसकर टाल देने के बदले अनंत ने मेरा उपहास करने का निश्चय कर लिया तुम्हारे गेरुए कपड़े कहां हैं उनके बिना तो तुम स्वामी नहीं बन सकते परंतु उनके इन शब्दों से मैं अबोधगम्य रूप से पुलकित हो उठा उन शब्दों ने एक स्पष्ट चित्र मेरी दृष्टि के सामने खड़ा कर दिया कि मैं सन्यासी बनकर भारत भ्रमण कर रहा हूं शायद उन शब्दों ने किसी पूर्व जन्म की स्मृतियों को जगा दिया था चाहे जो बात हो पर मुझे यह तो पता चल गया कि प्राचीन सन्यास परंपरा का गेरुआ वस्त्र मैं अत्यंत स्वाभाविक सहजता के साथ धारण कर सकूंगा एक दिन द्वारका के साथ बातचीत करते हुए मैंने अनुभव किया कि हिमस्खलन के समान प्रचंड वेग से ईश्वर प्रेम की धारा मुझ में उतर रही है इसके फल स्वरूप शब्दों का जो धारा प्रवाह मुझसे बहने लगा उसकी ओर द्वारका का तो विशेष ध्यान नहीं था पर मैं पूरे मन से अपने आप को सुन रहा था उसी दिन दोपहर को मैं हिमालय की तलहटी में स्थित पहाड़ियों में बसे नैनीताल की ओर भाग गया अनंत ने भी दृढ़ संकल्प के साथ मेरा पीछा किया और विवश होकर मुझे दुखी अंतकरण के साथ बरेली वापस आना पड़ा मुझे केवल एक ही तीर्थ यात्रा करने की अनुमति थी और वह थी प्रतिदिन प्रातः की पारिजात वृक्ष की तीर्थ यात्रा मेरा हृदय अपनी खोई हुई दोनों माताओं के लिए मूक रुदन करता रहा एक मानवी माता दूसरी जगन माता मां के स्वर्गवास से परिवार में जो रिक्तता उत्पन्न हो गई वह कभी भरी नहीं जा सकती थी अपने जीवन के लगभग चालीस शेष वर्षों में पिताजी ने दूसरा विवाह नहीं किया अपने बाल वृंद के माता पिता की कठिन भूमिका उन्होंने स्वयं ही स्वीकार कर ली और इसके निर्वाह में वे हमारे साथ अधिक कोमल हृदय अधिक मिलनसार बन गए शांति और सूझबूझ के साथ ही वे विभिन्न पारिवारिक समस्याओं को हल करते कार्यालय से आने के पश्चात वे किसी विरक्त की भांति अपने कक्ष में चले जाते और आनंदपूर्ण प्रशांति में क्रिया योग का अभ्यास करते मां के स्वर्गवास के बहुत समय बाद मैंने ऐसी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने के लिए एक अंग्रेज परिचारिका को रखने का प्रयास किया ताकि पिताजी को कुछ आराम मिल सके परंतु पिताजी ने सिर हिला हिलाकर अपनी असहमति प्रकट की तुम्हारी मां के साथ ही मेरी सेवा का अंत हो गया आजीवन एक पत्नी परायणता के भाव में उनकी आंखें खो मैं किसी भी अन्य स्त्री की सेवा ग्रहण नहीं करूंगा मां के गुजर जाने के चौदह महीने बाद मुझे ज्ञात हुआ कि वह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ गई हैं। उनके अंतिम समय अनंत दा उनके पास उपस्थित थे और उन्होंने उनके शब्दों को लिख लिया था यद्यपि मां ने वह संदेश मुझे एक वर्ष में दिए जाने का निर्देश दिया था तथापि मेरे भाई ने उसमें विलंब कर दिया था उन्हें शीघ्र ही मां द्वारा उनके लिए पसंद की हुई कन्या से विवाह करने के लिए बरेली से कोलकाता प्रस्थान करना था एक दिन संध्या को उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया मुकुंद तुम्हें यह विलक्षण समाचार देने में मैं आनाकानी करता रहा उनके स्वर में विवशतापूर्ण समर्पण था मुझे भय था कि इससे तुम्हारी गृह त्याग की इच्छा और भड़क उठेगी परंतु तुम वैसे भी अभी प्रबल ईश्वर प्रेम से ओतप्रोत हो अभी हाल ही में जब मैं तुम्हें हिमालय जाते हुए रास्ते से पकड़ लाया तभी मैंने एक निश्चित संकल्प कर लिया मुझे किसी भी परिस्थिति में अब अपना पवित्र वचन निभाने में देर नहीं करनी चाहिए मेरे भाई ने मुझे एक छोटी सी डिबिया दी और मां का संदेश मुझे सुनाया मां ने कहा था मेरे प्रिय पुत्र मुकुंद मेरे ये शब्द तुम्हारे लिए मेरा अंतिम आशीर्वाद है अब वह समय आ गया है जब मुझे तुम्हारे जन्म के पश्चात घटी अलौकिक घटनाओं से तुम्हें अवगत करा देना चाहिए जब तुम मेरी गोद में एक नन्हे से शिशु मात्र थे तभी मुझे तुम्हारे निहित मार्ग का पता चल गया था मैं तब तुम्हें वाराणसी में अपने गुरु के घर ले गई थी वहां शिष्यों की भीड़ की ओट में लगभग छिपे हुए मैं ध्यानस्थ लाहिड़ी महाशय को कठिनता से देख पा रही थी तो मैं थक्कियां देते देते मैं मन ही मन प्रार्थना करती जा रही थी कि गुरुदेव को वहां हमारी उपस्थिति का ज्ञान हो जाए और वे तुम्हें आशीर्वाद दें। जब मेरी मूक भक्तिपूर्ण प्रार्थना तीव्र हो गई तब उन्होंने आंखें खोली और मुझे पास आने का इशारा किया सभी लोगों ने मुझे रास्ता दिया मैंने जाकर उन परम पवित्र चरण कमलों में अपना सिर रखा लाहिडी महाशय ने तुम्हें अपनी गोद में ले लिया और आध्यात्मिक दीक्षा के रूप में तुम्हारे ललाट पर अपना हाथ रखा छोटी मां तुम्हारा पुत्र एक योगी होगा एक आध्यात्मिक इंजन बनकर वह अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा सर्वज्ञ गुरुदेव ने मेरी गुप्त प्रार्थना स्वीकार कर ली यह देखकर मेरा हृदय आनंद से नाच उठा तुम्हारे जन्म के कुछ पहले उन्होंने मुझे बताया था कि तुम उनके ही मार्ग पर चलोगे मेरे पुत्र बाद में तुम्हें हुए दिव्य आलोक के दर्शन का मुझे और तुम्हारी बड़ी बहन रमा को भी पता चल गया था क्योंकि हम दोनों उस वक्त सात के कमरे में तुम्हें अपनी शैया पर निश्चल बैठा देख रही थी तुम्हारे छोटे से मुखमंडल पर तेज प्रकट हुआ था जब तुम भगवान को खोजने के लिए हिमालय जाने की बात कर रहे थे तब तुम्हारी आवाज में अत्यंत दृढ़ निश्चय ध्वनित हो रहा था इन सब माध्यमों से मेरे पुत्र मैं समझ गई थी कि तुम्हारा मार्ग सांसारिक महत्वाकांक्षाओं से दूर है मेरे जीवन की एक अद्वितीय घटना ने तो इस पर निश्चितता की मुहर लगा दी वही घटना आज मुझे मृत्यु शैया से यह संदेश तुम्हें देने के लिए विवश कर रही है यह घटना है पंजाब में एक साधु के दर्शन की जब हमारा परिवार लाहौर में रहता था तब एक दिन प्रातःकाल नौकर मेरे कमरे में आया मालकेन एक अजीब साधु द्वार पर आया है कहता है कि उसे मुकुंद की मां से ही मिलना है इन सीधे सरल शब्दों से मेरे भीतर कोई तार झंकृत हो उठा मैं तुरंत साधु से मिलने बाहर गई उनके चरणों में प्रणाम करते समय मैं समझ गई कि मेरे सामने कोई सच्चा सिद्ध पुरुष खड़ा है उन्होंने कहा माता महान गुरुजन तुम्हें यह बता देना चाहते हैं कि इस पृथ्वी पर तुम्हारा वास अब अधिक दिन नहीं रहेगा तुम्हारी अगली बीमारी तुम्हारे लिए अंतिम सिद्ध होगी इसके पश्चात थोड़ी देर वे मौन रहे उस मौन के दौरान मैंने कोई भय या संकट नहीं बल्कि महान शांति अनुभव की अंततः वे फिर कहने लगे तुम्हें अपने पास अमानत के रूप में रखने के लिए चांदी का एक ताबीज दिया जाएगा वह आज मैं तुम्हें नहीं दूंगा मेरे कथन को सत्य प्रमाणित करने के लिए कल जब तुम ध्यान कर रही होगी तब वह तुम्हारे हाथों में मूर्त रूप धारण कर लेगा जब तुम्हारे मृत्यु की घड़ी निकट आएगी तब तुम्हें वह तावीज अपने बड़े बेटे अनंत को देकर उसे बताना होगा कि एक वर्ष तक वह उस तावीज को अपने पास रखे और तत्पश्चात उसे तुम्हारे द्वितीय पुत्र को दे महापुरुषों से प्राप्त उस तावीज के मर्म को मुकुंद समझ लेगा उसे वह तावीज तब मिलना चाहिए जब वह सारी सांसारिक आशा आकांक्षाओं का परित्याग कर प्राणपण से ईश्वर की खोज करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हो जब वह तावीज़ कुछ वर्षों तक उसके पास रह चुका होगा और जब उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होगा तब वह अपने आप अदृश्य हो जाएगा गुप्त से गुप्त स्थान में भी वह रखा हो तब भी वह जहां से आया था वहीं वापस चला जाएगा मैंने उस साधु को भिक्षा अर्पण कर परम भक्तिभाव से नमन किया भिक्षा ग्रहण न कर मुझे आशीर्वाद देकर वे चले गए अगले दिन संध्या को जब मैं हाथ जोड़कर ध्यान में बैठी थी तब चांदी का एक तावीज़ मेरी हथेलियों के बीच में प्रकट हो गया जैसा साधु ने कहा था उसके शीतल चिकने स्पर्श से मुझे उसके प्रकट होने का ज्ञान हो गया मैंने दो वर्षों से अधिक समय तक इसे सावधानी पूर्वक संभाल कर रखा और अब इसे अनंत के पास छोड़े जा रही हूं मेरे लिए कोई शोक मत करना क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ईश्वर की गोद में पहुंचा देंगे अच्छा मेरे बच्चे अब मैं चलती हूं जगन माता तेरी रक्षा करेंगी। तावीज़ मेरे हाथ में आते ही ज्ञान का उज्जवल प्रकाश मुझ पर छा गया अनेक सुप्त स्मृतियां जाग उठी तावीज गोल दिखने में कुछ विचित्र सा और प्राचीन लगता था उस पर संस्कृत के अक्षर खुदे हुए थे मैं समझ गया कि इस जन्म के जीवन पथ पर भी अदृश्य रूप से मेरा मार्ग दर्शन करने वाले मेरे पूर्व जन्मों के गुरुओं ने इसे भेजा था इसका एक और अधिक गहन अभिप्राय भी था परंतु तावीज़ के भीतरी रहस्य का भेद खोल देना उचित नहीं होगा मेरे जीवन की अत्यंत दुखद घटनाओं के बीच वह तावीज अंत तक किस प्रकार अदृश्य हो गया और उसका अदृश्य होना किस प्रकार मेरे लिए गुरु लाभ का सूचक सिद्ध हुआ इसका वर्णन इस प्रकरण में करने की आवश्यकता नहीं किंतु हिमालय जाने की अपनी चेष्टाओं में बार बार असफल किया गया यह बालक तावीज़ के पंखों पर सवार होकर प्रतिदिन दूर दूर तक यात्रा कर लेता था तीसरा अध्याय द्विशरीरी संत पिताजी यदि मैं बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन दूं, तो क्या दर्शन यात्रा के लिए बनारस जा सकता हूं मेरे यात्रा प्रेम में पिताजी शायद ही कभी बाधा बनते थे मेरी किशोरावस्था में भी अनेक शहरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की अनुमति वे मुझे दे देते दे थे साधारणतः मेरे साथ मेरे एक या अधिक मित्र होते पिताजी द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी के पासों पर हम लोग आराम पूर्वक यात्रा करते हमारे परिवार के खाना बदोश लोगों के लिए पिताजी का रेलवे अधिकारी का पद पूर्णतः संतोषप्रद था पिताजी ने मेरे अनुरोध पर यथोचित विचार करने का वचन दिया दूसरे दिन मुझे अपने पास बुलाकर उन्होंने बरेली से बनारस जाने आने का एक पास एक रुपए के कुछ नोट और दो पत्र देते हुए कहा मुझे बनारस के अपने मित्र केदारनाथ बाबू को एक कार्य के विषय में कुछ प्रस्ताव भेजना है दुर्भाग्यवश उनके पते का कागज मैंने कहीं खो दिया है परंतु मुझे विश्वास है कि हम दोनों के मित्र स्वामी प्रणवानंद की सहायता से तुम यह पत्र उन तक पहुंचा सकोगे स्वामी जी मेरे गुरु भाई हैं उन्होंने अति उन्नत आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त कर ली है उनके संग से तुम्हें भी लाभ होगा यह दूसरा पत्र उन्हें तुम्हारा परिचय देगा साथ में यह कहते हुए पिताजी की आंखें चमक उठी याद रखो अब फिर कभी घर से नहीं भागना समझे अपनी बारह वर्ष की आयु के उत्साह के साथ मैं निकल पड़ा यद्यपि समय ने नवीन दृश्यों और अपरिचित व्यक्तियों से मुझे मिलने वाले आनंद में अभी भी कोई कमी नहीं आने दी है बनारस पहुंचते ही मैं सीधे स्वामी जी के निवास स्थान की ओर चल पड़ा सामने का द्वार खुला था मैं दूसरी मंजिल पर स्थित एक लंबे हॉल नुमा कमरे में जा पहुंचा फर्श से कुछ ऊंची उठी हुई एक चौकी पर एक स्थूल का व्यक्ति केवल एक अधो वस्त्र धारण किए हुए पद्मासन में बैठे थे उनके होठों पर शांत सुंदर मुस्कान खेल रही थी मेरे अवांछित प्रवेश के संकोच को दूर करने के लिए किसी चिर परिचित मित्र की भांति उन्होंने मेरा स्वागत किया बाबा आनंद बाल सुलभ आवाज में उन्होंने इन शब्दों के साथ मेरा हार्दिक स्वागत किया मैंने घुटने टेक कर उनका चरण स्पर्श किया क्या आप ही स्वामी प्रणमानंद जी हैं उन्होंने में सिर हिलाया तुम भगवती के बेटे हो इससे पहले कि मुझे अपनी जेब से पिताजी का पत्र निकालने का अवसर भी मिल पाता उनके शब्द निकल चुके थे आश्चर्यचकित होकर मैंने पिताजी का उनके लिए दिया हुआ अपना परिचय पत्र निकालकर उनके हाथ में दिया जो अब निरर्थक जान पड़ता था तुम्हारे लिए केदारनाथ बाबू को मैं अवश्य ढूंढ निकालूंगा संत ने पुनः एक बार अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मुझे विस्मित कर दिया तत्पश्चात उन्होंने पत्र पर एक दृष्टि डाली और मेरे पिताजी के संबंध में कुछ स्नेह भरे उद्गार व्यक्त किए देखो मुझे दो पेंशनें मिलती हैं। एक तुम्हारे पिताजी की सिफारिश से जिनके अधीन मैं रेलवे कार्यालय में काम करता था दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह से जिनके लिए मैंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को अंत प्रेरणा के अनुसार अपना सर्वोत्तम प्रयास करके पूर्ण कर दिया है मुझे यह कथन अत्यंत गुढ़ लगा परमपिता से आपको कैसी पेंशन मिलती है स्वामी जी वे क्या धन आपकी गोद में डाल देते हैं स्वामी जी हंस पड़े पेंशन से मेरा अभिप्राय है अगाध शांति अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार मुझे अब धन की कभी कोई इच्छा नहीं होती मेरी अत्यल्प भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है इस दूसरी पेंशन का तात्पर्य तुम बाद में समझ जाओगे अचानक वार्तालाप बंद कर स्वामी जी गंभीर और निश्चल हो गए किसी रहस्यमय भाव ने उन्हें आवृत कर लिया प्रारंभ में तो उनकी आंखें चमक उठी जैसे किसी आकर्षक वस्तु को देख रही हूं बाद में निष्प्रभ हो गई मैं उनके इस अचानक मौन से उद्विग्न हो गया उन्होंने अभी तक मुझे यह नहीं बताया था कि मैं अपने पिताजी के मित्र से कैसे मिल सकूंगा तनिक बेचैन होकर मैंने उस खाली कमरे में दृष्टि दौड़ाई जिसमें हम दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था जिस चौकी पर वे बैठे थे उसके नीचे रखी उनकी काठ की खड़ाओं पर मेरी दृष्टि पड़ी छोटे महाशय चिंता मत करो जिनसे तुम मिलना चाहते हो वे आधे घंटे में यहां पहुंच जाएंगे योगीवर मेरे मन को पढ़ रहे थे उस समय यह कोई बड़ी बात भी नहीं लग रही थी उन्होंने पुनः गहन मौन धारण कर लिया जब मेरी घड़ी से मुझे पता चला कि तीस मिनट बीत चुके हैं तब स्वामी जी स्वयं ही उठ गए लगता है केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं उन्होंने कहा मैंने सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आहट सुनी विस्मित अबोध्यता में मैं अचानक डूब गया असमंजस में मेरे विचार दौड़ने लगे बिना किसी संदेश वाहक का उपयोग किए पिताजी के मित्र को यहां बुलाना कैसे संभव हो सकता है मेरे यहां आने के बाद स्वामी जी ने तो मेरे अतिरिक्त किसी से भी बात नहीं की है मैं चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गया और सीढ़ियां उतरने लगा आधे रास्ते में ही मध्यम कद के एक दुबले पतले गौरवर्ण व्यक्ति से मेरी भेंट हुई वे किसी जल्दी में लग रहे थे क्या आप केदारनाथ बाबू हैं मेरी आवाज में उत्तेजना स्पष्ट थी हां और तुम भगवती के बेटे हो ना जो मुझसे मिलने के लिए यहां प्रतीक्षा कर रहे हो वे मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराए महाशय पर आप यहां कैसे आए उनकी अबोध्य उपस्थिति से मुझे विस्मयकारी रोष का अनुभव हुआ आज सब कुछ रहस्यमय लग रहा है एक घंटे से भी कम समय पहले मैंने गंगा स्नान समाप्त किया ही था कि स्वामी प्रणवानंद जी मेरे पास पहुंच गए मैं सोच भी नहीं सकता कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उस समय वहां था भगवती का बेटा मेरे घर में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है उन्होंने कहा क्या तुम मेरे साथ चलोगे मैं खुशी से तैयार हुआ हम लोग हाथ में हाथ डालकर चलने लगे किंतु खड़ा पहनने के बावजूद भी स्वामी जी आश्चर्यजनक ढंग से मुझे पीछे छोड़कर आगे निकल गए हालांकि मैं ये मजबूत जूते पहने हुए था फिर प्रणवानंद जी ने अकस्मात रुककर मुझसे पूछा मेरे घर पहुंचने में तुम्हें कितना समय लगेगा लगभग आधा घंटा मुझे अभी कुछ और काम है उन्होंने एक रहस्यमय दृष्टि मुझ पर डाली अब मुझे तुम्हें पीछे छोड़कर जाना होगा तुम सीधे मेरे घर पहुंच जाओ जहां मैं और भगवती का बेटा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे मैं उनसे कुछ कह सकूं इससे पहले ही वे तेजी से मेरे पास से निकल गए और भीड़ में अदृश्य हो गए मैं जितना तेज चल सकता था उतना तेज चलकर यहां पहुंचा हूं केदारनाथ बाबू के इस कथन से मैं और भी हतबुद्धि हो गया मैंने उनसे पूछा कि वे स्वामी जी को कब से जानते थे पिछले वर्ष तो हमारी कुछ मुलाकातें हुई थी पर हाल में कभी भेंट नहीं हुई आज पुनः स्नान घाट पर उनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है मेरा दिमाग तो नहीं फिर रहा है क्या आप उनसे मन दृष्टि में मिले थे या वास्तव में देखा था उनके हाथ का स्पर्श किया था और उनकी पच्चाप सुनी थी तुम कहना क्या चाहते हो गुस्से से उनका चेहरा तम, तम आ गया मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं क्या तुम यह नहीं समझ पा रहे हो कि केवल स्वामी जी के द्वारा ही तो मुझे पता चल सकता था कि तुम यहां मेरी प्रतीक्षा कर रहे हो पर यह देखिए मैं एक घंटा पहले यहां आया और तब से अब तक स्वामी प्रणवानंद जी एक क्षण के लिए भी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुए मैंने सारी कहानी उन्हें सुना दी और स्वामी जी और मेरे बीच का वार्तालाप भी उनके सामने दोहरा दिया उनकी आंखें फैल गई हम लोग इस भौतिक युग में जी रहे हैं या स्वप्न देख रहे हैं मैंने अपने जीवन में कभी भी इस प्रकार का चमत्कार देख पाने की आशा नहीं की थी मैं तो समझता था यह स्वामी जी केवल एक साधारण मनुष्य हैं। और अब देखता हूं कि ये एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं उसके द्वारा काम भी कर सकते हैं हम दोनों ने साथ साथ ही स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाओं की ओर इशारा किया देखो ये वही खड़ाओं हैं जो स्वामी जी ने घाट पर पहनी हुई थी उन्होंने फुसफुसाकर कहा उन्होंने केवल एक अधो वस्त्र पहन रखा था जैसा उन्होंने अभी पहन रखा है केदारनाथ बाबू ने जब स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी मेरी ओर देखते हुए विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए तो सबसे इतने स्तंभित क्यों हो दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती मैं सुदूर कोलकाता में रहने वाले अपने शिष्यों के सामने क्षण भर में प्रकट होकर उनसे वार्तालाप कर सकता हूं वे भी इसी प्रकार स्थूल जगत की प्रत्येक बाधा को अपनी इच्छा अनुसार पार कर सकते हैं शायद मेरे बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी अपने दूर श्रवण और दूरदर्शन के योग बल के बारे में मुझे बताने के लिए राजी हुए परंतु उत्साह के बदले मुझे युक्त भय का अनुभव हुआ चूंकि मेरी ईश्वर खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ही होनी तय थी जिनसे मैं अभी मिला भी नहीं था अतः प्राणवानंद जी को अपना गुरु मानने की कोई प्रवृत्ति मेरे मन में नहीं उठी मैंने यह सोचते हुए उनकी ओर सशंकित मन से देखा कि मेरे सामने बैठे हुए वे स्वयं ही थे या उनका प्रतिरूप था स्वामी जी ने मेरी ओर आत्मज्ञानोदय कराने वाली दृष्टि से देखते हुए तथा अपने गुरु महाराज के विषय में कुछ प्रेरणादायक बातें बताते हुए मेरी अशांति दूर करने की चेष्टा की जितने योगियों को मैं जानता हूं उन सब में लाहिड़ी महाशय सबसे महान योगी थे मिनारदे में साक्षात ईश्वर थे मैंने मन ही मन सोचा कि जब शिष्य भी इच्छा मात्र से एक और रक्त मास का शरीर धारण कर सकता है तब उसके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार करना असंभव होगा गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है वह सुनो मैं गुरुदेव के एक अन्य शिष्य के साथ नित्य रात को आठ घंटे ध्यान किया करता था दिन में हम दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे क्लर्क के कार्य निर्वाह में कठिनाई होते देख पूरा समय ईश चिंतन में लगाने की मेरी इच्छा हुई आठ वर्ष तक आधी रात मैं ध्यान में ही बिताता था इस साधना के अद्भुत परिणाम मुझे प्राप्त होते थे गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता था परंतु उस अनंत परम तत्व और मेरे बीच सदैव एक छीना पर्दा बना रहता था अति मानवीय एकाग्रता और निष्ठा के साथ प्रयास करते रहने पर भी मैंने पाया कि परम निर्विघ्न एकात्मता से मैं वंचित हूं एक दिन सायंकाल मैं लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ और मध्यस्थता के लिए मैंने उनसे प्रार्थना की हट पूर्वक सारी रात मैं उनसे आग्रह करता रहा करुणा सागर गुरुदेव मेरी आत्मा इतनी तड़प रही है कि मैं उस प्राण प्रिय परम प्रेमी के प्रत्यक्ष दर्शन बिना अब और जीवित नहीं रह सकता तो मैं क्या कर सकता हूं तो मैं अधिक गहराई से ध्यान करना पड़ेगा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं हे प्रभु मेरे स्वामी मैं आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में प्रकट देख रहा हूं मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपके अनंत स्वरूप में मैं आपके दर्शन कर सकूं। लाहिड़ी महाशय ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा तुम अब जाकर ध्यान करो मैंने तुम्हारे लिए ब्रह्म से प्रार्थना कर दी है परिमित आनंद से उल्लसित होकर मैं घर लौटा उस रात ध्यान में मुझे अपने जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई अब मुझे निरंतर वह आध्यात्मिक पेंशन मिल रही है उस दिन से फिर कभी वह आनंद पूर्ण सृष्टा माया के किसी पर्दे के पीछे छिपकर मेरी दृष्टि से ओझल नहीं हुआ प्रणवानंद जी का मुखमंडल दिव्य तेज से दमक रहा था एक अलौकिक शांति मेरे हृदय में प्रविष्ट हुई सारा भय नष्ट हो गया फिर स्वामी जी ने एक और गुप्त बात मुझे बताई कुछ महीनों बाद मैं फिर लाहिड़ी महाशय के चरणों में उपस्थित हुआ और उनके असीम वरदान के लिए कृतज्ञता प्रकट करने का मैंने प्रयास किया फिर मैंने दूसरी एक बात छेड़ी दया निधान गुरुदेव मैं अब ऑफिस में काम नहीं कर सकता कृपा करके मुझे, मुझे मुक्त कर दीजिए ब्रह्म मुझे निरंतर मदमस्त बनाए रखता है अपनी कंपनी से पेंशन के लिए अर्जी करो इतने अल्पकाल की नौकरी के बाद मैं पेंशन के लिए क्या कारण बता सकूंगा जो मन में आए वही बता दो अगले दिन मैंने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया डॉक्टर ने समय पूर्व पेंशन के लिए कारण पूछा काम करते समय मेरी रीढ़ में मुझ पर काबू करने वाली कोई अत्यधिक तीव्र संवेदना उठती है वह पूरे शरीर में फैल जाती है और फिर मैं अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाता हूं और कोई प्रश्न किए बिना डॉक्टर ने पेंशन के लिए मेरे पक्ष में बहुत अच्छी सिफारिश लिख दी और मुझे शीघ्र ही पेंशन मिल गई मैं जानता हूं कि डॉक्टर और तुम्हारे पिता सहित सब संबंधित रेलवे अधिकारियों के माध्यम से लाहिड़ी महाशय की दैवी इच्छा ही कार्य कर रही थी उन लोगों ने लाहिड़ी महाशय के दैवी निर्देश का अपने आप ही पालन किया और मुझे अखंड ईश चिंतन के लिए मुक्त कर दिया इस असाधारण रहस्योद्घाटन के उपरांत स्वामी प्राणवानंद जी दीर्घ काल तक मौन रहे जब मैं भक्तिभाव से उनका चरण स्पर्श कर उनसे जाने के लिए अनुमति मांग रहा था तब उन्होंने आशीर्वाद दिया तुम्हारा जीवन सन्यास और योग मार्ग के लिए है तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे साथ मेरी फिर एक बार भेंट होगी अनेक वर्षों के उपरांत ये दोनों ही भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई धीरे धीरे घिरते जा रहे अंधकार में केदारनाथ बाबू मेरे साथ साथ चल रहे थे मैंने उन्हें पिताजी का पत्र दिया जो उन्होंने सड़क पर लगी रोशनी के प्रकाश में पढ़ा तुम्हारे पिताजी ने इसमें अपनी रेलवे कंपनी के कोलकाता कार्यालय में मुझे एक पद ग्रहण करने का प्रस्ताव दिया है स्वामी प्राणवानंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम से कम एक पेंशन का अधिकारी हो पाना कितना सुखद होता परंतु यह असंभव है मैं बनारस छोड़कर नहीं जा सकता खेद है कि एक साथ दो शरीर धारण करने का मेरा समय अभी नहीं आया है चौथा अध्याय हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा कोई भी छोटा मोटा बहाना बनाकर अपनी कक्षा से बाहर निकल आओ और एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ले लो हमारी गली में ऐसी जगह आकर ठहरना जहां तुम्हें मेरे घर का कोई सदस्य ना देख सके मेरे साथ हिमालय जाने की योजना बनाने वाले उच्च माध्यमिक विद्यालय के अपने सहपाठी अमर मित्तर को मेरा यह अंतिम निर्देश था अपने पलायन के लिए हम लोगों ने अगला दिन तय किया था अनंत दा मुझ पर कड़ी दृष्टि रखते थे इसलिए सावधानी बरतना आवश्यक था उन्हें पूरा संदेह था कि मेरे मन में भाग जाने की प्रबल इच्छा है और वे मेरी योजना को विफल बनाने के लिए कृत संकल्प थे तावीज चुपचाप अपना कार्य करता हुआ मेरे अंदर आध्यात्मिक उफान ला रहा था मुझे आशा थी कि हिमालय में मुझे अपने वे गुरु मिल जाएंगे जिनका चेहरा प्राय मुझे अपने अंतर मन के दिव्य दर्शनों में दिखाई देता था पिताजी का स्थाई रूप से कोलकाता में स्थानांतरण हो गया था और अब हमारा परिवार वहीं रह रहा था पित्र सत्ताक भारतीय परंपरा के अनुसार अनंतदा भी अपनी नव वधु के साथ हमारे घर में रहने आ गए थे वहां मैं अटारी पर स्थित एक छोटे से कमरे में नित्य ध्यान करके अपने मन को ईश्वर अनुसंधान के लिए तैयार कर रहा था उस अविस्मरणीय दिन का उदय अमंगलकारी वर्षा के साथ हुआ सड़क पर अमर की घोड़ा गाड़ी की आवाज सुनते ही मैंने जल्दी जल्दी एक कंबल में एक जोड़ा खड़ाओं दो कॉपीन एक जपमाला लाहिडी महाशय की फोटो और भगवत गीता की एक प्रति बांध ली इस पोटली को मैंने तीसरी मंजिल की अपनी खिड़की से नीचे फेंक दिया मैं भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा और द्वार पर मछली खरीद रहे चाचा जी के बगल से आगे बढ़ गया क्या जल्दी है उन्होंने सशंक दृष्टि से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा बिना कोई उत्तर दिए एक उदासीन मुस्कान के साथ उनकी ओर देखते हुए मैं गली की ओर चल पड़ा अपनी पोटली उठाकर षडयंत्री सावधानी बरतता हुआ मैं अमर से जा मिला हम गाड़ी में बैठकर शहर के एक बाजार क्षेत्र चांदनी चौक में गए अंग्रेजी पोशाक खरीदने के लिए हम कई महीनों से अपने प्रतिदिन जलपान के लिए मिलने वाले थोड़े थोड़े पैसे बचाते आए थे हम जानते थे कि मेरे चालाक भाई एक गुप्तचर की भूमिका निभा सकते हैं इसलिए यूरोपियन पोशाक पहनकर हम उन्हें चकमा देना चाहते थे स्टेशन जाते जाते रास्ते में हम सभी मेरे चचेरे भाई जतिन घोष के लिए रुके जिन्हें मैं जत कहता था वे नए नए ही हमारे पंथा बने थे और हिमालय में किसी गुरु की शरण प्राप्त करने के आकांक्षी बने थे हमारे पास पहले से तैयार नया सूट उन्होंने पहन लिया अब हमें कोई नहीं पहचान सकता हमने सोचा हमारे मन गहरे उल्लास से खिल उठे बस अब केवल कैनवस जूतों की कमी है मैं उन दोनों को एक दुकान पर ले गया जहां रबड़ के तले लगे जूतों को सजाया गया था ऐसी पवित्र यात्रा में जीव हत्या द्वारा प्राप्त हुई चमड़े की चीजें नहीं ले जानी चाहिए अपनी भगवद गीता की, की चमड़े की जिल्द और विलायती हैट पर लगे चमड़े के फीते निकालकर फेंकने के लिए मैं बाहर सड़क पर रुक गया स्टेशन पर हम लोगों ने बर्दवान के टिकट खरीदे हम बर्दवान में हिमालय के चरणों में स्थित हरिद्वार जाने के लिए गाड़ी बदलने वाले थे जब गाड़ी भी हम लोगों के समान ही भागने लगी तो मैंने अपनी कुछ महान आशाओं को शब्द प्रदान किए जरा कल्पना तो करो मैंने उत्साहपूर्वक कहा महान गुरुओं से दीक्षा लेकर हम लोग ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करेंगे हमारे शरीरों में ऐसी चुंबकीय शक्ति पैदा हो जाएगी कि हिमालय के वन्य पशु पालतू जानवरों की भांति हमारे पास आएंगे बाघ हमारा दुलार पाने की प्रतीक्षा में बैठी रहने वाली घरेलू निरीह बिल्लियों से अधिक कुछ ना होंगे भविष्य का चित्र प्रस्तुत करने वाला यह वर्णन जिसे मैं लाक्षणिक तथा वास्तविक दोनों दृष्टियों से चित्तमोहक मान रहा था अमर के होठों पर उत्साहपूर्ण मुस्कान ले आया परंतु जतंदा ने अपनी दृष्टि दूसरी ओर घुमा ली और खिड़की से बाहर भागते हुए प्राकृतिक दृश्यों को देखने लगे पैसों को तीन हिस्सों में बांट लेते हैं जतंदा ने इस प्रस्ताव के साथ अपने दीर्घ मौन को तोड़ा बर्दवान में हमें अपने टिकट अलग अलग खरीदने चाहिए इससे किसी को संदेह नहीं होगा कि हम लोग साथ साथ भाग रहे हैं मैं बिना किसी आशंका के सहमत हो गया सूर्यास्त के समय हमारी ट्रेन बर्दवान स्टेशन पर रुकी जतींदा टिकट घर में घुस गए अमर और मैं प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे हम लोगों ने पंद्रह मिनट तक प्रतीक्षा की और फिर उनके विषय में निष्फल पूछताछ की चारों ओर खोज लेने के बाद हम लोगों ने भय व्याकुल होकर जोर जोर से को आवाजें दी परंतु वे तो उस छोटे से स्टेशन के चारों ओर फैले अंधकार में न जाने कहां लुप्त हो गए थे मैं पूर्णतः घबरा गया और इस आघात से मेरे हाथ पांव फूल गए भगवान को भी यह निराशाजनक घटना मंजूर थी भगवान के लिए मेरे प्रथम सुनियोजित पलायन के रोमांचक अवसर पर विषाद का निर्मम साया पड़ चुका था अमर हमें घर लौट जाना चाहिए मैं छोटे बच्चे की तरह रो रहा था जत का निष्ठ और प्रयाण अनिष्ट सूचक संकेत है विफल होना ही इस यात्रा की नियति है यही है तुम्हारा ईश्वर प्रेम एक विश्वासघाती साथी के रूप में ली गई छोटी सी परीक्षा को भी तुम सह नहीं सकते अमर द्वारा इसे ईश्वरीय परीक्षा बताए जाने पर मेरा मन शांत हुआ हमने बर्दवान के सुविख्यात सीताभोग और मोतीचूर का नाश्ता किया कुछ ही घंटों में हम बरेली होकर हरिद्वार जाने वाली गाड़ी में बैठ गए अगले दिन मुगल सराय में गाड़ी बदलते हुए जब हम प्लेटफॉर्म पर प्रतीक्षा कर रहे थे तब हमने एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श किया अमर संभव है कि शीघ्र ही हमें रेलवे अधिकारियों की गहरी पूछताछ का सामना करना पड़े मैं अपने भाई की चतुरता को कम महत्व नहीं देता परिणाम चाहे जो भी हो मैं झूठ नहीं बोलूंगा मुकुंद मेरा तुमसे इतना ही अनुरोध है कि तुम चुप रहना मैं जब उनसे बात करूं तो तुम मुस्कुराना या हंसना नहीं इतने में ही एक यूरोपियन रेलवे अधिकारी मेरे पास आया उसने एक तार पत्र हिलाकर मुझे दिखाया जिसका आशय मैं तुरंत समझ गया क्या तुम लोग गुस्से में घर से भाग रहे हो जी नहीं मैं प्रसन्न था कि उसके चुने हुए शब्दों ने मुझे सुस्पष्ट उत्तर देने की अनुमति दे दी मैं जानता था कि क्रोध नहीं बल्कि दैवी वैराग्य मेरे इस अस्वाभाविक व्यवहार का कारण था फिर वह अधिकारी अमर की ओर मुड़ा उन दोनों के बीच बुद्धि चातुर्य का जो द्वंद हुआ उससे सुनते हुए निर्विकार गंभीर बनाए रखने के अनुरोध का पालन करना मेरे लिए कठिन से कठिन होता गया अधिकारी ने अपनी आवाज में अपने अधिकार को पूरी तरह ध्वनित करते हुए पूछा तीसरा लड़का कहां है चलो सच बोलो साहब आपने चश्मा पहना हुआ है क्या फिर भी आपको दिखाई नहीं देता कि हम केवल दो ही हैं अमर पूर्वक मुस्कुराया मैं कोई जादूगर नहीं हूं कि एक तीसरा लड़का निकाल दू अधिकारी ने इस दृष्टता से स्पष्ट रूप से हड़बड़ाकर आक्रमण का नया पैंतरा लिया तुम्हारा नाम क्या है मुझे टॉमस कहते हैं मैं अंग्रेज माता और भारतीय धर्मांतरित ईसाई पिता की संतान हूं तुम्हारे मित्र का क्या नाम है मैं उसे टॉमसन कहता हूं अब तो अंदर ही अंदर मेरी हंसी चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी मैं किसी से कुछ कहे बिना ट्रेन की ओर चल पड़ा जो भगवान की दया से प्रस्थान करने के लिए सीटी बजा रही थी अमर भी उस अधिकारी के साथ मेरे पीछे पीछे ही चला आया जो अब उसकी बातों पर इतना विश्वास करने लगा था कि उसने शिष्टता पूर्वक हमें यूरोपियन लोगों के लिए निर्धारित डिब्बे में आराम से बिठा दिया स्पष्ट था कि दो अर्ध अंग्रेज बालकों को हिंदुस्तानियों के डिब्बे में यात्रा करते देखना उसके लिए कष्टदायक था उसके वहां से विनय पूर्वक प्रस्थान करने के बाद मैं सीट पर लेट गया और जोर जोर से हंसता रहा एक अनुभवी अंग्रेज अधिकारी को बुद्धि चातुर्य में मात देने का आनंदपूर्ण संतोष अमर के चेहरे पर व्याप्त था प्लेटफॉर्म पर मैंने तार को चोर दृष्टि से पढ़ लिया था तार मेरे भाई अनंत का था उसमें लिखा था यूरोपियन पोशाक पहने तीन बंगाली लड़के घर से भागकर मुगल सराय के मार्ग से हरिद्वार की ओर जा रहे हैं मेरे पहुंचने तक उन्हें कृपया रोके रखें आपकी सेवाओं के लिए योग्य पुरस्कार दिया जाएगा अमर मैंने तुम्हें कहा था कि निशान लगाए हुए टाइम टेबल को घर में मत छोड़ना मेरी आंखों में नाराजगी थी मेरे भैया को अवश्य ही वहां ऐसा कोई टाइम टेबल मिल गया होगा मेरे मित्र ने झेप कर इस डांट को स्वीकार किया हम थोड़ी देर के लिए बरेली में रुके जहां द्वारका प्रसाद अनंत द्वारा भेजे एक तार के साथ हमारी प्रतीक्षा कर रहा था द्वारका ने हमें रोक रखने का भरपूर प्रयास किया किंतु मैंने उसे अच्छी तरह विश्वास दिला दिया कि हमने यह पलायन हंसी मजाक के तौर पर शुरू नहीं किया था पहले की भांति इस बार भी द्वारका ने हमारे साथ हिमालय भाग चलने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया उसी रात जब हमारी गाड़ी एक स्टेशन पर खड़ी हुई थी और मैं अर्द्ध-निद्रित अवस्था में था तब पूछताछ करते एक और अधिकारी ने आकर अमर को जगा दिया वह भी टॉमस और टॉमसन नाम के इंद्रजाल में फंस गया भोर होते होते गाड़ी ने हमें सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंचा दिया हमें अपनी ओर बुलाते गौरवशाली पर्वत कुछ दूरी पर अस्पष्ट दिखाई दे रहे थे हम लोग तेजी से भागते हुए स्टेशन से बाहर निकले और नगर की स्वतंत्र भीड़ में प्रविष्ट हो गए हमारा पहला काम था देशी पोशाक धारण करना क्योंकि अनंतदा को किसी प्रकार हमारे यूरोपियन वेश का पता लग गया था पकड़े जाने का पूर्वाभास मेरे मन पर बोझ बन रहा था हरिद्वार से तुरंत निकल जाना ही उपयुक्त मानकर हमने सदियों से अनेक संतों की चरण व्रज से पवित्र हुए ऋषिकेश जाने के लिए टिकटें खरीद ली मैं पहले ही ट्रेन में बैठ गया था जबकि अमर अभी पीछे प्लेटफॉर्म पर ही था एक पुलिस वाले ने पुकार कर उसे रोक लिया वह अवांछित प्रतिपालक हमें पुलिस स्टेशन के बंगले में ले गया और उसने हमारे सारे पैसे ले लिए उसने शिष्टतापूर्वक यह स्पष्ट किया कि मेरे बड़े भाई के आने तक हमें वहां रोक कर रखना उसका कर्तव्य था यह जानकर कि इन दो भगौड़ों का गंतव्य स्थल हिमालय था उस सिपाही ने एक अद्भुत घटना सुनाई मैं देख रहा हूं कि तुम संतों के दीवाने हो अभी कल ही मेरी जिस संत से मुलाकात हुई थी उससे बड़ा संत तुम्हें कभी नहीं मिलेगा मेरे एक सहयोगी और मैं उनसे पहली बार पांच दिन पहले मिले थे एक विशिष्ट हत्यारे की तीव्र खोज में हम गंगा के पास गश्त लगा रहे थे उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने का हमें आदेश था उसके बारे में हमें सिर्फ यही ज्ञात था कि तीर्थयात्रियों को लूटने के लिए वह साधु का छद्म वेश धारण कर घूम रहा है अपने सामने थोड़ी ही दूरी पर हमने एक आकृति देखी जो उस अपराधी के वर्णन से मिलती जुलती थी जब वह हमारे आदेश पर नहीं रुका तो उसे पकड़ने के लिए हम लोग दौड़े उसके पीछे पहुंचकर मैंने उस पर पूरी शक्ति से फरसे का वार कर दिया उसका दाहिना हाथ कटकर उसके शरीर से लगभग पूर्णतः अलग हो गया आश्चर्य यह है कि किसी प्रकार की कोई आवाज निकाले बिना और उस भयंकर घाव पर दृष्टि भी डाले बिना वह अजनबी अपनी तेज गति से चलता ही रहा जब हम लपक कर उसके सामने खड़े हो गए तो उसने शांत भाव से कहा जिस हत्यारे की तुम्हें तलाश है वह मैं नहीं हूं यह देखकर मुझे गहरा आघात लगा कि मैंने दिव्य पुरुष से दिखने वाले एक संत के शरीर को घायल कर दिया था मैं उनके चरणों में साष्टांग लोट गया और कातर स्वर में क्षमा याचना करने लगा तथा तेजी से निकलते खून की धार को रोकने के लिए मैंने अपनी पगड़ी का कपड़ा उन्हें दिया बेटा तुम्हारी भूल स्वाभाविक ही थी उस महापुरुष ने मेरी ओर दया और स्नेह से देखते हुए कहा जाओ और पश्चाताप मत करो परम जगन माता मेरी देखभाल कर रही हैं। उन्होंने अपनी लटकती भुजा को पकड़कर उसके स्थान पर लगाया और चमत्कार वह छुड़ गई और आश्चर्यजनक रूप से रक्त प्रवाह भी तुरंत बंद हो गया तीन दिन बाद मुझसे उस पेड़ के नीचे आकर मिलो तुम तो मुझे पूर्णतः स्वस्थ पाओगे इस प्रकार तुम्हें पश्चाताप नहीं रहेगा कल ही मैं अपने सहयोगी के साथ वहां गया था वे संत वहीं थे और उन्होंने हमें अपनी बाह का निरीक्षण करने दिया वहां पर ना तो घाव का कोई चिन्ह था ना ही चोट का कोई लक्षण मैं ऋषिकेश होते हुए हिमालय के निर्जन प्रदेशों में जा रहा हूं महात्मा ने वहां से तुरंत प्रस्थान करते हुए हमें आशीर्वाद दिया मुझे लगता है कि उनकी पवित्रता से मेरा जीवन भी उन्नत हो गया है उस अफसर ने पवित्र उद्गार के साथ अपनी कथा समाप्त की उसके अनुभव ने स्पष्टतया उसके भीतर की नई गहराइयों को छू लिया था एक प्रभावशाली ढंग से उसने उस चमत्कार के संबंध में छपी हुई समाचार पत्र की कतरन मुझे दी एक सनसनीखेज समाचार पत्र में साधारणतया जिस तरह तोड़ मरोड़ कर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं उसी तरह संवाददाता ने भी अपने विवरण में घटना को कुछ बढ़ा चढ़ा कर छाप दिया था उसमें लिखा था कि साधु का सिर ही धड़ से लगभग अलग हो गया था अमर और मुझे अत्यंत खेद हुआ कि हम ऐसे महान योगी के दर्शन लाभ से वंचित रह गए जिन्होंने अपने पर अत्याचार करने वाले को भी ईसा मसीह के समान क्षमा कर दिया भारतवर्ष पिछली दो शताब्दियों से आर्थिक दृष्टि से भले ही गरीब हो गया हो परंतु अभी भी उसके पास दैवी संपदा का अक्षय भंडार है कभी कभी ऐसे सांसारिक पुलिस अधिकारी भी आध्यात्मिक जगत के गगन चुंबी व्यक्तित्व के अनायासी दर्शन पा जाते हैं अपनी इस अद्भुत कहानी से हमारा समय बिताने के लिए हमने पुलिस अधिकारी का धन्यवाद किया संभवतः वह हमें सूचित कर रहा था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान था उसे अनायास ही एक आत्मज्ञानी संत के दर्शन हो गए थे जबकि हमारी उत्कट खोज ने हमें किसी सिद्ध पुरुष के चरणों में नहीं बल्कि एक घटिया पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया था हिमालय के कितने निकट किंतु फिर भी बंधन में होने के कारण कितने दूर मैंने अमर से कहा कि इस बंधन से मुक्त होने के लिए मेरा मन दुग्ने उत्साह से जोर मार रहा है अवसर मिलते ही यहां से खिसक चले पुण्यतीर्थ ऋषिकेश तक तो हम पैदल भी जा सकते हैं देने के लिए मैं मुस्कुराया परंतु जैसे ही हमसे पैसों का मजबूत सहारा छिना मेरा मित्र उसी समय निराशावादी बन गया यदि हम ऐसे खतरनाक जंगल में पैदल चले तो साधु संतों के नगर में नहीं बल्कि बाघों के पेट में पहुंच जाएंगे अनंत और अमर के भाई तीन दिन बाद पहुंचे अमर ने मुक्ति के आनंद से अपने भाई का सस्नेह स्वागत किया परंतु मुझे इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी अनंत को मुझसे कठोर उल्लाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिला तुम्हारे मन की भावना में समझता हूं अनंत सांत्वनात्मक शब्दों में बोले मैं तुमसे केवल इतना ही चाहता हूं कि तुम एक बार मेरे साथ बनारस चलो वहां एक विशिष्ट संत से लो और वहां से फिर कुछ दिनों के लिए दुखित पिताजी से मिलने कोलकाता चले जाओ उसके बाद तुम यहां अपने गुरु की खोज पुनः आरंभ कर सकते हो यहां पर अमर हमारे वार्तालाप में टपक पड़ा उसने कहा कि मेरे साथ पुनः हरिद्वार आने का उसका कोई इरादा नहीं है वह पारिवारिक स्नेह सुधा का उपभोग कर रहा था परंतु मुझे विश्वास था कि मैं कभी भी अपने गुरु की खोज का परित्याग नहीं करूंगा हमारी मंडली बनारस के लिए रेलगाड़ी पर सवार हो गई वहां मुझे अपनी प्रार्थना का एक अद्भुत और प्रत्यक्ष उत्तर मिल गया अनंत दा ने पहले से ही एक कौशलपूर्ण पूर्ण रचना कर रखी थी हरिद्वार में मुझसे मिलने से पहले वे बनारस में उतर गए थे और वहां उन्होंने एक शास्त्र पंडित से मिलकर मुझे उससे उपदेश दिलाने की व्यवस्था कर रखी थी पंडित और उनके सुपुत्र ने भी मुझे संन्यास पद से विरत कर देने का प्रयास करने का अनंतदा को वचन दे रखा था अनंतदा मुझे उनके घर ले गए पंडित जी के अति उत्साही स्वभाव वाले युवा पुत्र ने आगे बढ़कर आंगन में ही मेरा स्वागत किया उसने मुझे एक लंबे दार्शनिक तर्क वितर्क में उलझा लिया अपनी अतीन्द्रिय दृष्टि से मेरे भविष्य को देख पाने का दावा करते हुए उसने मेरे सन्यासी बनने के विचार पर असहमति प्रकट की यदि तुम अपने साधारण उत्तरदायित्वों को त्याग देने का हट करोगे तो निरंतर दुर्भाग्य का शिकार बनोगे और ईश्वर को पाने में असमर्थ रहोगे सांसारिक अनुभव के बिना तुम अपने पूर्व कर्मों को समाप्त नहीं कर सकते उत्तर में भगवत गीता के सनातन शब्द मेरे होठों पर उभर आए यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे बचता है तो उसके पिछले दुष्कर्मों का प्रभाव शीघ्र ही नष्ट हो जाता है महात्मा बनकर वह शीघ्र शाश्वत शांति को प्राप्त करता है हे कुंती पुत्र तुम यह निश्चित रूप से जान लो जो भक्त मुझ में पूर्ण विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं होता किंतु उस युवक द्वारा दृढ़ता पूर्वक की गई भविष्यवाणी ने मेरे विश्वास को थोड़ा सा हिला दिया था अपने हृदय की पूर्ण भक्ति से मैंने मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना की अभी यही और इसी क्षण मेरी सारी व्यग्रता को दूर कर मुझे उत्तर दो तुम क्या चाहते हो मैं सन्यासी का जीवन व्यतीत करूं या संसारी मनुष्य का पंडित जी के घर की चार तिवारी के निकट ही बाहर मैंने एक उदात्त बदन साधु को खड़े देखा स्पष्ट दिया उन्होंने मेरे और स्वघोषित दिव्य दृष्टा के बीच का वार्तालाप सुन लिया था क्योंकि उन्होंने अपरिचित होते हुए भी मुझे अपने पास बुलाया उनके प्रशांत नेत्रों से मैंने एक प्रचंड शक्ति को प्रवाहित होते हुए अनुभव किया बस उस मूड की बातें मत सुनो तुम्हारी प्रार्थना के प्रत्युत्तर स्वरूप ईश्वर मुझे तुम्हें यह आश्वासन देने का निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का एक मेव मार्ग ही है। और के साथ इस निर्णायक संदेश पर मैं प्रसन्नता से मुस्कुराया उस आदमी से दूर होकर इधर चले आओ आंगन से वह मूड मुझे बुला रहा था मेरे उस मार्गदर्शक ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाया और वे धीरे धीरे चले गए बस साधु भी तुम्हारे समान पागल ही है यह मनोज्ञ टिप्पणी करने वाले श्वेत केशधारी पंडित जी थे वे और उनके सुपुत्र मेरी ओर शोचनीय दृष्टि से देख रहे थे मैंने सुना है कि उसने भी ईश्वर की संदिग्ध खोज के लिए अपना घर बार छोड़ दिया है मैंने मुंह फेर लिया अनंत की ओर मुड़कर मैंने कहा कि मैं इन लोगों से और किसी तर्क में नहीं उलझना चाहता मेरे हतोत्साहित भाई तत्काल प्रस्थान के लिए मान गए हम लोग शीघ्र ही कोलकाता जाने वाली गाड़ी पर सवार हो गए श्रीमान गुप्तचर जी ये तो बताइए कि आपको कैसे पता चला कि मैं दो साथियों के साथ भागा हूं मैंने अपनी उबलती जिज्ञासा शांत करने के लिए घर जाते हुए रास्ते में अनंतदास से पूछा वे शरारत भरे ढंग से मुस्कुराए तुम्हारे स्कूल में मुझे पता चला कि अमर अपनी कक्षा से बाहर चला गया था और लौट कर नहीं आया था मैं अगले दिन सुबह उसके घर गया और वहां निशान लगाया हुआ एक टाइम टेबल खोज निकाला अमर के पिता उसी समय घोड़ा गाड़ी से बाहर जा रहे थे और कोचवान से बातें कर रहे थे आज मेरा बेटा स्कूल जाने के लिए मेरे साथ गाड़ी में नहीं आएगा वह गायब हो गया है पिता ने दुख भरे स्वर में कहा मैंने एक साथी कोचवान से सुना है कि आपका बेटा और दो अन्य लड़के यूरोपियन पोशाक पहने हावड़ा स्टेशन से गाड़ी में चढ़कर कहीं चले गए हैं कोचवान ने कहा अपने चमड़े के जूते उन्होंने उस कोचवान को दे दिए इस प्रकार मुझे तीन सूत्र मिल गए टाइम टेबल तीन लड़कों की मंडली और अंग्रेजी वेश अनंतदा के रहस्योद घाटनों को मैं हंसी और खींच के मिले जुले भावों के साथ सुन रहा था कोचवान के प्रति हमारी उदारता कुछ अपात्र दान ही ठहरी यह तो स्वाभाविक ही था कि मैंने अमर द्वारा टाइम टेबल में निशान लगाए गए शहरों के रेलवे अधिकारियों को तत्काल तार भेज दिए उसने बरेली पर भी निशान लगाया था इसलिए मैंने वहां तुम्हारे दोस्त द्वारका को तार भेज दिया था। कोलकाता में अपने पड़ोस में पूछताछ करने पर मुझे पता चला कि हमारे चचेरे भाई जतिन दा एक रात के लिए गायब रहे पर दूसरे दिन सुबह ही अंग्रेजी वेश में वापस आ गए थे मैंने उन्हें खोजा और भोजन पर निमंत्रित किया उन्होंने मेरे मैत्रीपूर्ण व्यवहार से निशंक होकर निमंत्रण स्वीकार कर लिया रास्ते में संदेह रहित ढंग से मैं उन्हें एक पुलिस स्टेशन ले गया वहां उन्हें अनेक पुलिस अधिकारियों ने घेर लिया जिन्हें मैंने उनकी डरावनी सूरत के कारण पहले से ही चुन रखा था उनकी भयावह दृष्टि के आगे जतंदा अपने रहस्यात्मक व्यवहार का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हो गए उन्होंने कहा आध्यात्मिक भावना में उत्साह में मैं हिमालय की ओर चल पड़ा सिद्ध महात्माओं के दर्शनों के विचार ने मेरे अंतःकरण को प्रेरणा से भर दिया था परंतु जैसे ही मुकुंद ने कहा हिमालय की गुफाओं में जब हम समाधि में बैठ जाएंगे तब बाघ भी वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की भांति बैठेंगे तो मेरा सारा जोश ठंडा हो गया और ललाट पर पसीने की बूंदें छलकने लगी मैंने सोचा तब क्या होगा यदि हमारे योग बल से हिंसक बाघों का स्वभाव नहीं बदल सका तो क्या वे हमारे साथ घरेलू बिल्लियों का सा आचरण करेंगे अपने चक्षु में मैंने पहले से ही स्वयं को किसी बाघ के पेट के बलात अंतरवासी के रूप में देखा वह संपूर्ण शरीर के साथ एक ही बार में प्रवेश करके नहीं बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों की अनेक किश्तों में जतिंदा के अदृश्य हो जाने के कारण जो मेरा क्रोध था वह हंसी में बदल गया उन्होंने मुझे जो संताप दिया था उसका सारा मूल्य रेलगाड़ी में मिले लोटपोट करने वाले स्पष्टीकरण से चुकता हो गया मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे इस बात से कुछ संतोष अवश्य हुआ कि जत भी पुलिस की खातिरदारी से नहीं बचे थे अनंतदा आप जन्मजात गुप्तचर हैं। मेरी विनोदपूर्ण दृष्टि पूर्णतः क्रोध रहित नहीं थी और मैं जतिंदा से कहूंगा कि मुझे खुशी है कि वे विश्वासघात के किसी उद्देश्य से नहीं जैसा कि प्रतीत होता था बल्कि केवल आत्मरक्षा की सतर्क सहज प्रवृत्ति से प्रेरित हुए थे कोलकाता में घर पहुंचने पर पिताजी ने अत्यंत ढंग से मुझसे अनुरोध किया कि कम से कम से उच्च विद्यालय की पढ़ाई पूरी कर लेने तक मैं अपने भ्रमणशील पांव पर अंकुश लगाऊं। मेरी अनुपस्थिति में उन्होंने एक संतवत पंडित स्वामी केवलानंद जी के नियमित रूप से हमारे घर आने की व्यवस्था की एक प्रेम पूर्वक योजना बनाई थी यह ऋषितुल्य महात्मा तुम्हारे संस्कृत शिक्षक होंगे पिताजी ने विश्वस्त ढंग से घोषणा की पिताजी को आशा थी कि वे मेरी आध्यात्मिक पिपासा एक विद्वान दार्शनिक से शिक्षा दिलाकर शांत कर देंगे परंतु परिणाम रहस्यपूर्ण ढंग से उल्टा हुआ मेरे नवनियुक्त शिक्षक मुझे शुष्क बौद्धिक ज्ञान देने के बदले मेरी ईश्वराकांक्षा के अंगारों को हवा देने लगे पिताजी को यह ज्ञात नहीं था कि स्वामी केवलानंद जी लाहिड़ी महाशय के एक उन्नत शिष्य थे उस अद्वितीय गुरु के शिष्य थे जो उनकी अमोघ दैवी शक्ति के चुंबकीय प्रभाव से अपने आप उनकी ओर आकर्षित हो गए थे मुझे बाद में ज्ञात हुआ कि लाहिड़ी महाशय केवलानंद जी को प्राय ऋषि कहकर संबोधित करते थे लंबे केश मेरे शिक्षक के सुंदर मुखमंडल की शोभा बढ़ा रहे थे उनकी काली आंखें शिशु नेत्रों की भांति निश्चल और भूली थी उनके चरहरे शरीर की सब गतिविधियों में एक प्रशांत गंभीरता थी सदैव शांत और स्नेहमय केवलानंद जी अनंत ब्रह्म के चैतन्य में दृढ़ता के साथ स्थिर हो गए थे हम दोनों के सानिध्य के अनेक आनंदमय प्रहर गहरे क्रिया योग ध्यान में बीतते थे केवलानंद जी प्राचीन शास्त्रों के सुप्रतिष्ठित पंडित थे उनके इस अगाध ज्ञान के कारण ही उन्हें शास्त्री महाशय की उपाधि मिली थी जिसके द्वारा वे प्राय संबोधित किए जाते थे परंतु संस्कृत पांडित्य में मेरी प्रगति अनुलेखनीय थी मैं सदा इसी की ताक में रहता था कि किस तरह नीरस व्याकरण से जान बचे और योग तथा लाहिड़ी महाशय की चर्चा शुरू हो मेरे शिक्षक महोदय ने एक दिन लाहिड़ी महाशय के साथ बिताए गए अपने जीवन के बारे में कुछ बताने का अनुग्रह किया मुझे दस वर्ष तक लाहिड़ी महाशय के पास रहने का दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ था बनारस में उनका घर मेरा रात्रिकालीन इष्ट तीर्थ स्थान था नीचे के तल्ले पर सामने वाली छोटी सी बैठक में वे सदा विराजमान रहते थे लकड़ी की चौकी पर पद्मासन में बैठे हुए वे अपने शिष्यों से एक माला की भांति अर्धवृत्ताकार में रहते थे उनकी आंखें चमकती हुई तथा ईश्वरीय आनंद से नाचती रहती थीं। उनकी सदैव अर्धोन्मिलित रहने वाली आंखें भीतर के दूरदर्शी गोलक में से सदा शाश्वत आनंद के लोक में झांकती रहती थी वे कदाचित ही अधिक समय के लिए बोलते थे यदा कदा ही उनकी दृष्टि किसी ऐसे शिष्य पर केंद्रित हो जाती जिसे सहायता की आवश्यकता होती थी तब शांतिप्रद वचन उनके मुख से प्रकाश के हिम प्रपात की भांति झरने लगते गुरुदेव के एक दृष्टिपात मात्र से मेरे अंदर एक अवर्णनीय शांति खिल उठती थी मैं उनकी सुगंध से भर जाता था जैसे वह अनंत के किसी पद्म की सुगंध हो उनके साथ अनेकानक दिनों तक एक शब्द भी बोले बिना रहना एक ऐसा अनुभव था जो मेरे संपूर्ण अस्तित्व को परिवर्तित कर देता यदि मेरी एकाग्रता में कोई अदृश्य बाधा आ खड़ी होती तो गुरु के चरणों में ध्यान करने बैठ जाता वहाँ सबसे सूक्ष्म अवस्थाओं का भी मुझे सहज बोध हो जाता ऐसी अनुभूतियां मुझे निम्नतर कोटि के गुरुओं के सानिध्य में नहीं होती थी गुरुदेव ईश्वर के सजीव मंदिर थे जिनके गुप्त द्वार भक्ति के माध्यम से सभी शिष्यों के लिए खुले रहते थे लाहड़ी महाशय शास्त्रों के पुस्तकीय टीकाकार नहीं थे वे सहज ही दैवी पुस्तकालय में डुबकी लगा लेते थे शब्दों का फेन और विचारों की फुहारें उनकी सर्वज्ञता के फवारे से फूट पड़ते थे वेदों में युगों पहले अस्तमान हुए गहन दर्शनों के विज्ञान के रहस्यों को खोलने का अद्भुत कौशल उन्हें प्राप्त था प्राचीन शास्त्रों में उल्लिखित चेतना के विविध स्तरों को समझाने का अनुरोध करने पर वे मुस्कुराकर स्वीकार कर लेते थे मैं अभी उन अवस्थाओं में प्रवेश करता हूं और अपनी अनुभूतियां तुम्हें बताता हूं इस प्रकार वे उन गुरुओं से बिल्कुल विपरीत थे जो शास्त्रों को कंठस्थ कर बिना किसी वास्तविक अनुभूति के अपनी कल्पना से ही उनका अर्थ बताते हैं मितभाषी गुरुदेव प्राय अपने पास बैठे किसी शिष्य को यह निर्देश देते कि श्लोकों का अर्थ तुम्हें जिस रूप में समझ आए उसी प्रकार उनकी व्याख्या करो मैं तुम्हारे विचारों को परिचालित करूंगा ताकि सही अर्थ तुम्हारे मुख से उच्चरित हो इस प्रकार लाहिड़ी महाशय की अनेक अनुभूतियों को उनके विभिन्न शिष्यों ने विस्तृत भाषियों सहित लिपिबद्ध कर लिया किसी बात पर आंख बंद कर विश्वास कर लेने की सलाह गुरुवर कभी नहीं देते थे शब्द खोखले हैं वे कहते थे ईश्वर की उपस्थिति के दृढ़ विश्वास को ध्यान में अपने परम आनंद में संपर्क से प्राप्त करो शिष्य की समस्या चाहे जो भी हो उसके समाधान के लिए गुरुदेव क्रिया योग के अभ्यास का ही परामर्श देते थे तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए जब मैं इस शरीर में नहीं रहूंगा तब भी इस यौगिक कुंजी का सामर्थ्य कम नहीं होगा यह प्रविधि भव्य प्रेरणाओं की तरह जिल्द बांधकर अलमारी में रखकर भूल जाने की वस्तु नहीं है क्रिया योग के माध्यम से अनवरत अपने मुक्ति पथ पर चलते जाओ जिसकी शक्ति इसके अभ्यास में निहित है मैं स्वयं क्रिया को मानव के अभी तक स्वतः प्रयास द्वारा अनंत ईश्वर की खोज के लिए विकसित साधनों में सबसे अधिक प्रभावशाली मानता हूं केवलानंद जी ने इस उत्साहपूर्ण प्रमाण के साथ अपना कथन समापन किया इसके अभ्यास से सभी मनुष्यों में छिपे सर्वव्यापी ईश्वर लाहिड़ी महाशय और उनके अनेक शिष्यों के देह में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हुए ईसा मसीह की तरह एक चमत्कार लाहिड़ी महाशय द्वारा केवलानंद जी की उपस्थिति में हुआ एक दिन उन्होंने वह कहानी मुझे सुनाई सामने मेज पर पड़ी संस्कृत की पुस्तकों से हटी उनकी आंखें सुदूर कहीं लगी हुई थीं। एक दृष्टिहीन शिष्य रामू के लिए मैं करुणार्द्रता अनुभव करने लगा क्या उसकी आंखों की ज्योति कभी लौट कर नहीं आ सकती जब वह इतनी श्रद्धा एवं निष्ठा के साथ हमारे गुरुदेव की सेवा कर रहा था जिनमें ईश्वरत्व अपने पूर्ण तेज के साथ दीप्तिमान था एक दिन सुबह मैं रामू से बात करना चाह रहा था परंतु वह शांतिपूर्वक घंटों तक गुरुदेव पर पंखा झलता रहा अंततः जब वह कमरे से बाहर निकला तो मैं उसके पीछे हो लिया रामू तुम कब से अंधे हो जन्म से ही महाशय मेरी आंखों को कभी भी सूर्य दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ हमारे सर्वशक्तिमान गुरु तुम्हारी सहायता कर सकते हैं एक बार उनसे प्रार्थना तो करो अगले दिन रामू कुछ संकोचपूर्वक लाहिड़ी महाशय की सेवा में उपस्थित हुआ किंतु अपने अतुल आध्यात्मिक ऐश्वर्य में शारीरिक संपदा को जोड़ने का अनुरोध करना उसे लगभग लज्जास्पद लग रहा था गुरुदेव ब्रह्मांड को प्रकाश देने वाला ईश्वर आप में विद्यमान है मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि उसकी ज्योति मेरी आंखों को भी प्रदान करें ताकि मैं सूर्य के गौण तेज को देख सकू रामू किसी ने मुझे कठिन परिस्थिति में डालने की योजना बनाई है मेरे पास किसी को स्वस्थ करने की कोई शक्ति नहीं है गुरुदेव आप में विराजमान अनंत ईश्वर निश्चय ही मुझे स्वस्थ कर सकते हैं यह तो सचमुच अलग बात है रामू। ईश्वर की कोई सीमा नहीं है वह जो तारों को चमक देता है और शरीर कोशिकाओं में रहस्यमय प्राण शक्ति संचारित करता है निश्चय ही वह तुम्हारे नेत्रों को भी ज्योति प्रदान कर सकता है तत्पश्चात गुरुदेव ने रामू के माथे पर दोनों भावों के बीच में स्पर्श किया अपने मन को यहां केंद्रित रखो और सात दिनों तक बारंबार राम नाम का जप करो सूर्य का वैभव तुम्हारे लिए विशेष ऊषा काल का दृश्य प्रस्तुत करेगा और एक सप्ताह में ठीक ऐसा ही हुआ रामू ने प्रकृति के सुंदर रूप को प्रथम बार देखा सर्वज्ञ गुरुदेव ने अपने शिष्य को राम नाम जपने का आदेश दिया क्योंकि राम ही उसके इष्ट देवता थे रामू के विश्वास ने भक्ति से जोती हुई जमीन का काम किया जिसमें गुरुदेव का स्थायी रूप से स्वस्थ कर देने वाला शक्तिशाली बीज अंकुरित हो गया केवलानंद जी ने क्षण भर मौन रहने के बाद गुरु के चरणों में एक और श्रद्धा सुमन अर्पित किया लाहिडी महाशय ने जितने भी चमत्कार किए उन सब में एक बात स्पष्ट रूप से पता चलती थी कि उन्होंने अहम तत्व को कभी भी स्वयं को कारण तत्व या कर्ता नहीं मानने दिया सर्वोच्च रोग निवारक शक्ति अर्थात ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण के कारण गुरुदेव अपने माध्यम से उस शक्ति का मुक्त रूप से प्रवाहित होना सुलभ बना देते थे लाहिड़ी महाशय ने जिन अनेक शरीरों को चमत्कार स्वस्थ किया उन्हें अंततः चिताग्नि की ज्वालाओं का भक्ष्य बनना ही पड़ा परंतु उन्होंने लोगों के अंतर में जो आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न की जो ईसा समान शिष्य तैयार किए वही उनके अमर चमत्कार हैं मैं संस्कृत का विद्वान तो कभी नहीं बन सका केवलानंद जी ने मुझे उससे भी भव्य दिव्य भाषा पढ़ा दी पांचवा अध्याय गंध बाबा के चमत्कारी प्रदर्शन इस संसार में हर वस्तु की एक विशेष ऋतु और हर काम का एक समय होता है अपने मन को सांत्वना देने के लिए सोलोमन का यह ज्ञान उस समय मुझे प्राप्त नहीं था घर से बाहर जहां कहीं भी मैं घूमने जाता मेरी आंखें अपने इर्द गिर्द मेरे लिए नियत गुरु को ढूंढती रहती परंतु मेरी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण होने तक मेरी उनसे भेंट ना हो सकी अमर के साथ हिमालय की ओर पलायन और श्री युक्तेश्वर जी के मेरे जीवन में आगमन के महान दिवस के बीच दो वर्ष व्यतीत हो गए इस बीच में अनेक साधु संतों से मिला गंधबाबा बामी नागेंद्रनाथ भादुड़ी मास्टर महाशय और विश्वविख्यात बंगाली वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस गंदा के साथ मेरी भेंट की दो भूमिकाएं थी इनमें से एक सामंजस्यपूर्ण थी और दूसरी विनोदपूर्ण ईश्वर सरल है अन्य सब कुछ जटिल है प्रकृति के सापेक्ष जगत में निरपेक्ष मूल्यों की आशा मत करो जब मैं मंदिर में काली माता की मूर्ति के सामने मौन खड़ा था तब यह दार्शनिक निष्कर्ष कोमल स्वर में, में मेरे कानों में प्रविष्ट हुआ पलट कर मैंने देखा तो मेरे समक्ष एक लंबे कद का व्यक्ति खड़ा था जिसके कपड़ों से या उनके अभाव से ऐसा लगता था कि वह कोई परिव्राजक साधु था आपने सचमुच मेरे विचारों के संभ्रम को जान लिया मैं कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराया प्रकृति के कल्याणकर और भयंकर रूपों की उलझन ने जिनका प्रतीक काली है मुझसे अधिक बुद्धिमान लोगों को भी असमंजस में डाल दिया है बहुत ही कम लोग उसके रहस्य का भेद पाते हैं अच्छा और बुरा तो प्रत्येक मनुष्य की बुद्धि को चुनौती देने वाली वह पहेली है जिसे जीवन ने उसके सामने एक स्विंग्स की भांति रख दिया है इस पहेली को सुलझाने का कोई प्रयास भी किए बिना अधिकांश लोग अपनी मृत्यु के रूप में इसका दंड भर देते हैं यह दंड आज भी उतना ही लागू होता है जितना थीप्स के दिनों में था कभी कभार एकाद अत्यंत उच्च व्यक्तित्व तो पराजय स्वीकार कर देता है द्वैत की माया से वह अद्वैत का अविभाजित सत्य खींच लेता है आपके शब्दों में दृढ़ विश्वास दिखता है महाराज ज्ञान प्राप्ति के तीव्र दुखदायी मार्ग अर्थात सत्यनिष्ठ आत्म परीक्षण का मैंने दीर्घ काल तक का अभ्यास किया है आत्म परीक्षण या अपने विचारों पर निरंतर निर्मम दृष्टि रखना एक कठोर और झकझोड़ने वाला अनुभव है यह बलवान से बलवान अहंकार को भी चूर चूर कर देता है परंतु सच्चा आत्मविश्लेषण गणित के नियमों की भांति सिद्ध पुरुष उत्पन्न करने का कार्य करता है अपने विचारों से अति प्रेम एवं व्यक्तिगत मान्यताओं में दृढ़ता का मार्ग अहंकारियों का निर्माण करता है जो ईश्वर और सृष्टि की अपने ढंग से व्याख्या करना अपना अधिकार समझते हैं मैंने कहा ऐसी अहंकार युक्त मौलिकता के सामने तो सत्य निश्चित ही विनम्रता पूर्वक पीछे हट जाता है मुझे इस चर्चा में आनंद आ रहा था मनुष्य जब तक अपने दुराग्रहों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह किसी शाश्वत सत्य को नहीं समझ सकता शताब्दियों से जमा हो रहे कीचड़ में सना मानवी मन असंख्य सांसारिक माया भ्रमों से व्याप्त घृणाजनक जीवन से भरपूर है जब मनुष्य पहली बार अपने अंत शत्रुओं का विरोध करता है तब युद्ध क्षेत्र की भीषण लड़ाई भी फीकी पड़ जाती है यह कोई साधारण मरने वाले शत्रु नहीं है जिन्हें सुसज्जित सेनाओं की सहायता से काबू में किया जा सके विषाक्त प्राण घातक अस्त्रों से सुसज्जित ये सर्वव्यापी अविराम कार्य करने वाले अंधवासनाओं के सिपाही मनुष्य का नींद में भी पीछा करते हुए हम सबको धराशायी कर देने का अवसर खोजते रहते हैं वह मनुष्य विचारहीन है जो सर्व सामान्य नियति के आगे आत्मसमर्पण कर अपने आदर्शों का गला खोट देता है क्या उसे नपुंसक निष्प्राण मानव जाति पर कलंक के अतिरिक्त और कुछ कहा जा सकता है पूज्यवर क्या विभ्रांत किंग कर्तव्य विमूर जनसाधारण के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति नहीं है साधु महाराज पल भर के लिए चुप रहे फिर सीधा उत्तर देना टालकर बोले अदृश्य ईश्वर जो सारे सदगुणों का भंडार है और दृश्यमान मनुष्य जिसमें प्राय एक भी सदगुण नजर नहीं आता इन दोनों से एक साथ प्रेम करना प्रायः व्यक्ति को चकरा देता है परंतु विलक्षण बुद्धि का सामर्थ्य भी कम नहीं होता अंतःकरण का शोध शीघ्र ही सब लोगों के मन की एकता को उजागर कर देता है जो है स्वार्थी उद्देश्यों की समानता कम से कम इस एक अर्थ में मानव की विश्व बंधुता का परिचय मिलता है अहंकार को पूर्णतः पछाड़ देने वाला यह समानता का आविष्कार मनुष्य के मन में भयचकित विनम्रता उत्पन्न करता है या विनम्रता विकसित होते होते अपने उन जाति बांधवों के प्रति सहानुभूति में परिवर्तित हो जाती है जो आत्मा की निरामय कारणी शक्तियों के अनुसंधान की ओर कोई ध्यान नहीं देते महाराज सब युगों के संत आप ही के समान जगत के दुखों से व्याकुल हुए हैं साधु का उग्र रूप काफी सौम्य हो गया था केवल तुच्छ तो व्यक्ति ही दूसरों के जीवन के दुखों के प्रति संवेदनशीलता खो बैठता है क्योंकि वह अपने ही संकीर्ण दुखों में डूबा रहता है जो किसी डॉक्टर द्वारा की जाने वाली चीरफाड़ की भांति अपने विचारों की चीर फाड़ कर मन का गहरा परीक्षण करेगा वही अपने भीतर सबके लिए दया विकसित होती देखेगा तब उसे अहंकार की नित्य कोलाहलकारी मांगों से मुक्ति मिल जाएगी ऐसी ही मनोभूमि पर ईश्वर का प्रेम खिलता है तब वह जीव अपने सृष्टा की ओर मुड़ता है किसी और बात के लिए नहीं तो केवल अपनी व्यथा की तड़प में यह पूछने के लिए क्यों प्रभु क्यों दुख के मान मर्दनकारी कोड़े खा खा कर मनुष्य अंततः उस विधाता के समक्ष पहुंच ही जाता है जिसका सौंदर्य मात्र ही मनुष्य को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त है उक्त साधु और मैं कोलकाता के काली घाट मंदिर में वार्तालाप कर रहे थे जहां मैं उस मंदिर का विख्यात सौंदर्य एवं भव्यता देखने गया था मंदिर की आलंकारिक शोभा की ओर हाथ से इशारा करते हुए उस सारे वैभव को साधु ने निष्प्रयोज्य ठहराया और गारा हमें कोई श्रवणीय सुर नहीं सुना सकते केवल अंतर से उठने वाली आवाज से ही हृदय के कपाट खुलते हैं मन को आकृष्ट करने वाली धूप का आनंद लेने के लिए हम प्रवेश द्वार की ओर गए जहां भक्तों के झुंडों का आवागमन चल रहा था तुम अभी युवा हो साधु महाराज कुछ सोचते हुए मेरी ओर देख रहे थे भारत भी युवा है प्राचीन ऋषियों ने आध्यात्मिक जीवन शैली के अमित आदर्श स्थापित किए थे उनके महान उपदेश आज के समय और देश के लिए पर्याप्त हैं। उनके अनुशासन नियम ना तो आज के लोकाचार के विरुद्ध हैं, ना ही ऐसे हैं कि एक बात की धूर्तता को भी कृत्रिम लगे और इसीलिए आज भी भारत पर उनकी पकड़ मजबूत है। लज्जित पंडितगण जितने काल का हिसाब लगा सकते हैं उससे भी कहीं अधिक काल से सहस्राब्दियों से संशयशील समय ने वेदों की योग्यता की पुष्टि की है इन्हें अपनी विरासत के रूप में ग्रहण करो जब मैं इस वाकपटु साधु से सविनय विदा ले रहा था तब उन्होंने एक अतीन्द्रिय अनुभूति मुझे बताई यहां से जाने के बाद तुम्हें आज एक असाधारण अनुभव होगा मंदिर के आहाते से बाहर निकलकर मैं निरुद्देश्य यूं ही चलने लगा मुड़कर दूसरे एक रास्ते पर बढ़ा ही था कि एक पुराने परिचित से भेंट हो गई ये महाशय उन महाभागों में से एक थे जिनकी संभाषण शक्ति समय की ओर कोई ध्यान न देते हुए अनंत काल का आलिंगन करती है उसने वचन दिया मैं तुम्हें जल्दी ही छोड़ दूंगा यदि तुम मुझे वह सब बता दो जो हमारे बिछुड़ने के बाद के वर्षों में घटा है परस्पर विरोधी बातें अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा परंतु उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और थोड़ा थोड़ा करके मुझसे जानकारी लेने लगा यह भूखे भेड़िए से कम नहीं है मैंने कौतुक से मन ही मन सोचा जितना अधिक मैं बताता जाता था उतना ही अधिक समाचार जानने की उसकी भूख बढ़ती जाती थी मनी मन मैं जल्दी छुटकारा पाने का कोई उपाय करने की प्रार्थना मां काली से करने लगा अचानक वह मुझे छोड़कर जाने लगा मैंने ठंडी सांस ली और उससे वाचालता का ज्वर फिर कहीं चढ़ ना जाए इस भय से दुगनी गति से चलने लगा अपने पीछे द्रुत गति की पश्चाप सुनकर मैंने अपनी गति और बढ़ा दी मुड़कर पीछे देखने का साहस मुझसे नहीं हुआ परंतु एक छलांग लगाकर वह मेरे साथ हो लिया और आनंद से उसने मेरा कंधा पकड़ लिया मैं तुम्हें गंधबाबा के बारे में बताना तो भूल ही गया वे उस सामने वाले मकान में रहते हैं की दूरी पर स्थित एक मकान की ओर उसने इशारा किया उनसे अवश्य मिलो वे बड़े ही दिलचस्प हैं तुम्हें कोई असाधारण अनुभव हो सकता है अच्छा चलता हूं और वह सचमुच चला गया कालीघाट मंदिर में लगभग इन्हीं शब्दों में साधु द्वारा की गई भविष्यवाणी मेरे मस्तिष्क में कौंद उठी। मैं उस मकान के अंदर गया तो मुझे एक एक प्रशस्त दालान में ले जाया गया वहां मोटे नारंगी रंग के गलीचे पर काफी लोग इधर उधर बैठे हुए थे जैसे साधारणतः भारत में बैठते हैं एक आदर युक्त फुसफुसाहट मेरे कानों से टकराई वहां जो चीते की खाल पर बैठे हैं वही गंध बाबा है वे किसी गंधहीन फूल में किसी भी फूल की प्राकृतिक सुगंध भर सकते हैं या किसी मुरझाए फूल को फिर से ताजा कर सकते हैं या किसी मनुष्य की त्वचा से मनोरम सुगंध निकाल सकते हैं मैंने सीधे उस संत की ओर देखा उनकी दृष्टि भी उसी समय मुझ पर स्थिर हुई वे कृष्णवर्ण और स्थूल काय थे उनके चेहरे पर दाढ़ी थी और आंखें बड़ी बड़ी तथा तेजस्वी थी बेटा तुम्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ बोलो तुम्हें क्या चाहिए कोई सुगंध चाहिए किस लिए मुझे उनकी बातें बचकानी सी लगी चमत्कार से सुगंध का आनंद लेने के लिए सुगंध बनाने के लिए भगवान का उपयोग तो उसमें क्या है? भगवान वैसे भी सुगंध तो बनाते ही हैं। जी हाँ परंतु वे हर बार ताजा सुगंध लेने के लिए और लेने के बाद फेंक देने के लिए फूलों की कोमल पंखुड़ियों रूपी शीशियों का निर्माण करते हैं क्या आप फूलों का निर्माण कर सकते हैं हां परंतु साधारणतः मैं सुगंध ही निकालता हूं तब तो इत्र के कारखाने बंद हो जाएंगे मेरी ओर से उन्हें अपना धंधा करते रहने की अनुमति है मेरा अपना उद्देश्य तो केवल ईश्वर की शक्ति दिखाना है महाराज, क्या ईश्वर की शक्ति का प्रमाण देना आवश्यक है क्या वे सकल विश्व में सर्वत्र अपने चमत्कार नहीं कर रहे हैं कर रहे हैं परंतु उनकी अनंत सृजनात्मक विविधता में से कुछ तो सृजनात्मकता हमें भी प्रकट करनी चाहिए सिद्धि प्राप्त करने में आपको कितना समय लगा बारह वर्ष दैवी शक्ति से केवल सुगंध बनाने के लिए हे महात्मन, मुझे तो लगता है उन सुगंधों के लिए आपने बारह वर्ष व्यर्थ गमा दिए जिन्हें आप किसी भी फूल वाले की दुकान से कुछ ही रुपयों में प्राप्त कर सकते हैं फूलों की सुगंध उनके साथ ही चली जाती है मृत्यु के साथ भी सुगंध चली जाती है मैं किसी ऐसी सुगंध की कामना क्यों करूं जो केवल शरीर को सुख देती है दार्शनिक महाशय तुमने मेरे मन को प्रसन्न कर दिया अब अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाओ उन्होंने आशीर्वाद मुद्रा में अपना हाथ उठाया मैं बाबा से कई गज दूर था व्यक्ति भी मेरे इतने निकट नहीं था कि मेरे शरीर का स्पर्श कर सके मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया जिसे उस योगी ने छुआ तक नहीं कौन सी सुगंध चाहिए गुलाब तथास्तु मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मेरी हथेली के मध्य से गुलाब की मधुर सुगंध तीव्रता के साथ निकलने लगी मैंने मुस्कुराते हुए पास ही की एक एक फूलदानी से श्वेत पुष्प निकाल लिया। क्या इस गंधहीन फूल में चमेली की सुगंध भरी जा सकती है तथा तत्ण उस फूल से चमेली की सुगंध उठी मैंने चमत्कारी संत का धन्यवाद किया और उनके एक शिष्य के पास जाकर बैठ गया उस शिष्य ने मुझे बताया कि गंध बाबा ने जिनका नाम स्वामी विशुद्धानंद था तिब्बत के एक योगी से अनेक आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर ली थी उसने मुझे यह भी बताया कि उस तिब्बती योगी की आयु एक हजार वर्ष से अधिक थी उस महान गुरु के शिष्य गंध बाबा हमेशा ही केवल साधारण उच्चारण से सुगंध निर्माण नहीं करते जैसा तुमने अभी देखा शिष्य के बोलने में अपने गुरु के प्रति गर्व प्रकट था व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार वे भिन्न भिन्न पद्धतियां अपनाते हैं बाबा असामान्य है कोलकाता के अनेक पढ़े लिखे लोग उनके शिष्य हैं मैंने ही मन निश्चय किया कि मैं उन शिष्यों की संख्या में अपने को जोड़कर उस संख्या की और अधिक वृद्धि नहीं करूंगा गुरु का अक्षरशय असामान्य होना मेरे मन के अनुकूल नहीं था विनम्रता से गंध बाबा का अभिवादन कर मैं वहां से निकल पड़ा घूमते घूमते घर जाते हुए मैं उस दिन की तीन विविधतापूर्ण घटनाओं के विषय में सोच रहा था मैंने जैसे ही घर के द्वार से अंदर प्रवेश किया मेरी बहन उमा सामने ही खड़ी थी क्या बात है आजकल तुम तो इत्र के बड़े शौकीन बनते जा रहे हो बिना कुछ बोले मैंने अपना हाथ बढ़ाकर उसे सूंघने का इशारा किया कितनी मोहक गुलाब की सुगंध और यह असाधारण रूप से तीव्र भी है यह सोचते हुए कि यह तीव्र रूप से असाधारण है मैंने चुपचाप दैवी रूप से सुगंधित किया गया फूल उसकी नाक के नीचे रखा ओह चमेली मुझे बहुत पसंद है उसने फूल छीन लिया जिस फूल के विषय में उसे अच्छी तरह ज्ञात था कि वह गंधहीन होता है उसी फूल में से चमेली की सुगंध आते देखकर जैसे जैसे वह उसे सूंघती जाती थी वैसे वैसे उसके चेहरे पर विनोदी लगने वाले संभ्रम के भाव प्रकट होते जाते थे उसकी इस प्रतिक्रिया ने मेरे मन से राह साहस संदेह भी मिटा दिया हो सकता है गंधबाबा ने मुझ पर आत्मसमोहन का प्रयोग किया हो जिससे केवल मैं ही सुगंध का अनुभव कर सकूं। बाद में मुझे अपने एक मित्र अलकानंद से पता चला कि गंध बाबा के पास ऐसी शक्ति भी थी जो यदि संसार के करोड़ों क्षुदा पीड़ितों के पास होती तो उनकी समस्या हल हो जाती बर्दवान में गंधबाबा के घर में उस समय सैकड़ों लोगों में मैं भी उपस्थित था अलकानंद ने मुझे बताया एक उत्सव था वर्ग की ख्याति थी कि वे शून्य में से कुछ भी उत्पन्न कर सकते हैं इसलिए मैंने हंसते हुए उनसे संतरे उत्पन्न करने का अनुरोध किया वह संतरों का मौसम नहीं था तत्व ही केले के पत्तों पर जो पूरियां परोसी गई थीं, वे सब फूल उठीं। हर पूरी की पपड़ी के भीतर एक एक छिला हुआ संतरा आ गया था मैंने कुछ सहमे सहमे मन से अपना संतरा खाना शुरू किया परंतु वह बड़ा ही स्वादिष्ट था कई वर्षों बाद आत्म साक्षात्कार के बल से मैं गंध बाबा के चमत्कारों के रहस्य को जान गया खेद इस बात का है कि वह विधि विश्व के क्षुदार्थ मानव झुंडों की पहुंच से बाहर है मनुष्य को शब्द स्पर्श रस रूप गंध की जो विभिन्न इंद्रिया होती हैं वे इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की स्पंदनात्मक विविधता के कारण होती हैं उनके स्पंदनों को पंच प्राण नियंत्रित करते हैं ये पंच प्राण आणविक ऊर्जाओं से भी सूक्ष्मतर होते हैं और प्रज्ञा युक्त पांच विशिष्ट संवेदी तन्मात्राओं से युक्त होते हैं गंध बाबा कुछ यौगिक प्रक्रियाओं के बल से इस प्राण शक्ति के साथ समरस होकर प्राण कणिकाओं की स्पंदन रचना में परिवर्तन लाने में और इस प्रकार इच्छित परिणाम प्राप्त करने में समर्थ थे उनके गंध फल और अन्य चमत्कार केवल सम्मोहन द्वारा उत्पन्न आंतरिक संवेदन नहीं होते थे बल्कि लौकिक स्पंदनों के वास्तव में मूर्त रूप होते थे सम्मोहन विद्या को डॉक्टरों द्वारा छोटी छोटी शल्य क्रियाओं में उन लोगों पर प्रयुक्त किया गया है जिनके लिए बेहोशी की दवाएं खतरनाक हो सकती हैं परंतु जिन पर बार बार सम्मोहन का प्रयोग किया जाता है उनके लिए यह हानिकारक होता है इसका हानिकारक मनोवैज्ञानिक परिणाम कालांतर में मस्तिष्क की कोशिकाओं की रचना में गड़बड़ उत्पन्न कर देता है सम्मोहन दूसरे की चेतना के क्षेत्र में अनाधिकार प्रवेश है इसके अस्थायी आभासों में और ईश्वर संपन्न पुरुषों द्वारा किए गए चमत्कारों में कोई समानता नहीं है ईश्वर में जागृत हुए सच्चे संत नित्य सृजन करने वाले उस विराट स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी इच्छा को मिलाकर इस स्वप्न सृष्टि में परिवर्तन करते हैं जैसे चमत्कारों का प्रदर्शन गंध बाबा करते थे वैसे चमत्कार दिखाने से लोग आकर्षित तो होते हैं परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उनका कोई लाभ नहीं होता मनोरंजन के अतिरिक्त उनका कोई प्रयोजन नहीं होता अतः ईश्वर की यथार्थ खोज से ये साधक को पथच्युत कर देते हैं असाधारण शक्तियों के आडंबरपूर्ण प्रदर्शन की सिद्धजनों ने निंदा की है फारस के संत अबू सईद ने जल हवा और अंतरिक्ष पर अपनी चमत्कारी शक्तियों की सत्ता का अभिमान करने वाले कुछ फकीरों का उपहास किया था अबू सईद ने सौम्यता से उपहास करते हुए कहा था मेंढक भी पानी में आराम से रह सकता है चील कौए आसानी से हवा में उड़ सकते हैं शैतान पूर्व में भी है और पश्चिम में भी सच्चा मनुष्य वह है जो समाज में सदाचार का पालन करता हुआ रहता है और क्रय विक्रय करते हुए भी कभी एक क्षण के लिए भी ईश्वर को नहीं भुलाता एक अन्य अवसर पर इस महान फारसी संत ने धार्मिक जीवन के विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया था अपने दिमाग में जो कुछ है स्वार्थनिष्ठ इच्छा आकांक्षाएं उसे निकाल देना हाथ में जो कुछ है उसका मुक्त रूप से दान करना आपत्तियों के आघात से कभी भी विचलित ना होना ना तो कालीघाट के निष्प्रह महात्मा और ना तिब्बत से प्रशिक्षित योगी ही मेरी गुरु प्राप्ति की तीव्र इच्छा को संतुष्ट कर सके किसी का आध्यात्मिक स्तर पहचानने में मेरे हृदय को शिक्षित करने की आवश्यकता नहीं थी जब भी किसी सचमुच उदात्त व्यक्तित्व का सामना होता तब मेरा हृदय धन्य धन्य कर उठता यह धन्य धन्य और भी गूंजने वाली होती क्योंकि यह कभी कभार ही और वह भी अंतरतम गहराइयों से उठती अंततः जब अपने गुरु से मेरा साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने केवल उदाहरण की अत्युच्चता के द्वारा ही मुझे सच्चे पुरुष का परिमाण सिखाया छठा अध्याय बाग स्वामी। मैंने बाग स्वामी का पता खोज निकाला है चलो कल उनका दर्शन किया जाए यह स्वागत योग्य प्रस्ताव हाई स्कूल के मेरे एक मित्र चंडी से मिला अपने पूर्व जीवन में केवल अपने नंगे हाथों से बाघों के साथ लड़ने और उन्हें पकड़ने वाले इस संत का दर्शन करने के लिए मैं भी उत्सुक था ऐसे असाधारण साहसिक कार्यों के प्रति बाल सुलभ उत्साह भरपूर था दूसरे दिन प्रातः काल बहुत ठंड पड़ रही थी पर मैं चंडी के साथ अत्यंत उत्साह और स्फूर्ति के साथ चल पड़ा कोलकाता के बाहर भवानीपुर में बहुत देर तक व्यर्थ खोज करने के बाद हम सही घर पर पहुंच गए दरवाजे पर लोहे की दो गोलाकार कड़ियां लगी हुई थी मैंने उन्हें बहुत जोर जोर से खटखटाया उस कर्ण करकश खड़खड़ाहट को सुनकर भी एक नौकर अंदर से धीरे धीरे आरामपूर्वक चलता हुआ हमारी ओर आया उसकी व्यंग्यात्मक मुस्कान इस बात का द्योतक थी कि शोर मचाने वाले आगंतुक भी एक संत के घर की शांति भंग नहीं कर सकते उसकी मौन भर्सना को हमने अनुभव किया पर बैठक में आने के लिए आमंत्रित किए जाने पर चंडी और मैं उसके प्रति कृतज्ञ थे वहां लंबी प्रतीक्षा हम लोगों के मन में शंका कुशंकाएं उत्पन्न करने लगी सत्य की खोज करने वाले के लिए भारत का अलिखित नियम है धैर्य। संत महात्मा कभी-कभी जानबूझकर दर्शनार्थी की उत्सुकता की परीक्षा ले सकते हैं पाश्चात्य डॉक्टर और दंत चिकित्सक इस मनोवैज्ञानिक कूटनीति का भरपूर प्रयोग करते हैं अंततः नौकर द्वारा बुलाए जाने पर चंडी और मैं एक शयन कक्ष में गए सुविख्यात सोहम स्वामी अपने पलंग पर बैठे हुए थे उनके भीम का शरीर को देखकर हम दोनों के मन पर अद्भुत प्रभाव पड़ा आंखें फाड़े हम अवाक उनकी ओर देखते रहे वैसी विशाल छाती और फुटबॉल की तरह बाजुएं हमने पहले कभी नहीं देखी थी अत्यंत मजबूत भारी गर्दन पर स्वामी जी का उग्र दिखने वाला परंतु शांत मुखमंडल मूछ दाढ़ी और झूलते केशों से सुशोभित था उनकी काली आंखों में कबूतर एवं बाघ समान गुणों का मिला जुला भाव चमक रहा था दृढ़ कटी प्रदेश घेर कर पहने हुए एक व्याघ्र चर्म के अतिरिक्त उनके शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था। जब हमारी शक्ति लौट आई तब बाघों के साथ लड़ने में उनकी वीरता के प्रति आदर युक्त विस्मय प्रकट करते हुए मैंने उनका अभिवादन किया क्या आप कृपा करके हमें यह नहीं बताएंगे कि वन्य पशुओं में सबसे भयंकर रॉयल बंगाल टाइगर को केवल अपने हाथों से परास्त करना कैसे संभव है मेरे बच्चों बाघों के साथ लड़ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है आवश्यकता पड़ने पर मैं आज भी वह कर सकता हूं मैं बच्चों के समान खिलखिलाकर हंसे तुम बाघों को बाघ मानते हो मैं उन्हें मात्र बिल्लियां समझता हूं स्वामी जी मैं अपने मन को तो विश्वास दिला सकूंगा कि बाघ बिल्लियां मात्र हैं परंतु क्या बाघों को मैं वैसा विश्वास करा सकूंगा निश्चय ही शक्ति भी आवश्यक है केवल कोई बच्चा बाघ को घरेलू बिल्ली मान लेगा तो उसे बाघ पर विजय मिल जाएगी यह मानना व्यर्थ है शस्त्र के रूप में मेरे शक्तिशाली हाथ ही पर्याप्त हैं उन्होंने हमें अपने साथ आंगन में आने को कहा जहां एक दीवार के किनारे पर उन्होंने प्रहार किया दीवार की एक इंच टूटकर जमीन पर गिर पड़ी टूटे हुए दांत की तरह बनी खाली जगह से आकाश पूर्वक झांकने लगा मैं हक्का बक्का रह गया सोचने लगा जो आदमी एक ही प्रहार से दीवार में चुनी हुई ईंट को गिरा सकता है वह अवश्य ही बाघों के दांत भी तोड़ सकता है अनेक लोगों में मेरे समान शारीरिक शक्ति तो होती है परंतु फिर भी उनमें दृढ़ आत्मविश्वास का अभाव होता है जो शरीर से तो बलिष्ठ होते हैं परंतु मन से नहीं वे जंगल में स्वच्छंद विचरण करते हिंसक पशु को देखकर ही मूर्छित हो सकते हैं प्राकृतिक परिस्थितियों में वास करने वाला और अपने मूल हिंसक स्वभाव के अनुसार जीने वाला बाघ सर्कस के अफीम खिलाए गए बाघ से अत्यंत भिन्न होता है भीम के समान प्रबल शक्तिशाली होते हुए भी अनेक व्यक्ति रॉयल बेंगाल टाइगर के प्रचंड आक्रमण के सामने अत्यंत भयभीत और असहाय हो उठते हैं इस प्रकार बाघ मनुष्य को उसके ही मन की कल्पना में एक साधारण बिल्ली की भयभीत अवस्था के समान स्थिति में डाल देता है जिस मनुष्य में यथावत बलिष्ठ शरीर के साथ साथ अत्यंत दृढ़ विश्वास हो वह इस परिस्थिति को बाघ पर ही उलट सकता है और उसे यह मानने पर विवश कर सकता है कि वह एक बिल्ली के समान ही आत्मरक्षा में असमर्थ है कितनी ही बार मैंने यही किया है मैं यह मानने के लिए पूर्णतः तैयार था कि मेरे समक्ष उपस्थित शक्तिशाली पुरुष बाघ को बिल्ली में रूपांतरित करने में समर्थ थे वे कुछ उपदेश देने की मन स्थिति में प्रतीत हुए चंडी और मैं आदर के साथ उनकी बातें सुनने लगे मन ही मांसपेशियों को नियंत्रित करता है जैसे हथौड़े के आघात की शक्ति उस पर लगाए गए बल पर निर्भर होती है वैसे ही मनुष्य की शारीरिक शक्ति की अभिव्यक्ति उसकी आक्रामक इच्छा शक्ति की तीव्रता एवं साहस पर निर्भर करती है मन ही अक्षरश शरीर का निर्माण करता है और वही उसे जीवित रखता है गत जन्मों की प्रवृत्तियों की प्रबलता के अनुसार अच्छे या बुरे स्वभाव गुण धीरे धीरे मानव चेतना में उतरते हैं यह स्वभाव गुण आदतों में ढल जाते हैं और फिर ये आदतें एक वांछनीय या अवांछनीय शरीर के रूप में प्रदर्शित होती हैं। बाह्य दुर्बलता की जड़ मन में होती है और आदत से लाचार शरीर मन की अवहेलना करता है इस प्रकार यह कुचक्र चलता जाता है यदि मालिक नौकर की आज्ञा का पालन करने लगे तो नौकर निरंकुश स्वेच्छाचारी बन जाता है इसी प्रकार मन भी शरीर की आज्ञाओं का पालन कर करके उसका दास बन जाता है हमारे अनुनय पर यह तेजस्वी स्वामी अपने जीवन के बारे में हमें कुछ बताने के लिए सहमत हो गए बचपन से ही बाघों से लड़ने की महत्वाकांक्षा मेरे मन में थी मेरी इच्छा शक्तिशाली थी परंतु देह दुर्बल थी मेरे मुंह से आश्चर्योदार फूट पड़ा यह अविश्वसनीय लगता था कि पृथ्वी का भार उठाने के योग्य कंधों वाले इस मनुष्य का दुर्बलता के साथ दूर दूर तक भी कोई परिचय रहा हो स्वास्थ्य और शक्ति के चिंतन में अदम्य दृढ़ता द्वारा ही मैंने इस बाधा को दूर करने में सफलता प्राप्त की इस प्रभावशाली मानसिक शक्ति की प्रशंसा करने का कारण और भी बढ़ जाता है क्योंकि मैंने देखा है कि रॉयल बेंगाल टाइगरों को पराजित करने वाली वस्तुतः यही शक्ति थी स्वामी जी क्या आपको लगता है कि मैं भी कभी बाघों के साथ लड़ पाऊंगा यह पहला और अंतिम अवसर था जब यह विचित्र महत्वाकांक्षा मेरे मन में उठी हाँ वे मुस्कुरा रहे थे परंतु बाघ अनेक प्रकार के होते हैं कुछ मनुष्य की इच्छा वासनाओं के जंगल में घूमते हैं पशुओं को अपने प्रहार से बेहोश कर देने से कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं होता उससे अच्छा यह है कि अपने अंतर में घूमने वाले बाघों को पराजित किया जाए स्वामी जी क्या आप हमें बताएंगे कि आप हिंसक बाघों को वश में करते करते हिंसक वासनाओं को वश में कैसे करने लग गए बाघ स्वामी मौन हो गए अतीत के दृश्यों को निहारने का प्रयास करती उनकी दृष्टि सुदूर कहीं लग गई मैंने भाप लिया कि उनके मन में इस पर यह उथल पुथल चल रही थी कि मेरे अनुरोध को स्वीकार करें या ना करें अंत में मन ही मन स्वीकार कर वे मुस्कुरा उठे जब मेरी कीर्ति चरम बिंदु पर पहुंच गई तब मुझे गर्व का नशा चढ़ गया मैंने तय किया कि मैं न केवल बाघों से लड़ूंगा बल्कि लोगों के सामने उनसे विविध कर्तव्य भी कराऊंगा मेरी महत्वाकांक्षा ही यह बन गई कि मैं हिंसक पशुओं को पालतू जानवरों की तरह बर्ताव करने पर विवश कर दूंगा मैं सार्वजनिक रूप से अपने कर्तव्य दिखाने लगा और उसमें मिलने वाली सफलता से मुझे खुशी भी होने लगी एक दिन शाम को मेरे पिताजी अत्यंत चिंता तुर मना स्थिति में मेरे कमरे में आए बेटा मैं तुम्हें सावधान करने आया हूं कर्म की चलती चक्की से उत्पन्न होकर आने वाले अमंगलों से मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं क्या आप भाग्यवादी हैं पिताजी अंधविश्वास से क्या मेरी गतिविधियों के शक्तिशाली प्रवाह को अवरुद्ध होने देना चाहिए मैं भाग्यवादी नहीं हूं बेटा परंतु पवित्र शास्त्रों में कहे गए प्रतिफल के नियम में, में मेरा विश्वास है वन्य समुदाय में तुम्हारे विरुद्ध आक्रोश व्याप्त है यह आक्रोश कभी भी तुम्हारी जान के लिए खतरा बनकर सामने आ सकता है पिताजी आप मुझे आश्चर्य में डालते हैं बाघ क्या होते हैं आप अच्छी तरह जानते हैं सुंदर परंतु निर्दयी कौन जाने मेरे प्रहार उनकी ठोस बुद्धि में शायद कुछ उदारता के विचार भर सके उन्हें सभ्य शिष्टाचार सिखाने के लिए ही मैं जंगल विद्यालय का प्रधानाध्यापक बना हूं पिताजी कृपया आप मुझे बाघों को पालने वाला बाघ पालक माने बाघ हत्यारा नहीं। मेरे ये सत्कर्म मेरा अनिष्ट कैसे कर सकते हैं मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे अपने जीवन का मार्ग बदलने की आज्ञा ना दें। चंडी और मैं ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और अतीत के इस धर्म संकट को समझ रहे थे भारत में कोई संतान अपने माता पिता की इच्छाओं का अनादर नहीं करती बाघ स्वामी आगे कहते गए निर्विकार मौन में पिताजी ने मेरा स्पष्टीकरण सुना तदुपरांत उन्होंने गंभीरतापूर्वक एक रहस्य उद्घाटन किया बेटा तुम मुझे एक संत की अमंगल सूचक भविष्यवाणी दोहराने पर विवश कर रहे हो कल जब मैं बरामदे में बैठकर नित्य की भांति अपना ध्यान कर रहा था तब वे मेरे पास आए मित्रवर मैं आपके युद्ध प्रिय बेटे के लिए एक संदेश लेकर आया हूं उससे कहिए कि वह अपनी बरबर गतिविधियां बंद कर दे अन्यथा बाघ के साथ उसकी अगली लड़ाई में उसे अनेक दुस्साध्य घाव होंगे जिससे छह महीनों तक वह मरणासन अवस्था में पड़ा रहेगा तब वह अपना पुराना मार्ग छोड़कर सन्यासी बन जाएगा इस कहानी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा मैंने यही माना कि पिताजी किसी भ्रांति ग्रसित कट्टरवादी की भ्रांति का शिकार हो गए हैं यह कहते हुए बाघ स्वामी के हाव भाव इतने अधीर और ऐसे थे मानो अपनी मूर्खता पर उन्हें क्रोध आ रहा हो काफी देर तक वे गंभीर मुद्रा में मौन बैठे रहे जैसे वहां हमारी उपस्थिति का उन्हें कोई भान ना हो। फिर उन्होंने ही अपनी कहानी आगे शुरू की इस बार उनकी आवाज में नरमी आ गई थी पिताजी की चेतावनी के कुछ ही दिन बाद मैं राजधानी कूच बिहार गया प्राकृतिक सौंदर्य से भरा यह प्रदेश मेरे लिए नया था और मैं सुखप्रद परिवर्तन की आशा कर रहा था जैसा हर जगह सदा ही होता था यहां भी सड़कों पर मेरे पीछे पीछे उत्सुक लोगों की भीड़ चलती रहती थी उनके के कुछ अंश कभी-कभी मुझे सुनाई पड़ते थे यह वही आदमी है जो जंगली बाघों के साथ लड़ता है उसके पैर हैं या पेड़ के तने उसका चेहरा तो देखो वह स्वयं बाघों के राजा का अवतार मालूम होता है तुम तो जानते ही हो गांव के नटखट छोकरे किस प्रकार ताजा समाचार पत्र का, का काम करते हैं और किस गति से महिलाओं की मौखिक जनसूचना प्रणाली इस घर से उस घर समाचार पहुंचाती है कुछ ही घंटों में मेरी वहां उपस्थिति से सारे शहर में खलबली मच गई संध्या के समय में चुपचाप आराम कर रहा था कि घोड़ों की टापों की ध्वनि सुनाई दी मैं जिस घर में रुका था उसी के सामने आकर वह ध्वनि रुक गई लंबे कद के पगड़ीधारी पुलिस सिपाहियों का एक दल अंदर घुस आया मैं अवाक रह गया मैंने सोचा इन पुलिस वालों के लिए कुछ भी संभव है कहीं वे मेरे लिए पूर्णतया अगम्य किसी बात पर मेरी खिंचाई करने तो नहीं आए हैं परंतु उन्होंने अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत अत्यंत के साथ मेरा अभिवादन किया आदरणीय महोदय, कूच बिहार के युवराज की ओर से आपका स्वागत करने के लिए हमें भेजा गया है उन्होंने कल प्रातःकाल आपको अपने राजप्रासाद में पधारने का आमंत्रण भेजा है मैं थोड़ी देर इस पर सोचता रहा किसी अज्ञात कारण से अपनी इस शांत यात्रा में उपस्थित हुए इस विघ्न से तीव्र उद्वेग की भावना मेरे मन में उठ रही थी परंतु तो पुलिस वालों की विनयशीलता ने मेरे हृदय को छू लिया मैंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया दूसरे दिन जिस दासोचित विनम्रता और खुशामद के साथ मुझे अपने द्वार से चार घोड़े जुटे हुए शाही कोच तक ले जाया गया उसे देखकर मैं चकित रह गया एक सेवक तीव्र धूप से मुझे बचाने के लिए एक अलंकृत छाता मेरे ऊपर पकड़े खड़ा रहा नगर और उसके बाहर के वन क्षेत्र में से सुखद कोच सवारी करते हुए मुझे बड़ा मजा आ रहा था युवराज स्वयं मेरा स्वागत करने के लिए राजप्रसाद के सिंह द्वार पर उपस्थित थे अपने सोने से मरे आसन पर उन्होंने मुझे बैठाया और मुस्कुराते हुए स्वयं उससे कम साज सज्जा युक्त आसन पर बैठ गए यह सब विनम्र सेवा निश्चय ही मुझ पर कोई मुसीबत लाने वाली है बढ़ते हुए आश्चर्य के साथ मैं सोच रहा था इधर उधर की थोड़ी बातें करने के बाद युवराज का उद्देश्य प्रकट हो ही गया मेरे नगर में अफवाह फैली हुई है कि आप केवल अपने नंगे हाथों से जंगली बाघों के साथ लड़ सकते हैं क्या यह सच है बिल्कुल सच है हमें इस पर विश्वास नहीं होता आप शहरी लोगों के पॉलिश किए हुए चावल पर पले कोलकाता के बंगाली हैं कृपया सच सच बताइए क्या आप केवल निर्बल अफीम खिलाए बाघों से ही नहीं लड़ते रहे हैं उनका स्वर ऊंचा और व्यंग्य भरा था उनके बोलने के ढंग में उनके प्रांत की शैली की झलक थी उनके उस सम्मानजनक प्रश्न का उत्तर देना मैंने आवश्यक नहीं समझा हम हाल ही में पकड़े गए अपने बाघ राजा बेगम के साथ लड़ने की आपको चुनौती देते हैं यदि आप उसका सफलतापूर्वक सामना कर सके और उसे जंजीर से बांधकर चेतन अवस्था में उसके पिंजरे से बाहर निकल सके तो वह रॉयल बेंगाल टाइगर आपका हो जाएगा इसके अतिरिक्त हजारों रुपए एवं अन्य कई उपहार भी आपको मिलेंगे और यदि आपने उससे लड़ना अस्वीकार कर दिया तो हम अपने पूरे राज्य में आपको पाखंडी घोषित कर देंगे उनके उद्धत शब्द गोलियों की बौछार के समान मुझे लग गए मैंने गुस्से से उनकी शर्तें स्वीकार कर ली उत्तेजना में आसन से आधे उठ खड़े हुए युवराज निष्ठुर मुस्कान के साथ वापस बैठ गए उनकी वह मुस्कान देखकर मुझे उन रोमन सम्राटों की याद आई जिन्हें ईसाइयों को हिंसक पशुओं के साथ लड़ाने में आनंद आता था युवराज ने आगे कहा आपकी लड़ाई आज से एक सप्ताह बाद होगी हमें खेद है कि हम लड़ाई से पहले बाघ को देखने की अनुमति आपको नहीं दे सकते युवराज को कहीं यह भय तो नहीं था कि मैं बाघ पर सम्मोहन विद्या का प्रयोग करूंगा या उसे अफीम खिलाने का प्रयास करूंगा मैं नहीं जानता मैं राजप्रसाद से चल पड़ा मसे की बात यह थी कि अब की बार ना तो राज छत्र था और ना ही वह साज सज्जा युक्त कोच अगले सप्ताह भर मैं आगामी अग्नि परीक्षा के लिए अपने मन और शरीर दोनों को विधिवत तैयार करता रहा अपने नौकर द्वारा मुझे विलक्षण कहानियां सुनने को मिल रही थीं। पिताजी को संत ने जो भीषण भविष्यवाणी की थी वह किसी प्रकार लोगों में फैल गई और फैलते फैलते बढ़ती गई अनेक भोले-भाले ग्रामीणों का विश्वास था कि एक दुष्ट आत्मा ने देवताओं के शाप के कारण बाघ का जन्म लिया था जो रात को विभिन्न आसुरी रूप धारण करती है परंतु दिन में फिर से बाघ बनकर रहती है लोगों का अनुमान था कि यह वही आसुरी बाघ है जिसे मेरा गर्व हनन करने के लिए भेजा गया है एक अन्य कल्पना यह थी कि बाघों की अपने देवता से की गई प्रार्थनाओं का उत्तर राजा बेगम के रूप में आ गया है समग्र व्याघ्र जाति के लिए इतना मान हानिकारक ठहरे इस धृष्ट दोपाय को अर्थात मुझे दंडित करने के लिए उसे नियत किया गया है एक लून दंत विहीन मानव नक दंत युक्त शक्तिशाली पाद युक्त बाघ को चुनौती देने का दुस्साहस करे लोग यह भी कह रहे थे कि सभी अवमानित बाघों के द्वेष ने मिलकर इतना जोर पकड़ लिया है कि बाघों का मान मर्दन करने वाले इस अभिमानी पुरुष का पतन कराने के लिए बहुत जोर अब सूक्ष्म नियमों को कार्यान्वित कर रहा है मेरे नौकर ने मुझे आगे बताया कि युवराज स्वयं मानव और पशु के बीच होने वाले इस द्वंद्व के व्यवस्थापन का कार्यभार संभाल रहे थे उन्होंने स्वयं अपनी देखरेख में हजारों लोगों के बैठने योग्य एक ऐसे विशाल तंबू का निर्माण कराया जो आंधी तूफान में भी सुरक्षित खड़ा रह सके उस तंबू के मध्य में लोहे के एक विशाल पिंजरे में राजा बेगम को रखा गया था इस पिंजरे के बाहर सुरक्षा का एक और घेरा था। राजा बेगम निरंतर खून जमा देने वाली भयंकर कर्चनाएं करता जा रहा था उसकी क्षुधाग्नि और क्रोधाग्नि दोनों को भड़काने के लिए उसे बहुत कम खाना दिया जा रहा था शायद युवराज को आशा थी कि मैं उसका पुरस्कार स्वरूप भोजन बनूंगा डंका बजा बजा कर नगर और आसपास के इलाके में इस अद्वितीय द्वंद्व की जो घोषणा की जा रही थी उससे सुनकर लोगों ने भारी संख्या में उत्सुकतापूर्वक टिकटें खरीदी द्वंद्व के दिन सीटों की कमी के कारण सैकड़ों लोगों को लौटा दिया गया कई लोग तंबू की दरारों में से अंदर घुस आए या गैलरी के नीचे जहां भी जगह मिली वहीं खड़े हो गए जैसे जैसे बाघ स्वामी की कथा चरम सीमा की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे मेरी उत्तेजना भी बढ़ती गई चंडी भी मंत्र मुग्ध होकर अवाक बैठा था राजा बेगम की कान फाड़ देने वाली गर्जनाओं के और भयभीत दर्शकों के कोलाहल के बीच मैंने शांत मन से तंबू में प्रवेश किया लंगोट के अतिरिक्त मेरे शरीर पर और कोई कपड़ा नहीं था मैंने सुरक्षात्मक घेरे के दरवाजे का कुंडा सरकाकर उसे खोला और अंदर जाकर अपने पीछे शांत मन से दरवाजे को बंद कर लिया बाघ को रक्त की गंध लग गई उछलकर धड़ाम से लोहे की छड़ों से टकराने की ध्वनि के साथ उसने मेरा भीषण स्वागत किया करुणार्द्र भय से दर्शकों में सन्नाटा छा गया उस उग्र बाघ के सामने में निरी मेमना लग रहा था पलक झपकते ही मैं उसके पिंजरे में घुस गया परंतु जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया राजा बेगम उछल सीधा मेरे ऊपर आ गया मेरा दाहिना हाथ बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया बाघ के लिए परम स्वादिष्ट मानव रक्त की प्रचंड धाराएं गिरने लगी संत की भविष्यवाणी के सत्य होने के आसार नजर आने लगे इस प्रकार की गंभीर चोट मुझे जीवन में पहली बार आई थी पर मैं तुरंत उससे संभल गया रक्त रंजित अंगुलियों को लंगोट में घुसाकर मैंने उन्हें छिपा लिया और बाएं हाथ से एक हड्डी तोड़ प्रहार बाघ पर किया बाघ लड़खड़ा पीछे हट गया पिंजरे के अंत तक पीछे गया फिर पलटकर अत्यंत गुस्से के साथ पुनः मुझ पर छपटा मेरे सुविख्यात शासन के प्रहार उसके सिर पर बरसने लगे परंतु राजा बेगम को रक्त का जो स्वाद लग गया था उसने उसी उसी प्रकार उन्मत्त कर दिया था जैसे दीर्घ काल तक शराब से वंचित रहने वाले शराबी को शराब का पहला घूट उन्मत्त कर देता है बीच बीच में कान बैठा देने वाली दहाड़े मारते हुए उसके आक्रमणों की उग्रता बढ़ती ही जा रही थी उसके दांतों और नखों के आगे मेरा केवल एक हाथ से बचाव करना अपर्याप्त पड़ रहा था और मेरी आत्मरक्षा प्रणाली अभेद्य नहीं रह पा रही थी परंतु मैं भी तिल मिलाने वाले प्रहार उस पर करता गया दोनों ही रक्त रंजित होकर जीवन मरण का युद्ध लड़ रहे थे पिंजरे में कोलाहल था चारों दिशाओं में रक्त के छींटे उड़ रहे थे बाघ के गले से पीड़ा और खूनी प्राण पिपासा के चीतकार फूट रहे थे गोली चलाओ बाघ को मार डालो दर्शक चीख रहे थे मानव और पशु इतनी तेज गति से हिल रहे थे कि एक सिपाही की गोली भी निशाना चूक गई मैंने अपनी सारी संकल्प शक्ति एकत्र की और भीषण गर्जन के साथ उसके मस्तक पर एक अंतिम खोबड़ी तोड़ प्रहार किया बाघ गिर गया और ठंडा होकर पड़ा रहा पालतू बिल्ली की भांति मैं बीच में ही बोल पड़ा स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े फिर उन्होंने तन्मय कर देने वाली अपनी कहानी को आगे बताना शुरू किया आखिर राजा बेगम पराजित हो ही गया उसका रहा साहा राज कर भी चूर चूर हो गया अपने विदीन, रक्त रंजित हाथों से मैंने उसका जबड़ा खोला और एक नाट्यपूर्ण क्षण के लिए उस खुले मृत्यु द्वार में अपना सिर रखा संजीव के लिए इधर उधर देखा और जमीन पर पड़े संजीरों के ढेर में से एक संजीर खींचकर उससे बाघ की गर्दन पिंजरे की छड़ों के साथ बांध दी वे दरवाजे की ओर चलने लगा परंतु वह मूर्तिमान शैतान राजा बेगम उसकी कल्पित आसुरी उत्पत्ति के अनुरूप ही बहुत जीवट था एक ही विस्मयकारी झटके के साथ जंजीर तोड़कर वह मेरी पीठ पर झपट पड़ा मेरा कंधा उसके जबड़े में फंसा हुआ था और ऐसी स्थिति में मैं जोर से नीचे गिरा परंतु पलक झपकते ही मैंने उसे अपने नीचे धर दबोचा निष्ठुर प्रहारों के आघातों से वह अर्धमूर्जित हो गया इस बार मैंने उसे अधिक सावधानी पूर्वक बांध दिया धीरे धीरे मैं पिंजरे से बाहर निकला फिर से चारों तरफ चीख पुकार सुनाई दी इस बार वह हर्षोल्लास की थी भीड़ की चीख पुकार की हर्ष ध्वनि जैसे एक ही विराट गले से निकल रही थी मैं भीषण रूप से घायल तो हो गया था परंतु फिर भी मैंने द्वंद्व की तीनों शर्तें पूरी कर दी थीं। बाघ को अचेत करना उसे संजीर से बांधना और बिना किसी प्रकार की सहायता लिए पिंजरे से बाहर आना इसके अलावा मैंने उस हिंसक पशु को इस तरह घायल और भयभीत कर दिया था कि मेरे सिर का अप्रतिम पुरस्कार अपने मुख में पाकर भी उसकी ओर उसने कोई ध्यान नहीं दिया मेरे घावों का प्राथमिक उपचार करने के बाद मेरा सम्मान किया गया और मुझे पुष्पहार पहनाए गए मेरे चरणों में स्वर्ण मुहरों की वर्षा की गई असाधारण रूप से विशाल और वैसे ही क्रूर बाघ पर मेरी विजय की अंतहीन चर्चाएं चारों ओर से सुनाई दे रही थीं वचन के अनुसार राजा बेगम मुझे दे दिया गया परंतु मुझे कोई हर्ष नहीं हुआ मेरे हृदय में आध्यात्मिक परिवर्तन आ गया था ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पिंजरे से बाहर निकलने के साथ ही मैंने संसार में अपनी महत्वाकांक्षाओं का द्वार भी बंद कर दिया था उसके बाद का कुछ समय अत्यंत वेदना और मनस्ताप में बीता रक्त में विष फैलने के कारण छह महीनों तक मैं मरणासन अवस्था में पड़ा रहा कुछ बिहार छोड़ने योग्य ठीक होते ही मैं अपने गांव लौट आया एक दिन विनम्रता पूर्वक मैंने पिताजी से कहा अब मैं जान गया हूं कि जिन साधु ने सावधानी का विवेकपूर्ण इशारा दिया था वही मेरे गुरु हैं काश मैं किसी प्रकार उन्हें ढूंढ पाता मेरी लालसा सच्ची थी क्योंकि एक दिन वही संत बिना किसी सूचना के हमारे घर पधारे शांत अधिकारपूर्ण बाड़ी में वे बोल रहे थे बाघों का दमन बहुत हो गया मेरे साथ आओ मैं तुम्हें मानव मन के जंगलों में बिचरने वाले अज्ञान रूपी पशुओं का दमन करना सिखाऊंगा तुम्हें दर्शकों की आदत हो गई है अब योगाभ्यास में तुम्हारी रोमांचक निपुणता से झूम उठने वाले देवता तुम्हारे दर्शक होंगे मेरे गुरु ने मुझे आध्यात्मिक मार्ग की दीक्षा दी मेरी आत्मा के दीर्घ काल तक अप्रयुक्त रहने से जंग लगे खोलने में कठिन द्वार उन्होंने खोल दिए शीघ्र ही एक दूसरे का हाथ थामे मेरी साधना के लिए हम दोनों हिमालय की ओर चल पड़े अपने तूफानी जीवन की एक झलक हमें दिखाने के लिए कृतज्ञ होकर चंडी और मैंने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया मुझे और मेरे मित्र को लगा कि बैठक में उपेक्षा में की गई लंबी प्रतीक्षा का हमें भरपूर प्रतिफल मिला सातवां अध्याय प्लवनशील संत कल रात एक सभा में मैंने एक योगी को जमीन से कई फुट ऊपर हवा में ठहरे हुए देखा मेरा मित्र उपेंद्र मोहन चौधरी बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बोल रहा था मैंने उत्साहपूर्ण मुस्कान के साथ कहा शायद मैं उनका नाम बता सकता हूं कहीं वे अपर सर्कुलर रोड के भादुड़ी महाशय तो नहीं थे उपेंद्र ने स्वीकृति में सिर हिलाया यह यह बात मुझे पहले ही देखकर उसका चेहरा थोड़ा उतर गया संतों के बारे में मेरी जिज्ञासा से मेरे सभी मित्र भली भांति परिचित थे कोई नई जानकारी मिलते ही मुझे उनके पीछे लगा देने में उन्हें बड़ा आनंद आता था ये योगी महाराज मेरे घर के इतने निकट रहते हैं कि मैं प्राय उनसे मिलने जाता हूं मेरे इस कथन से उपेंद्र के चेहरे पर उत्सुकता के भाव उमड़ते देख मैंने उसे और भी बातें बताना शुरू कर दिया उनके कई चमत्कार मैंने देखे हैं पतंजलि प्रणीत प्राचीन अष्टांग योग के विभिन्न प्राणायाम विधियों में वे निष्णात हैं एक बार भादुड़ी महाशय ने मेरे सामने भस्त्रिका प्राणायाम इतने जोर से किया कि लगा मानो उस कमरे में सचमुच का तूफान आ गया हो फिर उन्होंने गर्जन करते श्वासोच्छ्वास को बंद कर दिया और वे अति चेतनता यानी समाधि की एक उच्च अवस्था में निश्चल बैठे रहे तूफान के बाद शांति का वातावरण इतना प्रभावपूर्ण था कि उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता मैंने सुना है कि वे कभी घर से बाहर नहीं निकलते उपेंद्र के स्वर में कुछ अविश्वसनीयता झलक रही थी वास्तव में यह सच है विगत बीस वर्षो से वे घर के भीतर ही रहते आए हैं केवल हमारे पर्व त्योहारों के अवसर पर वे स्वयं ही लगाए इस नियम को थोड़ा ढीला करते हैं जब वे अपने ही आहते में स्थित सामने की पगडंडी तक जाते हैं वहां पर भिखारी जमा हो जाते हैं क्योंकि संत भादुड़ी अपने दयाद्र हृदय के लिए प्रसिद्ध हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम को टुकरा वे हवा में कैसे रह पाते हैं कुछ प्राणायामों के अभ्यास से योगियों के शरीर की जड़ता नष्ट हो जाती है तब उनका शरीर हवा में उठ जाता है या फिर मेंढक की तरह यहां से वहां फुदकने लगता है जो संत योगाभ्यास नहीं करते वे भी ईश्वर के प्रति तीव्र भक्ति की अवस्था में हवा में ऊपर उठते पाए गए हैं इस संत के विषय में मैं अधिक जानना चाहता हूं क्या तुम उनकी सायंकालीन सभा में जाते हो उपेंद्र की आंखें कौतूहल से चमक रही थीं। हां मैं प्राय जाता हूं उनके उपदेशों में विद्यमान विनोदपूर्ण चुटकियों और हास में मुझे बड़ा मजा आता है कभी कभी मेरे लंबे अट्टहास से सभा की गंभीरता भंग हो जाती है भादुड़ी महाशय तो उसका बुरा नहीं मानते किंतु उनके शिष्य खा जाने वाली नजरों से मेरी ओर देखते हैं उस दिन दोपहर को स्कूल से घर लौटते समय मैं भादुड़ी महाशय के एकांत निवास के पास से गुजर रहा था तो उनका दर्शन करने की इच्छा हो गई जन साधारण के लिए उनका दर्शन दुर्लभ था निचली मंजिल पर अकेला रहने वाला उनका एक शिष्य इस बात का ध्यान रखता था कि उनके एकांत में खलल ना पड़े यह शिष्य कुछ ज्यादा ही अनुशासन प्रिय था उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने भेंट के लिए पहले से समय लिया हुआ है उसके गुरुदेव उसी समय वहां आ पहुंचे और उन्होंने मुझे अविलंब बाहर निकाल दिए जाने से बचा लिया मुकुंद जब भी आना चाहे उसे आने दिया करो संतवर की आंखें चमक उठी एकांत का मेरा नियम मेरी अपनी सुविधा के लिए नहीं बल्कि लोगों की सुविधा के लिए है संसारी लोगों को उनके मोहजाल को तहस नहस कर देने वाली स्पष्टवादिता अच्छी नहीं लगती संत न केवल दुर्लभ होते हैं बल्कि वे लोगों को व्याकुल भी कर देते हैं शास्त्र पुराणों में भी वे प्राय जन साधारण को वेहवल करते पाए जाते हैं मैं भादुड़ी महाशय के पीछे पीछे ऊपरी मंजिल पर स्थित उनके अत्यंत सादे कक्ष में जा पहुंचा जहां से वे शायद ही कभी बाहर निकलते थे संसार के क्षुद्र उत्तेजनाओं के तीव्र गति से नित्य बदलते चित्रों की ओर संतजन प्राय कोई ध्यान नहीं देते केवल युग युगांतर में स्थिर हुए कालजयी सत्यों पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है संतों के समकालीन लोग केवल उनके संकीर्ण वर्तमान के लोग ही नहीं होते महर्षि जहां तक मैं जानता हूं आप पहले ऐसे योगी हैं जो हमेशा घर के अंदर ही रहते हैं भगवान कभी कभी अपने संतों को अप्रत्याशित परिस्थितियों में डाल देते हैं कि कहीं हम यह न सोचे कि हम संतों को एक विशिष्ट नियम की चौखट में बिठा सकते हैं आरोग्य और शक्ति से ओत प्रोत अपना शरीर उन्होंने पद्मासन में स्थिर किया उनकी आयु सत्तर और अस्सी वर्ष के बीच थी परंतु आयु निष्क्रिय जीवन पद्धति का कोई अप्रिय लक्षण उनके शरीर पर नहीं था उनका सुगठित एवं सीधा शरीर प्रत्येक दृष्टि से आदर्श स्वरूप था उनका मुखमंडल पुराणों में वर्णित तो ऋषियों के समान था भव्य मस्तक भरपूर दाढ़ी शांत आंखें सदैव ईश्वर की सर्व व्यापकता पर स्थिर वे सदैव दृढ़ता के साथ सीधे बैठते थे हम दोनों ध्यानस्थ हो गए एक घंटे के बाद उनकी सौम्यवाणी ने मुझे जगा दिया तुम प्राय ध्यान लगाते हो परंतु क्या तुम्हें कुछ अनुभव हुआ है वे तो मुझे ध्यान से अधिक ईश्वर से प्रेम करने का स्मरण दिला रहे थे साधन को ही साध्य समझ लेने की भूल मत करना उन्होंने मुझे कुछ आम दिए अपने गंभीर स्वभाव में भी मुझे हमेशा ही आनंदित करने वाली अपनी विनोद बुद्धि को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा साधारणतया लोगों को ध्यान योग से जल योग अर्थात जलपान अधिक अच्छा लगता है योग के विषय में उनकी इस शब्द क्रीड़ा को सुनकर मैं ठहाके लगाकर हंसने लगा क्या हंसी है तुम्हारी उनकी दृष्टि में वात्सल्यपूर्ण चमक प्रकट हुई उनका अपना चेहरा सदैव गंभीर ही रहता था परंतु उसमें भी परमानंदपूर्ण मुस्कुराहट की झलक होती थी उनके विशाल कमल नयनों में सदैव एक दिव्य हंसी छिपी होती थी उन्होंने मेज पर पड़े अनेक मोटे मोटे लिफाफों की ओर संकेत करते हुए कहा वे पत्र सुदूर स्थित अमेरिका से आए हैं वहां की कुछ सोसाइटियों के साथ मैं पत्र व्यवहार करता हूं जिनके सदस्य योग शास्त्र में रुचि रखते हैं वे कोलंबस से बेहतर दिशा ज्ञान के साथ नए सिरे से भारत की खोज कर रहे हैं उनकी सहायता करने में मुझे खुशी होती है दिन के उजाले की तरह शास्त्र का ज्ञान भी उन सबके लिए है जो इसे प्राप्त करने के इच्छुक हैं जिसे मानव की मुक्ति के लिए ऋषियों ने अनिवार्य समझा है उसे पाश्चात्य लोगों के लिए हल्का करने की आवश्यकता नहीं है बाह्य अनुभव भिन्न होते हुए भी सबकी आत्मा एक समान ही है और जब तक योग का कुछ ना कुछ अभ्यास नहीं किया जाता तब तक ना तो पाश्चात्य और ना ही पौर्वात्य लोग उन्नति कर सकते हैं उन्होंने अपनी शांत दृष्टि मुझ पर स्थिर की मेरी समझ में तब यह नहीं आया कि उनके वक्तव्य में भविष्यवाणी युक्त मार्गदर्शन छिपा हुआ था वह तो केवल अब जब मैं ये शब्द लिख रहा हूं उनके द्वारा प्राय दिए गए संकेतों का पूर्ण अर्थ मेरी समझ में आ रहा है कि मैं किसी दिन भारत की शिक्षाओं को अमेरिका ले जाऊंगा महर्षि मैं चाहता हूं कि आप जगत के कल्याण के लिए योग शास्त्र पर एक पुस्तक लिखें मैं शिष्यों को तैयार कर रहा हूं वे स्वयं और उनके शिष्यों की श्रृंखला जीवंत पुस्तकों का काम करेंगे जो समय के स्वाभाविक क्षय और टीकाकारों की अस्वाभाविक टीकाओं से अछूते रहेंगे संध्या काल को उनके शिष्यों के आने तक मैं अकेला ही उनके साथ रहा शिष्यों के आने के बाद भादुड़ी महाशय ने अपना अद्वितीय प्रवचन शुरू किया शांत भाड़ की तरह अपने श्रोताओं के मन के कूड़े करकट को बहा ले जाकर वे उन्हें ईश्वर की ओर ले चले विशुद्ध बांग्ला में वे हृदय स्पर्शी दृष्टांत देते जा रहे थे उस दिन भादुड़ी महाशय संत संगति को पाने के लिए अपने राजसी जीवन का त्याग करने वाली मध्ययुगीन राजपूत रानी मीराबाई के जीवन से संबंधित कुछ दार्शनिक तत्वों को समझा रहे थे एक बार एक महान सन्यासी सनातन गोस्वामी ने मीराबाई से मिलने से केवल इसलिए इनकार कर दिया कि वे स्त्री थीं। उत्तर में मीराबाई ने जो कुछ कहा उससे सुनकर गोस्वामी विनम्र बनकर उनके चरणों में नथ हो गए मीराबाई ने कहा महात्मा जी से कहो कि मैं नहीं जानती थी कि सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त और भी कोई पुरुष है क्या हम सब उनके सामने स्त्रियां नहीं हैं? शास्त्रों का एक सिद्धांत यह है कि केवल ईश्वर ही एकमात्र सृजन क्षम पुरुष तत्व है उसकी सृष्टि तो केवल निष्क्रिय माया है मीराबाई ने रस से ओतप्रोत अनेक पदों की रचना की है जो आज भी भारत में प्रेम और श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं उनमें से एक है साधन करना चाहिए मनवा भजन करना चाहिए प्रेम लगाना चाहिए रे मनवा प्रीत लगाना चाहिए नीर नहन से हरी मिले तो जल जंतु हो मूल खाकर हरी मिले तो बादुर बंदराई तुलसी पूजन से हरी मिले तो मैं पूजू तुलसी झाड़ पत्थर पूजन से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ तृण भक्षण से हरि मिले तो बहुत मृगी आ जा स्त्री छोड़न से हरि मिले तो बहुत मिले खोजा दूध पीवन से हरि मिले तो बहुत वत्स बाला मीरा कहे बिना प्रेम से ना मिले नंद लाला भादुड़ी महाशय जहां यौकिक आसन में बैठते थे वहीं उनके पास पड़ी उनकी खड़ाओं पर कई शिष्य प्रणामी रख देते दे थे भारत में प्रचलित इस श्रद्धापूर्ण चढ़ावे का अर्थ है कि शिष्य अपनी भौतिक संपदा गुरु के चरणों में अर्पित कर रहा है कृतज्ञ मित्रों के रूप में प्रभु ही अपने भक्तों की देखभाल करते रहते हैं उस ऋषि से विदा लेते समय उनकी ओर भक्तिपूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक शिष्य ने कहा गुरुदेव आप महान है आपने ईश्वर को पाने के लिए और हमें ज्ञान देने के लिए अपनी संपत्ति आराम आदि सब कुछ त्याग दिया यह सर्वविदित था कि भादुड़ी महाशय ने बचपन में ही विशाल पैतृक संपत्ति को त्याग दिया था जब उन्होंने अनन्य भाव से योग मार्ग में पदार्पण किया तुम ठीक उल्टी बात बोल रहे हो भादुड़ी महाशय के मुखारविंद पर भर्सना के अत्यंत सौम्य भाव प्रकट हुए मैंने तो अंतहीन आनंद का विराट साम्राज्य प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़े से रुपए और कुछ तुच्छ सुख विलासों को छोड़ दिया फिर मैंने कोई त्याग कहा किया है और उस निधि को बांटने में जो आनंद मिल सकता है उसका मुझे ज्ञान है इसे क्या त्याग कहा जा सकता है अल्प दृष्टि वाले सांसारिक जन ही वास्तव में सच्चे त्यागी हैं वे अद्वितीय दिव्य संपत्ति को संसार के मुट्ठी भर तुच्छ खिलौनों के लिए त्याग देते हैं त्याग की लोक विरुद्ध व्याख्या को सुनकर मेरी हंसी छूट गई जिसमें किसी भी भिक्षुक संत को तो कुबेर का मुकुट पहनाया जाता है और धन करोड़पतियों को अनभिज्ञ शहीद बना दिया जाता है विधि का विधान हमारे भविष्य की योजना किसी भी बीमा कंपनी से अधिक अच्छी तरह बनाता है उनके निष्कर्षात्मक शब्द उनकी अपनी श्रद्धा का अनुभव सिद्ध धर्म थे आज संसार बाह्य सुरक्षा में ही विश्वास करने वाले बेचैन लोगों से भरा हुआ है उनके कटु विचार उनके ललाटों पर अंकित घाव चिन्हों के समान है जिसने हमारे प्रथम श्वास के साथ ही हमारे लिए हवा और दूध की व्यवस्था कर दी हो वह भगवान अपने भक्तों की दिन प्रतिदिन की व्यवस्था करना भी जानता है स्कूल से छुट्टी होते ही इन संत के द्वार की तीर्थ यात्रा करने का क्रम मैंने जारी रखा आंतरिक उत्साह के साथ वे अनुभव लाभ में, में मेरी सहायता करते रहे एक दिन वे मेरे घर से दूर राममोहन रॉय रोड पर रहने के लिए चले गए उनके श्रद्धालु शिष्यों ने उनके लिए वहां नागेंद्र मठ नाम से एक नया आश्रम बना दिया था यहां मेरी कहानी अचानक कई वर्ष आगे निकल जाती है फिर भी भादुड़ी महाशय के मुझसे कहे गए अंतिम शब्दों का उल्लेख मैं यहां करना चाहता हूं पश्चिम की ओर प्रस्थान करने से कुछ पहले मैं उनके दर्शन करने गया और आशीर्वाद पाने के लिए मैंने उनके चरणों पर सिर रखा बेटा अमेरिका जाओ युग युगांतर की भारत की महिमा को अपनी ढाल के रूप में ले जाओ विजय तुम्हारे ललाट पर लिखी हुई है उस देश के भले लोग तुम्हारा हृदयपूर्वक स्वागत करेंगे आठवां अध्याय भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले ही कर लिया था या उत्तेजक टिप्पणी सुनकर मैं रास्ते के किनारे खड़े होकर विज्ञान विषयक चर्चा कर रहे प्राध्यापकों के एक दल के पास जाकर खड़ा हो गया यदि उनमें सम्मिलित होने के पीछे मेरी भावना जाति के अभिमान की थी तो मुझे उसका खेद है भारत न केवल गूढ़ चिंतन में वरन भौतिक विज्ञान में भी प्रमुख भूमिका निभा सकता है इस बात के प्रमाण में अपनी गहरी अभिरुचि को मैं अस्वीकार नहीं कर सकता आप कहना क्या चाहते हैं सर अध्यापक महोदय ने प्रसन्नतापूर्वक स्पष्टीकरण दिया वायरलेस कोहेरर और विद्युत तरंगों की वक्रता दर्शाने वाले एक यंत्र का आविष्कार सबसे पहले बोस ने किया था परंतु इस भारतीय वैज्ञानिक ने अपने आविष्कारों से कोई आर्थिक लाभ उठाने की चेष्टा नहीं की शीघ्र ही उन्होंने अपना ध्यान अजब से जैव जगत की ओर मोड़ दिया वनस्पति शास्त्रज्ञ के रूप में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार उनके भौतिक विज्ञानी के रूप में किए गए मौलिक आविष्कारों से भी कहीं अधिक बढ़ चढ़कर में में दूसरे ही दिन मैं उस ऋषि तुल्य महान ज्ञानवेत्ता से मिलने उनके घर गया जो मेरे घर के पास ही था लंबे समय से मैं दूर से ही उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता आ रहा था गंभीर प्रशांत और एकांत प्रेमी वनस्पति शास्त्र ने शिष्टतापूर्वक मेरा स्वागत किया उनकी आयु पचास से साठ वर्ष के बीच थी वे विस्तीर्ण ललाट तथा स्वप्निल नेत्रों के रूपवान व्यक्ति थे उनका शरीर सुगठित था बोलने में उनका विशुद्ध उच्चारण उनके शुरू से ही वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाता था पश्चिम की वैज्ञानिक सोसायटियों की सभाओं में भाग लेकर मैं हाल ही में वापस आया हूं मेरे द्वारा आविष्कृत जीवन की अविभाज्य एकता दर्शाने वाले उपकरणों में उनके सदस्यों ने गहरी रुचि दिखाई बोस क्रेस्टोग्राफ की परिवर्धन शक्ति यानी मैग्निफाइंग पावर एक करोड़ गुना है माइक्रोस्कोप तो केवल कुछ सहस्र गुना ही परिवर्धन करता है फिर भी उसने जीव विज्ञान को तीव्र गति प्रदान कर दी जीव विज्ञान में प्राण फूंक दिए क्रेस्कोग्राफ अगणित मार्ग खोलता है सर आपने विज्ञान की अमूर्त बाहों से पूर्व और पश्चिम के आलिंगन बद्ध होने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए बहुत कुछ किया है मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई प्रयोगों के आधार पर ही किसी भी सिद्धांत की सूक्ष्म से सूक्ष्म जांच करने की पाश्चात्य पद्धति कितनी सराहनीय है यह प्रयोग मूलक कार्य पद्धति मुझे अपनी पौर्वात्य विरासत में मिली आत्म परीक्षण की क्षमता के साथ जुड़कर और भी अधिक प्रभावी हो गई इन दोनों के जोड़ दीर्घ काल से चले आ रहे प्रकृति जगत के मौन को तोड़ने में समर्थ बनाया सारे भेद खोल देने वाले मेरे क्रिस्कोग्राफ के संदेह करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए यह प्रमाण है कि पेड़ पौधों में भी संवेदनशील स्नायु तंत्र होता है और उनका जीवन विभिन्न भावनाओं से युक्त भी होता है प्रेम घृणा आनंद भय सुख दुख मूर्छा और अन्य उत्तेजनाओं के प्रति असंख्य प्रकार की प्रतिक्रियाओं की भावानुभूति जिस प्रकार सब प्राणियों को होती है उसी प्रकार सब पेड़ पौधों को भी होती है सर, आपके इस क्षेत्र में आगमन से पहले तो सारी सृष्टि में व्याप्त जीवन की अद्वितीय धड़कन एक कवि की कल्पना मात्र लगती होगी एक संत को मैं कभी जानता था जो कभी कोई फूल नहीं तोड़ते थे वे कहते थे गुलाब के पौधे से मैं उसका अभिमान कैसे छीन लूं? अपनी उदंडता से उसे विवस्त्र करके उसके आत्मसम्मान को धक्का कैसे पहुंचाऊं उनके उन सहानुभूतिपूर्ण शब्दों को आपके आविष्कारों ने यथार्थ सिद्ध कर दिया है कवि सत्य से अंतरंग होता है जबकि वैज्ञानिक अजीब और गरीब ढंग से उस तक पहुंचने का प्रयास करता है किसी दिन मेरी प्रयोगशाला में आकर क्रिस्टोग्राफ के असंदिग्ध प्रमाणों को देख लो कृतज्ञता पूर्वक मैंने आमंत्रण स्वीकार कर उनसे विदा ली बाद में मैंने सुना कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और अब वे कोलकाता में एक अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहे हैं जब बोस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ तब मैं उस उद्घाटन समारोह में उपस्थित था सैकड़ों उत्साही लोग संस्थान के परिसर में इधर से उधर घूम रहे थे विज्ञान के इस नए पीठ की कलात्मकता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मकता को देखकर मैं मुग्ध हो गया उसका प्रवेश द्वार सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर का अवशेष है कमल पुष्पों से भरे एक जलकुंड के पीछे स्थित मशालधारी स्त्री मूर्ति नारी के लिए अमर प्रकाश दात्री के रूप में भारत के आदर को सूचित करती है एक उद्यान में अगोचर ब्रह्म को समर्पित एक छोटा सा मंदिर है मंदिर में मूर्ति विहीन वृत्त स्थान ईश्वर की निराकारता को सूचित करता है इस उद्घाटन के महान अवसर पर सर जगदीश चंद्र बोस का भाषण ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे किसी अंत प्रेरित प्राचीन ऋषि के मुख से मिश्रित हो रहा हो इस संस्था को मैं आज केवल एक प्रयोगशाला के रूप में नहीं वरन एक मंदिर के रूप में समर्पित करता हूं उनकी आदरणीय महानता खचा खच भरे सभागृह पर एक अदृश्य चादर के समान छा गई उन्होंने आगे कहा अपनी खोज में मैं कब पदार्थ विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के सीमा क्षेत्र में पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला उस समय मेरा आश्चर्य बढ़ता ही गया जब मैंने देखा कि सजीव जगत और निर्जीव जगत के बीच की सीमा रेखाएं मिटती जा रही हैं और स्पर्श बिंदु उभरते जा रहे हैं मैंने देखा कि निर्जीव जगत निष्क्रिय नहीं था वह तो असंख्य शक्तियों के प्रभाव में पुलकित हो रहा था सब में एक समान प्रतिक्रिया धातु वनस्पति और प्राणी को एक ही सामान्य नियम में बांधती प्रतीत हुई वे सब थकान और खिन्नता के तत्वता एक समान लक्षण प्रदर्शित करते थे जिनमें पुनः तरोताजा और हर्षोत्फुल्ल होने की संभावनाएं बनी रहती थीं। मृत्यु के साथ जुड़ी हुई प्रतिक्रियाहीनता के प्रदर्शन में भी सब एक समान थे इस विराट सामान्यत्व से विस्मय विभोर होकर मैंने बहुत बड़ी आशा के साथ अपने प्रयोगों के परिणामों को रॉयल सोसाइटी के समक्ष रखा परंतु वहां उपस्थित प्रकृति वैज्ञानिकों ने मुझे उनके लिए सुरक्षित क्षेत्रों पर अतिक्रमण करने के बदले उस पदार्थ विज्ञान के क्षेत्र तक ही अपने अनुसंधान को सीमित रखने की सलाह दी जिसमें क्षेत्र में घुसकर उसके शिष्टाचार का उल्लंघन कर दिया था वहां अनजाने में एक धर्मशास्त्रीय पूर्वाग्रह भी कार्यरत था जो अज्ञान को भी धर्म के समान प्रश्नातीत मानता है यह प्राय भुला दिया जाता है कि जिस परम सत्ता ने हमें चारों ओर से सृष्टि के इस नित्य बढ़ते ही जाते रहस्य से घेर रखा है उसी ने प्रश्न करने और समझने की इच्छा भी हम में कर दी है। अनेक वर्षों तक लोगों की गलतफहमियों का शिकार बनते रहने से एक बात मेरी समझ में आ गई कि विज्ञान के उपासक का जीवन अनिवार्य रूप से अनंत संघर्ष से भरा होता है लाभ और हानि सफलता और विफलता को एक समान मानते हुए उसे अपना जीवन प्रेम श्रद्धा युक्त अर्घ के रूप में अर्पण करना पड़ता है कालांतर में विश्व की प्रमुख वैज्ञानिक सोसायटियों ने मेरे सिद्धांतों और निष्कर्षों को स्वीकार करके विज्ञान में भारत के योगदान को मान्य किया जो कुछ भी छोटा या सीमित हो वह क्या भारत के मन को कभी तृप्त कर सकता है एक अखंड जीवंत परंपरा और पुनर्जीवन प्राप्त करने की एक जीवन प्रत शक्ति के द्वारा इस भूमि ने अगणित परिवर्तनों में बार बार अपना कायाकल्प किया है भारत में सदा ही ऐसे लोग उत्पन्न होते आए हैं जिन्होंने समय के तात्कालिक और मोहक पुरस्कार को ठुकराकर जीवन के सर्वोच्च अभिष्टों को पाने का प्रयास किया है परित्याग द्वारा नहीं वरन कर्मठ कठोर संघर्ष द्वारा संघर्ष को अस्वीकार करने वाले दुर्बल के पास कुछ प्राप्त न कर पाने के कारण त्यागने के लिए भी कुछ नहीं होता जिसने संघर्ष कर विजय प्राप्त की हो केवल वही संसार को अपनी विजय के अनुभव का फल प्रदान कर उसे समृद्ध कर सकता है इस बोस प्रयोगशाला में जड़ पदार्थों की प्रतिक्रिया पर अब तक किए जा चुके कार्य से और वनस्पति जीवन के अप्रत्याशित तथ्य सामने आ जाने से पदार्थ विज्ञान प्रकृति विज्ञान चिकित्सा कृषि और यहां तक कि मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी अनुसंधान के अत्यंत विस्तृत क्षेत्र खोल गए हैं जिन उलझनों के बारे में अब तक यह माना जाता था कि उन्हें सुलझाया नहीं जा सकता वे भी अब प्रयोगात्मक अन्वेषण के कार्य क्षेत्र में आ गई हैं, परंतु कठोर सटीकता के बिना उच्च सफलता नहीं मिल सकती इसीलिए प्रवेश कक्ष में अपने अपने केस में रखे गए मेरे द्वारा आविष्कृत अति संवेदनशील उपकरणों और वैज्ञानिक यंत्रों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं दृश्यमान आभास के पीछे छिपे सत्य को खोजने के लिए आवश्यक दीर्घकालिक अनवरत प्रयत्न की तथा मानव के सीमित सामर्थ्य की परिसीमाओं को लांगने के लिए आवश्यक अविराम कठोर परिश्रम लगन और उद्योगशीलता की गाथा सुनाते हैं सभी आविष्कारक वैज्ञानिक जानते हैं कि वास्तविक प्रयोगशाला तो मन है जहां वे माया के पर्दे के पीछे छिपे सत्य के नियमों को खोज निकालते हैं यहां जो व्याख्यान दिए जाएंगे किसी दूसरे से प्राप्त ज्ञान की पुनरावृत्ति मात्र नहीं होंगे उनमें इन कक्षों में प्रथम बार सिद्ध किए गए नए आविष्कारों का ज्ञान दिया जाएगा इस संस्था के कार्य विवरण के नियमित प्रकाशनों द्वारा भारत के योगदान समस्त विश्व में पहुंच जाएंगे वे सार्वजनिक संपत्ति बन जाएंगे कभी भी किसी भी बात का पेटेंट नहीं लिया जाएगा हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का सार ही यह है कि हमें ज्ञान का प्रयोग केवल अपने लाभ के लिए करने की संस्कृति हीनता से सदैव दूर रहना चाहिए मेरी यह भी इच्छा है कि इस संस्था की सुविधाएं जहां तक संभव हो सके सभी देशों के अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपलब्ध हो इसमें मैं अपने देश की परंपराओं को आगे चलाने का प्रयास कर रहा हूं पच्चीस शताब्दियों पूर्व भी भारत नालंदा और तक्षशिला के अपने प्राचीन विश्वविद्यालयों में विश्व के सभी हिस्सों से आते छात्रों को ज्ञान प्राप्ति की सुविधा उपलब्ध कराता था विज्ञान ना तो पूर्व का है ना पश्चिम का बल्कि अपनी सार्वलौकिकता के कारण वह सब देशों का है परंतु फिर भी भारत इसमें महान योगदान देने के लिए विशेष रूप से योग्य है भारतीयों की ज्वलंत कल्पना शक्ति तो ऊपर ऊपर परस्पर विरोधी लगने वाले तथ्यों की गुत्थी से भी नया सूत्र निकाल सकती है परंतु एकाग्रता की आदत ने इसे रोक रखा है यह संयम मन को अनंत धीरज के साथ सत्य की खोज में लगाए रखने की शक्ति प्रदान करता है उस महान वैज्ञानिक के उन अंतिम शब्दों को सुनकर मेरी आंखें छल चल छला उठी यह धीरज ही क्या सचमुच भारत का पर्यायवाची शब्द नहीं बन गया है जिसने काल और इतिहासकार दोनों को ही समान रूप से अचंभित कर रखा है उद्घाटन दिवस के थोड़े दिनों बाद मैं उस अनुसंधान केंद्र में फिर से गया उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ को अपने वचन का स्मरण था वे मुझे अपनी शांत प्रयोगशाला में ले गए अब मैं इस फर्न के पौधे पर क्रेस्कोग्राफ लगाता हूं इसकी गतिविधियों का अनेक गुना परिवर्धित चित्र उभरेगा इसी मात्रा में यदि घोंगे की रेंगने की क्रिया को परिवर्धित किया जाए तो घोंगा एक्सप्रेस ट्रेन की गति से चलता दिखाई देगा मेरी दृष्टि उत्सुकतावश पर्दे पर लगी हुई थी जहां फर्न की परिवर्धित छाया दिख रही थी सूक्ष्म से सूक्ष्म जैव क्रियाएं भी अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी मेरी मंत्रमुग्ध आंखों के सामने वह फर्ण का पौधा अत्यंत धीरे धीरे बढ़ रहा था बोस महाशय ने पौधे की नोक को धातु की एक छोटी सी छड़ से छुआ पर्दे पर चल रहा मूक नृत्य हटात रुक गया और छड़ हटाते ही उसकी लयबद्ध थिरक पुनः शुरू हो गई बोस महाशय ने कहा तुमने देखा कैसे तनिक सभी हस्तक्षेप संवेदनशील ऊतकों के लिए बाधक है अब देखो मैं इसे क्लोरोफॉर्म दूंगा और फिर इसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि भी क्लोरोफॉर्म के प्रभाव ने विकास को पूर्णतः रोक दिया उसका प्रभाव नष्ट करने वाली औषधि ने उसे पुनः शुरू कर दिया पर्दे पर दिखने वाले विकास के संकेतों ने मुझे किसी सिनेमा के कथानक से भी अधिक तन्मयता के साथ जकड़ रखा था बोस महाशय ने जो कि यहां खलनायक की भूमिका में थे उस फर्न के एक हिस्से में एक तीक्ष्ण औजार घुसा दिया आकस्मिक फड़फड़ाहट ने दर्द का संकेत दिया जब उन्होंने पौधे के तने को ब्लेड से अंश तय काट दिया तब छाया में तीव्र छटपटाहट दिखाई दी फिर मृत्यु की अंतिम स्तब्धता में शांत हो गई एक विशाल वृक्ष को पहले क्लोरोफॉर्म देकर फिर उसका स्थानांतरण करने में मैंने सफलता प्राप्त कर ली है वनों के ये राजा स्थानांतरित करने के कुछ ही दिन बाद मर जाते हैं उस जीवन रक्षक युक्ति कौशल का वर्णन करते हुए बोस महाशय अत्यंत प्रसन्नता के साथ मुस्कुरा रहे थे मेरे सूक्ष्म ग्राही यंत्रों के रेखा चित्रों ने सिद्ध कर दिया है कि पेड़ पौधों में रस संचार प्रणाली होती है प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है वैसे ही पेड़ पौधों में रस संचार होता है पेड़ पौधों में रस की ऊर्ध्व गति को केवल केशिका आकर्षण यानी कैपिलरी अट्रैक्शन सदृश किसी यांत्रिक क्रिया के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता जैसा कि सामान्यता प्रयास किया जाता है क्रेस्कोग्राफ ने इसे सजीव कोशिकाओं की क्रिया के रूप में दर्शाया है पेड़ के अंदर से लंबी गोलाकार नली चलती है जिसमें क्रमिक वृत्तों में सिकुड़ने वाली लहरें उठती रहती हैं, जो हृदय का काम करती हैं। हम जितनी ही अधिक गहराई में जाकर देखेंगे उतनी ही अधिक स्पष्टता से इस सत्य का प्रमाण मिलता जाता है कि इस बहुविध प्रकृति का प्रत्येक रूप एक ही सूत्र में बंधा है बोस महाशय ने एक अन्य बोस यंत्र की ओर इशारा किया मैं तुम्हें टिन के एक टुकड़े पर कुछ प्रयोग दिखाता हूं धातुओं की प्राण शक्ति उत्तेजना के प्रभाव में अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रिया दिखाती है स्याही के निशान विभिन्न प्रतिक्रियाओं को चिन्हांकित करेंगे मैं तल्लीन होकर आणविक संरचना के लक्षण स्वरूप तरंगों को अंकित करने वाले रेखा चित्र अर्थात ग्राफ को देखने लगा जब प्रोफेसर साहब ने टिन को क्लोरोफॉर्म लगाया तब कंपन लेखन थम गया जब धीरे धीरे उस टिन की सामान्य अवस्था लौट आई तब पुनः शुरू हो गया अब बोस महाशय ने एक विशाल रसायन लगाया टिन के छटपटाते छोर के साथ साथ सुई ने अद्भुत रूप से रेखा चित्र पर मृत्यु की सूचना अंकित कर दी वैज्ञानिक महोदय ने कहा बोस यंत्रों ने प्रदर्शित कर दिया है कि कैंची और मशीनरी में प्रयुक्त इस्पात सदृश धातु भी थकते हैं और बीच बीच में विश्राम मिलने से उनमें पुनः ताजगी और कार्य क्षमता आ जाती है विद्युत प्रवाह या अति भारी दबाव से धातुओं में जीवन की धड़कन को गंभीर क्षति पहुंचती है या वह धड़कन सदा के लिए रुक भी सकती है उस कक्ष में चारों ओर रखे अथक प्रतिभा के मुखर प्रतीक असंख्य आविष्कारों पर मैंने दृष्टि दौड़ाई सर यह दुख की बात है कि आपके अद्भुत यंत्रों का पूर्ण लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर कृषि विकास को गति नहीं दी जा रही है इनमें से कुछ यंत्रों को त्वरित प्रयोगों में प्रयुक्त करके खाद के विभिन्न प्रकारों का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है यह देखना क्या सहज संभव नहीं हो सकता तुम ठीक कह रहे हो भावी पीढ़ियां बोस यंत्रों को अगणित प्रकारों से प्रयोग में लाएंगी वैज्ञानिक को उसके परिश्रम का तत्काल पुरस्कार कदाचित ही मिलता है सृजनात्मक सेवा का आनंद ही उसके लिए पर्याप्त है उस अदम्य ऋषि के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त कर मैंने उनसे विदा ली मैंने सोचा उनकी अद्भुत प्रतिभा की विस्मयकारी उर्वरता क्या कभी निशेष हो सकती है बढ़ते वर्षों के साथ उनकी प्रतिभा में कोई कमी नहीं आई रेजोनेंट कार्डियोग्राफ नामक एक जटिल यंत्र का आविष्कार करने के बाद बोस महाशय असंख्य भारतीय पेड़ पौधों के विस्तृत अनुसंधान में लग गए किसी को कल्पना भी नहीं थी ऐसी ऐसी उपयुक्त औषधियों की एक विराट भेषज तालिका तैयार हो गई कार्डियोग्राफ ऐसी अचूक सटीकता के साथ तैयार किया गया है कि उससे सेकंड का शतांश तक में अंकित हो जाता है। पेड़ पौधे प्राणी एवं मानव शरीर की संरचना के सूक्ष्म से सूक्ष्म स्पंदन भी यह कार्डियोग्राफ अंकित कर लेता है उस महान वनस्पति शास्त्रज्ञ ने भविष्यवाणी की चिकित्सकीय अनुसंधान के लिए प्राणियों के अंग विच्छेद की आवश्यकता नहीं रहेगी कार्डियोग्राफ के प्रयोग से पेड़ पौधों के अंग विच्छेद से ही काम चल जाएगा उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी औषधि के पौधे और प्राणी पर एक साथ किए गए प्रयोग के परिणामों के अंकन से साफ पता चलता है कि उन दोनों पर उस औषधि के प्रभाव में आश्चर्यजनक समानता है मनुष्य में जो कुछ भी है उस सबका पूर्वाभास पेड़ पौधों में विद्यमान है वनस्पति जगत पर प्रयोग प्राणियों और मानवों की यातना को कम करने में योगदान देंगे कई वर्षों के बाद बोस महाशय के पथ प्रदर्शक वनस्पति आविष्कारों की अन्य वैज्ञानिकों द्वारा पुष्टि की गई कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्नीस में किए गए शोध कार्य की रिपोर्ट द न्यूयॉर्क टाइम्स में निम्नलिखित रूप में प्रकाशित हुई थी गत कतिपय वर्षों में यह निर्धारित हो चुका है कि जब मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच तंत्रिकाएं यानी नर्व्स संदेश वहन करती हैं तब छोटी छोटी विद्युत विद्युत निर्मित होती हैं इन तरंगों को सूक्ष्मग्राही से मापा गया और आधुनिक परिवर्धनकारी यंत्रों से इनका लाखों गुना परिवर्तन किया गया मानव या जीवित प्राणियों के तंत्रिका तंतुओं यानी नर्व फाइबर्स में प्रवाहित होने वाली इन तरंगों का अध्ययन करने का कोई संतोषजनक तरीका इनकी अत्यंत तीव्र गति के कारण अब तक ढूंढा नहीं जा सका था डॉक्टर के डॉक्टर यह जानकारी दी कि उन्होंने इस बात को खोज निकाला है कि साधारणतया घरों में मछली पात्र में डाला जाने वाला जो मीठे पानी में जीने वाला पौधा होता है जिसे निटेला कहते हैं और जिसमें एक ही लंबी कोशिका होती है उसकी कोशिका में और तंत्री तंतु की कोशिकाओं में पूर्ण समानता है कोई भी भिन्नता नहीं है इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी पाया कि निटेला पौधे के तंतुओं को उत्तेजित किए जाने पर वे विद्युत तरंगे करते हैं जो केवल गति को छोड़कर अन्य सब दृष्टियों से प्राणी और मानव के तंत्री तंतुओं में निर्माण होने वाली विद्युत तरंगों के समान ही होती हैं। इस पौधे के तंतुओं की विद्युत तरंगे प्राणियों के तंतुओं की विद्युत तरंगों से कहीं धीमे चलती देखी गईं। इसलिए तंत्रिकाओं में प्रवाहित होने वाली विद्युत तरंगों के प्रवाह के मंद गति चलचित्र यानी स्लो मोशन पिक्चर्स लेने के लिए कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अनुसंधान ने इस आविष्कार को तुरंत उपयोग में लाया। इस प्रकार पौधा मन और स्थूल जगत के सीमा क्षेत्र के गुप्त रहस्यों की गोड़ लिपि का अर्थ जानने में एक प्रकार से रजेटा पत्थर की भूमिका अदा कर सकता है कविवर रविंद्रनाथ टैगोर भारत के इस आदर्शवादी वैज्ञानिक के अंतरंग मित्र थे उन्हें संबोधित कर कविवरने निम निम्नलिखित पंक्तियां लिखी थीं हे तपस्वी डाको तुमी साम मंत्रे जलद गर्जने उत्तिष्ठत निबोधत डाको शास्त्र अभिमानी जने पांडितेर पंडतर्क हते सुबृहत विश्व तले डाको मूड दाम्भिकेरे डाक दाओ तब शिष्य दले एकत्रे तारा तब होम हुताग्नि घिरिया बार बार है भारत आप नाते आसुक फिरिया निष्ठाए श्रद्धाए ध्यान बसूक से अप्रमत्त चित्ते लोभहीन द्वंद्वहीन शुद्ध शांत गुरूर वेदिते हे तपस्वी साम मंत्रों की जलद गंभीर गर्जना से पुकारो उठो जागो शास्त्राभिमानी जनों और कुतर्को से आहत बुद्धि पंडितों को पुकारो और उन्हें बेकार तर्कों का त्याग करने को कहो उन मूड दंभियों को इस सुविस्तृत संसार में आने की प्रेरणा दो अपने शिष्यों का भी आह्वान करो कि वे कर्तव्य रूपी यज्ञ वेदी के चारों ओर एकत्र जिससे हमारा भारत हमारा प्राचीन देश अपने सच्चे स्वरूप को पुनः प्राप्त करे और कर्तव्य निष्ठा श्रद्धा और ध्यान में अविचलित रहकर लोभहीन द्वंद्वहीन शुद्ध और शांत बनकर विश्व गुरु के आसन पर एक बार फिर अधिष्ठित हो। परमानंद मग्न भक्त और उनकी ईश्वर के साथ प्रेम लीला छोटे महाशय बैठो मैं अपनी जगन माता से वार्तालाप कर रहा हूं मैंने अत्यंत श्रद्धा के साथ कमरे में चुपचाप प्रवेश किया था मास्टर महाशय के देवता सदृश रूप ने मुझे चकाचौंध कर दिया श्वेत रेशम समान दाढ़ी और विशाल तेजस्वी नेत्रों से युक्त वे पवित्रता का साक्षात अवतार लग रहे थे ऊपर की ओर उठा हुआ उनका चेहरा और जुड़े हुए हाथ देखकर मैं समझ गया कि उनके पास मेरे उस प्रथम आगमन ने उनकी अर्चना में बाधा डाली है उस समय तक मुझे जितने धक्के लगे थे उन सबसे बढ़कर तीव्र धक्का उनके स्वागतपूर्ण सरल शब्दों से लगा मां की मृत्यु के कारण हुए विरह दुख को ही मैं दुख की पराकाष्ठा मानता आ रहा था अब अपनी जगन माता से विरह की भावना मेरी आत्मा को अवर्णनीय यातना देने लगी विलाप करते हुए मैं जमीन पर गिर पड़ा छोटे महाशय शांत हो जाओ संतवर को सहानुभूतिपूर्ण दुख हो रहा था किसी अगाध समुद्र में असहाय छोड़ दिए गए मनुष्य की तरह अपने बचाव का एकमात्र उपाय जानकर मैंने उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया महात्मन आप मध्यस्थता करें जगन माता से पूछिए कि क्या मुझ पर उनकी कृपा दृष्टि होगी इस प्रकार की मध्यस्थता का वचन सहज ही नहीं दे दिया जाता अतः महात्मा चुप रहने पर बाध्य हो गए मुझे समस्त शंकाओं से परे यह विश्वास हो गया था कि मास्टर महाशय वहां जगन माता से घनिष्ठता के साथ वार्तालाप कर रहे थे यह सोचकर मैं अत्यंत अपमानित अनुभव कर रहा था कि मेरी आंखें जगन माता को नहीं देख सकती थी जिन्हें इस समय भी उस संद की निर्मल दृष्टि निहार रही थी निर्लजता पूर्वक उनके पांव पकड़े हुए और उनके सौम्य विरोध को अनसुना करते हुए मैं बार बार उनकी मध्यस्थता की कृपा की याचना उनसे करता रहा मास्टर महाशय ने आखिर हार मानकर सहानुभूतिपूर्वक धीरे से मुस्कुराते हुए कहा मैं प्रिय माँ तक तुम्हारी प्रार्थना पहुंचा दूंगा क्या शक्ति थी उन शब्दों में कि मेरा मन विरह व्याकुलता से तुरंत मुक्त हो गया महाशय अपना वचन याद रखिएगा मां का संदेश पाने के लिए मैं पुनः शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा एक क्षण ही दुख और सिस्कियों से मेरा जो स्वर अवरुद्ध हुआ जाता था अब आशा की आनंद ध्वनि से मुखरित हो रहा था लंबी सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते अतीत की स्मृतियों से मेरा मन भर आया पचास एमहर्स्ट स्ट्रीट के इसी घर में जो अब मास्टर महाशय का आवास था किसी समय मेरा परिवार रहा करता था यहीं मेरी मां की मृत्यु हुई थी स्वर्गवासी माता के लिए यहीं पर मेरा मानवीय हृदय पीड़ित हुआ था और यहीं पर आज जगन माता के विरह में मेरी आत्मा विद्ध हो उठी थी मेरे शोक वेहवल मन की वेदनाओं और अंततः मेरी निरामयता की मौन साक्षी बनी यही वे पुनीत दीवारें थीं। घर जाते हुए मेरे पांव उत्सुकतावश जल्दी जल्दी उठ रहे थे अपनी छोटी सी अटारी में मैं दस बजे तक एकांत में ध्यान करता रहा उष्ण रात्रि का अंधकार अचानक एक अद्भुत दृश्य के साथ प्रकाशमान हो उठा दिव्य आभायक्त जगत जननी मेरे सामने खड़ी थीं। मधुर स्मित करता उनका मुखारविंद परम सौंदर्य का मूर्त रूप था सदा ही मैंने तुम्हें प्रेम किया है सदैव मैं तुमसे प्रेम करती रहूंगी उनका दिव्य स्वर अभी वातावरण में गूंज ही रहा था कि वे अदृश्य हो गईं। दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्य ने क्षितिश पर अभी झांकना आरंभ किया ही था कि मैं मास्टर महाशय के घर पहुंच गया हृदय विदारक स्मृतियों से जुड़े उस घर की सीढ़ियां चढ़कर मैं चौथी मंजिल पर उनके कमरे के सामने पहुंच गया मैं दरवाजे के सामने दुविधा में खड़ा था कि इतने में मास्टर महाशय ने स्वयं ही दरवाजा खोल दिया मैंने उनके पूज्य चरण कमलों में प्रणाम किया दिव्य उल्लास को छिपाते हुए मैंने विनोद भाव में अपना मुख गंभीर बना लिया महाशय आपके संदेश के लिए मैं आ गया हूं मैं मानता हूं कि अति भोर में ही आ गया हूं क्या प्रिय जगत जननी ने मेरे विषय में कुछ कहा नटखट छोटे महाशय इसके अतिरिक्त उन्होंने कुछ भी नहीं कहा स्पष्ट था कि मेरी गंभीरता का नाटक प्रभावी नहीं था इतनी गूढ़ता इतना छल क्यों क्या संत कभी सीधी बात नहीं करते मैं शायद थोड़ा चिढ़ गया था क्या मेरी परीक्षा लेना अनिवार्य है उनकी शांत आंखें समझदारी और विवेक से भरपूर थी कल रात को दस बजे स्वयं दिव्य रूपा जगन माता ने तुम्हें जो आश्वासन दिया उसके बाद भी अब मेरे लिए कहने को कुछ बचा है मेरी आत्मा की खिड़कियों को खोलने की कुंजी मास्टर महाशय के पास थी मैंने पुनः उनके चरणों में साष्टांग प्रणिपात किया परंतु इस बार मेरी आंखों से जो अश्रु बह रहे थे वे अतीब हर्ष के थे दुख के नहीं क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारी भक्ति ने माता की अनंत करुणा को नहीं छुआ है ईश्वर का मातृभाव जिसे तुमने मानवी और दैवी रूपों में पूजा है तुम्हारी आर्त पुकार का उत्तर दिए बिना कदापि नहीं रह सकता ये सीधे सादे संत कौन थे जिनका परम सत्ता से किया गया छोटे से छोटा अनुरोध भी मधुर स्वीकृति पा जाता था इस संसार के जीवन में उनकी भूमिका अत्यंत साधारण थी जो मेरी दृष्टि में विनम्रता के सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति के अनुरूप थी एमहर्स्ट स्ट्रीट के इस घर में मास्टर महाशय लड़कों के लिए एक छोटा सा हाई स्कूल चलाते थे उनके मुंह से कभी डांट फटकार का कोई शब्द नहीं निकलता था उनका अनुशासन किसी नियम या छड़ी की वजह से नहीं था इन सादगी सच्चा उच्चतर गणित सिखाया जाता था और सिखाया जाता था प्रेम का रसायन शास्त्र जिसका पाठ्य पुस्तकों में कभी कोई उल्लेख भी नहीं मिल सकता अगम्य प्रतीत होने वाले नीरस उपदेशों की अपेक्षा आध्यात्मिक संसर्ग के द्वारा ही वे अपने ज्ञान का प्रसार करते थे जगत जननी के विशुद्ध प्रेम में वे इतने चूर रहते थे कि मान अपमान की बाह्य औपचारिकताओं की ओर उनका कोई ध्यान ही नहीं रहता था उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूं तुम्हारे गुरु थोड़े समय बाद आएंगे उनके मार्गदर्शन में प्रेम और भक्ति के रूप में तुम्हें मिली ईश्वर की अनुभूतियां उनके अगाध ज्ञान की अनुभूतियों में रूपांतरित हो जाएंगी प्रतिदिन दोपहर ढलते ढलते मैं एमहर्स्ट स्ट्रीट में उनके घर पहुंच जाता मुझे मास्टर महाशय के उस दिव्य चशक की चाह रहती थी जो इतना लबालब भरा हुआ था कि उसकी बूंदें प्रतिदिन मेरे ऊपर छलकती थीं। पहले कभी भी इतने भक्ति भाव से मैं नतमस्तक नहीं हुआ था अब तो मास्टर महाशय के चरण स्पर्श से पुनीत हुई भूमि पर केवल चलने का अवसर मिलने को भी मैं अपना सौभाग्य मानने लगा महाशय कृपया इस चंपक माला को धारण कीजिए मैंने यह खास आपके लिए बनाई है एक दिन शाम को मैं अपनी पुष्प माला हाथ में लिए उनके घर पहुंच गया परंतु बार बार इस सम्मान को अस्वीकार करते हुए वे संकोच से पीछे हट गए मेरे दुख का अनुभव करते हुए अंततः उन्होंने मुस्कुराते हुए उसे स्वीकार कर लिया चूंकि हम दोनों ही मां के भक्त हैं इसलिए इस शरीर में वास करने वाली मां के प्रति अपनी श्रद्धा के रूप में तुम वह माला इस देह मंदिर को पहना सकते हो उनके विशाल स्वभाव में कहीं तनिक भी जगह नहीं थी कि अहंकार अपना पग जमा सके कल हम मेरे गुरु के वास से सदा के लिए धन्य हुए दक्षिणेश्वर के काली मंदिर चलेंगे मास्टर महाशय ईसा सदृश गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे अगले दिन सुबह दक्षिणेश्वर तक की चार मील की यात्रा हमने नाव से तय की काली के नौ गुंबदों वाले मंदिर में हमने प्रवेश किया जहां मां काली और शिव की मूर्ति अति कौशल से निर्मित चांदी के चमकदार सहस्र दल कमल पर विराजमान है मास्टर महाशय आनंद से प्रफुल्लित हो उठे वे अपनी प्रियतम मां के साथ अथक प्रेम लीला में मग्न थे जैसे जैसे वे मां का नाम जपते जा रहे थे मेरा आनंदित मन मानो सहस्रदल कमल की तरह ही सहस्र धाराओं में फूट पड़ रहा था कुछ देर बाद हम दोनों उस पुण्य भूमि में टहलते टहलते झाऊ के झुरमुट में जाकर रुक गए इस पेड़ की विशेषता स्वरूप इससे झरने वाला मधुर रस मानो मास्टर महाशय से झरते अमृत का प्रतीक था उनका नाम जब चलता ही जा रहा था झाऊ के गुलाबी पड़दार पुष्पों के बीच मैं घास पर सख्त निश्चल शरीर से बैठा रहा उतने समय के लिए मैं शरीर को भूलकर दिव्य लोकों की यात्रा करता रहा इस संत के साथ की गई दक्षिणेश्वर की अनेक तीर्थ यात्राओं में यह या प्रथम थी मास्टर महाशय से ही मैंने ईश्वर के मातृत्व पक्ष या ईश्वरीय करुणा के माधुर्य को जाना उस शिशु सरल संत को ईश्वर के पितृत्व पक्ष या ईश्वरीय न्याय में कोई रुचि नहीं थी कठोर सटीक गणितीय निर्णय की कल्पना ही उनके कोमल स्वभाव के विपरीत थी यह तो पृथ्वी पर स्वर्ग के साक्षात देवताओं के प्रतिरूप हैं। है एक दिन उन्हें प्रार्थना करते देख मेरे मन में उनके प्रति प्रेम से भरकर यह विचार उठा किसी प्रकार की निंदा आलोचना या गुण दोष का विचार कभी उनके मन में नहीं उठा वे तो इस जगत को आद्य पवित्रता से चिर परिचित अपनी दृष्टि से ही निहारते थे उनकी काया वाणी मन कर्म सब कुछ उनकी आत्मा की सरलता के साथ सहज सुसामंजस्य रखते थे मेरे गुरुदेव ने मुझे यही बताया था अपने हर उपदेश को किसी प्रकार के आग्रह या अधिकार वाणी के बिना इसी श्रद्धा पूरित वाक्य के साथ वे समाप्त करते थे श्री रामकृष्ण के साथ मास्टर महाशय की एकात्मता इतनी गहरी हो गई थी कि अपने किसी भी विचार को अब वे अपना विचार नहीं मानते थे एक दिन संध्या समय मास्टर महाशय और मैं एक दूसरे का हाथ थामे उनके स्कूल के पास वाले रास्ते पर चल रहे थे और तभी मेरा आनंद फीका हो गया जब एक परिचित घमंडी व्यक्ति वहां आ पहुंचा उसने अपने लंबे प्रवचन से हमें तंग कर दिया मैं देख रहा हूं कि तुम इस आदमी से प्रसन्न नहीं हो मास्टर महाशय की मेरे कान में यह फुसफुसाहट अपनी ही बातों में मग्न उस खमंडी को सुनाई नहीं दी मैंने इस बारे में जगन को बता दिया है उन्हें भी हमारी दुखद परिस्थिति का ज्ञान है।, है कि जैसे ही हम उस लाल मकान के पास पहुंचेंगे वे इस आदमी को एक अत्यावश्यक काम की याद दिला देंगी मेरी दृष्टि उस मुक्ति स्थल पर लगी रही उसके लाल द्वार पर पहुंचते ही अपना अधूरा वाक्य भी पूरा किए बिना और कुछ भी कहे बिना वह व्यक्ति अचानक मुड़कर चला गया विक्षुब्ध वातावरण में फिर से शांति छा गई एक अन्य दिन मैं हावड़ा रेलवे स्टेशन के पास अकेला ही टहल रहा था एक पल के लिए मैं एक छोटे से मंदिर के पास खड़ा हो गया और वहां ढोलक करताल के शोर में जोर जोर से कीर्तन करते लोगों को मन ही मन कोसने लगा केवल मुंह से तोते की तरह प्रभु का पवित्र नाम लेते रहने वाले इन लोगों के कीर्तन में भक्ति का कितना अभाव है मैं मन ही मन सोच रहा था अचानक मास्टर महाशय को तेज कदमों से अपनी ओर आते देखकर मैं विस्मित हो गया महाशय आप यहां कैसे उस संत ने मेरे प्रश्न की ओर कोई ध्यान देकर सीधे मेरे मन के विचार का उत्तर दिया क्या यह सच नहीं है छोटे महाशय कि प्रभु का नाम किसी भी मुंह से क्यों ना निकला हो मधुर ही लगता है चाहे वह मुंह अज्ञानी का हो या ज्ञानी का उन्होंने स्नेहपूर्वक एक हाथ से मुझे अपने अंक में भर लिया उनके जादू के गलीचे पर सवार होकर मैं तुरंत जगत जननी के दयामयी सानिध्य में पहुंच गया क्या तुम कुछ बायोस्कोप देखना चाहोगे एक दिन अपराह्न में एकांत प्रिय मास्टर महाशय से यह प्रश्न सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ उस समय भारत में चलचित्र को बायोस्कोप कहते थे मैं सहमत हो गया किसी भी कारण से क्यों ना हो उनके सानिध्य में रहने का आनंद मेरे लिए पर्याप्त था द्रुत गति से चलते हुए थोड़ी देर में हम कोलकाता विश्वविद्यालय के सामने स्थित बगीचे में पहुंच गए मास्टर महाशय ने वहां जलकुंड के पास स्थित एक बेंच की ओर इशारा किया यहां कुछ देर बैठते हैं मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था कि जब भी कोई जलाशय दिखाई दे तो ध्यान करना चाहिए यहां यह शांत जल ईश्वर की विराट शांति का स्मरण कराता है जिस प्रकार जल में सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब पड़ता है उसी प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड विश्व चैतन्य में प्रतिबिंबित होता है मेरे गुरुदेव प्राय यह कहते थे थोड़ी देर बाद हम विश्वविद्यालय के एक कक्ष में गए जहां एक लेक्चर चल रहा था बीच बीच में स्लाइड से चित्र भी दिखाए जा रहे थे किंतु वह लेक्चर और स्लाइड शो दोनों ही समान रूप से अत्यंत नीरस थे तो यह है वह बायोस्कोप जो मास्टर महाशय मुझे दिखाना चाहते थे मैं अधीर हो उठा था परंतु चेहरे पर उगताहट का कोई भाव लाकर मैं मास्टर महाशय को दुखी नहीं करना चाहता था इतने में वे चुपचाप मेरी ओर झुके मैं देख रहा हूं छोटे महाशय कि तुम्हें यह बाइस्कोप अच्छा नहीं लग रहा है मैंने यह बात जगत जननी को बता दी है और उन्हें भी हम दोनों से पूर्ण सहानुभूति है उन्होंने मुझसे कहा है कि अभी बिजली की रोशनी बंद हो जाएगी और पुनः तब तक नहीं जलेगी जब तक हम दोनों यहां से खिसकना ले जैसे ही मेरे कान में चल रही उनकी यह फुसफुसाहट समाप्त हुई कक्ष में अंधेरा छा गया अब तक ऊंची आवाज में जोर जोर से व्याख्यान दे रहे प्रोफेसर महोदय की वाणी विस्मय से एक पल के लिए रुक गई और फिर उन्होंने कहा इस कक्ष की विद्युत प्रणाली में कुछ गड़बड़ मालूम होती है इतने समय में मास्टर महाशय और मैं उस कक्ष के द्वार से बाहर निकल चुके थे बरामदे में से जाते हुए मैंने पलट कर पीछे देखा तो उस कक्ष में फिर से रोशनी हो गई थी छोटे महाशय उस बायोस्कोप से तुम निराश हो गए थे परंतु मैं समझता हूं कि तुम्हें एक दूसरा बायोस्कोप अवश्य पसंद आएगा मास्टर महाशय और मैं विश्वविद्यालय भवन के सामने एक फुटपाथ पर खड़े थे उन्होंने हृदय के स्थान पर मेरी छाती पर धीरे से थपकी दी उसी के साथ मुझ पर एक अद्भुत निस्तब्धता छा गई जिस प्रकार ध्वनि यंत्र में खराबी आ जाने पर आधुनिक सिनेमा भी मूक चलचित्र बन जाते हैं उसी प्रकार विधाता के हाथ ने किसी अगम्य चमत्कार के द्वारा जगत के सारे कोलाहल का गला घोंट दिया पदयात्री ट्राम कारें, मोटरकारें बैलगाड़ियां लोहे के चक्कों वाली घोड़ा गाड़ियां सब बिना कोई आवाज किए इधर से उधर आ जा रहे थे मैं अपने पीछे दाएं, बाएं के सभी दृश्य वैसे ही देख रहा था जैसे अपने सामने के दृश्य मानो मेरी दृष्टि सर्वव्यापी हो गई हो कोलकाता के उस छोटे से हिस्से की समस्त गतिविधियों का परिदृश्य मेरे समक्ष बिना कोई आवाज़ किए चल रहा था राग की पतली परत के नीचे नजर आने वाली अग्नि की दीप्ति के समान मध्यम प्रभा सारे परिदृश्य में व्याप्त थी मेरा अपना शरीर उस परिदृश्य में विद्यमान अनेक अनेक परछाइयों से अधिक कुछ भी नहीं लग रहा था फर्क सिर्फ इतना था कि मेरे शरीर की परछाई निश्चल थी जबकि अन्य सभी परछाइयां बिना किसी आवाज के इधर उधर आ जा रही थी कई लड़के जो मेरे मित्र ही थे मेरी ओर आए और चले गए यद्यपि उन्होंने मेरी ओर सीधे देखा परंतु उसमें पहचान का कोई संकेत तक नहीं था इस अद्वितीय मूक नाट्य ने मुझे एक अवर्णनीय आनंद से विभोर कर दिया मैं किसी आनंदाम्रित के झरने से जी भरकर अमृत पान कर रहा था अकस्मात मेरी छाती पर पुनः मास्टर महाशय का कोमल आघात हुआ जगत का कर्ण करकश कोलाहल मेरी अनिच्छुक श्रवणेन्द्रियों पर टूट पड़ा मैं लड़खड़ाया जैसे किसी ने अत्यंत नाजुक स्वप्न से निष्ठुरतापूर्वक जगा दिया हो वह दिव्य मदिरा मेरी पहुंच से बाहर हटा दी गई थी छोटे महाशय मैं देख रहा हूं कि यह दूसरा बायोस्कोप तुम्हें अच्छा लगा वे मुस्कुरा रहे थे मैं कृतज्ञता वश उनके सामने भूमि पर माथा टेकने के लिए झुकने लगा उन्होंने कहा अब तुम मेरे साथ यह नहीं कर सकते तुम जान गए हो कि भगवान तुम्हारे देव मंदिर में भी स्थित है मैं जगन माता को तुम्हारे हाथों के माध्यम से अपने चरणों को छूने नहीं दूंगा यदि किसी ने सीधे साधे विनम्र मास्टर महाशय को और मुझे उस समय उस भीड़ भरे फुटपाथ से दूर जाते देखा होगा तो उसे अवश्य ही संदेह हुआ होगा कि हम दोनों नशे में धुत हैं मुझे लग रहा था कि संध्या के प्रकाश की रंग बदलती छटाएं भी हमारी ही तरह ईश्वर के नशे में डूबी जा रही थी तो शब्दों में उनकी महत कृपा का वर्णन करने का प्रयास करते हुए यह विचार मेरे मन में आए बिना नहीं रहता कि क्या मास्टर महाशय और अन्य संतजनों को जिनसे मैं मिला था उस समय यह ज्ञात होगा कि अनेक वर्षो परांत मैं एक पाश्चात्य देश में बैठकर उनके भगवत भक्ति रस से ओत प्रोत जीवन की गाथाएं लिखूंगा उन्हें इसका पूर्व ज्ञान हो तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा न ही मैं सोचता हूं मेरे पाठकों को होगा जो यहां तक मेरे साथ रहे हैं सभी धर्मों के संतों ने ईश्वर को दिव्य प्रियतम मानकर उस सरल आधार पर ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त किया है चूंकि परम ब्रह्म निर्गुण और अचिंत्य है इसलिए मानवीय विचार और आकांक्षा ने सदा ही उसे जगन माता का रूप दिया है सगुण साकार ईश्वर और निर्गुण निराकार ब्रह्म के मतों का संयोग हिंदू विचारधारा की प्राचीन उपलब्धि है जिसका प्रतिपादन वेदों और भगवद गीता में किया गया है परस्पर विरोधी विचारों का यह मिलाप हृदय और बुद्धि दोनों को ही संतुष्ट करता है भक्ति और ज्ञान मूलतः एक ही हैं। प्रपत्ति अर्थात ईश्वर में आश्रय लेना और शरणागति अर्थात ईश्वरी अनुकंपा के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव वस्तुतः सर्वोच्च ज्ञान के पथ है मास्टर महाशय एवं अन्य सभी संतों की विनम्रता इस बोध से उपजती है कि वे पूर्णतः उस ईश्वर पर निर्भर है जो जीवों के एकमात्र आधार और एकमात्र विधाता है क्योंकि ईश्वर का स्वरूप ही आनंद है अतः ईश्वर के साथ समस्वर होने वाला या उसमें मग्न होने वाला मनुष्य सहज ही असीम आनंद का अनुभव करता है आनंद उन सब में सर्वप्रथम और सर्वोपरि है जिनके लिए आत्मा और इच्छा शक्ति तड़पती है सभी युगों के संतों ने शिशु भाव से जगन माता को प्राप्त किया और उन सभी ने कहा कि उन्होंने सदा ही जगन माता को उनके साथ खेलते पाया। मास्टर महाशय के जीवन में महत्वपूर्ण और महत्वहीन अवसरों पर भी इस दिव्य खेल की अभिव्यक्तियां स्पष्ट हुई ईश्वर की दृष्टि में कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं होता यदि छोटे से परमाणु को बनाने में ईश्वर ने अपनी अतिशय सूक्ष्म दर्शिता के औचित्य को ना लगाया होता तो क्या आकाश अभिजित और स्वाति नक्षत्रों जैसी गौरवशाली रचनाओं को धारण कर पाता महत्वपूर्ण और महत्वहीन का भेद प्रभु के लिए निश्चय ही अज्ञात है अन्यथा एक सुई के अभाव में पूरा ब्रह्मांड ही ढह जाए दसवा अध्याय अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है केवल एक को छोड़कर अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना झुंझलाकर मैंने वह प्रेरणाप्रद पुस्तक बंद कर दी जिसे मैंने खाली समय में एक दिन उठा लिया था लेखक का यह अपवाद कथन उसकी ईश्वर में श्रद्धा का पूर्ण अभाव दर्शाता है मैंने सोचा बेचारा रात रात भर पढ़ाई करने में उसे अत्यधिक विश्वास है मैंने पिताजी को वचन दे रखा था कि मैं अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करूंगा मैं परिश्रमी विद्यार्थी होने का दावा नहीं कर सकता महीने पर महीने बीतते गए थे पर मैं क्लासरूम में कम और कोलकाता के स्नान घाटों के आसपास सुनसान जगहों पर अधिक होता था उन घाटों के पास स्थित शमशान जो रात में और भी अधिक भयावह बन जाते हैं योगी को अत्यंत आकर्षित करते हैं जिसे अमर तत्व की खोज करनी हो उसे कतिपय अनलंकृत नरकपालों को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए विभिन्न प्रकार की अस्थियों से व्याप्त उस विषादालय में मानवीय पूर्णता उजागर होती है इस प्रकार मेरा रात्रि जागरण विद्यार्थियों के रात्रि जागरण से भिन्न प्रकार का था हिंदू हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा का सप्ताह तेजी से निकट आ रहा था परीक्षा का यह समय भी भूत प्रेतों से युक्त उन शमशानों की तरह ही एक सुपरिचित दहशत मन में उत्पन्न करता है फिर भी मेरा मन शांत था भूत पिशाचों के क्षेत्र में जा जाकर मैं एक ऐसे ज्ञान को खोदकर निकाल रहा था जो स्कूली कक्षाओं में कभी नहीं मिल सकता परंतु मेरे पास स्वामी प्रणमानंद जी का कौशल नहीं था जो एक ही समय में दो स्थानों पर आसानी से उपस्थित हो सकते थे मेरा तर्क जो कि अफसोस अनेक लोगों को कुतर्क लगता है यह था कि प्रभु मेरी दुविधा को समझकर मुझे उससे उबार लेंगे विपत्तियों से तत्ण उबारने के ईश्वर के हजारों स्पष्टीकरणातीत कारनामों से भक्त के मन में ऐसी तर्क शून्यता आ जाती है अरे मुकुंद आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते एक दिन अपराह्न गढ़ रोड पर मेरी ही कक्षा के एक सहपाठी से अचानक भेंट हुई तो उसने मुझसे कहा ओ नंतु लगता है स्कूल में, में मेरी अनुपस्थिति ने मुझे निश्चित तौर पर कठिन परिस्थिति में डाल दिया है मैंने उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि के आगे अपने हृदय का भार हल्का किया नंतु जो एक तीक्ष्ण बुद्धि छात्र था दिल खोलकर हंसने लगा आखिर मेरी परिस्थिति भी हास्यजनक ही थी वार्षिक परीक्षा के लिए तो तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो उसने कहा लगता है अब मुझे ही तुम्हारी सहायता करनी होगी नंतु के ये सहज सरल शब्द दैवी आश्वासन बनकर मेरे कानों में उतरे तत्परता के साथ मैं उसके घर गया परीक्षा में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना उसे प्रतीत हो रही थी उनके उत्तर उसने मुझे समझा दिए प्रश्न ऐसे दाने हैं जो अनेक भोले भाले विद्यार्थियों को परीक्षा के जाल में फंसा लेंगे मेरे उत्तरों को ठीक से याद करोगे तो तुम उस जाल से सही सलामत निकल जाओगे जब मैं उसके घर से निकला तब काफी रात बीत गई थी उधार के विद्वता से लबालब भरा हुआ मैं पूरे भक्तिभाव के साथ प्रार्थना कर रहा था कि अगले कुछ संकटपूर्ण दिनों में वह पांडित्य में बना रहे नंतु ने मुझे अपने विभिन्न विषयों में परीक्षा के लिए तैयार कर दिया था परंतु समय भाव के कारण संस्कृत को भूल गया था मैंने उत्कटतापूर्वक भगवान को इस भूल की याद दिला दी दूसरे दिन प्रातःकाल मैं चलते कदमों की लय पर अपना नया ज्ञान आत्मसात करता हुआ सैर कर रहा था रास्ते के कोने पर खाली पड़े भूखंड की घास पात से गुजरते हुए अचानक मेरी दृष्टि कुछ छपे हुए बिखरे पड़े कागजों पर पड़ी मैंने झपट कर कागज उठा लिए। मेरा झपटना सार्थक भी हुआ मेरे हाथ में संस्कृत श्लोक थे उनका अर्थ लगाने के अपने लड़खड़ाते प्रयासों में सहायता के लिए मैंने एक पंडित को पकड़ा उनकी मधुर वाणी ने वातावरण को उस प्राचीन भाषा के निनादी मधुर सौंदर्य से भर दिया इन असामान्य श्लोकों को सीखकर संस्कृत की तुम्हारी परीक्षा में कोई सहायता नहीं हो सकती पंडित ने उन श्लोकों को निश्चयपूर्वक मेरे लिए बेकार ठहराया परंतु उन श्लोकों का अर्थ जानने के कारण ही दूसरे दिन मैं संस्कृत की परीक्षा में पास हो सका नंतु ने अपनी दूर दृष्टि से जो सहायता मुझे दी थी उसके कारण मुझे अपने अन्य सभी विषयों में भी अंक मिल गए पिताजी खुश हुए कि मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करने का अपना वचन निभाया था मेरी कृतज्ञता ईश्वर के चरणों में समर्पित हुई मैं जानता था कि केवल उनकी प्रेरणा के कारण ही मैं नंतु के घर पहुंचा था और कूड़े से भरे भूखंड के अप्रचलित मार्ग से भी उन्हीं की प्रेरणा से गया था उन्होंने अपनी लीला करते हुए मुझे उबारने की अपनी यथासमय योजना की दोहरी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी निरर्थक मानकर रख दी हुई उस पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी जिसके लेखक ने परीक्षा भवन में ईश्वर की महत्ता को अपर्याप्त माना था मेरे मन में उठे इस विचार पर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया यदि मैं इस लेखक को बता दूं कि मृत देहों के अवशेषों के बीच बैठकर ईश्वर का ध्यान करना हाई स्कूल परीक्षा पास करने का सहज उपाय है तो उसकी उलझने और अधिक बढ़ जाएंगी नई प्रतिष्ठा से गौरवान्वित होकर अब मैं खुले रूप से घर छोड़ने की योजना बनाने लगा अपने एक मित्र जितेंद्र मजूमदार के साथ वाराणसी के एक आश्रम श्री भारत धर्म महामंडल में जाकर रहने का और वहां आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने का मैंने निश्चय किया। अपने परिवार से वियोग की कल्पना एक दिन गहरा विषाद बनकर मुझ पर छा गई माँ के स्वर्गवास के बाद मेरे दो छोटे भाइयों सनंद और विष्णु तथा सबसे छोटी बहन थामू के लिए विशेष रूप से मेरा प्रेम तीव्र हो गया था मैं शीघ्रतापूर्वक अपने एकांत स्थान उस छोटी सी अटारी में जा पहुंचा जो मेरी आकुल साधना के अनेक, अनेक प्रसंगों की साक्षी थी दो घंटों के अश्रुपात के बाद मैंने अपने में एक अपूर्व परिवर्तन अनुभव किया जैसे किसी चमत्कारी परिष्कारक तत्व से मेरा अंतर धुलकर एकदम साफ हो गया हो सारी आसक्ति हवा हो गई मित्रों के मित्र ईश्वर की खोज करने का मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया मैं पिताजी के समक्ष उनका आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा था तब उन्होंने मरमाहत होकर कहा मैं तुमसे आखिरी बार अनुरोध करता हूं मेरा और अपने शोकाकुल कुल भाई बहनों का त्याग मत करो पूज्य पिताजी मैं आपके प्रति अपने प्रेम को किन शब्दों में व्यक्त कर सकता हूं परंतु उस परम पिता के लिए मेरा प्रेम उससे भी बढ़कर है जिसने मुझे इस लोक में आप जैसा आदर्श पिता प्रदान किया मुझे जाने दीजिए ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य ज्ञान के साथ आपके पास लौट सकूं। पिताजी की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के साथ मैं वाराणसी के आश्रम में पहले ही पहुंच चुके जितेंद्र के साथ होने के लिए निकल पड़ा वहां पहुंचने पर आश्रम के युवा अधिपति स्वामी दयानंद जी ने हृदय पूर्वक मेरा स्वागत किया लंबे छरहरे बदन के चिंतनशील मुखाकृति वाले स्वामी जी के प्रति मेरे मन में अनुकूल धारणा उत्पन्न हुई उनकी गौरवर्ण मुखाकृति पर बुद्ध समान भाव था मुझे यह देखकर खुशी हुई कि मेरे इस नए घर में भी एक अटारी थी भोर और प्रातःकाल का समय मैं वहीं व्यतीत करने लगा आश्रम वासियों को ध्यानाभ्यास का अत्यल्प ज्ञान था अतः उनका विचार था कि मुझे अपना सारा समय आश्रम के प्रबंधात्मक कार्यों में लगाना चाहिए अपराह उनके कार्यालय में मैं जो काम करता था उसके लिए वे मेरी सराहना करते थे ईश्वर को इतनी जल्दी पकड़ने का प्रयास मत करो एक दिन मैं भोर में अटारी की ओर जा रहा था तब एक आश्रमवासी ने मेरा उपहास किया मैं दयानंद जी के पास गया जो गंगा का दृश्य प्रस्तुत करने वाले अपने छोटे से कक्ष में व्यस्त थे स्वामी जी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहां मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है मुझे ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की जिज्ञासा है ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी और चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता ना अच्छे कार्यों के साथ जुड़ने से ना उनके सिद्धांत से ना उन्हें करने से गेरवे वस्त्रधारी स्वामीजी ने स्नेहपूर्वक मेरा कंधा थपथपाया निकट ही खड़े कुछ शिष्यों को नकली फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा मुकुंद को परेशान मत करो हमारे तौर तरीके वह सीख लेगा मैंने पूर्वक अपना संदेह भीतर ही दबा लिया शिष्यगण कक्ष से बाहर चले गए डांट का उन पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था दयानंद जी को अब मुझसे कुछ कहना था मुकुंद मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से पैसे भेजते हैं वह पैसे उन्हें लौटा दो यहां तुम्हें किसी पैसे की आवश्यकता नहीं यहां तुम्हारे नियम पालन में दूसरी बात भोजन से संबंधित है तुम कितने ही भूखे क्यों ना हो उसके विषय में कभी किसी से मत कहो मेरी आंखों में क्षुधार्थता प्रकट हो रही थी या नहीं मैं नहीं जानता लेकिन इतना अवश्य जानता था कि मुझे भूख लगी हुई थी आश्रम में दिन के प्रथम भोजन का नियत समय बारह बजे का था अपने घर में प्रातः नौ बजे ही भरपेट नाश्ता करने का मैं आदि था तीन घंटों का यह अंतर मुझे दिन पर दिन अधिकाधिक लंबा प्रतीत होने लगा कोलकाता के वे दिन अब चले गए थे जब दस मिनट की देरी के लिए भी मैं रसोई पर बरस पड़ता था अब मैं अपनी भूख को नियंत्रित करने की चेष्टा करने लगा मैंने चौबीस घंटे का उपवास पूरा किया दुगने चाव और उत्कंठा के साथ मैं दूसरे दिन के मध्यान्ह की प्रतीक्षा करने लगा दयानंद जी की ट्रेन विलंब से चल रही है उनके आने तक भोजन नहीं होगा जितेंद्र ने आकर यह दारुण वार्ता मुझे सुनाई दो सप्ताहों तक बाहर रहे स्वामी जी के स्वागत सम्मान में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर तैयार रखे हुए थे उनकी भूख बढ़ाने वाली सुगंध से वातावरण भर गया था निगलने के लिए और कुछ भी ना मिल पाने पर अब मैं बीते हुए कल के उपवास के दंब के अतिरिक्त और निगल ही क्या सकता था हे प्रभु कुछ ऐसा करो कि ट्रेन जल्दी आ जाए मैंने सोचा किसी के पास भूख का जिक्र न करने की जो निषेधाज्ञा दयानंद जी ने मुझे दे रखी थी उसमें अवश्य ही वह परमदाता तो शामिल नहीं होगा परंतु उस परमदाता का ध्यान भी उस समय कहीं और था घड़ी मंथर गति से घंटों पर घंटे दर्शाती गई जब हमारे प्रमुख महाराज ने मुख्य द्वार से प्रवेश किया तब अंधेरा छा रहा था मैंने आनंद तिरेक के साथ उनका अभिवादन किया दयानंद जी अब स्नान करेंगे तत्पश्चात ध्यान करेंगे और तब जाकर भोजन परोसा जाएगा जितेंद्र किसी अपशकुन सूचक पक्षी की तरह फिर मेरे पास आ गया था मैं लगभग गिरने जैसा हो गया निराहार रहना मेरे युवा उदर के लिए नया अनुभव था पेट में दौड़ने वाले चूहे अब उसे कुतरने लग गए थे और पेट पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर रहा था अकाल पीड़ितों के जो चित्र मैंने देखे थे वे प्रेतात्माओं की तरह मेरे सामने से गुजरने लगे अकाल से वाराणसी में अगली मृत्यु अब किसी भी क्षण इसी आश्रम में होने वाली है मैं सोच रहा था संभावित मृत्यु नौ बजे टल गई खाने का बुलावा जैसे साक्षात स्वर्गीय भोज का निमंत्रण बनकर आया उस रात का भोजन मेरी स्मृति में जीवन के सबसे सार्थक अवसरों में से एक बनकर स्पष्ट रूप से बैठ गया है भोजन में प्रगाढ़ तल्लीनता भी मुझे यह देखने से नहीं रोक पाई कि दयानंद जी का मन खाने में नहीं था वह स्पष्ट मेरी स्थूल सुखानुभूतियों से ऊपर थे स्वामी जी क्या आपको भूख नहीं लगी थी पेट फटने तक खाकर तृप्ति का सुख अनुभव करता हुआ मैं उनके काम करने के कमरे में उनके साथ अकेला था हां भूख तो अवश्य लगी थी उन्होंने कहा पिछले चार दिनों से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था मैं ट्रेन में कभी कुछ नहीं खाता क्योंकि वहां का वातावरण संसारी लोगों के विविध प्रकार के स्पंदनों से भरा रहता है मेरे संप्रदाय के सन्यासियों के लिए निर्धारित सारे शास्त्रीय नियमों का मैं कड़ाई से पालन करता हूं आश्रम की कुछ समस्याएं मेरे मन पर छाई हुई थीं। इसीलिए आज रात भोजन में, में मेरा मन नहीं था जल्दी भी क्या है कल मैं ठीक से भोजन करने का ध्यान रखूंगा वे हंस पड़े लज्जा के मारे मेरा दम घुटने लगा परंतु कल की यंत्रणा को आसानी से भुला भी तो नहीं दिया जा सकता था मैंने और एक बात कहने का साहस किया स्वामी जी आपके आदेश से मैं उलझन में पड़ गया हूं कल्पना कीजिए कि मैं कभी खाना ना मांगू और कोई अपने आप मुझे खाना ना दे तब तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा तब मरो इस भयंकर उपदेश ने जैसे वातावरण में विस्फोट कर दिया यदि मरना ही पड़ा तो मर जाओ मुकुंद कभी भी यह मत मानो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं अन्न की शक्ति से जीवित रहते हो जिसने भरण पोषण के सब प्रकारों का सृजन किया है जिसने भूख दी है वह भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण भी अवश्य करेगा कभी यह कल्पना भी मत करना कि तुम चावल से जीवित हो या रुपया पैसा या लोग तुम्हारा पालन पोषण करते हैं यदि प्रभु तुम्हारी प्राण शक्ति को वापस ले लें तो क्या इनमें से कोई तुम्हारी सहायता कर सकेगा यह सब तो उस भगवान के ही साधन मात्र हैं। क्या इसमें तुम्हारा कोई अपना कर्तृत्व है कि अन्न का तुम्हारे पेट में पाचन होता है विवेक की तलवार का उपयोग करो मुकुंद माध्यम की जंजीरों को काट दो और उस सबके पीछे विद्यमान परम कारण को पहचानो उनके भेदक शब्द मुझे अपनी किसी गहरी मज्जा में उतरते प्रतीत हुए प्राचीन काल से चली आ रही वह भ्रांति तहस नहस हो गई जिसके कारण शरीर के आदेश आत्मा को चुका देते थे वहीं उसी क्षण मैंने परमात्मा की सर्वसमर्थता का रसा स्वादन किया आगे के मेरे अविराम भ्रमणशील जीवन में कितने ही अपरिचित शहरों में वाराणसी के उस आश्रम में प्राप्त उपदेश की उपयोगिता को सिद्ध करने के कितने ही अवसर आए कोलकाता से अपने साथ लाई हुई मेरी एकमात्र निधि थी साधु का वह चांदी का ताबीज जो माने मेरे लिए रख छोड़ा था वर्षों तक संभाल कर रखते हुए अब मैंने उसे आश्रम में अपने कमरे में सावधानीपूर्वक छुपा कर रखा था तावीज़ रूपी प्रमाण को देखकर मुझे होने वाले आनंद को फिर से ताजा करने के लिए मैंने एक दिन प्रातः उस बंद डिबिया को खोला सील बंद लिफाफा तो जैसा का वैसा था परंतु आश्चर्य तावीज गायब था शोकाकुल होकर मैंने हर संदेह को मिटाने के लिए लिफाफा फाड़ कर देखा साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से साधु ने उसे आमंत्रित किया था उसी शून्य में वह वापस चला गया था दयानंद जी के शिष्यों के साथ मेरे संबंध क्रमशः अधिकाधिक बिगड़ते चले गए मेरी दृढ़ उदासीनता से चिड़कर सारे आश्रमवासी मुझसे दूर होते चले गए जिस आदर्श के लिए मैंने अपने घर को और अपनी सारी लौकिक आशा आकांक्षाओं को छोड़ दिया था उस आदर्श का ध्यान करने की मेरी दृढ़ नियम निष्ठा पर चारों ओर से छिचली तानाकशी होने लगी दारुण आत्मिक दुख से व्यथित होकर एक दिन भोर में ही मैंने यह निश्चय कर अटारी में प्रवेश किया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करता ही जाऊंगा हे करुणामयी जगन्माते या तो तुम स्वयं ही दिव्य दर्शनों के माध्यम से मुझे सिखाओ या फिर जिसके माध्यम से सिखाओगी उस गुरु को भेज दो कई घंटे बीत गए पर सुबह सुबह कर की जा रही मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया अचानक मुझे ऐसा लगा मानो मैं सशरीर ऊपर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूं इस महाशून्य में मानो सब तरफ से पर न जाने कहां से एक दिव्य नारी स्वर गूंजा तुम्हारे गुरु आ जाएंगे इतने में असीम जगत के उस दिव्य अनुभव को एक निश्चित स्थान से आई तीव्र पुकार ने छिन्न भिन्न कर दिया नीचे रसोई घर से हबू नाम का एक युवा पुजारी मुझे पुकार रहा था मुकुंद बहुत हो गया ध्यान जहां एक काम पर तुम्हें जाना है कोई दूसरा दिन होता तो मैंने पलट कर जवाब दे दिया होता परंतु अब मैंने अपना अश्रुसिक्त रो रो कर सूझा हुआ चेहरा पहुंचा और चुपचाप उसके पास चल दिया हबू और मैं वाराणसी में हमारे आश्रम से दूर स्थित बंगाली टोले के बाजार में जाने के लिए निकले हम बाजार में सामान खरीद रहे थे सूर्य तब तो रहा था पर अभी मध्यान्ह नहीं हुआ था इसलिए उसने अपना उग्र रूप अभी धारण नहीं किया था हम दोनों गृहणियों गाइडों, पंडे पुरोहितों सादे वस्त्र धारण कर रखी विधवाओं सम्माननीय ब्राह्मणों और वाराणसी में सर्वत्र विचरणशील सांडो की रंग बिरंगी भीड़ में से रास्ता निकालते जा रहे थे हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि मैंने अपनी गर्दन घुमाकर एक आसानी से ध्यान में भी ना आने वाली संक्री गली की ओर देखा गली के छोर पर स्वामियों का गेर हुआ परिधान धारण किए एक महापुरुष निश्चल खड़े थे उन पर दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा मानो युग युगांतर से मैं उन्हें जानता था एक क्षण के लिए मेरी प्यासी आंखों ने उनका लोलुपता से पान किया परंतु फिर मन में संशय जाग उठा मेरा मन कहने लगा इस परिव्राजक सन्यासी का चेहरा तुम्हारे किसी परिचित से शायद मिलता जुलता है स्वप्नदर्शी चलते चलो दस मिनट पश्चात मेरे पांव सुन्न हो गए ऐसा लगा जैसे दोनों पांव पत्थर बन गए हों और अब मेरा भार आगे ढोने में असमर्थ हो गए हों। बड़े परिश्रम से मैं पीछे की ओर मुड़ा तुरंत दोनों पांव स्वाभाविक अवस्था में आ गए फिर पीछे मुड़ने पर पुनः वही विचित्र भारीपन लौट आया वह महापुरुष मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे हैं इस विचार के मन में आते ही मैंने अपने थैले हबू के हाथ में थमा दिए वह आश्चर्य से मेरे पांव का नाच देख रहा था अब वह खिलखिलाकर हंस पड़ा तुम्हें क्या तकलीफ है पागल तो नहीं हो गए हो मेरे मन में तुमल मचा रही भावना के कारण मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप तेजी से चल दिया मैं से वापस चला जैसे मुझे पंख लग गए हों और शीघ्र ही उस गली में जा पहुंचा उस ओर दृष्टि उठाते ही मैंने देखा कि वह शांत मूर्ति स्थिर दृष्टि से मेरी ही दिशा में देख रही थी कुछ ही उत्कंठापूर्ण कदम मैंने उठाए तो सीधे उनके चरणों में पहुंच गया गुरुदेव यह दिव्य चेहरा वही था जिसे मैंने हजार बार दिव्य दर्शनों में देखा था नुकीली दाढ़ी और लहराते केशों से सज्जित सिंह समान मस्तक में स्थित उन शांत तेजस्वी नेत्रों ने प्रायः मेरे रात्रिकालीन विश्रंखल ध्यान के धुंधलेपन से ऐसे झांक कर देखा था जैसे उनमें कोई आश्वासन झलक रहा हो जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता था हो मेरे प्रिय तुम मेरे पास आ गए आनंद कंपित स्वर में मेरे गुरु बंगाली भाषा में बार बार यह कह रहे थे कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था निःशब्दता की एकता में हम दोनों एक हो गए शब्दों का प्रयोजन निकृष्टतम प्रतीत होने लगा कायल करने वाला संवाद गुरु के हृदय से शब्द रहित सांत्वना बनकर शिष्य के हृदय में समाता चला गया अपने अंतर्मन में मैं निर्विवाद रूप से जान गया कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं और मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं इस जीवन का अंधकार पूर्व जीवन की स्मृतियों के मधुर अरुणोदय में अदृश्य हो गया रोमांचक समय भूत वर्तमान और भविष्य कालचक्र पर चक्राकार घूमते दृश्य है सूर्य इन पवित्र चरणों में मुझे पहली बार नहीं देख रहा था मेरा हाथ पकड़कर मेरे गुरु मुझे काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे पर ले गए उनका बलवान शरीर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता था इस समय उनकी आयु लगभग पचपन वर्ष की थी परंतु उनकी लंबी और सीधी देह में युवकों की सी चपलता और कार्यक्षमता थी उनकी काली विशाल सुंदर आंखों में अथा ज्ञान का तेज था हल्के से घुंघराले केश उनके रबीले मुख को सौम्यता प्रदान कर रहे थे उनमें शक्ति और सौम्यता का सूक्ष्म संगम था गंगा किनारे स्थित एक मकान की पत्थर से बनी बालकनी की ओर जाते हुए जहां से गंगा साफ दिखाई देती थी उन्होंने प्यार से कहा मैं अपने आश्रम और जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें दे दूंगा गुरुदेव मैं केवल ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूं मुझे आपका केवल वही गुप्त धन चाहिए मेरे गुरु ने जब पुनः बोलने के लिए मुंह खोला तब तक साधे आलोक की धूमिलता आधी उतर आई थी उनकी आंखों में अथाश स्नेह झलक रहा था मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता हूं अमूल्य शब्द मेरे कानों में दोबारा उनके प्रेम का यह रस पड़ने तक एक चौथाई शताब्दी बीत गई उनके होत भावोत्कटता प्रकट करने में अनभिज्ञ थे उनके सागर समान विशाल हृदय को मौन प्रिय था क्या तुम भी मुझे वैसा ही निस्वार्थ प्रेम दोगे वे सुलभ आशा के साथ मेरी ओर देख रहे थे मैं आपसे सदा सर्वदा के लिए प्रेम करूंगा गुरुदेव साधारण प्रेम स्वार्थी होता है उसका मूल कामनाओं और तृप्तियों की दलदल में स्थित होता है दिव्य प्रेम में कोई शर्त नहीं होती कोई सीमा नहीं होती कोई परिवर्तन नहीं होता शुद्ध प्रेम के स्तंभनकारी स्पर्श से मानवीय हृदय में नित्य होने वाले परिवर्तन सदा के लिए रुक जाते हैं पूर्वक उन्होंने आगे कहा यदि कभी भी तुम तो मुझे ईश्वर प्राप्ति की अवस्था से गिरता देखो तो मुझे वचन दो कि तुम मेरा सिर अपनी गोद में लेकर मुझे उस प्रियतम प्रभु के पास लौटा लाने में सहायता करोगे जिसे हम दोनों पूजते हैं घिरते अंधकार में वे उठकर खड़े हुए और मुझे अंदर एक कमरे में ले गए हम आम और बादाम की कुछ मिठाइयां खाने लगे साथ, साथ वार्तालाप चल रहा था अपने वार्तालाप में उन्होंने बिना किसी आलोचनात्मक रुख के सहज भाव से मेरे स्वभाव का गहरा ज्ञान व्यक्त किया उनकी अंतर्जात विनम्रता और अगाध ज्ञान के प्रताप को देखकर मैं विस्मय विभोर हो गया अपने तावीज के लिए दुख मत करो उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है किसी दैवी दर्पण की भांति मेरे गुरु ने स्पष्टत मेरे संपूर्ण जीवन के प्रतिबिंब को देख लिया था गुरुदेव आपकी उपस्थिति की, की जीवंत सच्चाई का आनंद किसी भी प्रतीक से कहीं बढ़कर है जहां तक आश्रम में तुम्हारी दुखद परिस्थिति का संबंध है तो उसमें परिवर्तन का समय आ गया है मैंने अपने जीवन का कोई भी उल्लेख नहीं किया था उसका कोई भी उल्लेख अब निरर्थक प्रतीत हो रहा था उनके सहज साधारण ढंग को देखते हुए यह बात मेरी समझ में आ गई थी कि उनकी दिव्य दृष्टि पर किसी प्रकार का विस्मय प्रकट करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें कोलकाता लौट जाना चाहिए मानव जाति के प्रति अपने प्रेम से अपने रिश्तेदारों को ही क्यों वंचित करो उनके इस सुझाव से मैं निराश हो गया मेरे परिवार के घर लौट आने का अनुरोध करने वाले अनेक पत्रों की मैं अब तक उपेक्षा करता रहा था तब भी परिजन मेरे लौटने की भविष्यवाणी कर ही रहे थे अनंत ने तो कहा था इस पक्षी शावक को आध्यात्मिक आकाश में उड़ लेने दो वहां के भारी वातावरण में इसके पंख थक जाएंगे तब हम इसे घर की ओर नीचे झपट्टा मारते और अपने पंख समेटकर चुपचाप अपने पारिवारिक घोंसले में आराम करते देखेंगे उत्साह भंग करने वाली यह तुलना मेरे मन में अभी ताजी थी और मैं कोलकाता की दिशा में कोई झपट्टा ना मारने के लिए संकल्प था गुरुदेव मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा परंतु मैं आपके साथ कहीं भी आने के लिए तैयार हूं कृपा करके मुझे अपना नाम और पता बता दीजिए स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी मेरा मुख्य आश्रम श्री रामपुर में रायघाट लेन में है यहां मैं केवल थोड़े दिनों के लिए अपनी मां से मिलने आया हूं भगवान की अपने भक्तों के साथ गूढ़ लीला देखकर मैं हैरान था श्री रामपुर कोलकाता से केवल बारह मील दूर है फिर भी उस इलाके में कभी मुझे अपने गुरु की झलक नहीं मिली एक दूसरे से मिलने के लिए हमें यात्रा करके लाहिड़ी महाशय की स्मृतियों से पुनीत प्राचीन नगरी काशी आना पड़ा इस नगरी की धरती को बुद्ध शंकराचार्य और अनेक योगियों अवतारों की चरण व्रज ने भी पवित्र किया है तुम चार सप्ताहों में मेरे पास आओगे श्री युक्तेश्वर के स्वर में पहली बार कठोरता आ गई थी अब जबकि मैंने तुम्हें अपने चिरंतन प्रेम के बारे में बता दिया है और तुम्हें पाने पर अपना हर्ष प्रकट कर दिया है तो तुम मेरे अनुरोध की अवहेलना पर तुले हुए हो। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम्हें अपने में मेरी रुचि को पुनः जागृत करना पड़ेगा मैं आसानी से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूंगा मेरी कठोर शिक्षा के आज्ञा पालन द्वारा तुम्हें संपूर्ण समर्पण करना होगा मैं पूर्वक चुप रहा मेरे गुरु ने शीघ्र ही मेरी समस्या को पहचान लिया तुम समझते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर हंसेंगे मैं लौट कर नहीं जाऊंगा तुम तीस दिन में लौट जाओगे कदापि नहीं इस वाद विवाद से उत्पन्न तनाव में कोई कमी नहीं आई मैंने उनके चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम किया और वहां से चल दिया अर्धरात्रि के अंधकार में आश्रम की ओर चलता हुआ मैं सोचता जा रहा था कि हमारी इस अद्भुत भेंट का अंत इतना बेसुरा क्यों हुआ माया का तराजू प्रत्येक आनंद के साथ समतुल्य दुख भी तौल देता है मेरा किशोर हृदय अभी मेरे गुरु की रूपांतरकारी अंगुलियों के लिए पर्याप्त रूप से मुलायम नहीं बना था दूसरे दिन सुबह मैंने देखा कि आश्रम वासियों का मेरे प्रति द्वेष भाव और भी अधिक बढ़ गया है वे नित्य अशिष्टताओं से मुझे दिन भर सताने लगे इसी प्रकार तीन सप्ताह बीत गए फिर दयानंद जी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई चले गए भागे के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा मुकुंद परजीवी है आश्रम की सुविधाओं का तो लाभ उठा रहा है पर बदले में आश्रम के लिए कुछ नहीं करता एक दिन मुझ पर चल रही टीका टिप्पणी मेरे कानों में पड़ी तो पहली बार मुझे खेद हुआ कि मैंने सारा पैसा पिताजी को वापस भेज देने के आदेश को मान लिया था भारी हृदय से मैं अपने एकमात्र मित्र जितेंद्र के पास जा पहुंचा मैं आश्रम छोड़कर जा रहा हूं जब दयानंद जी लौट आए तो उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहकर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना मैं भी यह आश्रम छोड़कर आ रहा हूं यहां मेरे ध्यान करने के प्रयासों पर प्रतिक्रिया का हाल भी तुम्हारे जैसा ही है जितेंद्र निश्चयपूर्वक बोल रहा था मैं एक ईश्वर प्राप्त संत से मिला हूं चलो हम उनके पास श्रीरामपुर चलते हैं और इस प्रकार पक्षी कोलकाता के संकटजनक रूप से निकट नीचे झपटने की तैयारी कर रहा था ग्यार अध्याय दो अकिंचन बालक वृंदावन में यदि पिताजी तुम्हें उत्तराधिकार से वंचित कर दें तो कोई अन्याय नहीं होगा मुकुंद कितनी मूर्खता से तुम अपना जीवन व्यर्थ गमा रहे हो ज्येष्ठ भ्राता का हितोपदेश मेरे कानों पर आक्रमण कर रहा था जितेंद्र और मैं ताजे ताजे वैसे यह केवल एक वाक्यलंकार है वास्तव में हमते धूल धूसरेत रेलगाड़ी से उतरकर अनंतदा के घर पहुंचे थे जो हाल ही में कोलकाता से स्थानांतरित होकर इस प्राचीन नगरी आगरा में रहने आए थे वे सरकारी लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यू में सुपरवाइजिंग अकाउंटेंट थे आपको भली भांति मालूम है अनंतदा कि मैं अपने परम से अपना उत्तराधिकार प्राप्त करना चाहता हूं पहले पैसा फिर भगवान कौन जाने जीवन अत्यधिक लंबा भी हो सकता है पहले भगवान लक्ष्मी तो उनके अधीन है कौन कह सकता है जीवन अत्यधिक छोटा भी हो सकता है मेरा यह जवाब केवल प्रसंगानुरूप दिया गया प्रत्युत्तर था इसमें किसी पूर्वाभास का कोई संकेत नहीं था अफसोस अनंत का जीवन सचमुच छोटा साबित हुआ लगता है आश्रम में बड़ा ज्ञान पा लिया है तुमने पर बनारस तो तुमने छोड़ दिया है अनंतदा की आंखें आत्म तृप्ति के भाव से चमक रही थी उन्हें अब भी आशा थी कि वे मेरे पंखों को समेटकर मुझे पारिवारिक घोसले में सुरक्षित रख पाएंगे बनारस में मेरा अल्पवास व्यर्थ नहीं हुआ मेरा हृदय जिसके लिए तड़प रहा था उसे मैंने वहां पा लिया है और आप निश्चिंत रह सकते हैं कि वे आपके पंडित या उनके सुपुत्र नहीं हैं। उस प्रसंग की याद में अनंतदा भी मेरे साथ हंस पड़े उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि बनारस के जिस अंतरदर्शी को उन्होंने नियुक्त किया था वह अल्पदर्शी ही सिद्ध हुआ था तो अब तुम्हारा क्या विचार है मेरे घुमक्कड़ भाई जितेंद्र ने मुझे आगरा आने के लिए मनाया यहां हम ताजमहल की सुंदरता देखेंगे और उसके बाद हम लोग मेरे नए नए ही मिले गुरु के पास जाएंगे जिनका आश्रम श्रीरामपुर में है मैंने कहा अनंत ने हमारे रहने की आरामदेह व्यवस्था की उस दिन शाम को मैंने अनंत को कई बार चिंतनशील भाव से मुझ पर दृष्टि गड़ाए देखा मैं इस दृष्टि को अच्छी तरह पहचानता हूं मैंने सोचा कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है सुबह जल्दी ही हम नाश्ता करने बैठे तब षड्यंत्र का रहस्योद्घाटन भी हो गया तो तुम्हें पिताजी की संपत्ति के आधार की कोई आवश्यकता नहीं लगती कल की बातचीत का सूत्र फिर पकड़ते हुए अनंत ने निष्कपट दृष्टि से कहा मुझे यह बोध है कि मैं ईश्वर पर निर्भर हूं बातें करना आसान है जीवन ने अब तक तुम्हारी सुरक्षा की है यदि तुम्हें भोजन और आश्रय के लिए उसी ईश्वर के अदृश्य हाथ पर निर्भर रहना पड़ता तो तुम्हारी क्या दशा होती शीघ्र ही तुम सड़कों पर भीख मांगते फिरते कदापि नहीं ईश्वर को छोड़कर किसी पथिक से कोई आशा मैं कदापि ना करता भगवान अपने भक्त के लिए भिक्षा पात्र के अलावा भी हजार अन्य उपाय कर सकते हैं और अधिक बात बिलास। यदि मैं यह कहूं कि तुम अपने जिस तत्व ज्ञान के बारे में इतनी डींग मार रहे हो उसे इस मूर्त जगत में आजमाया जाए तो, तो मैं तुरंत स्वीकार कर लूंगा आप क्या ईश्वर को कल्पना जगत तक ही सीमित मानते हैं पता चल जाएगा आज तुम्हें ऐसा अवसर मिलेगा कि तुम मेरे दृष्टिकोण को और भी अधिक विस्तारित करोगे या फिर कम से कम उसका समर्थन तो तुम्हें करना ही पड़ेगा अनंतदा वातावरण में गंभीरता को बढ़ाने के लिए थोड़ी देर रुके फिर गंभीरतापूर्वक धीरे धीरे बोलने लगे मेरा यह प्रस्ताव है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे गुरु भाई जितेंद्र को अभी सुबह निकट ही स्थित वृंदावन भेजूं। तुम दोनों अपने साथ एक भी रुपया नहीं ले जाओगे तुम भिक्षा नहीं मांगोगे ना अन्न की ना पैसे की तुम किसी को भी अपनी परिस्थिति से अवगत नहीं कराओगे तुम भोजन से वंचित नहीं रहोगे और तुम वृंदावन में फंस कर नहीं रहोगे यदि आज रात 12 बजे तक इनमें से किसी भी शर्त को तोड़े बिना तुम दोनों मेरे बंगले पर लौट आओ तो मैं आगरा का सबसे अधिक विस्मय चकित मनुष्य होऊंगा। मुझे यह चुनौती स्वीकार है मेरे शब्दों में भी और मेरे हृदय में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी ईश्वर की तत्काल कृपा की कृतज्ञता पूर्ण स्मृतियां मेरे मन में कौंध गईं। लाहेड़ी महाशय की तस्वीर के सामने प्रार्थना करने से प्राण घातक पर मुझे दो पतंगों का लीलामय ढंग से उपहार दिया जाना बरेली में घोर निराशा के बीच सही अवसर पर तावीज़ का मेरे पास आना बनारस में पंडित के आंगन के बाहर से साधु द्वारा निर्णायक संदेश का दिया जाना जगत जननी माँ का दर्शन और उनकी दिव्य प्रेमवाणी जगत जननी द्वारा मेरी छोटी से छोटी परेशानियों को भी मास्टर महाशय के माध्यम से हटाया जाना हाई स्कूल की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने में अंतिम क्षण में किया गया मेरा मार्गदर्शन और सर्वोच्च वरदान मेरे जीवन भर के सपनों की धुंध से प्रकट हुए मेरे जीते जागते गुरुदेव मैं कभी भी यह मानने के लिए तैयार नहीं होता मेरा तत्व ज्ञान संसार की किसी भी कसौटी पर खरा नहीं उतरेगा चाहे वह कसौटी कितनी ही कठोर क्यों ना हो तुम्हारी यह अनुकूलता सराहनीय है मैं अभी तुरंत ही तुम लोगों को रेलगाड़ी पर बिठा देता हूं अनंत ने कहा आश्चर्यचकित जितेंद्र की ओर मुड़े तुम्हें भी इसके साथ जाना होगा एक गवाह के रूप में और इस पर आने वाली आपदाओं में जिसकी संभावना अधिक है एक सहभागी के रूप में आधे घंटे बाद जितेंद्र और मेरे हाथ में आगरा से वृंदावन के टिकट आ गए स्टेशन के एक, एक एकांत भाग में जाकर हमने अनंत को अपनी तलाशी लेने दी अनंत शीघ्र ही आश्वस्त हो गए कि हम कोई छिपा खजाना अपने साथ नहीं ले जा रहे थे जो छिपाना आवश्यक था उससे अधिक हमारी सादी धोतियों में कुछ भी नहीं छिपा हुआ था जैसे ही विश्वास ने वित्त प्रबंध के महत्वपूर्ण क्षेत्र पर आक्रमण किया तो मेरे मित्र ने विचलित स्वर में कहा अनंतदा आप सुरक्षा की दृष्टि से मुझे एक दो रुपए देकर रखिए तब मैं किसी संकट की घड़ी में आपको तार दे सकूंगा जितेंद्र, तीव्र स्वर में मैंने उसकी भर्सना की यदि तुम अंतिम उपाय के तौर पर कोई पैसा अपने साथ लोगे तो मैं इस परीक्षा में नहीं आऊंगा सिक्कों की खनक में दिलासा देने की कोई शक्ति होती है मेरी कठोर दृष्टि को देखते हुए जितेंद्र इससे अधिक कुछ नहीं बोला मुकुंद मैं निष्ठुर नहीं हूं कोमलता हल की हल्की सी झलक अनंत के स्वर में आ गई थी संभव है कि उनका अंतकरण उन्हें धिकार रहा था शायद दो अकिंचन बालकों को एक अपरिचित शहर में भेजने के लिए या फिर ईश्वर में उनकी अपनी अनास्था के लिए यदि संयोगवश या भगवान की कृपा से तुम इस वृंदावन परीक्षा में सफल हो गए तो मैं तुमसे कहूंगा कि तुम मुझे दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लो इस असामान्य परिस्थिति में उनके द्वारा की गई प्रतिज्ञा में एक विसंगति थी भारतीय परिवार में बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के आगे नतमस्तक नहीं होता बल्कि पिता के बाद उसी को परिवार में तत्सम सम्मान मिलता है और सब उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं परंतु इस विषय में मेरे कुछ कहने के लिए समय नहीं था हमारी गाड़ी छूटने वाली थी गाड़ी दौड़ती जा रही थी और जितेंद्र उदास होकर खामोश बैठा था आखिर हरकत में आते हुए वह मेरी ओर चुका और एक नाजुक स्थान पर पीड़ाजनक चुटकी काटते हुए बोला मुझे तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दे रहे कि भगवान हमारे अगले भोजन की कोई व्यवस्था करने वाले हैं चुप रहो संशयात्मा भगवान हमारे साथ हैं और हमारी सारी व्यवस्था कर रहे हैं क्या तुम उनसे जरा जल्दी कराने की भी व्यवस्था कर सकते हो अपने आगे की परिस्थिति के विचार से ही मैं भूख से अधमरा हुआ जा रहा हूं मैं बनारस से ताजमहल देखने के लिए चला था अपने मकबरे में प्रवेश करने के लिए नहीं अब खुश हो जाओ जितेंद्र हम आज वृंदावन के पवित्र स्थानों का पहली बार दर्शन करने जा रहे हैं ना मुझे तो इस विचार से ही गहरा आनंद हो रहा है कि भगवान श्री कृष्ण की पद धूली से पुनीत उस भूमि पर आज हम चलेंगे हमारे डिब्बे का दरवाजा खुला और दो सज्जन अंदर आकर बैठ गए अगले ही स्टेशन पर हमें उतरना था बच्चों वृंदावन में क्या कोई तुम्हारी जान पहचान का है मेरे सामने बैठा हुआ अपरिचित व्यक्ति हमें आश्चर्यजनक रुचि ले रहा था आपको इससे प्रयोजन बेरुखेपन से मैंने अपनी दृष्टि घुमा ली शायद तुम लोग चित्तचोर के सम्मोहन में अपने परिवारों से भागे जा रहे हो मैं स्वयं भक्ति प्रधान प्रकृति का मनुष्य हूं मैं इसे अपना कर्तव्य मानता हूं कि इस असह गर्मी में मैं तुम लोगों के रहने खाने की व्यवस्था करूं नहीं महोदय हमें अकेला छोड़ दीजिए यह आपकी बड़ी कृपा है परंतु हमें घर से भागे हुए समझने में आप भूल कर रहे हैं इसके आगे कोई वार्तालाप नहीं हुआ गाड़ी स्टेशन पर पहुंचकर रुक चुकी थी जितेंद्र और मैं प्लेटफॉर्म पर उतरे तो हमारे संयोग से सहयात्री बने सज्जनों ने हमारे हाथ थामकर एक घोड़ा गाड़ी को बुलाया हम एक भव्य वैभवशाली आश्रम के सामने उतरे जिसके चारों ओर सुंदर उद्यान था और सदाबहार वृक्ष थे हमें ले आने वाले सज्जन स्पष्टतया यहां भली भांति परिचित थे कुछ भी कहे बिना एक लड़का मुस्कुराते हुए हमें बैठक खाने में ले गया शीघ्र ही वहां एक शालीन सौम्य दर्शना प्रौढ़ महिला पहुंची गौरीमा, राजकुमार तो नहीं आ सके उन दो में से एक सज्जन ने आश्रमवासी महिला से कहा अंतिम क्षण में उन्हें अपना कार्यक्रम बदलना पड़ा इसके लिए उन्होंने खेद व्यक्त किया है परंतु तो हम दूसरे दो अतिथियों को ले आए हैं जैसे ही गाड़ी में हमारी मुलाकात हुई मैं इनकी ओर खिंच गया मुझे ये कृष्ण भक्त प्रतीत हुए अच्छा बच्चों हम चलते हैं भगवान ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी दोनों सज्जनों ने दरवाजे की ओर जाते हुए कहा यहां तुम दोनों का स्वागत है। गौरी मा ममतामय ढंग से मुस्कुराई तुम्हारे आगमन का आज से अधिक अच्छा दिन दूसरा कोई ना होता आज इस आश्रम के दो आश्रयदाता राजकुमार यहां आने वाले थे कितने खेत की बात होती यदि मेरे बनाए पकवानों को सराहने वाला कोई ना होता इन मधुर शब्दों का जितेंद्र पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा उसकी आंखों से धाराएं बहने लगी वृंदावन में जिस आगे की परिस्थिति का उसे भय था वह तो राजसी सत्कार में बदल रही थी आकस्मिक रूप से इतने बड़े परिवर्तन के साथ अपने मन का मेल बिठाना उसकी क्षमता से बाहर हो रहा था गौरी मां ने कौतूहल से उसकी ओर देखा पर कहा कुछ नहीं शायद वे किशोर प्रवृत्तियों से परिचित थीं। भोजन का बुलावा आ गया गौरी मां हमें एक बरामदे में ले गईं, जहां भोजन किया जाता था वह बरामदा नाना प्रकार के व्यंजनों की सुगंध से महक रहा था फिर वे साथ ही में लगे रसोई घर में चली गईं। मैं इस क्षण के बारे में पहले से ही विचार कर रहा था जितेंद्र के शरीर पर योग्य स्थान चुनकर मैंने उसे वहां उतनी ही जोर से पीड़ाजनक चुटकी काटी जितनी जोर से उसने गाड़ी में मुझे काटी थी संशयात्मा भगवान व्यवस्था करते हैं जल्दी से भी गौरी मां एक पंखा लेकर लौट आई हम अलंकृत ऊनी आसनों पर बैठे थे और वे हमें भारतीय पद्धति के अनुसार पंखा झलती रही आश्रमवासी शिष्य कुछ तीस एक व्यंजनों को परोसते आ जा रहे थे उसे भोजन कहने से राजसी भोज कहना अधिक युक्ति संगत होगा इस धरातल पर जन्म लेने से लेकर अब तक जितेंद्र ने और न मैंने कभी ऐसे व्यंजन चखे थे ये व्यंजन तो सचमुच राजकुमारों के ही योग्य है पूज्य माता जी आपके राजसी आश्रयदाताओं को इतने स्वादिष्ट भोजन से अधिक क्या महत्वपूर्ण लगा मैं कल्पना ही नहीं कर सकता आपने हमें जीवन भर के लिए एक स्मृति प्रदान कर दी है अनंत की शर्त से मुंह बंद किए जाने के कारण हम उस करुणामयी भद्र नारी से यह भी नहीं कह सकते थे कि हमारे धन्यवाद का दोहरा महत्व था कम से कम हमारे हृदय की सच्चाई उन उद्गारों में सुस्पष्ट थी हम उनके आशीर्वाद और आश्रम में पुनः आने के निमंत्रण के साथ वहां से चल पड़े बाहर धधकती धूप थी जितेंद्र और मैं आश्रम के फाटक के पास स्थित एक विशाल कदम्ब वृक्ष की छाया में जाकर खड़े हो गए वहां पहुंचते ही जितेंद्र के मुंह से तीव्र शब्द चलने लगे वह फिर एक बार शंका व्यथित हो उठा था तुमने तो आज मुझे अच्छी मुसीबत में फंसा दिया हमारा यह भोजन तो केवल एक संयोग था हम दोनों के पास एक भी पैसा तो है नहीं इस शहर का दृश्यवलोकन कैसे करेंगे और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिना पैसे के तुम तो मुझे अनंत के घर तक वापस कैसे ले जाने वाले हो तुम भगवान को जल्दी ही भूल जाते हो अब तुम्हारा पेट जो भर गया है मेरे शब्दों में कटुता तो नहीं थी पर आरोप अवश्य था मनुष्य के मन में दैवी कृपा की स्मृति कितनी अल्पकालिक होती है ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसकी कोई ना कोई प्रार्थना कभी ना कभी पूरी ना हुई हो तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने का दुस्साहस करके मैंने जो गलती की है उसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा शांत हो जाओ जितेंद्र जिस भगवान ने हमें खाना खिलाया वही हमें वृंदावन का दर्शन भी कराएंगे और आगरा वापस भी ले जाएंगे इतने में एक क्षीण का युवक हमारी ओर तेजी से आता दिखाई पड़ा उसी कदम वृक्ष के नीचे आकर उसने मेरे सामने शीश झुकाया प्रिय मित्र आप और आपके साथी निश्चय ही यहां नए हैं आइए मैं आपकी अगवानी और पथ प्रदर्शन करता हूं किसी भारतीय का चेहरा पीला पड़ना वस्तुतः शायद ही कभी संभव हो सकता है परंतु जितेंद्र का रंग अकस्मात उड़ गया मैंने उस प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हैं उस अजनबी के चेहरे पर उभरे व्यग्रता के भाव अन्य किसी भी परिस्थिति में हंसी ले आते क्यों नहीं आप मेरे गुरु हैं विश्वास से भरी उसकी आंखें मेरी आंखों में जिज्ञासापूर्वक झांकने लगी मेरी मध्यान्ह उपासना के दौरान परम कृपालु भगवान कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे मुझे दो असहाय आकृतियां दिखाई उनमें से एक आपका ही चेहरा था मेरे गुरुदेव मैंने यह चेहरा प्राय ध्यान में देखा है आप यदि मेरी सेवा स्वीकार करें तो कितना आनंद होगा मुझे मुझे भी आनंद हुआ है कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला ना तो भगवान ने ना ही मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है यूं तो अपने सामने के उत्सुक चेहरे की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ मैं निश्चल खड़ा था तथापि एक आंतरिक प्रणाम ने मुझे प्रभु के चरणों में डाल दिया प्रिय मित्रों क्या आप लोग मेरे घर पधारकर उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे यह तुम्हारी बड़ी दया है, परन्तु हम ऐसा नहीं कर सकते पहले ही हम आगरा में मेरे भाई के अतिथि हैं कम से कम मुझे आपके साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियां देते जाइए मैं सहर्ष तैयार हो गया उस युवक ने जिसने अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई हम लोगों ने मदन मोहन मंदिर और कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों में जाकर दर्शन किए हमारा मंदिर दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई थी क्षमा कीजिए मैं कुछ संदेश यानी बंगाली पेड़े ले आता हूं प्रताप रेलवे स्टेशन के नजदीक एक दुकान में चला गया जितेंद्र और मैं उस चौड़ी सड़क पर टहलने लगे जो उस समय कुछ ठंडक के कारण भीड़ से भर गई थी हमारे उस मित्र ने कुछ समय तो लगाया परंतु फिर अपने साथ वह अनेक मिठाइयों के उपहार लेकर आया कृपया मुझे इतना तो पुण्य कमाने दीजिए प्रताप ने अनुरोध पूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए एक रुपए के नोटों का एक बंडल और आगरा के दो टिकट जो उसने अभी अभी खरीदे थे हमारे सामने बढ़ा दिए मेरी स्वीकृति में श्रद्धा भगवान के अदृश्य हाथ के लिए थी अनंत ने उनका इतना उपहास किया था पर फिर भी क्या भगवान ने हमें अपनी आवश्यकता से कहीं अधिक नहीं दे दिया था हमने स्टेशन पर एक एकांत स्थान ढूंढ निकाला प्रताप अब मैं तुम्हें आधुनिक युग के सबसे महान योगी लाहिड़ी महाशय के क्रिया योग में दीक्षित करूंगा उनकी यह साधना प्रविधि ही अब तुम्हारी गुरु होगी आधे घंटे में दीक्षा समाप्त हुई क्रिया अब तुम्हारी चिंतामणि है मैंने अपने नए शिष्य से कहा जैसा कि तुमने अभी देखा यह प्रविधि अत्यंत सरल है और इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की गति बढ़ाने की प्रक्रिया निहित है हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने के लिए दस लाख वर्ष लगते हैं यह प्राकृतिक अवधि क्रिया योग के अभ्यास से बहुत घट जाती है जैसे पौधे की विकास गति को उसकी प्राकृतिक गति से कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है जैसा कि सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रदर्शित कर दिया है वैसे ही मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की गति को भी वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है निष्ठापूर्वक साधना करो तुम समस्त गुरुओं के गुरु के पास पहुंच जाओगे प्रताप ने गंभीर होकर विचारपूर्वक कहा इस चिरचित यौगिक कुंजी को पाकर मैं जैसे दूसरे लोगों में पहुंच गया हूं मेरे इंद्रिय बंधनों से उद्धार करने वाला इसका प्रभाव मुझे उच्चतर अनुभूतियों के लिए मुक्त कर देगा अंतर्दृष्टि में आज भगवान श्री कृष्ण का दर्शन मेरे परम मंगल का ही द्योतक है हम थोड़ी देर शांत बैठे रहे फिर धीरे धीरे स्टेशन की ओर चलने लगे जब मैं गाड़ी में चढ़ रहा था तो मैं तो आनंद से भरा था पर जितेंद्र के लिए आज आंसू बहाने का ही दिन था प्रताप से प्रेमपूर्ण विदा लेते समय मेरे दोनों ही साथियों के गले से दबी हुई सिस्कियां निकल रही थी इस यात्रा में जितेंद्र फिर एक बार गहरे दुख में डूबा हुआ था इस बार अपनी खातिर नहीं बल्कि अपने विरुद्ध मेरा विश्वास कितना उथला है मेरा हृदय पत्थर बना हुआ था। अब फिर कभी मैं भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करूंगा मध्य रात्रि होने को थी अकिंचन अवस्था में भेजे गए उन दो बालकों ने अनंत के शयन कक्ष में प्रवेश किया जैसा कि उन्होंने बातों बातों में यूं ही कह दिया था उनका विस्मय चकित चेहरा अब देखते ही बनता था मैंने चुपचाप एक टेबल पर रुपयों के नोटों की वर्षा कर दी जितेंद्र सच सच बताओ अनंत मजाक करने के अंदाज में बोले इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा है ना परंतु जैसे जैसे यात्रा की कहानी खुलती गई मेरे भाई शांत होकर फिर गंभीर हो गए मांग और पूर्ति का नियम जैसे मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक सूक्ष्म स्तर पर कार्य करता है अनंत एक ऐसे आध्यात्मिक उत्साह के साथ बोल रहे थे जो उनमें पहले कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ था तिजोरियों और इस संसार की सामान्य चीजों के संचय के प्रति तुम्हारी उदासीनता को आज पहली बार मैं समझ पा रहा हूं रात बहुत बीत गई थी तब भी अनंत ने आग्रह किया कि उन्हें उसी समय क्रिया योग की दीक्षा दी जाए गुरु मुकुंद को एक ही रात में दो दो अनचाहे शिष्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी दूसरे दिन प्रातःकाल का जलपान एक ऐसे मधुर और मिलनसार वातावरण में संपन्न हुआ जिसका पहले दिन नितांत भाव था मैं जितेंद्र की ओर देखकर मुस्कुराया तुम ताजमहल देखने से वंचित नहीं रहोगे श्रीरामपुर के लिए निकलने से पहले हम उसे देखने चलते हैं अनंतदास से विदा लेकर मेरा मित्र और मैं शीघ्र ही आगरा के गौरव ताजमहल के सामने पहुंचे सूर्य के किरणों में चमकते श्वेत संगमरमर से बना ताजमहल शुद्ध अनुपात संगति का मूर्तिमान रूप है काले घने सरू के वृक्ष चमकदार हरियाली और प्रशांत जलाशय का दृश्यपट उसके श्रृंगार को पूर्ण कर देता है अत्यंत बारीक नक्काशी की रत्न जड़ित जालियों से बना भीतरी भाग अति सुंदर है भूरे तथा बैंगनी रंग के संगमरमर से बना अत्यंत नाजुक बेलबूटा अति सुंदर है गुंबज की रोशनी शहनशाह शाहजहां और उसकी सल्तनत एवं दिल की मलिका मुमताज महल की कब्रों पर पड़ती है अब दृश्यावलोकन बहुत हो गया मैं अपने गुरु के पास जाने के लिए आतुर हो रहा था शीघ्र ही जितेंद्र और मैं रेलगाड़ी से दक्षिण दिशा में बंगाल की ओर जा रहे थे मुकुंद मैंने कई महीनों से अपने परिवारजनों को नहीं देखा है मैंने अपना इरादा बदल दिया है शायद फिर कभी मैं तुम्हारे गुरु से मिलने श्रीरामपुर मेरे मित्र ने, जिसे सौम्य भाषा में अस्थिर चित्त कहा जा सकता है कोलकाता में मेरा साथ छोड़ दिया मैं एक लोकल ट्रेन पकड़कर शीघ्र ही कोलकाता के उत्तर में बारह मील पर स्थित श्रीरामपुर पहुंच गया जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ कि बनारस में गुरुदेव से मिले ठीक 28 दिन बीत गए थे विस्मय से मेरा हृदय धड़कने लगा तुम चार सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे और आज मैं धड़कते हृदय से रायघाट लेन में उनके आंगन में खड़ा था आज पहली बार मैंने उस आश्रम में प्रवेश किया था जहां मैं अपने जीवन के अगले दस वर्षों के सर्वोत्तम अंश भारत के ज्ञानावतार के साथ बिताने वाला था बारवा अध्याय अपने गुरु के आश्रम की कालावधि तुम आ गए श्री युक्तेश्वर जी ने बरामदे के पीछे स्थित बैठक में बिछे हुए व्याघ्र चर्म पर बैठे बैठे ही मुझसे कहा उनका स्वर ठंडा था ढंग भाव शून्य जी गुरुदेव मैं आपके अनुसरण के लिए आया हूं झुककर मैंने उनका चरण स्पर्श किया परंतु यह कैसे हो सकता है तुम तो मेरी इच्छाओं की अवहेलना करते हो अब ऐसा नहीं होगा गुरु जी आपकी इच्छा ही मेरा धर्म होगी तब ठीक है अब मैं तुम्हारे जीवन का उत्तरदायित्व ले सकता हूं मैं स्वेच्छा से अपना सारा भार आपको सौंपता हूं गुरुदेव तो अब मेरा पहला अनुरोध यह है कि तुम अपने परिवार के पास घर लौट जाओ मैं चाहता हूं कि तुम कोलकाता जाकर कॉलेज में प्रवेश ले लो तुम्हारी आगे की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए ठीक है गुरुदेव मैंने अपनी व्याकुलता को छिपा लिया क्या ये जिद्दी पुस्तकें वर्षों तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी पहले पिताजी अब श्री युक्तेश्वर जी किसी दिन तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाना होगा वहां के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे यदि अपरिचित हिंदू गुरु के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी आप बेहतर जानते हैं गुरुजी। मेरी उदासी छंट गई पाश्चात्य जगत का उल्लेख मुझे कुछ उलझनकारी अगोचर सा लगा परंतु इस समय गुरुदेव को अपने आज्ञा पालन से प्रसन्न करने के अवसर का तत्काल उपयोग करना अत्यावश्यक था तुम कोलकाता में पास ही रहोगे जब भी तुम्हें समय मिले यहां आ जाना संभव हुआ तो प्रतिदिन आऊंगा गुरुदेव अपने जीवन के प्रत्येक पहलू पर मैं आपका अधिकार कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूं केवल एक शर्त पर क्या कि आप मुझे भगवत साक्षात्कार कराने का वचन दे एक घंटे तक बाघ युद्ध चलता रहा गुरु वचन मिथ्या नहीं हो सकता बस सहज भी नहीं दिया जा सकता इस वचन में निहित संभावनाएं हैं इससे पहले कि एक गुरु ईश्वर को प्रकट होने के लिए बाध्य करे उसका ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर के साथ को में जान गया था और उनका शिष्य होने के नाते उनसे यह वचन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय था तुम बहुत हठी हो इसके पश्चात करुणापूर्ण निर्णायकता के साथ गुरुदेव की सहमति गूंज उठी तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा हो मेरे हृदय से जीवन व्यापी पर्दा हट गया इधर उधर अनिश्चित खोज का अब अंत हो गया मुझे सदगुरु के चरणों में चिरंतन आश्रय मिल गया था आओ मैं तुम्हें आश्रम दिखाता हूं गुरुदेव अपने व्याघ्र चर्म के आसन से उठे इधर उधर दृष्टिपात करते मैंने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी जिसे चमेली का हार पहनाया हुआ था लाहिडी महाशय मैंने साश्चर्य कहा हां मेरे ईश्वर तुल्य गुरु श्री युक्तेश्वर जी का स्वर आदर से कंपित था वे एक मनुष्य के रूप में और एक योगी के रूप में भी उन सब गुरुओं से कहीं महान थे जिनका जीवन मेरे अन्वेषण की परिसीमा में आया उस सुपरिचित तस्वीर को मैंने मौन प्रणाम किया मेरी आत्मा की भक्ति उस लोकोत्तर गुरु के लिए बह निकली जिन्होंने मेरे शैशव काल को अपने आशीर्वाद से धन्य करते हुए इस क्षण तक मेरा मार्गदर्शन किया गुरुदेव के पीछे पीछे मैं उस घर और सारे प्रांगण में घूमा भारी भरकम खंभों से युक्त उस विशाल और पुराने आश्रम के बीच में एक आंगन था बाहर की दीवारों पर काई जम गई थी आश्रम परिसर पर निसंकोच कब्जा किए हुए कबूतर सपाट धूसर रंग की छत पर फड़फड़ा रहे थे आश्रम के पिछवाड़े में एक बगीचा था जिसे कटहल आम और केले के पेड़ों ने सुहावना बनाया हुआ था इस दोमंजिला भवन के ऊपर के कमरों के कटघरेदार बरामदे बीच में स्थित आंगन को तीन ओर से घेरे थे नीचे के तल्ले पर एक प्रशस्त हॉल था जिसकी ऊंची छत खंबों पर टिकी हुई थी गुरुदेव ने बताया कि इस कमरे का उपयोग मुख्यतः वार्षिक दुर्गा पूजा उत्सव के लिए होता था श्री युक्तेश्वर जी के बैठक कक्ष में जाने के लिए एक संकरी सीढ़ी थी इस कक्ष की छोटी सी बालकनी से सड़क दिखती थी आश्रम में साज सामान साधारण ही था हर चीज अत्यंत सादी स्वच्छ और उपयोगी थी कई पाश्चात्य पद्धति की कुर्सियां बेंच और मेजें भी दिखाई दे रही थीं। गुरुदेव ने मुझे रात को वहीं रहने के लिए निमंत्रित किया आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे दो लड़कों ने रात को भोजन के लिए रसेदार सब्जी परोसी गुरु जी कृपया अपने जीवन के विषय में कुछ बताइए मैं उनके व्याघ्र चर्म के पास एक चटाई पर बैठा था बरामदे के बाहर दिखाई पड़ने वाले मैत्रीपूर्ण तारे अत्यंत समीप लग रहे थे मेरा पारिवारिक नाम प्रियनाथ कड़ार था मेरा जन्म यहीं श्रीरामपुर में हुआ था जहां मेरे पिताजी एक धनवान व्यापारी थे वे ही यह पैतृक मकान छोड़ गए जो अब मेरा आश्रम है मेरी स्कूली पढ़ाई बहुत कम हुई मुझे वह धीमी और उथली प्रतीत होती थी युवावस्था के आरंभ में मैंने गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और मेरी एक बेटी है जिसका विवाह हो चुका है मेरा प्रौढ़ जीवन लाहिड़ी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ पत्नी की मृत्यु के पश्चात मैंने स्वामी परंपरा के अंतर्गत सन्यास ग्रहण कर लिया और मुझे नया नाम मिला श्री युक्तेश्वर यही सरल मेरा वृत्तांत है मेरे उत्सुक चेहरे को देखकर गुरुदेव मुस्कुराए सभी जीवन वृतांतों की तरह उनके वृत्ंत ने भी उनका केवल बाह्य परिचय ही दिया बिना आंतरिक पुरुष का परिचय दिए गुरु जी मुझे आपके बचपन की कुछ कहानियां सुनने की इच्छा है कुछ कहानियां बताता हूं और प्रत्येक में निहित नैतिक शिक्षा भी इस चेतावनी के साथ श्री युक्तेश्वर जी की आंखें हंसी की झलक में चमक उठी एक बार मेरी मां ने एक अंधेरे कमरे में भूत होने की डरावनी कहानी बताकर मुझे डराने की चेष्टा की मैं तुरंत वहां गया और भूत को ना पाकर निराशा प्रकट की उसके बाद मां ने मुझे कभी कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई नैतिक शिक्षा भय का सामना करो तब वह तुम्हें सताना बंद कर देगा बचपन की एक अन्य स्मृति है एक पड़ोसी के भद्दे कुत्ते की मेरी चाह की उस कुत्ते को पाने के लिए मैंने कई सप्ताह तक सारे घर को सिर पर उठा रखा था उससे कहीं अधिक सुंदर अनेक कुत्तों के सारे प्रस्ताव जैसे मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं पाते थे नैतिक शिक्षा मोह अंधा बना देता है वह इच्छित वस्तु के चारों ओर आकर्षण के काल्पनिक माया जाल की रचना कर देता है तीसरी कहानी किशोर मन की सुकुमारता से संबंधित है मैं अपनी मां को कभी कभी यह कहते सुनता था कि जो मनुष्य किसी और के मातहत नौकरी स्वीकार कर लेता है बहुत दास है यह धारणा मेरे मन में इतनी पक्की बैठ गई कि मैंने विवाह के उपरांत भी सारी नौकरियां ठुकरा दी अपनी पैतृक संपत्ति को भूमि के व्यवसाय में लगाकर मैंने अपनी आजीविका चलाई नैतिक शिक्षा केवल अच्छी और सकारात्मक शिक्षाएं ही बच्चों के मन में जानी चाहिए उनकी प्रारंभिक धारणाएं दीर्घ काल तक सुस्पष्ट बनी रहती हैं गुरुदेव प्रशांत मौन में डूब गए मध्य रात्रि के आसपास उन्होंने मुझे एक संकरी खाट सोने के लिए दी अपने गुरु के आश्रम की छत के नीचे उस पहली रात नींद खूब गाढ़ी और मधुर थी श्री युक्तेश्वर जी ने दूसरे दिन प्रातः काल ही मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया इस प्रविधि की दीक्षा मुझे पहले ही लाहिड़ी महाशय के दो शिष्यों से मिल चुकी थी पिताजी और मेरे शिक्षक स्वामी केवलानंद जी परंतु गुरुदेव के पास रूपांतर करने की शक्ति थी उनके स्पर्श मात्र से एक प्रचंड ज्योति मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर छा गई मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उद्दीप्त हो उठे हों एक अवर्णनीय आनंद की बाढ़ ने मेरे हृदय को अंतरतम कोने तक अभिभूत कर दिया उसके दूसरे दिन लगभग सायंकाल हो चला था जब मैं आश्रम से जाने के लिए तैयार हो पाया तुम तीस दिन में लौट जाओगे जब मैंने कोलकाता के अपने घर के द्वार में प्रवेश किया तो गुरुदेव की भविष्यवाणी भी मेरे साथ थी उड़ते पक्षी के पुनरागमन के बारे में कोई भी व्यंग्य जिसका मुझे डर था मेरे किसी संबंधी ने नहीं चलाया मैं अपनी छोटी सी अटारी में गया और उस पर प्रेम भरी दृष्टि दौड़ाई मानो उसका कोई जीवंत अस्तित्व हो तुम तो मेरे ध्यान की साक्षी हो और मेरी साधना के अश्रुपात और आंधी तूफानों की भी अब मैं अपने दिव्य गुरु के आश्रम में पहुंच गया हूं बेटा आज मैं हम दोनों के लिए ही बहुत खुश हूं पिताजी और मैं शांत नीरव संध्या में बैठे थे तुम्हें तो तुम्हारे गुरु मिल गए जैसे चमत्कारी ढंग से मुझे अपने गुरु मिले थे लाहिड़ी महाशय का पुण्य हस्त हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है तुम्हारे गुरु कोई दुर्गम हिमालय के संत नहीं बल्कि निकट के ही निकले मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई तुम्हारी ईश्वर खोज में तुम्हें मेरी दृष्टि से सदा के लिए ही ओझल नहीं कर दिया गया है पिताजी को इस बात की भी खुशी थी कि मेरी औपचारिक पढ़ाई फिर से आरंभ होगी उन्होंने यथोचित व्यवस्था कर दी दूसरे दिन कोलकाता में निकट ही स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में मैंने दाखिला ले लिया खुशी के मास तेजी से बीतते गए मेरे पाठकों ने निश्चय यह सही अनुमान लगा लिया होगा कि कॉलेज की कक्षाओं में मैं कम ही दिखाई पड़ता था श्रीरामपुर आश्रम का आकर्षण दुर्निवार था मेरी वहां नित्य उपस्थिति पर गुरुदेव ने कभी कुछ नहीं कहा मुझे बड़ी राहत मिली क्योंकि वे शायद ही कभी विद्या के उन दालानों का जिक्र करते थे सभी को यह पता तो चल ही गया था कि मैं विद्वान विद्यालंकृत बनने के लिए नहीं बना था फिर भी हर बार मैं न्यूनतम उत्तीर्ण प्राप्त करता रहा आश्रम में दैनिक जीवन शांत सरल रूप से चलता था उसमें शायद ही कभी कोई परिवर्तन होता था मेरे गुरुदेव ब्रह्म वेला में ही जाग जाते थे पड़े पड़े ही या कभी कभी बिस्तर पर बैठे हुए वे, वे समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाते थे गुरुदेव कब जागे पहचानना अत्यंत सरल था जबरदस्त गर्जन करते खर्राटों का अकस्मात रुक जाना एकाद, दो दीर्घ निश्वास कभी शरीर की कोई हलचल फिर श्वास रहितता की निशब्द अवस्था और वे गहरे समाधि आनंद में डूब जाते इसके बाद नाश्ता नहीं होता था पहले गंगा के किनारे किनारे लंबा भ्रमण होता था मेरे गुरु के साथ वह प्रातःकालीन भ्रमण मेरी स्मृति में अभी भी कितने जीवंत और सुस्पष्ट हैं। स्मृति की सहज पुनरावृत्ति में मैं प्रायः अपने आप को उनके साथ पाता हूं प्रातः काल का सूर्य नदी को उष्ण कर रहा है और ज्ञान के अधिकार से ध्वनित होता उनका स्वर गूंज रहा है स्नान और फिर मध्यान्ह भोजन गुरुदेव के दैनिक निर्देशानुसार भोजन तैयार करने का सतर्क कार्य तरुण शिष्यों का था गुरुदेव शाकाहारी थे संन्यास लेने से पूर्व वे अंडे और मछली खाते थे शिष्यों के लिए उनका उपदेश यही रहता था कि अपनी शरीर प्रकृति के अनुसार कोई भी सादा आहार लें। गुरुदेव बहुत कम खाते थे प्राय हल्दी या चुकंदर अथवा पालक के रस में बने चावल और इस पर थोड़ा भैंस का घी या पिघला हुआ मक्खन या किसी दिन केवल मसूर दाल या पनीर की रसेदार सब्जी और उसके साथ कोई तरकारी भोजन के अंत में वे चावल की खीर के साथ आम संतरा या फिर कटहल का रस लेते अपराह में दर्शनार्थी आया करते एक अविरत धारा बाह्य संसार से शांत आश्रम के भीतर बहती रहती गुरुदेव सभी आने वालों के साथ प्रेम और सौजन्यपूर्ण व्यवहार करते थे एक सदगुरु जिसने अपने आप को देह या अहम नहीं बल्कि सर्वव्यापी आत्मा के रूप में पहचान लिया हो सभी मनुष्यों में एक अद्भुत समानता देखता है संतों की निष्पक्षता ज्ञान में स्थापित होती है उन पर माया के बदलते चेहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता अज्ञानी लोगों की समझ को उलझन में डाल देने वाले राग द्वेष उन्हें छू भी नहीं पाते श्री युक्तेश्वर जी ऐसे लोगों को कोई पृथक महत्व नहीं देते थे जो सत्ताधारी शक्तिशाली धनी या विशेष उपलब्धि प्राप्त हों। ना ही वे कभी किसी की गरीबी या अनपढ़ता के कारण उपेक्षा करते थे किसी बच्चे के मुंह से भी वे ज्ञान के वचन आदर पूर्वक सुनते और अवसर पड़ने पर किसी दंभी पंडित की खुले रूप से उपेक्षा करते आठ बजे रात्रि भोजन का समय था जिसमें कभी कभी देर तक ठहरे हुए अतिथि भी सम्मिलित होते गुरुदेव अकेले भोजन करने नहीं बैठते थे कोई भी उनके आश्रम से भूखा या अतृप्त नहीं लौटता था श्री युक्तेश्वर जी अतिथियों के अप्रत्याशित आगमन से न ही कभी घबराते थे न ही कभी व्यग्र होते थे उनके युक्तिपूर्ण मार्गदर्शन में शिष्यों द्वारा बनाया गया अल्प भोजन भी महाभोज प्रतीत होता था परंतु साथ ही वे मितव्ययी भी थे और अपनी थोड़ी सी पूंजी से बहुत कुछ कर लेते थे विप्राय कहते थे अपनी जेब की सीमा में संतुष्ट रहो फिजूल खर्ची तुम्हारे लिए अशांति पैदा करेगी चाहे आश्रम में आतिथ्य सत्कार का कार्य हो या भवन निर्माण या मरम्मत का या कोई भी अन्य व्यवहारिक कार्य हो हर कार्य की छोटी से छोटी बातों में गुरुदेव सृजनात्मक मौलिकता का परिचय देते सायंकाल के शांत समय में प्राय गुरुदेव प्रवचन करते अक्षय रत्न भंडार उनका प्रत्येक शब्द ज्ञान से तराशा होता था एक अलौकिक आत्मविश्वास उनके निरूपण में झलकता था उनका निरूपण अद्वितीय होता था उनकी तरह बोलने वाला मैंने कभी कोई नहीं देखा अपने विचारों को शब्दों का परिधान पहनाने से पहले वे उन्हें विवेक के नाजुक तराजू में तौलते थे सत्य का मूल तत्व सर्वव्यापक भौतिक रूप में भी विद्यमान उनसे आत्मा के सौरभ की तरह निश्रित होता था मुझे सदा इस बात का आभास था कि मैं भगवान के जीवंत विग्रह के सानिध्य में हूं उनकी दिव्यता का भार अपने आप मेरे मस्तक को उनके सामने नत कर देता था यदि आते थी यह भाव जाते कि श्री युक्तेश्वर जी अनंत ईश्वर में मग्न हो रहे हैं तो गुरुदेव तुरंत उनके साथ वार्तालाप शुरू कर देते किसी प्रकार का प्रदर्शन करना या अपनी आंतरिक मग्नता की शेखी मारना उन्हें नहीं आता था ईश्वर के साथ सदा एक रूप उन्हें ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं थी आत्मज्ञानी सिद्धों ने ध्यान की सीढ़ी को पहले ही पीछे छोड़ दिया होता है फल आने पर फूल अपने आप झड़ जाता है परंतु शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए संतजन प्राय साधना भजन आदि बाह्य साधनों में जुटे रहते हैं मध्य रात्रि होते, होते होते मेरे गुरुदेव प्रायः बाल सुलभ सहजता के साथ निद्राधीन हो जाते बिस्तर आदि का कोई महत्व नहीं होता प्रायः वे बिना किसी तकिये के भी एक संकीर्ण मेज पर सो जाते जो उनके प्रचलित व्याग्र चर्म आसन के पीछे रखी होती थी तत्व ज्ञान की चर्चा में पूरी रात कट जाना असामान्य नहीं था अपनी जिज्ञासा की तीव्रता से कोई भी शिष्य ऐसी चर्चा को आरंभ करा सकता था मुझे ना तो थकान महसूस होती थी न ही नींद आती थी गुरुदेव के ओजस्वी शब्द पर्याप्त थे ओ, भोर हो गई चलो गंगा किनारे घूमने चले मेरे रात्रिकालीन शिक्षण के कई प्रसंगों का अंत इस प्रकार होता था श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य के प्रारंभिक कुछ महीनों में ही मुझे एक उपयोगी शिक्षा मिली मच्छरों को चालाकी से कैसे मात करें मेरे घर में लोग सदा ही मच्छरदानी का उपयोग करते थे मैं यह देखकर हैरान हुआ कि श्री रामपुर आश्रम में इस विवेकपूर्ण प्रथा का पालन उसके उल्लंघन के रूप में होता था जबकि मच्छरों का वहाँ पूरा साम्राज्य था सिर से पांव तक मुझे वे काटते रहते थे गुरुदेव को मुझ पर दया आ गई अपने लिए एक मच्छरदानी खरीद लो और एक मेरे लिए भी हंसकर उन्होंने आगे कहा यदि तुम केवल अपने लिए ही लाओगे तो सब मच्छर मुझ पर टूट पड़ेंगे मैंने इस आज्ञा का अतिशय कृतज्ञता के साथ पालन किया जिस रात मैं श्रीरामपुर में रह जाता गुरुदेव मच्छरदानियां लगाने के लिए अवश्य कहते एक रात को जब मच्छर सेना ने हमें घेर रखा था गुरुदेव सदा की भांति मच्छरदानी लगाने के लिए, के लिए कहना भूल गए मैं व्याकुल होकर मच्छरों की भिन्न भिन्न सुन रहा था बिस्तर पर लेटकर मैंने उन्हें शांत करने के लिए एक प्रार्थना उनकी दिशा में प्रवाहित कर दी आधे घंटे बाद गुरुदेव का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने झूठ मोटी कर देखा मुझे लग रहा था जैसे मच्छरों के दंश से और खासकर उनके रक्त पिपासु उत्सव मनाती गुनगुनाहट से मैं पागल हो जाऊंगा गुरुदेव की ओर से कोई प्रतिक्रियात्मक हलचल नहीं मैं सतर्कता पूर्वक उनके समीप गया उनका श्वास नहीं चल रहा था उन्हें इतने निकट से समाधि अवस्था में देखने का यह मेरा पहला अवसर था इससे मैं भयभीत हो उठा इनका फेल तो नहीं हो गया मैंने उनकी नाक के नीचे एक आईना रखा उस पर श्वास की भाप नहीं पड़ी पूर्णतया सुनिश्चित करने के लिए मैंने कई मिनटों तक उनका मुंह और नाक अपनी उंगलियों से बंद करके रखे उनकी देह ठंडी और निश्चल थी कि कर्तव्य होकर मैं लोगों को बुलाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा अच्छा एक उभरता हुआ प्रयोग करता मेरी बेचारी नाक गुरुदेव का स्वर हास्य कंपित था तुम सोते क्यों नहीं क्या तुम्हारे लिए सारी दुनिया बदल जाएगी अपने आप को बदलो मच्छरों की चेतना से अपने को मुक्त करो चुपचाप मैं अपने बिस्तर पर लौट आया इसके बाद एक भी मच्छर मेरे पास नहीं फटका मैं समझ गया कि गुरुदेव केवल मुझे खुश करने के लिए मच्छरदानियां लाने के लिए सहमत हो गए थे उन्हें मच्छरों का कोई डर नहीं था अपनी योग शक्ति से वे उन्हें काटने से रोक सकते थे या यदि वे चाहते तो अपनी आंतरिक ध्यान अवस्था में जा सकते थे जिसमें मच्छरों का उन्हें पता ही नहीं चलता मैं सोच रहा था वे मुझे दिखा रहे थे कि यह वह योगावस्था है जिसे मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना होगा सच्चा योगी समाधि की पराचेतन अवस्था में जा सकता है और उसी अवस्था में रह सकता है उन समस्त विक्षेपों के बावजूद जिनका इस धरातल पर कभी अभाव नहीं होता कीटकों की भिन्न भिन्नाहट परिव्याप्त सूर्य प्रकाश की तीव्रता समाधि की प्रथमावस्था सविकल्प समाधि में साधक बहर जगत के इंद्रिय बोध को बंद कर देता है तब उसे आदि ईडन के भूस्वर्ग से भी कहीं अधिक सुंदर अंतर जगत की ध्वनियों और दृश्यों का प्रतिदान प्राप्त होता है यह शिक्षा प्रद मच्छर आश्रम में मुझे एक और प्रारंभिक शिक्षा मिलने का कारण बने बस सायंकाल का शांत समय था मेरे गुरुदेव प्राचीन शास्त्रों की अनुपम व्याख्या कर रहे थे उनके चरणों में मैं संपूर्ण शांति में था एक दृष्ट मच्छर इस रसमय वातावरण में घुस आया और मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने लगा उसने जैसे ही अपनी विशाली सुई मेरी जांग में घुसाई मैंने स्वाभाविक रूप से अपना हाथ प्रतिशोध के लिए ऊपर उठाया निकटवर्ती प्राणदंड स्थगित कर दो मुझे पतंजलि के अहिंसा पर सूत्र की समय अनुकूल याद आ गई तुमने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया गुरुदेव क्या आप प्राणहरण का समर्थन करते हैं नहीं परंतु अपने मन में तो तुमने उस पर जानलेवा प्रहार कर ही दिया था मैं समझा नहीं अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य था हिंसा की इच्छा को भी त्याग देना श्री युक्तेश्वर जी के लिए मेरा मन खुली किताब की तरह था उन्होंने आगे कहा यह जगत अहिंसा के अक्षरशय पालन के लिए असुविधाजनक रूप से व्यवस्थित है मनुष्य हानिकारक जीवों का नाश करने के लिए बाध्य हो सकता है परंतु उसके अनुरूप क्रोध या द्वेष को अनुभव करने के लिए वह बाध्य नहीं है सभी जीवों का माया जगत की हवा पर समान रूप से अधिकार है जो संत सृष्टि के रहस्य को जान लेता है वह प्रकृति के असंख्य विस्मयकारी रूपों के साथ समस्वर हो जाता है हिंसा की भावना को नष्ट कर सभी लोग इस सत्य को समझ सकते हैं गुरुदेव क्या हिंसक प्राणी का वध करने के बजाय अपनी बलि दे देनी चाहिए नहीं मानव देह अमूल्य है मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण क्रम विकास की दृष्टि से मानव देह सबसे मूल्यवान है यह चक्र उन्नत साधक को ब्रह्म चैतन्य की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करने और उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं मानव योनि से निकृष्ट किसी भी योनि के जीव में यह क्षमता नहीं होती यह सच है कि जब मनुष्य किसी प्राणी या अन्य किसी जीव को मारने पर बाध्य हो जाता है तब भी उसे थोड़ा पाप तो लगता ही है परंतु पवित्र शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर का व्यर्थ में नाश कर्म सिद्धांत के नियमों का गंभीर उल्लंघन है मैंने राहत की सांस ली सहजात प्रवृत्तियों को शास्त्र मत का भी आधार मिलना यह बात हमेशा तो नहीं होती जहां तक मुझे ज्ञात है गुरुदेव का कभी किसी बाघ या चीते से सामना नहीं हुआ परंतु एक अत्यंत विशैले नाक से उनका पाला पड़ा था और उस नाक को उन्होंने अपने प्रेम से वश में किया था यह घटना पुरी में हुई थी जहां गुरुदेव का समुद्र तट पर आश्रम था गुरुदेव के जीवन के उत्तर काल में उनका शिष्य बना प्रफुल्ल नाम का एक लड़का उस समय उनके साथ था हम आश्रम के पास बाहर बैठे थे प्रफुल्ल ने मुझे बताया चार फुट लंबा आतंक का मूर्तिमान रूप एक नाक पास ही निकला क्रोध से फन फैलाकर वह तेजी से हमारी ही ओर आ रहा था गुरुदेव उसे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे को मुस्कुराकर अपने पास बुला रहे हो श्री युक्तेश्वर जी को हाथों से लयबद्ध ताल देते देखकर मैं भयभीत हो उठा। वे उस भयावह आगंतुक का स्वागत कर रहे थे मैं मन ही मन भगवान से उत्कट प्रार्थना करता हुआ चुपचाप खड़ा रहा नाग गुरुदेव के अत्यंत निकट पहुंच गया था पर अब वह निश्चल हो गया ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके प्यार से पुचकारने का ढंग देखकर वह सम्मोहित हो गया था वह भयानक पन धीरे धीरे सुकुड़ गया नाग गुरुदेव के पांव के बीच में से होकर झाड़ी में अदृश्य हो गया गुरुदेव क्यों हाथ हिला रहे थे और नाग ने उनके हिलते हाथों पर फन क्यों नहीं मारा यह बात उस समय मेरी समझ से परे थी उस घटना से अब मेरी समझ में यह आ गया है कि हमारे गुरुदेव को किसी प्राणी से हानि का भय नहीं है प्रफुल्ल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा आश्रम में आरंभ के महीनों में एक दिन अपराह्न में मैंने श्री उक्तेश्वर जी की भेदक दृष्टि अपने ऊपर स्थिर पाई तुम बहुत दुबले पत्ते हो मुकुंद उनकी बात ने मेरी दुखती रख को छू लिया अपनी धसी हुई आंखें और कृष्ण देह मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी मुझे बचपन से ही अजीर्ण की शिकायत थी घर में मेरे कमरे में एक ताक पर पाचक और बलवर्धक औषधियों की अनेकानेक शीशियां पड़ी थी परंतु किसी से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था कभी कभी तो मैं ही मन सोचा करता था कि क्या इतने दुर्बल शरीर में जीने का भी कोई अर्थ हो सकता है औषधियों की अपनी सीमाएं हैं दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं विश्वास रखो तो तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे गुरुदेव के शब्दों से मुझे तुरंत यह विश्वास हो गया कि मैं उनमें निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूं अन्य कोई भी चिकित्सक मैंने कई आजमाए थे मुझ में इतना गहरा विश्वास नहीं जगा सका था दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होने लगी श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से दो सप्ताहों में मेरा इच्छित वजन मुझे प्राप्त हो गया जो तब तक अन्य उपायों से प्राप्त करने का मैं व्यर्थ प्रयास करता रहा था मेरे पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए बाद में तो अनेक बार अपने गुरु को दैवी शक्ति द्वारा लोगों को मधुमेह मिर्गी क्षय रोग और पक्षाघात जैसी बीमारियों से मुक्त करते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कई वर्ष पहले मैं भी अपना वजन बढ़ाने के लिए आतुर था मुझे स्वस्थ करने के थोड़े ही दिन बाद गुरुदेव मुझे बता रहे थे एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर ही रहा था कि वाराणसी में लाहेड़ी महाशय के दर्शन के लिए चला गया मैंने कहा गुरुदेव मैं बहुत बीमार था और मेरा वजन बहुत कम हो गया है मैं देख रहा हूं युक्तेश्वर कि तुमने पहले तो अपने आप को अस्वस्थ कर लिया और अब सोचते हो कि तुम दुबले भी हो गए हो मुझे जिस उत्तर की आशा थी उससे तो यह उत्तर कहीं हटकर था परंतु मेरे गुरुदेव ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए आगे कहा मुझे देखने दो मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा मेरे श्रद्धालु मन ने यह मान लिया कि उनके शब्द इस बात का संकेत हैं कि वे गुप्त रूप से मुझे स्वस्थ करने वाले हैं दूसरे दिन काल ही मैं उनके पास पहुंच गया और उल्लास के साथ मैंने कहा गुरुदेव आज मुझे कल की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है सचमुच आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है नहीं गुरुदेव मैंने सविनय प्रतिवाद किया ये तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है कई सप्ताहों में आज पहली बार मैं अपने में कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूं हां हां तुम्हारी बीमारी तो काफी गंभीर थी तुम्हारा शरीर अभी भी काफी दुर्बल है कौन कह सकता है यह कल कैसा रहेगा अपनी दुर्बलता के लौट आने की संभावना के विचार मात्र से मैं भय से सिहर उठा दूसरे दिन सुबह मैं मुश्किल से अपने आप को लाहिड़ी महाशय के घर तक घसीट सका गुरुदेव मैं फिर बीमार हो गया हूं मेरे गुरु की आंखों में शरारत उतर आई थी तो फिर एक बार तुमने अपने आप को बीमार बना लिया मेरा धैर्य समाप्त हो गया मैंने कहा गुरुदेव अब मैं समझ गया हूं कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा परिहास कर रहे थे मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता सचमुच वे केवल तुम्हारे विचार ही हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और स्वस्थ अनुभव कराया है मेरे गुरु प्रेम से मुझे निहार रहे थे तुमने देख लिया है कि कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार बदलता रहा विचार भी विद्युत शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान एक शक्ति है मानव मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान चैतन्य का एक स्फुल्लिंग है मैं तुम्हें दिखा सकता हूं कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी भी बात में तीव्र विश्वास रखेगा वह तत्म घटित होकर रहेगा यह जानते हुए कि लाहिड़ी महाशय कभी व्यर्थ बात नहीं करते मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विभोर होकर उनसे कहा गुरुदेव यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूं और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है तो क्या ऐसा हो जाएगा इसी क्षण भी ऐसा ही है मेरी आंखों में एकाग्रता पूर्वक देखते हुए गुरुदेव ने गंभीरता से कहा मैंने तत्ण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि अनुभव की लाहेड़ी महाशय पुनः अपने मौन में खो गए उनके चरणों में कुछ घंटे बैठने के बाद मैं अपनी मां के घर लौटा जहां काशी जाने पर मैं रुकता था बेटे तुम्हें क्या हो गया है जलशोध की बीमारी से क्या तुम्हारा शरीर फूल रहा है मां को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था मेरा शरीर अब वैसा ही हृष्ट पुष्ट हो गया था जैसा बीमारी से पहले था मैंने अपना वजन किया तो देखा कि एक दिन में, में मेरा वजन पचास पाउंड बढ़ गया था और उसके बाद वह वजन हमेशा के लिए बना रहा जिन मित्रों और परिचितों ने मेरा क्षीण शरीर देखा था वे आश्चर्य से हतप्रभ रह गए उनमें से अनेकों ने इस चमत्कार के परिणाम स्वरूप अपनी जीवन दिशा बदल ली और लाहिडी महाशय के शिष्य बन गए ईश्वर में सदा जागृत मेरे गुरुदेव जानते थे कि यह संसार और कुछ ना होकर केवल स्रष्टा का मूर्त रूप धारण किया हुआ स्वप्न है लाहेड़ी महाशय को उस दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी एकात्मता का पूर्ण भान था इसलिए वे दृश्य जगत के स्वप्नाणुओं को प्रकट करने या लुप्त करने या उनमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन करने में समर्थ थे अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा संपूर्ण सृष्टि विधि नियम के अधीन है बाह्य सृष्टि में कार्यरत नियम जिनकी खोज वैज्ञानिक कर सकते हैं प्राकृतिक नियम कहलाते हैं परंतु इन नियमों की अपेक्षा सूक्ष्मतर नियम भी हैं, जो अंतुश चेतना के आध्यात्मिक जगत में कार्यरत हैं। इन नियम सिद्धांतों को योग के द्वारा जाना जा सकता है पदार्थ जगत के सच्चे स्वरूप को पदार्थ विज्ञानी नहीं बल्कि आत्मज्ञानी सिद्ध ही वास्तव में समझता है इस प्रकार के ज्ञान द्वारा ही ईसा मसीह ने उस नौकर के कान को पुनः जोड़ दिया था जिसे उनके एक शिष्य ने काट डाला था श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों की अद्वितीय व्याख्या करते थे मेरी अनेक सबसे सुखद स्मृतियां उनके प्रवचनों के साथ जुड़ी हुई हैं परंतु वे अपने विचार रत्न अवधानता और मूर्ता की राख में कभी नहीं फेंकते थे मेरे शरीर की थोड़ी सी भी बेचैन हलचल या ध्यान की थोड़ी सी भी अवधानता गुरुदेव की शास्त्र व्याख्या को तत्ण बंद कराने के लिए काफी थी तुम यहां नहीं हो एक दिन अपराध श्री युक्तेश्वर जी ने यह टिप्पणी करते हुए अपना वाक प्रवाह खंडित कर दिया सदा की भांति वे मेरे मनोयोग का निर्ममता से ध्यान रख रहे थे गुरु जी मेरे स्वर में विरोध स्पष्ट था मैं जरा भी नहीं हिला मेरी पलकें भी नहीं हिली आपने जो जो अभी कहा है मैं एक एक शब्द दोहरा सकता हूं फिर भी पूर्ण रूप से तुम मेरे साथ नहीं थे तुम्हारा विरोध करना मुझे यह कहने के लिए विवश कर रहा है कि तुम अपने मन की पृष्ठभूमि में तीन संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे एक थी मैदानी क्षेत्र में एकांताश्रम दूसरी एक पहाड़ी के शिखर पर तीसरी एक समुद्र तट पर यह स्पष्ट विचार लगभग अवचेतन स्तर पर ही मेरे मन में सचमुच चल रहे थे मैंने क्षमा याचक दृष्टि से उनकी ओर देखा ऐसे गुरु के साथ मैं कर ही क्या सकता हूं जो यदा कदा अचानक मेरे मन में उठने वाले विचारों को भी पकड़ लेते हैं तुमने स्वयं ही वह अधिकार मुझे दिया है मैं जिन सूक्ष्म तत्वों को समझा रहा हूं उन्हें तुम पूर्ण मनोयोग के बिना नहीं समझ सकते जब तक आवश्यक ना हो मैं दूसरों के मन के एकांत में नहीं झांकता मनुष्य को अपने विचारों में गुप्त रूप से विचरण करने का स्वाभाविक अधिकार है बिन बुलाए तो भगवान भी वहां प्रवेश नहीं करते नहीं मैं वहां हिम्मत कर सकता हूं आपका सदा स्वागत है गुरुदेव तुम्हारे ये वास्तु स्वप्न बाद में साकार होंगे अभी केवल अध्ययन का समय है इस प्रकार मेरे गुरु ने प्रसंगवशी अपने सहज ढंग में मेरे जीवन में आने वाली तीन महत्वपूर्ण घटनाओं का अपना पूर्व ज्ञान प्रदर्शित कर दिया किशोरावस्था के प्रारंभ से ही मुझे तीन इमारतों की रहस्यमय झांकियां मिलती थीं, जिनमें से प्रत्येक इमारत अलग अलग परिदृश्य में दिखती थी श्री युक्तेश्वर जी ने जिस क्रम में बताया था ठीक उसी क्रम में इन तीन दृश्यों ने साकार रूप धारण किया सर्वप्रथम रांची के एक मैदानी क्षेत्र में मेरे द्वारा स्थापित बालकों के लिए योग विद्यालय की स्थापना फिर लॉस एंजलिस में एक पहाड़ी पर मेरा अमेरिकी मुख्यालय और उसके बाद विशाल प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया के एनसीटस में एक आश्रम गुरुदेव कभी गर्व के साथ ऐसा नहीं कहते थे कि मैं भविष्यवाणी करता हूं कि अमुक अमुक घटना घटेगी बल्कि वे संकेत मात्र देते तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है परंतु उनके सादे वक्तव्यों के पीछे भविष्य दृष्टा की शक्ति छिपी रहती थी वे एक बार कही हुई बात को कभी वापस नहीं लेते थे ना उसमें कभी कोई परिवर्तन करते थे उनकी किंचित ढकी हुई भविष्यवाणी कभी मिथ्या सिद्ध नहीं हुई श्री युक्तेश्वर जी स्वभाव से मितभाषी स्पष्टवादी और पूर्णतः आडंबर रहित थे उनके विचारों में ना तो कहीं अस्पष्टता का लवलेश था ना स्वप्निलता का ही कोई अंश उनके पांव जमीन पर दृढ़ थे मस्तक स्वर्ग की शांति में स्थिर था व्यवहारिक स्वभाव के लोग उन्हें अच्छे लगते थे वे कहते थे, साधुता का अर्थ भोंदुपन या अकर्मण्यता नहीं है ईश्वरानुभूतियां किसी को अक्षम नहीं बनाती चरित्र बल की सक्रिय अभिव्यक्ति तीक्ष्णतम बुद्धि को विकसित करती है मेरे गुरु सूक्ष्म लोकों की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे पूर्ण सादगी ही असामान्यता का एकमात्र लक्षण बनकर उनमें दिख पड़ती थी वार्तालाप में विस्मयकारी संदर्भ देने से वे बचते थे कार्यों में अपने सामर्थ्य को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करते थे अनेक तथाकथित गुरु चमत्कारों की चर्चा तो खूब करते थे पर कृति में कुछ नहीं उतार सकते थे श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी सूक्ष्म नियमों का उल्लेख करते पर गुप्त रूप से अपनी इच्छा अनुसार उन्हें कार्यान्वित करते गुरुदेव कहते थे आत्मदर्शी पुरुष कभी कोई चमत्कार नहीं करता जब तक उसे अपने अंतर से उसके लिए आज्ञा नहीं मिलती ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि के रहस्यों को यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट किया जाए और फिर संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का असंक्राम्य अधिकार है कोई संत उस स्वतंत्रता पर कभी अतिक्रमण नहीं करेगा स्वभावता ही श्री युक्तेश्वर जी का मौन रहना उनकी अनंत ब्रह्म की गहरी अनुभूतियों के कारण था आत्म साक्षात्कार विहीन गुरु अनवरत रूप से जिस ज्ञान को व्यक्त करने में दिन भर व्यस्त रहते हैं उसके लिए उनके पास कोई समय नहीं बचता था हिंदू शास्त्रों में एक कहावत है उथले पुरुषों में छोटे छोटे विचारों की मछलियां खूब खलबली मचाती हैं सागर समान मन में अंत प्रेरणा के महामत्स भी शायद ही कोई तरंग उत्पन्न कर पाते हैं मेरे गुरु के आडंबरहीन आचरण के कारण उनके समकालीन लोगों में बहुत कम ऐसे थे जो अवतारी पुरुष के रूप में पहचान सके थे वह कहावत कि जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है मेरे परम ज्ञानी और शांत गुरु पर कभी लागू नहीं हो सकती थी यद्यपि श्री युक्तेश्वर जी ने भी अन्य मर्त्य लोगों की तरह ही जन्म लिया था तथापि वे सृष्टि के नियंता के साथ एक बन चुके थे ईश्वरत्व में मनुष्यत्व के विलयन में गुरुदेव ने कोई दुर्लंघ्य बाधा नहीं पाई बाद में मेरी समझ में आया कि केवल मनुष्य की आध्यात्मिक प्रयासहीनता के अलावा ऐसी कोई बाधा नहीं होती श्री युक्तेश्वर जी के पवित्र चरणों का स्पर्श करते समय मैं सदा ही रोमांचित हो उठता था गुरु का श्रद्धापूर्ण स्पर्श करने से शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है एक सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होती है शिष्य के मस्तिष्क में विद्यमान अवांछनीय प्रवृत्ति प्रणालियां उस प्रवाह में प्राय भस्म हो जाती हैं। उसकी सांसारिक प्रवृत्तियों के खांचों में कल्याण प्रद उथल पुथल मच जाती है कम से कम क्षण भर के लिए ही सही वह माया के गुप्त पर्दे उठते अनुभव कर सकता है और परमानंद की सच्चाई की झलक पा सकता है मैं जब भी अपने गुरु के चरणों पर माथा टेकता था मेरा संपूर्ण शरीर जैसे एक मुक्ति प्रदायक तेज से भर जाता था गुरुदेव ने मुझे बताया जब लाहिड़ी महाशय मौन रहते थे तब भी या किसी ऐसे विषय पर चर्चा कर रहे हो जो पूर्णतः धार्मिक ना हो तब भी मैंने देखा कि उन्होंने मुझम अगाध ज्ञान का संचार कर दिया है मुझ पर भी श्री युक्तेश्वर जी का प्रभाव ऐसा ही पड़ता था यदि मैं कभी चिंतित या अन्य मनस्क मन से आश्रम में प्रवेश करता तो मेरी मनोवृत्ति अगम्य ढंग से बदल जाती अपने गुरु के दर्शन मात्र से ही एक प्रकार की सुखद शांति मुझ में आ जाती उनके सानिध्य में प्रतिदिन आनंद शांति और ज्ञान का एक नया अनुभव होता था मैंने उन्हें कभी माया के किसी आकर्षण से ग्रस्त या लोभ क्रोध अथवा किसी के प्रति मानवीय अनुरक्ति की भावना में उत्तेजित नहीं देखा माया का अंधकार धीरे धीरे चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहा है आओ, अपने अंतर में अपने घर की ओर भाग चले शिष्यों को सावधान करने के लिए इन शब्दों द्वारा गुरुदेव नित्य उन्हें क्रिया योग के अभ्यास की आवश्यकता की याद दिलाते थे कभी कभी कोई नया शिष्य योगाभ्यास के लिए अपनी योग्यता के बारे में संदेह प्रकट कर देता था अतीत को भूल जाओ श्री युक्तेश्वर जी उसे सांत्वना देते हुए कहते सभी लोगों का बीता हुआ जीवन अनेक कलंकों से कलुषित है मनुष्य के आचरण का तब तक कोई भरोसा नहीं होता जब तक वह ईश्वर में अधिष्ठित न हो जाए भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा यदि तुम अभी से आध्यात्मिक प्रयास शुरू कर दो गुरुदेव के पास आश्रम में सदा ही बाल शिष्य रहते थे उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा में गुरुदेव को सदा ही रुचि रहती थी अपने देह त्याग से थोड़े ही दिन पहले भी उन्होंने दो छह साल के बच्चों और एक सोलह साल के नवयुवक को आश्रमवासी शिष्यों के रूप में स्वीकार किया था अपने अधीन शिष्यों को वे सावधानी पूर्वक शिक्षा देते थे शिष्य और शिक्षा जिसमें अनुशासन निहित है इन दोनों शब्दों का मूल एक ही है और व्यावहारिक स्तर पर दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। आश्रम वासियों को अपने गुरु के प्रति नितांत प्रेम और आदर था गुरु की हल्की सी ताली पर सभी उत्सुकता से उनके पास दौड़ पड़ते थे जब कभी वे गंभीर या अंतरमुख प्रतीत होते तब कोई भी बातचीत करने का साहस ना करता जब उनकी हंसी गूंज उठती तब बच्चे भी उन्हें अपने में से ही एक मानते श्री उक्तेश्वर जी शायद ही कभी किसी को अपना कोई व्यक्तिगत काम करने को कहते ना ही वे कभी किसी शिष्य से कोई सेवा स्वीकार करते यदि वह शिष्य स्वयं अपनी खुशी से वह सेवा करने के लिए आगे न बढ़ा हो यदि शिष्यगण किसी दिन उनके कपड़े धोने का सौभाग्यपूर्ण काम करना भूल जाएं, तो वे स्वयं ही उन्हें धो लेते थे साधारणतया वे स्वामियों के परंपरागत गेरुए कपड़े पहनते थे घर के अंदर वे बिना फीते के जूते पहनते जो योगियों की प्रथा के अनुसार व्याघ्र चर्म या मृत चर्म से बनाए जाते थे श्री युक्तेश्वर जी अंग्रेजी फ्रेंच बंगाली और हिंदी धारा प्रवाह बोलते थे उनकी संस्कृत भी अच्छी थी वे अपने शिष्यों को संस्कृत और अंग्रेजी अपनी स्व सरल पद्धतियों से बड़े धीरज के साथ सिखाते थे गुरुदेव को अपने शरीर की अधिक चिंता नहीं थी परंतु वे उसके प्रति सावधानी अवश्य बरतते थे वे कहते थे कि ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वस्थता में अच्छी प्रकार अभिव्यक्त होते हैं किसी बात में अति करना उन्हें पसंद नहीं था एक शिष्य को जो दीर्घ काल तक उपवास करना चाहता था मेरे गुरु ने हुए कहा कुत्ते को हड्डी क्यों ना डाल दी जाए गुरुदेव देह शुद्धि की आदर्श प्राकृतिक प्रणाली के रूप में उपवास की उपयोगिता को मानते थे पर उक्त शिष्य अपने शरीर को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंतित था श्री उक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य उत्तम था मैंने कभी उन्हें अस्वस्थ नहीं देखा जग प्रथा का मान रखने के लिए वे अपने शिष्यों को यदि वे चाहें तो डॉक्टर के पास जाने देते थे वे कहते थे, डॉक्टरों को भौतिक पदार्थों के लिए निर्धारित ईश्वरीय नियमों के अनुसार अपना चिकित्सा कार्य करना चाहिए पर वे मानसिक शक्ति के द्वारा रोग निवारण की पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे और प्राय कहते थे ज्ञान ही सबसे बड़ा परिष्कारक है वे अपने शिष्यों से कहते थे शरीर एक कपटी मित्र है उसे उतना ही दो जितना जरूरी है उससे अधिक नहीं सुख दुख अल्पकालिक होते हैं जगत के सभी द्वंदों को शांतिपूर्वक सहन करो और साथ ही उनके प्रभाव से परे जाने का प्रयास करते रहो कल्पना ही वह द्वार है जिससे रोग भी प्रवेश करते हैं और रोग निवारण भी बीमार होने पर भी बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो उपेक्षित अतिथि अपने आप भाग जाएगा अनेक डॉक्टर भी गुरुदेव के शिष्य थे उनसे गुरुदेव कहते थे जिन्होंने शरीर विज्ञान का अध्ययन किया है उन्हें और आगे जाकर आत्मविज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए शरीर की यंत्रावली के पीछे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना छिपी हुई है श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों से पौरवार्य और पाश्चात्य सद्गुणों का संगम बनने के लिए कहते थे स्वयं उनकी बाह्य आदतें किसी पाश्चात्य संचालक के समान थी उनके अंतर में पौरवात्य लोगों की आध्यात्मिकता कूट कूट कर भरी हुई थी वे पश्चिम के प्रगतिशील युक्तिपूर्ण और आरोग्यपूर्ण तौर तरीकों के प्रशंसक थे तो पूर्व को शताब्दियों से धन्य करने वाले और उसके चारों ओर आध्यात्मिक तेजो मंडल निर्माण करने वाले धार्मिक आदर्शों के पुजारी भी थे अनुशासन मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी घर में पिताजी अनुशासन में दृढ़ थे अनंत दा तो प्राय निष्ठुर हो ही जाते थे परंतु श्री युक्तेश्वर जी के प्रशिक्षण को दारुण से लेश मात्र भी कम नहीं कहा जा सकता चाहे तात्कालिक व्यवहार में हो या साधारण आचार के अर्थों में हो मेरे गुरु अपने शिष्यों की छोटी से छोटी गलती की भी खूब आलोचना किया करते थे वे प्रसंग पढ़ने पर कहते थे शिष्टाचार का पालन यदि पूर्वक ना किया जाए तो वह मृत सुंदर नारी के समान है सभ्यता रहित स्पष्ट बाधिता डॉक्टर की छुरी के समान है जो गुड़कारी तो है परंतु अप्रिय लगती है सौजन्य युक्त स्पष्ट बाधिता लाभदायक भी है और अच्छी भी लगती है गुरुदेव मेरी आध्यात्मिक उन्नति से संतुष्ट लगते थे क्योंकि उसके बारे में वे शायद ही कभी टिप्पणी करते थे अन्य बातों में फटकारे सुनना नित्य की बात थी मेरे मुख्य अपराध होते थे अन्य मनस्कता बीच बीच में विषणता शिष्टाचार के कतिपय नियमों का उल्लंघन और कभी कभी अव्यवस्थितता जरा देखो तुम्हारे पिता भगवती की कार्यशैली कितनी सुव्यवस्थित और सुसंतुलित है मेरे गुरु कहा करते थे श्री आश्रम में जब मैं पहली बार आया था उसके थोड़े ही दिनों बाद लाहिड़ी महाशय के इन दो शिष्यों की आपस में भेंट हुई थी पिताजी और गुरुदेव एक दूसरे के प्रशंसक थे दोनों ने ही मजबूत आध्यात्मिकता की नींव पर अपने सुंदर आध्यात्मिक जीवन का निर्माण किया था जिसका युग युगांतर में भी लय नहीं हो सकता मैंने अपने बचपन के एक अल्पकालिक शिक्षक से कई गलत शिक्षाएं ग्रहण कर ली थी उन्होंने मुझे बताया था एक शिष्य को सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अति कष्ट करने की आवश्यकता नहीं जब कभी मैंने अपने कार्यों की उपेक्षा की या उन्हें लापरवाही से संपन्न किया तब किसी ने मुझे कभी डांटा फटकारा नहीं ऐसी शिक्षा को आत्मसात करना मानव स्वभाव को बड़ा सरल लगता है किंतु गुरुदेव के कठोर अनुशासन में मैं शीघ्र ही उत्तरदायित्वहीनता की सुखद भ्रांतियों से जाग गया श्री युक्तेश्वर जी ने एक दिन कहा जो लोग इस जगत के लिए अत्यधिक श्रेष्ठ हैं, वे पहले ही किसी अन्य जगत की शोभा बढ़ा रहे हैं जब तक तुम इस धरा की मुक्त हवा का श्वास ले रहे हो तब तक बदले में कृतज्ञता पूर्वक सेवा देना तुम्हारा कर्तव्य है जो समाधि की श्वास रहित अवस्था में प्रतिष्ठित हो गया हो केवल वही जगत के कर्तव्यों से मुक्त है उन्होंने रुक्षता से आगे कहा जब तुम उस अंतिम पूर्णता की अवस्था में पहुंच जाओगे तब मैं तुम्हें उस बारे में सूचित करने में चूकूंगा नहीं मेरे गुरु को किसी प्रकार की घूस से वश में नहीं किया जा सकता था प्रेम से भी नहीं मेरी तरह ही जिसने भी स्वेच्छा से उनका शिष्य बनना स्वीकार कर लिया था उसके प्रति वे कभी किसी प्रकार की नरमी नहीं दिखाते थे गुरुदेव और मैं चाहे उनके शिष्यों से घिरे हों या अपरिचित लोगों से या केवल हम दोनों ही साथ साथ हों वे सदा ही अपनी बात स्पष्ट शब्दों में कहते और तीव्र फटकार भी लगाते थोड़ा सा भी अवधान या थोड़ी सी भी असंगति होने पर उनकी डांट फटकार से बचना असंभव था अहम भाव पर बार बार चोट करने वाले इस व्यवहार को सहन करना अत्यंत कठिन था परंतु मैंने भी अपनी प्रत्येक मानसिक ऐठन को श्री युक्तेश्वर जी के द्वारा सीधी करा लेने का अटल प्रण कर लिया था इस विराट परिवर्तन को लाने के अथक परिश्रम में जब वे लगे हुए थे तब अनेक बार मैं उनके अनुशासन रूपी हथौड़े के प्रहार से तिलमिला उठता था तुम्हें तो यदि मेरी बातें अच्छी ना लगती हो तो तुम कभी भी यहां से चले जाने के लिए मुक्त हो गुरुदेव मुझसे कहते थे मैं तुमसे तुम्हारी उन्नति के अतिरिक्त और कोई अपेक्षा नहीं रखता यदि तुम लाभान्वित अनुभव करते हो तो ही यहां रहो मेरे मिथ्याभिमान को तोड़ने वाले जो प्रहार उन्होंने किए उनके लिए मैं अपरिमित रूप से उनका कृतज्ञ हूं कभी कभी मुझे लगता था कि लाक्षणिक तौर पर वे मेरे प्रत्येक रुग्ण दांत को ढूंढ ढूंढ कर उखाड़ते जा रहे हैं इस प्रकार के कठोर झटकों के बिना अहंकार की जड़ को उखाड़ फेंकना कठिन है अहंकार के जाते ही ईश्वर के अंदर आने का मार्ग निष्कंटक बन जाता है अन्यथा स्वार्थ के कारण पत्थर बने हृदयों को भेद कर अंदर आने का ईश्वर का प्रयास व्यर्थ हो जाता है श्री युक्तेश्वर जी का अंतर ज्ञान अंतर भेदी था उपर उपर कोई चाहे जो भी कह रहा हो वे प्राय उसके अव्यक्त विचारों का उत्तर दे देते थे कोई व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हो उनमें और उनके पीछे विद्यमान वास्तविक विचारों में जमीन आसमान का अंतर हो सकता है मेरे गुरु कहते थे शांत मन से मनुष्यों के शब्द की अस्त व्यस्तता के पीछे छिपे विचारों को पहचानने का प्रयास करो दिव्य अंतर दृष्टि द्वारा प्रकट किए गए रहस्य सांसारिक कानों को प्राय कटु लगते हैं ओछे शिष्यों में गुरुदेव लोकप्रिय नहीं थे विवेकी समझदार लोगों में जो संख्या में सदा ही थोड़े रहते हैं उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी मैं विश्वासपूर्वक यह कह सकता हूं कि श्री युक्तेश्वर जी भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय गुरु होते यदि उनकी वाणी इतनी स्पष्ट और कटु आलोचनात्मक ना होती जो मुझसे शिक्षा प्राप्त करने मेरे पास आते हैं उनके साथ मैं अत्यंत सख्त होता हूं उन्होंने मेरे समक्ष स्वीकार किया यही मेरा तरीका है चाहे तो उसे स्वीकार करो या छोड़ दो मैं कभी समझौता नहीं करता परंतु तुम तो अपने शिष्यों के साथ कहीं अधिक सहृदय रहोगे वही तुम्हारा तरीका है मैं केवल कठोरता की अग्नि में तपाकर ही शुद्ध करने का प्रयास करता हूं इस अग्नि की तप्तता साधारण सहन शक्ति से परे होती है प्रेम का सौम्य तरीका भी परिवर्तन ला सकता है विवेक और ज्ञान के साथ यदि उपयोग किया जाए तो कठोर और कोमल दोनों ही तरीके समान रूप से प्रभावकारी हैं फिर उन्होंने आगे कहा तुम्हें विदेशों में जाना पड़ेगा जहां अहम पर निर्दय प्रहार पसंद नहीं किए जाते वहां के लोगों के अनुरूप धैर्य और सहनशीलता के पर्याप्त भंडार के बिना कोई गुरु पाश्चात्य जगत में भारत के संदेश का प्रचार प्रसार नहीं कर सकता यह ना बताना ही अच्छा होगा कि अमेरिका में कितनी ही बार गुरुदेव के इन शब्दों की याद मेरे मन में ताजा हो उठी मेरे गुरु के अत्यंत स्पष्ट बोलने के कारण इस पृथ्वी पर उनके जीवन काल में बड़ी संख्या में उनके शिष्य तो नहीं बने परंतु उनकी शिक्षाओं का अध्ययन और उनका अभ्यास करने वाले सच्चे शिष्यों की निरंतर बढ़ती संख्या के माध्यम से उनका ज्ञान आज भी विश्व में जीवित है सिकंदर जैसे योद्धा भूमि पर स्वामित्व स्थापित करने की चेष्टा करते हैं श्री युक्तेश्वर जी जैसे सिद्ध पुरुष उससे भी आगे जाकर मनुष्यों की आत्माओं को जीत लेते हैं गुरुदेव की यह रीत थी कि वे अपने शिष्यों की साधारण नगण्य त्रुटियों को भी एक प्रकार की अर्थ गर्भित गंभीरता के साथ बताते थे एक दिन श्री युक्तेश्वर जी का दर्शन करने मेरे पिताजी श्रीरामपुर आए पिताजी को संभवतः यह आशा थी कि उन्हें मेरी प्रशंसा सुनने को मिलेगी मेरी त्रुटियों का लंबा वर्णन सुनकर वे स्तब्ध रह गए वे तेजी से मुझसे मिलने आए तुम्हारे गुरु की बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि तुम पूरे चौपट हो गए हो पिताजी की अवस्था हंसने और रोने के बीच की थी इस अवसर पर श्री युक्तेश्वर जी के मुझ पर कोप का एकमात्र कारण यह था कि मैं उनके सौम्य संकेत की ओर कोई ध्यान देकर एक व्यक्ति को अध्यात्म मार्ग पर लाने का प्रयत्न कर रहा था संतप्त होकर मैं तेजी से गुरुदेव के पास जा पहुंचा मुझे देखते ही उन्होंने अपनी दृष्टि नीची कर ली जैसे अपने अपराध का उन्हें बोध हो यह एकमात्र अवसर था जब मैंने उस दिव्य सिंह को अपने सामने विवश पाया मैंने उस अनूठे क्षण का पूरा लाभ उठाया गुरुदेव आपने मेरे विस्मय चकित पिताजी के सामने मेरी इतनी निर्दय आलोचना क्यों की क्या यह उचित था मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में क्षमा याचना थी मैं तत्काल निरस्त हो गया उस महान पुरुष ने कितनी तत्परता से अपनी भूल स्वीकार कर ली उसके बाद उन्होंने फिर कभी पिताजी की मन शांति तो भंग नहीं की परंतु जहां चाहे जब चाहे मेरी अच्छी खासी खबर लेना उन्होंने जारी रखा श्री जी के साथ नए शिष्य भी कई बार दूसरों की सांगो पांग आलोचना करने लगते जैसे गुरु के समान ही ज्ञानी निर्दोष विवेक की मूर्तियां हों परंतु जो आक्रमण करता है उसे अपने बचाव की भी पुरजोर व्यवस्था रखनी चाहिए गुरुदेव ने जैसे ही उन पर छिद्रानवेशी शिष्यों पर अपने विश्लेषणात्मक तर्कश से कुछ एक तीर सबके सामने चला दिए सबके सब, सब रॉकेट के समान वहां से भाग निकले उन भगोड़ों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए श्री उक्तेश्वर जी पूर्वक कहते थे आलोचना के हल्के से स्पर्श से भी बिदक जाने वाली संवेदनशील आंतरिक दुर्बलताएं शरीर के उन रोगग्रस्त अंगों के समान है जो जरा सा हाथ लगाने से ही झटका मारकर पीछे हट जाते हैं अनेक शिष्यों के मन में गुरु के बारे में एक पूर्व निर्धारित कल्पना होती है जिसके आधार पर वे गुरु के शब्दों और कार्यों को आंकते हैं ऐसे लोगों को प्राय यह शिकायत रहती थी कि वे श्री युक्तेश्वर जी को समझ नहीं पाए और ना ही तुम ईश्वर को समझते हो एक अवसर पर मैं बरस पड़ा तुम यदि एक संत को समझ पाते तो स्वयं संत बन जाते सृष्टि के अरबों रहस्यों का भेद हम जान नहीं पाए यहां तक कि प्रतिक्षण हम जिस हवा का श्वास लेते हैं वह हवा भी हमारे लिए अगम्य है तब भी क्या कोई यह सोचने का साहस करे कि एक सिद्ध पुरुष के अता स्वभाव का ज्ञान उसे तत्ण हो जाए अनेको शिष्य आते रहे और सामान्यतः जाते रहे जो आसान मार्ग चाहते थे जिसमें उन्हें आते ही सहानुभूति मिले और उनके गुणों की सुखद सराहना हो उन्हें श्रीरामपुर आश्रम में निराशा ही हाथ लगती थी गुरुदेव अपने शिष्यों को आश्रय और अनंत काल तक संरक्षण एवं मार्गदर्शन देने के लिए तैयार थे परंतु अनेक शिष्य संकीर्ण वृत्ति से अपने अहंकार की तृप्ति भी चाहते थे विनम्रता की अपेक्षा जीवन की असंख्य अवमाननाओं का वर्ण करके वे आश्रम छोड़कर चले गए उनकी आध्यात्मिक रुग्रता के लिए श्री युक्तेश्वर जी की सूर्य के समान प्रखर किरणें उनके लिए दुस्सह थीं। अपेक्षाकृत साधारण कोटि के किसी ऐसे गुरु को खोज निकालते जो उन्हें झूठी खुशामदी बातों की छाया प्रदान कर अज्ञान की अशांत निद्रा में सोने देता गुरुदेव के साथ आरंभ में कुछ महीनों तक मुझे उनकी फटकार का सदा भय लगा रहता था परंतु शीघ्र ही मेरी समझ में आ गया कि उनकी यह शाब्दिक चीरफाड़ केवल उन्हीं लोगों पर की जाती थी जिन्होंने मेरे समान ही उनके अनुशासन की मांग की थी यदि कोई मर्माहत शिष्य प्रतिवाद करता तो श्री युक्तेश्वर जी उसका तनिक भी बुरा न मानते हुए मौन हो जाते थे उनके शब्दों में कभी भी क्रोध नहीं होता था बल्कि ज्ञान की अलिप्तता होती थी गुरुदेव की फटकारों की दिशा कभी आगंतुकों की ओर नहीं होती थी उनके दोष स्पष्ट प्रकट हो रहे हो तब भी उनके बारे में वे शायद ही कभी कुछ कहते परंतु जो शिष्य उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी अपना उत्तरदायित्व तो गंभीरता से लेते थे वह गुरु सचमुच बड़ा साहसी है जो अहंकार लिप्त मानवता की अशुद्धियों से भरपूर कच्ची धातु को रूपांतरित करने का कार्य हाथ में लेता है माया में किन कर्तव्य विमूढ़ हुए संसार में लड़खड़ाते नेत्रहीन लोगों के प्रति करुणा में ही संत का साहस अधिष्ठित होता है जब मैंने अपने आंतरिक रोष को छोड़ दिया तब मैंने देखा कि मुझे मिलने वाली प्रताड़नाओं में स्पष्ट कमी आई अत्यंत सूक्ष्म प्रकार से गुरुदेव मेरे प्रति अपेक्षाकृत थोड़े नरम हो गए थे धीरे धीरे मैंने मानसिक तर्क वितर्क तथा अवचेतन निग्रहों की वह प्रत्येक दीवार ढहा दी जिसके पीछे मानव व्यक्तित्व आड़ लेता है इसका पुरस्कार मुझे यह मिला कि अपने गुरु के साथ अनायास ही मेरा तालमेल बैठ गया तभी मैंने जाना कि वे दूसरों पर विश्वास करते हैं उनका ख्याल रखते हैं और मन ही मन प्रेम करते हैं परंतु स्नेह का एक शब्द भी कभी उनके मुख से नहीं निकला भावों को प्रकट करना उनके स्वभाव स्वभाव में नहीं था मेरा अपना मुख्यतः भक्ति प्रवण है पूर्ण ज्ञान की प्रतिमूर्ति किंतु प्रत्यक्ष रूप से भक्ति शून्य दिखाई पड़ने वाले अपने गुरु को कठोर आध्यात्मिक गणित की भाषा में बातें करते देखकर मैं शुरू शुरू में व्याकुल हो उठता था परंतु ज्यो ज्यो उनके स्वभाव के साथ मेरा तालमेल बैठता गया त्यों त्यों मैंने अनुभव किया कि ईश्वर के प्रति मेरी भक्ति में किसी प्रकार की कमी आने के बदले वृद्धि ही होती गई। आत्म गुरु अपने विभिन्न शिष्यों का उनकी प्रकृतियों के झुकाव के अनुसार मार्गदर्शन करने में पूर्ण समर्थ होते हैं श्री युक्तेश्वर जी के साथ मेरा संबंध कुछ ऐसा था कि उसमें शब्दों का प्रयोग बहुत कम होता था और फिर भी आंतरिक स्तर पर धारा प्रवाह संवाद चलता रहता था प्राय मैं देखता कि मेरे विचारों पर उनके समर्थन की मूक छाप लग चुकी है जिससे वाणी का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता था उनके चरणों में चुपचाप बैठा मैं अनुभव करता था कि उनकी असीम कृपा शांतिपूर्वक मेरे सारे अस्तित्व पर वर्षा कर रही है अपने कॉलेज जीवन के प्रथम वर्ष की ग्रीष्मकालीन छुट्टियों में गुरुदेव के निष्पक्ष न्याय का एक स्पष्ट उदाहरण मुझे देखने को मिला अपने गुरु के साथ कुछ महीनों तक निरंतर समय बिता पाने के इस अवसर की मैं लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहा था मेरे उत्साहपूर्ण आगमन पर श्री युक्तेश्वर जी प्रसन्न थे आश्रम का सारा कार्यभार अब तुम्हें संभालना है तुम्हारा काम होगा अतिथियों का स्वागत करना और अन्य शिष्यों के काम की देखरेख करना इसके पंद्रह दिन बाद कुमार नाम का पूर्वी बंगाल का एक देहाती लड़का शिक्षा प्राप्त करने के लिए आश्रम में आकर रहने लगा अत्यंत बुद्धिमान होने के कारण वह शीघ्र ही गुरुदेव का प्रेम पात्र बन गया किसी अगम्य कारण से इस नए आश्रम वासी के प्रति श्री युक्तेश्वर जी ने अनालोचनात्मक रवैया भी अपनाया हुआ था कुमार के आश्रम में प्रविष्ट होने के लगभग एक माह के बाद गुरुदेव ने मुझे आदेश दिया मुकुंद अब तुम्हारा कार्य कुमार संभालेगा तुम अपना समय झाड़ू लगाने और खाना बनाने में लगाओ नेता बनाए जाने से कुमार आश्रम में तानाशाही करने लगा मुख विद्रोह के रूप में अन्य शिष्य दैनिक परामर्श के लिए मेरे पास ही आते रहे तीन सप्ताहों तक यही चलता रहा फिर एक दिन मेरे कानों में कुमार और गुरुदेव के बीच चल रहा यह संवाद पड़ा मुकुंद के कारण मेरे काम में दिक्कत हो रही है कुमार कह रहा था आपने आश्रम की देखभाल का काम मुझे सौंपा है फिर भी अन्य सभी लोग उसी के पास जाते हैं और उसी का कहना मानते हैं इसीलिए मैंने उसे रसोई घर का और तुम्हें बैठक खाने का काम दिया ताकि तुम्हारी समझ में यह आ सके कि एक योग्य नेता में सेवा करने की इच्छा होती है अधिकार चलाने की नहीं श्री युक्तेश्वर जी का कठोर स्वर कुमार के लिए बिल्कुल नया था तुम्हें मुकुंद का पद चाहिए था परंतु उसके योग्य बनकर तुम उस पद को संभाल नहीं सके अब तुम अपने पुराने पद पर रसोई के सहायक के रूप में काम करो गर्वहरण की इस घटना के बाद गुरुदेव ने पुनः कुमार के प्रति अस्वाभाविक तुष्टिकरण की नीति अपना ली आकर्षण का रहस्य कौन समझ सकता है कुमार में श्री युक्तेश्वर जी को एक सुंदर फवारा नजर आ रहा था परंतु ऐसा फवारा जो अपने गुरु भाइयों के लिए फुहारे नहीं छोड़ता था यह नया लड़का स्पष्टतया गुरुदेव को सबसे प्रिय हो गया था परंतु इससे मैं कभी हतोत्साहित नहीं हुआ वैयक्तिक स्वभावगत विलक्षणताएं जो सिद्ध पुरुषों में भी होती हैं जीवन के चित्र को विविध रंगी बनाती हैं छोटी छोटी बातों का मेरे मन पर प्रभाव नहीं पड़ता यह मेरे स्वभाव में ही नहीं है मैं श्री युक्तेश्वर जी से बाह्य स्तुति की अपेक्षा कहीं अधिक महान लाभ पाने का आकांक्षी था एक दिन कुमार ने अकारण ही मुझ पर विष उगल दिया मैं आहत हुआ तुम्हारा दिमाग घमंड से फटने की सीमा तक फूल गया है आगे मैंने एक चेतावनी भी जोड़ दी जो अंत प्रेरणा से मुझे लगा कि सच होकर रहेगी यदि तुमने अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं किया तो किसी दिन इस आश्रम से निकाल दिए जाओगे व्यंग की हंसी हंसते हुए कुमार ने मेरे शब्दों को दोहराते हुए गुरुदेव को सुनाया जो उसी समय वहां आ पहुंचे थे डांट पड़ने की पूर्ण आशा करते हुए मैं सकपकाकर एक कोने में खड़ा हो गया शायद मुकुंद ठीक ही कह रहा है गुरुदेव के असाधारण रूप से शुष्क शब्द सुनाई दिए एक वर्ष बाद कुमार अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा उसने श्री युक्तेश्वर जी की मौन अस्वीकृति की अवहेलना की जो कभी अपने शिष्यों के आने जाने के मामलों में अधिकार पूर्वक हस्तक्षेप नहीं करते थे कुछ महीनों के बाद जब वह लौट कर आया तो उसमें एक प्रकार का दुखद परिवर्तन स्पष्ट दिखाई दे रहा था तेजस्वी चेहरे का राजसी कुमार अब लुप्त हो गया था केवल एक साधारण देहाती अब हमारे सामने खड़ा था जिसने कई बुरी आदतें भी अपना ली थीं। गुरुदेव ने मुझे बुला लिया और भग्न हृदय से मुझसे चर्चा करते रहे कि कुमार अब आश्रम के सन्यास जीवन के योग्य नहीं रहा मुकुंद कल ही कुमार को आश्रम छोड़कर चले जाने के लिए कहने का काम मैं तुम पर छोड़ता हूं मैं स्वयं इसे नहीं कर सकता श्री युक्तेश्वर जी की आंखें भर आई परंतु उन्होंने शीघ्र ही स्वयं पर काबू पा लिया यदि यह लड़का मेरी बात मानता और जाकर अवांछनीय संगति में नहीं पड़ता तो इस हद तक कभी नहीं करता। इसने मेरे संरक्षण को ठुकरा दिया है अभी निर्दय संसार के ही उसका गुरु बने रहने की आवश्यकता है कुमार के चले जाने से मुझे कोई खुशी नहीं हुई दुखी अंतकरण से मैं सोचता रहा कि जिसमें एक सिद्ध पुरुष का प्रेम जीत लेने की शक्ति थी वह भी कितनी आसानी से संसार के प्रलोभनों में फंस गया मनुष्य में सुरा और सुंदरी के उपभोग की नैसर्गिक लालसा रहती है उनका आनंद लेने के लिए किसी सूक्ष्म बोध क्षमता की आवश्यकता नहीं रहती इंद्रियों की, धूर्तता की तुलना सदा बहार करवीर के पौधे के साथ की जा सकती है जिसके गुलाबी पुष्पों से सुगंध आती रहती है पर इसके अंग प्रत्यंग में विष भरा होता है तृप्ति का धाम तो अंतर में स्थित है जो उस सुख से दीप्तिमान है जिसे हजार बाह्य दिशाओं में अंधों की तरह ढूंढा जा रहा है कुमार की तीक्ष्ण बुद्धि की चर्चा करते हुए एक दिन गुरुदेव ने कहा तीक्ष्ण बुद्धि एक तुधारी तलवार है इसका उपयोग अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी इससे अज्ञान के फोड़े को चीर डाला जा सकता है या अपनी गर्दन को भी काटा जा सकता है मन को जब यह स्वीकार हो जाता है कि आध्यात्मिक नियम से बचा नहीं जा सकता बुद्धि उचित मार्ग पर चलती है मेरे गुरु अपने पुरुष और स्त्री शिष्यों को अपनी संतान मानकर उनसे मिलते थे और कोई पक्षपात नहीं दर्शाते थे वे कहते थे नींद में किसी को यह पता भी नहीं चलता कि वह पुरुष है या स्त्री जिस प्रकार स्त्री का वेश धारण कर लेने से कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता उसी प्रकार आत्मा स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित ही रहती है आत्मा ईश्वर का निर्विकार निर्गुण प्रतिरूप है श्री उक्तेश्वर जी स्त्री को पुरुष के अधय पतन का कारण नहीं मानते थे और ना कभी स्त्रियों को टालने का प्रयास करते थे वे कहा करते थे कि स्त्री को भी पुरुष आकर्षण के प्रलोभन का सामना करना पड़ता है मैंने एक बार उनसे पूछा कि एक प्राचीन महान संत ने स्त्री को नर्क का द्वार क्यों कहा है श्री युक्तेश्वर जी ने तीखे स्वर में कहा नव युवावस्था में कोई लड़की उनकी मन शांति में बाधक सिद्ध हुई होगी अन्य वह स्त्री को नहीं बल्कि अपने आत्मसंम की अपूर्णता को दोष देते यदि किसी आगंतुक ने विकारमयी बातों का संकेत भी देने वाली कोई कहानी आश्रम में बताने की धृष्टता कर ही दी तो गुरुदेव उसकी ओर से ध्यान हटाकर मौन हो जाते थे विशिष्यों से कहते सुंदर चेहरे के उत्तेजक चाबुक के प्रहार अपने ऊपर मत होने दो इंद्रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं जब वे वासना के कीचड़ में रेंगते रहते हैं तो जगत के सूक्ष्म रसों का आनंद उनकी पकड़ में आता ही नहीं वासनाओं में आसक्त मनुष्य का विवेक हो जाता है उसे अच्छे बुरे का भेद भी पता नहीं चलता माया जनित काम वासना से बचने की इच्छा करने वाले शिष्यों को श्री युक्तेश्वर जी से धैर्यपूर्ण एवं समझदारी से ओतप्रोत मार्गदर्शन मिलता था वे कहते थे जिस प्रकार भूख का एक यथार्थ उद्देश्य तो है परंतु लोलुप्ता का नहीं उसी प्रकार काम प्रवृत्ति को भी प्रकृति ने केवल प्रजाति के प्रवर्तन के लिए बनाया है कभी तृप्त ना हो सकने वाली वासनाओं को जगाने के लिए नहीं अपनी गलत इच्छाओं को अभी ही नष्ट कर दो अन्यथा स्थूल शरीर छूट जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में वे तुम्हारे साथ चिपकी रहेंगी शरीर को रोक पाना भले ही कठिन हो पर मन में निरंतर विरोध करते ही रहना चाहिए यदि प्रलोभन निष्ठुरता पूर्वक तुम पर आक्रमण करे तो साक्षी भाव से उसका विश्लेषण करके अदम्य इच्छा शक्ति के द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो प्रत्येक प्राकृतिक वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है अपनी शक्तियों को बचा कर रखो विशाल समुद्र के समान बनो जिसमें इंद्रियों की सब नदियां चुपचाप विलीन होती चली जाए प्रतिदिन नई शक्ति के साथ जागती वासनाएं तुम्हारी आंतरिक शांति को सोख लेंगी वासनाएं जलाशय में बने छिद्रों के समान है जो प्राण मूलक जल को विषया शक्ति के रेगिस्तान में नष्ट होने के लिए बहा देते हैं मनुष्य को बाध्य करने वाला कुवासनाओं का शक्तिशाली आवेग उसके सुख का सबसे बड़ा शत्रु है आत्मसंयम के सिंह बनकर संसार में विचरण करो इंद्रिय दुर्बलताओं के मेंढकों की लातें खाकर इधर से उधर लुढ़कते मत रहो सच्चा साधक अंततः नैसर्गिक वासनाओं की विवशता से मुक्त हो जाता है मानवीय स्नेह की अपनी आवश्यकता को वह उस ईश्वर की लालसा में बदल देता है जो एकमात्र प्रेम है क्योंकि वह सर्वव्यापी है श्री युक्तेश्वर जी की मातुश्री काशी के राणा महल मुहल्ले में रहती थीं, जहां मैं अपने गुरु से मिलने प्रथम बार गया था वे करुणामय और दयालु थीं, परंतु सुनिश्चित मतों की भी थीं। एक दिन मैं उनकी बालकनी में खड़ा मां बेटे को वार्तालाप करते देख रहा था अपनी शांत तर्क संगत पद्धति से श्री उत्तेश्वर कोई बात समझाने का प्रयास कर रहे थे।, वे उसमें होते प्रतीत नहीं हो रहे थे क्योंकि माता जी जोर जोर से सिर हिलाकर विरोध कर रही थी नहीं, नहीं मेरे बेटे अभी तुम चले जाओ तुम्हारा ज्ञानोपदेश मेरे काम का नहीं है मैं तुम्हारी शिष्या नहीं हूं डांट खाए बालक की तरह श्री युक्तेश्वर जी आगे एक भी शब्द मुंह से निकाले बिना चुपचाप वहां से हट गए मां के अनुचित बर्ताव में भी उनके प्रति श्री युक्तेश्वर जी का महान आदर देखकर मैं गदगद हो गया माता जी उन्हें केवल अपने छोटे से बच्चे के रूप में देख रही थी एक ज्ञानी के रूप में नहीं इस छोटी सी घटना में भी एक मनोज्ञता थी इसमें मेरे गुरु के असाधारण स्वभाव पर प्रकाश पड़ रहा था अंदर से विनम्र परंतु बाहर से फौलाद एक बार सांसारिक संबंधों को तोड़ लेने के बाद संन्यास धर्म स्वामियों को संसार से किसी प्रकार का संबंध बनाए रखने की अनुमति नहीं देता गृहस्थों के लिए अनिवार्य माने जाने वाले परंपरागत पारिवारिक धार्मिक विधि सन्यासी संपन्न नहीं कर सकते फिर भी प्राचीन सन्यास आश्रम का नव निर्माण करने वाले शंकराचार्य ने इन नियमों की उपेक्षा की थी अपनी पूज्य और प्रिय माता के स्वर्गवास के बाद उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर अग्नि का आह्वान किया और उसमें से प्रकट हुई दिव्य शिखा से अपनी माता का दाह संस्कार किया श्री युक्तेश्वर जी ने भी इन नियमों की उपेक्षा की पर शंकराचार्य से कम चमत्कारी ढंग से जब उनकी माता का स्वर्गवास हुआ तब उन्होंने पवित्र गंगा तट पर उनकी अंत्येष्टि की व्यवस्था की और गृहस्थ परंपरा के अनुसार अनेक ब्राह्मणों को भोजन कराया शास्त्रों के विधि निषेध संयासियों की संकुचित संबंधों के दायरे से बाहर निकलने में सहायता करने के लिए बनाए गए थे शंकराचार्य और श्री युक्तेश्वर जी ने अपना संपूर्ण अस्तित्व विराट निराकार ब्रह्म में विलीन कर दिया था उन्हें अपने बचाव के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं थी कभी कभी सिद्ध पुरुष केवल यह दर्शाने के लिए भी किसी नियम का जान कर उल्लंघन करते हैं कि उसमें निहित सिद्धांत नियम से श्रेष्ठ है और सिद्धांत नियम के बंधन में नहीं है इसी प्रकार ईसा मसीह ने विश्राम के दिन भुट्टे तोड़े थे इस पर अपनी आलोचना करने वालों से ईसा ने कहा था विश्राम दिवस मनुष्य के लिए बनाया गया था मनुष्य विश्राम दिवस के लिए नहीं श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों के अतिरिक्त अन्य कोई पुस्तक शायद ही कभी पढ़ते थे फिर भी वे नवीनतम वैज्ञानिक आविष्कारों तथा ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति से सदा ही पूर्ण परिचित रहते थे वे वार्तालाप में अत्यंत निपुण थे और आश्रम में आने वाले अतिथियों के साथ असंख्य विषयों पर विचारों के आदान प्रदान में आनंद लेते थे मेरे गुरु की हाजिर जवाबी और मन है पूर्वक हंसने के उनके ढंग से प्रत्येक चर्चा में जान आ जाती थी वे प्राय गंभीर तो रहते थे पर कभी उदास नहीं रहते थे बाइबल के एक वचन को उद्धृत करते हुए वे कहते थे ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य को अपना चेहरा विकृत करने की आवश्यकता नहीं इसे सदा याद रखो कि ईश्वर को पाने का अर्थ होगा सभी दुखों का अंत जो अनेक अनेक दार्शनिक प्राध्यापक वकील और वैज्ञानिक आश्रम में आते रहते थे उनमें पहली बार आने वाले कई लोग यह सोचकर आते थे कि उनकी मुलाकात किसी रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से होने वाली है यदा कदा आध घमंड भरी मुस्कान या मनोरंजित सहिष्णुता की उनकी दृष्टि से यही प्रकट होता था कि उन नवा को सदाचार के कुछ नीरस उपदेशों के अतिरिक्त और किसी बात की अपेक्षा नहीं थी श्री युक्तेश्वर जी के साथ चर्चा करने के बाद और यह देखने के बाद कि उनके अपने क्षेत्र में भी श्री युक्तेश्वर जी का पूर्ण ज्ञान है वे अनिच्छा पूर्वक ही से प्रस्थान करते थे साधारणतः मेरे गुरुदेव अतिथियों के साथ नम्र और स्नेहपूर्ण बर्ताव करते वे मन को प्रसन्न करने वाले ढंग से उनका हार्दिक स्वागत करते परंतु कट्टर अहंकारियों को कभी कभी गहरा आघात भी लखी जाता था उन्हें गुरुदेव की या तो ठंडी उपेक्षा या फिर उग्र विरोध का सामना करना पड़ता बर्फ या लोहा एक बार एक विख्यात रसायन शास्त्री श्री युक्तेश्वर जी के साथ तर्क युद्ध में भिड़ गए ये महाशय ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए स्वीकार नहीं कर रहे थे कि विज्ञान ईश्वर को खोज निकालने का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाया है तो आप लोग उस परम शक्ति को अपनी टेस्ट ट्यूब में पृथक करने में विफल रहे और आपको इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है की दृष्टि कठोर हो उठी थी अब मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूं चौबीस घंटों तक अपने विचारों का परीक्षण कीजिए तब आपको ईश्वर की अनुपस्थिति पर विस्मय नहीं होगा एक गणमान्य पंडित को भी इसी प्रकार का धक्का लगा यह तब हुआ जब वे पहली बार आश्रम आए थे दीवारें गूंज रही थीं। जब यह महाशय महाभारत उपनिषदों और शंकराचार्य के भाष्यों के परिक्षेत पर परीक्षेत सुनाते जा रहे थे मैं आपको सुनने के लिए ही बैठा हूं श्री युक्तेश्वर जी के स्वर में ऐसी जिज्ञासा थी जैसे तब तक, तक वहां पूर्ण मौन रहा हो पंडित जी संभ्रम में पड़ गए मैं अतिथि महोदय से आदर युक्त दूरी बनाए अपने कोने में पालथी मारकर बैठा था गुरुदेव के शब्दों से हंसी के मारे मेरे पेट में बल पड़ने लगे उद्धरण तो आपने बहुत दे दिए परंतु आप अपने वैयक्तिक जीवन से कौन सी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं किस शास्त्र या सूत्र को आपने आत्मसात कर अपने जीवन में उतारा है इन सत्यों ने आपके स्वभाव में क्या क्या अच्छे परिवर्तन किए हैं क्या आप ग्रामोफोन की तरह दूसरे मनुष्यों के शब्दों का केवल यांत्रिक उच्चारण करके संतुष्ट है मैं हार गया पंडित जी की अकुलाहट हास्यप्रद लग रही थी मुझे कोई आंतरिक अनुभूति नहीं है जीवन में शायद पहली बार पंडित जी की समझ में आ गया कि पुस्तकीय ज्ञान आध्यात्मिक अनुभूति के अभाव की पूर्ति नहीं कर सकता इन शुष्क विद्याभिमानियों से पठन पाठन के अति परिश्रम की अत्यधिक गंध आती है गर्व खंडित पंडित जी के वहां से चले जाने के बाद गुरुदेव ने कहा ये लोग समझते हैं कि बौद्धिक व्यायाम से तत्व ज्ञान बन जाता है चाहे बाह्य कृतियों की अपक्वता हो या अंतर परिष्कारक अनुशासन हो इन दोनों से ही इन लोगों के उन्नत विचार सावधानी पूर्वक असंबंधित रहते हैं अन्य अवसरों पर भी गुरुदेव मात्र पुस्तकीय ज्ञान की निस्तारता को अपने उपदेशों में व्यक्त करते रहते थे विस्तृत आत्मसात किया जाए तो धर्मशास्त्र आंतरिक अनुभूति की जिज्ञासा जगाने में लाभकारी हो सकते हैं अन्यथा निरंतर बौद्धिक अध्ययन से मिथ्याभिमान झूठा संतोष और अपरिपक्व ज्ञान से अधिक कुछ भी प्राप्त नहीं होता शास्त्रों के अध्ययन का अपना एक अनुभव श्री युक्तेश्वर जी बताया करते थे स्थान था पूर्वी बंगाल के एक वन में स्थित आश्रम जहां उन्होंने एक विख्यात गुरु श्री बल्लव की पद्धति का अवलोकन किया उनकी पद्धति जो प्राचीन भारत में प्रयोग में लाई जाती थी सरल भी थी और साथ ही कठिन भी डबरू बल्लभ ने उस एकांत तपोवन में अपने शिष्यों को अपने पास बिठा लिया था पावन श्रीमद भगवत गीता की पुस्तकें उनके सामने खोली थीं। वे लोग आधे घंटे तक एक श्लोक को स्थिर दृष्टि से देखते रहे फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली और आधा घंटा बीत गया अब गुरु ने उस पर संक्षिप्त भाष्य किया निश्चल अवस्था में उन्होंने फिर से एक घंटे तक ध्यान किया अंततः गुरु ने कहा अब यह श्लोक तुम लोगों की समझ में आ गया जी गुरुदेव शिष्य मंडली में से एक ने यह उत्तर देने का साहस कर लिया नहीं पूरी तरह से नहीं उस आध्यात्मिक प्राण को पहचानने की चेष्टा करो जिसने इन शब्दों को शत शत वर्षों से भारत को नवजीवन प्रदान करने की शक्ति दी है फिर एक घंटे तक मौन चिंतन चला तत्पश्चात गुरु ने शिष्यों को छुट्टी दे दी और श्री युक्तेश्वर जी की ओर मुड़कर उन्होंने कहा आपको गीता का ज्ञान है नहीं महाराज मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूं यद्यपि मेरे नेत्र और मन कई बार उसके पन्नों को पढ़ चुके हैं सैकड़ों लोगों ने आज तक मुझे इससे भिन्न उत्तर दिया महात्मा श्री युक्तेश्वर जी को आशीर्वाद देने की मुद्रा में मुस्कुराए यदि शास्त्र संपदा के बाह्य प्रदर्शन में ही कोई व्यस्त रहे तो अमूल्य रत्नों के लिए अंतर में डुबकी लगाने का समय ही कहां बचता है श्री युक्तेश्वर जी स्वयं अपने शिष्यों को भी इसी एकाग्रता की तीव्र पद्धति से अध्ययन कराते थे ज्ञान आंखों से नहीं अणु परमाणुओं से आत्मसात किया जाता है वे कहते जब सत्य का तुम्हारा ज्ञान केवल तुम्हारे दिमाग में न रहकर तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में समा जाएगा तभी तुम उसके अर्थ के बारे में कुछ कह सकते हो किसी शिष्य में यह मानने की प्रवृत्ति होती कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले पुस्तकीय ज्ञान होना आवश्यक है तो वे उसका निराकरण करते थे वे कहते ऋषियों ने केवल एक वाक्य में ऐसा गहन अर्थ भर रखा है कि उस पर भाष्य करने वाले पंडित युग युगांतर से उसी में व्यस्त हैं। अंतहीन साहित्यिक वाद विवाद प्रमादी मन का लक्षण है इस विचार से अधिक शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला और क्या हो सकता है कि ईश्वर है बल्कि केवल ईश्वर किंतु मनुष्य इस मूल सरलता की ओर आसानी से नहीं लौटता बुद्धिवादी का लक्ष्य शायद ही कभी ईश्वर होता है उसे विद्या शब्द शब्दर ही अधिक भाता है उसका अहंकार इसी में तृप्त हो जाता है कि वह इतने गहन पांडित्य को समझ सकता है जिन लोगों में अपनी धन संपत्ति का या सामाजिक मान मर्यादा का अहम भाव होता था उनके साथ यह संभावना सदा ही बनी रहती थी कि गुरुदेव के सानिध्य में आने पर उनकी विविध संपदाओं में विनम्रता धन भी जुड़ जाए एक बार पूरी में सागर तट पर स्थित उनके आश्रम में वहां के एक मैजिस्ट्रेट मिलने आए यह मैजिस्ट्रेट महोदय के लिए जाने जाते थे, और हमें आश्रम से बेदखल करना उनके पूर्ण अधिकार में था मैंने गुरुदेव को इस तथ्य से अवगत कराया परंतु गुरुदेव पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा मैजिस्ट्रेट को कोई विशेष महत्व न देकर वे साधारण भाव से बैठे रहे और उनके आने पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े भी नहीं हुए किंचित अधीरता के साथ मैं दरवाजे के पास बैठ गया श्री युक्तेश्वर जी ने मुझसे मजिस्ट्रेट के लिए कुर्सी लाने को भी नहीं कहा अतः उन्हें लकड़ी के एक डिब्बे पर बैठकर ही संतोष करना पड़ा अपने पद की गरिमा के अनुसार स्वागत किए जाने की उनकी किसी भी आशा की पूर्ति नहीं हुई आध्यात्मिक चर्चा आरंभ हुई मजिस्ट्रेट महोदय शास्त्रों का अर्थ बताने में गलतियों पर गलतियां करते गए और जैसे जैसे गलतियां करते जाते थे वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ता गया आप जानते हैं कि मैं एमए की परीक्षा में प्रथम आया था उनकी बुद्धि जवाब दे चुकी थी पर चिल्लाना उन्हें अब भी आता था मजिस्ट्रेट महोदय आप भूल रहे हैं कि यह आपकी अदालत का कमरा नहीं गुरुदेव ने शांत भाव से कहा आपकी बचकानी बातों से तो यही लगता है कि आपका विद्यार्थी जीवन कोई विशेष प्रतिभावान नहीं रहा और वैसे भी यूनिवर्सिटी की डिग्री का वैदिक ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं है संत अकाउंटेंटों की भांति प्रतिवर्ष समूह में नहीं निकलते कुछ देर तो मजिस्ट्रेट महोदय स्तब्ध रह गए, फिर दिल खोलकर हंसने लगे पहली बार किसी दैवी मजिस्ट्रेट के साथ मेरा सामना हुआ है उन्होंने कहा बाद में उन्होंने कानूनी शब्दों से भरी भाषा में जो उनके व्यक्तित्व का एक हिस्सा ही बन चुकी थी अस्थाई यानी प्रोबेशनरी शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का औपचारिक निवेदन किया लाहेड़ी महाशय की तरह ही श्री युक्तेश्वर जी ने भी अनेक अवसरों पर ग्रहण के इच्छुक अपरिपक्व शिष्यों को उससे परावृत किया ये दोनों ही गुरु कहते थे ईश्वरानुभूति का अभाव होते हुए भी गेरुआ वस्त्र धारण करने का अर्थ समाज को ठगना है त्याग के इन बाह्य प्रतीकों का विचार मत करो जो तुम्हें झूठा अहंकार उत्पन्न करके तुम्हारी हानि कर सकते हैं तुम्हारी स्थिर दैनिक आध्यात्मिक प्रगति के अलावा और किसी बात का कोई महत्व नहीं है और उसके लिए क्रिया योग का उपयोग करो किसी व्यक्ति को योग्य या अयोग्य ठहराने के लिए संतजन एक ही अचल मापदंड को अपनाते हैं जो संसार के नित्य बदलते रहते मापदंडों से सर्वथा भिन्न है स्वयं अपनी दृष्टि में भी इतनी बहुरंगी रहने वाली मानव जाति संतों की दृष्टि में केवल दो वर्गों में विभाजित होती है अज्ञानी जन जिन्हें ईश्वर की तलाश नहीं और ज्ञानी जन जो ईश्वर की तलाश में रत हैं मेरे गुरु अपनी जमीन जायदाद से संबंधित प्रत्येक छोटी छोटी बात की भी देखभाल स्वयं करते थे भिन्न भिन्न अवसरों पर विश्वासघाती लोगों ने गुरुदेव की पैतृक जमीन जायदाद पर कब्जा कर लेने का प्रयास किया था उन सबको श्री युक्तेश्वर जी ने दृढ़ता पूर्वक यहां तक कि उनके विरुद्ध मुकदमे भी दायर करके मात दे दी इन सब दुखदायी अनुभवों से उन्हें इसलिए गुजरना पड़ता था क्योंकि वे भिक्षा जीवी गुरु नहीं बनना चाहते थे ना ही वे अपने शिष्यों पर बोझ बनना चाहते थे आर्थिक स्वतंत्रता भी एक कारण थी कि मेरे प्रखर स्पष्ट वक्ता गुरु कूटनीति के छल कपट से पूर्णतया अनभिज्ञ थे उन गुरुओं के विपरीत जिन्हें उनका भार वहन करने वाले दाताओं के अहम भाव को संतुष्ट करना पड़ता है मेरे गुरु दूसरों के धनैश्वर्य के प्रत्यक्ष या सूक्ष्म किसी प्रकार के प्रभाव में नहीं आते थे मैंने उन्हें किसी से किसी भी काम के लिए पैसा मांगते या उसका संकेत भी करते कभी नहीं सुना उनके आश्रम की शिक्षा सभी शिष्यों के लिए निःशुल्क थी एक बार श्रीरामपुर आश्रम में सम्मान देने के लिए अदालत का एक कर्मचारी आया कन्हई नाम का एक शिष्य और मैं उसे गुरुदेव के पास ले गए श्री युक्तेश्वर जी के प्रति उस कर्मचारी का रवैया अपमानजनक था आपकी भलाई अब इसी में है कि आप अपने इस आश्रम की छाया से बाहर निकलकर जरा अदालत की सत्यनिष्ठ हवा खाएं उसने अपमान सूचक स्वर में कहा मैं अपने पर काबू नहीं रख सका इसके आगे यदि गोस्थाकी का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम अभी यही धूल चाटते नजर आओगे मैं उसी इरादे से उसकी ओर बढ़ने लगा कन्हाई भी उस कर्मचारी पर चिल्ला रहा था अरे दुष्ट तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम अपनी दुष्टता को इस पवित्र आश्रम में भी ले आए किंतु गुरुदेव उस कर्मचारी के रक्षक बनकर उसके सामने खड़े हो गए अकारण उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं यह आदमी केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है वह कर्मचारी इन विभिन्न प्रकारों से होते अपने स्वागत को देखकर चकित रह गया और आदर पूर्वक क्षमा मांगकर वहां से द्रुत गति से चलता बना बड़ा आश्चर्यजनक था यह देखना कि एक उग्र इच्छा शक्ति वाला सिद्ध पुरुष अंदर से इतना शांत शीतल भी रह सकता था वेदों में संत के विषय में दी गई परिभाषा श्री युक्तेश्वर जी पर सटीक बैठती थी वज्रादपी कठोराणी मृदुनी कुसुमादपी, अर्थात जहां दया का प्रश्न है वहां फूलों से भी कोमल जहां सिद्धांतों का प्रश्न है वहां वज्र से भी कठोर इस संसार में सदा ही ऐसे लोग होते हैं जो ब्राउनिंग के शब्दों में स्वयं अंधेरे में रहने के कारण प्रकाश को सहन नहीं कर सकते कभी कभी कोई आदमी आकर अपनी किसी काल्पनिक शिकायत पर श्री युक्तेश्वर जी को भला बुरा कह देता मेरे स्थित प्रज्ञ गुरु नम्रता से उसके द्वारा की जा रही अपनी निंदा सुनते और अंदर ही अंदर अपना विश्लेषण करते जाते यह देखने के लिए कि वह जो दोषारोपण कर रहा है उसमें कहीं कोई सत्यकांश तो नहीं ऐसे प्रसंग गुरुदेव की अप्रतिम उक्तियों का मुझे स्मरण करा देते कुछ लोग दूसरों के सिर काट कर स्वयं ऊंचा बनने का प्रयास करते हैं साधु संतों की अचल शांति उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावकारी होती है जिसका अपने क्रोध पर नियंत्रण हो वह महाबलवान से अधिक बलवान है जिसने अपने आप को जीत लिया हो वह राज्य विजेता से बड़ा विजेता है अनेक बार मेरे मन में यह विचार आता कि यदि मेरे तेजस्वी गुरु का मन ख्याति या सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाता तो वे आसानी से सम्राट या विश्व को थर्रा देने वाले योद्धा बन सकते थे परंतु इसके बदले उन्होंने क्रोध और अहंकार के उन आंतरिक दुर्गों को ध्वस्त करना पसंद किया जिनके पतन में मनुष्य की चरम उपलब्धि निहित है तेरवा अध्याय विनिद्र संत कृपया मुझे हिमालय जाने की अनुमति दीजिए मुझे लगता है कि वहां के अखंड एकांत में मैं ईश्वर से अनवरत तादात में स्थापित कर सकूंगा एक बार सचमुच मैंने अपने गुरु से ये कृतज्ञ शब्द कहे कभी कभी साधक के मन में अप्रत्याशित रूप से उत्पन्न होने वाले भ्रम के जाल में मैं फंस गया था कॉलेज की पढ़ाई और आश्रम के कर्तव्यों के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ती उदासीनता मुझे अधिकाधिक अधीर -अधिक अधिक किए जा रही थी इस कृतज्ञता के पातक को किंचित हल्का करने वाली बात यह थी कि मैंने यह प्रस्ताव तब रखा था जब श्री युक्तेश्वर जी के साथ रहते मुझे केवल छह महीने ही हुए थे अभी तक मैं उनकी गगन स्पर्शी उच्चता को पहचान नहीं पाया था हिमालय में कई पहाड़ी लोग रहते हैं उन्हें तो कोई ईश्वरानुभूति नहीं है मेरे गुरु ने धीरे धीरे और सहज भाव से कहा जड़ पर्वत की अपेक्षा किसी आत्मज्ञानी मनुष्य से ज्ञान प्राप्त करना अधिक अच्छा है गुरुदेव के इस संकेत की कि मेरे गुरु पर्वत नहीं बल्कि वे स्वयं हैं उपेक्षा कर मैंने पुनः अपनी प्रार्थना दोहराई श्री युक्तेश्वर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया मैंने उनके मौन को स्वीकृति मान लिया एक संदिग्ध परंतु मनोनुकूल निर्णय उस दिन शाम को कोलकाता के अपने घर में मैं अपनी यात्रा की तैयारी करने में जुट गया एक कंबल में कुछ सामान बांधते समय मुझे इसी प्रकार की उस गठरी की सहसा याद आ गई जिसे मैंने कुछ वर्ष पूर्व चोरी चोरी अपनी अटारी की खिड़की से नीचे फेंका था मन में यूं ही विचार आया कि कहीं यह भी एक और अनिष्ट ग्रह योग युक्त हिमालय पलायन साबित ना हो पहली बार की यात्रा के समय मेरा आध्यात्मिक उत्साह उछाल पर था आज अपने गुरु को छोड़कर जाने के विचार पर मेरा अंतर मन मुझे धिक्कार रहा था दूसरे दिन प्रातः मैं स्कॉटिश चर्च कॉलेज के अपने संस्कृत प्राध्यापक बिहारी पंडित के पास जा पहुंचा सर लाहेड़ी महाशय के एक महान शिष्य के साथ अपनी मित्रता के बारे में आपने मुझे बताया था कृपया मुझे उनका पता बता दीजिए तुम्हारा आशय रामगोपाल मजूमदार से है मैं उन्हें विनिद्र संत कहता हूं वे सदा ही ब्रह्मानंद में निमग्न रहते हुए जागृत रहते हैं उनका घर तारकेश्वर के निकट रणबाजपुर में है मैंने उनका धन्यवाद किया और तुरंत तारकेश्वर जाने के लिए ट्रेन पर सवार हो गया इस विनिद्र संत से हिमालय में एकांत ध्यान में रत होने की अनुमति लेकर मैं अपने मन में उठ रही आशंका को शांत करना चाहता था बिहारी पंडित ने मुझे बताया था कि रामगोपाल को बंगाल की निर्जन गुफाओं में अनेक वर्षों तक योग का अभ्यास करने के पश्चात आत्म साक्षात्कार हो गया था तारकेश्वर में मैं वहां के सुविख्यात मंदिर की ओर चल पड़ा हिंदू लोगों के मन में इस मंदिर के प्रति नितांत श्रद्धा भाव है जैसे फ्रांस में स्थित लूड के पवित्र स्थल के प्रति कैथोलिक ईसाइयों के मन में है तारकेश्वर में रोग निवारण के असंख्य चमत्कार घटित हुए हैं जिनमें से एक मेरे परिवार के एक सदस्य के साथ भी हुआ था मेरी सबसे बड़ी चाची ने मुझे बताया था मैं मंदिर में पूरे एक सप्ताह तक बैठी रही पूर्ण उपवास करते हुए मैं तुम्हारे शारदा चाचा की एक जीर्ण रोग से मुक्ति के लिए प्रार्थना करती रही सातवें दिन मेरी अंजलि में अपने आप एक बूटी प्रकट हो गई मैंने उसका काढ़ा तैयार किया और तुम्हारे चाचा को पिला दिया उनका रोग तत्ण गायब हो गया और फिर कभी प्रकट नहीं हुआ मैंने तारकेश्वर के पवित्र मंदिर में प्रवेश किया उस मंदिर में एक गोल पत्थर के अतिरिक्त और कुछ नहीं है उसकी अनादि और अनंत परिधि अनंत ब्रह्म का उचित प्रतीक है भारत में एक अनपढ़ किसान भी निराकार ब्रह्म की संकल्पना को समझता है वस्तुतः पाश्चात्यों ने यदा कदा उस पर कल्पना जगत में जीने का आरोप भी लगाया है मेरी अपनी मनस्थिति उस उस समय इतनी वैराग्यपूर्ण थी कि उस पत्थर के आगे नतमस्तक होने की मेरी इच्छा नहीं हुई मुझे लगा कि ईश्वर को केवल अपनी आत्मा में ही ढूंढा जाना चाहिए मैं वहां प्रणाम किए बिना ही मंदिर से बाहर आ गया और निकट स्थित रणबाजपुर की ओर द्रुत गति से चल पड़ा रास्ते में मिले एक व्यक्ति से जब मैंने रणबाजपुर का रास्ता पूछा तो वह दीर्घ चिंतन में गया। आगे एक आएगा। जाओ और चलते जाओ। उसने प्रश्न देवता की गहन भाव भंगिमा में अंत उच्चारण किया उसके दिशा निर्देश का पालन करते हुए मैं एक नहर के किनारे किनारे चलता गया चलते चलते अंधेरा हो गया जंगल में बसे गांव के बाहर का इलाका चमकते जुगनुओं और आसपास मंडराते सियारों की आवाजों से सजीव हो उठा चांद का प्रकाश इतना मंद था कि उसमें रास्ता दिखाई देना कठिन हो रहा था दो घंटे तक मैं ठोकरें खाता रहा आहा गाय के गले में बंदी घंटी की वह आल्हादक ध्वनि मेरे बारंबार जोर जोर से बुकारने पर आखिर एक किसान मेरे पास आ गया मैं राम बाबू की खोज में हूं इस नाम का को कोई व्यक्ति हमारे गांव में नहीं रहता उस आदमी ने कटु स्वर में कहा तुम शायद झूठ बोल रहे हो और कोई जासूस हो उसके राजनीतिक आशंकाओं से व्यथित मन से संदेह दूर करने की आशा से मैंने हृदय स्पर्शी ढंग से अपनी राम कहानी उसे सुनाई वह मुझे अपने घर ले गया और उसने मेरी अच्छी आवभगत की रणबाजपुर तो यहां से काफी दूर है उसने कहा चौराहे पर तुम्हें बाएं मुड़ना चाहिए था दाहिने नहीं खिन्न मन से मैं सोचने लगा मुझे रास्ते में मिलकर दिशा निर्देश देने वाला वह वा पहला आदमी अनभिज्ञ पथिकों के लिए एक निश्चित अभिशाप था मोटे चावल का भात मसूर की दाल और आलू और कच्चे केले की रसदार सब्जी के स्वादिष्ट भोजन के बाद आंगन से सटी एक छोटी सी झोपड़ी में मैं सोने के लिए चला गया दूर कहीं पर गांव के लोग मृदंगों और करतालों की ध्वनि के साथ उच्च स्वर में कीर्तन कर रहे थे उस रात नींद आने का तो प्रश्न ही नहीं था मैं एकांतवासी योगी राम गोपाल के पास पहुंच जाने के लिए गहरी प्रार्थना करता रहा जैसे ही मेरी झोपड़ी के छिद्रों से ऊषा की पहली किरण अंदर आई मैं रणबाजपुर के लिए निकल पड़ा धान के ऊबड़ खाबड़ खेतों में से कटे हुए धान के ठूंठो पर और सूखी मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों से बचता बचाता मैं धीरे धीरे चलता जा रहा था यदा कदा मिल जाने वाला कोई किसान मुझे पूछने पर एक ही उत्तर देता कि रणबाजपुर बस एक ही कोस यानी दो मील दूर है छह घंटों में सूर्य ने क्षितिज से मध्याकाश की अपनी यात्रा तय कर ली परंतु मुझे अब लगने लगा था कि मैं रणबाजपुर से सदा के लिए एक कोस दूर ही रहूंगा दोपहर भी आधी ढल गई तब भी मेरा विश्व अंतहीन धान खेतों में ही सिमट कर रह गया था आकाश से हो रही वर्षा से बचने का कोई उपाय नहीं था और उसकी दाहकता ने मुझे लगभग चक्कर खाकर गिर पड़ने की अवस्था तक पहुंचा दिया था मैंने एक आदमी को आराम से टहलते हुए अपने पास आते देखा अब मुझे उससे फिर वही प्रश्न पूछने का साहस भी नहीं हो रहा था कि कहीं फिर बस एक कोस का उत्तर न मिले वह आदमी मेरे पास आकर रुक गया नाटकीय और दुबले पतले शरीर का वह आदमी अपनी हृदयवेदी काली तेजस्वी आंखों के अतिरिक्त दिखने में पूर्णतः अप्रभावशाली था मेरे विस्मय चकित चेहरे के आगे उंगली नचाते हुए उसने आगे कहा मैं रणबाजपुर से जाने वाला था परंतु तुम्हारा उद्देश्य अच्छा था इसलिए मैंने तुम्हारी प्रतीक्षा की तुम बिना सूचित किए मुझ पर झपट पड़ने की चतुराई दिखाना चाहते थे ना उस प्राध्यापक बिहारी को कोई अधिकार नहीं था कि वह तुम्हें मेरा पता दे दे इस सिद्ध को अपना परिचय देना अब केवल शब्द डंबर ही होगा यह सोचकर अपने ऐसे स्वागत पर कुछ दुखित अंतकरण से मैं अवाक खड़ा रहा अचानक उन्होंने अगला प्रश्न किया अच्छा बताओ तो तुम्हारे विचार में भगवान है? क्यों? वो मेरे भीतर और सर्वत्र है निश्चय ही मेरी व्याकुलता मेरे चेहरे पर पूर्णता प्रकट हो रही थी सर्वव्यापी हाँ वे दबी हंसी हंसे तब क्यों युवक महोदय तुमने कल तारकेश्वर मंदिर में प्रस्तर प्रतीक में विद्यमान ब्रह्म के आगे सिर नहीं झुकाया तुम्हारे अभिमान के कारण ही तुम्हें उस पथिक द्वारा गलत दिशा निर्देश किए जाने का दंड मिला जिसने दाएं बाएं के सूक्ष्म भेदों की की चिंता ही नहीं की। आज भी तुम्हें काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी हैं मैं इस बात से विस्मय विभोर था कि मेरे सामने खड़े अति सामान्य दिखने वाले उस शरीर में सर्वव्यापी दृष्टि छुपी हुई थी और उनकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हुआ योगी से एक व्यथा निवारक शक्ति निश्रित हो रही थी मैं उस दाहक खेत में भी तत्क्षण ताजगी अनुभव करने लगा उन्होंने कहा भक्त में यह सोचने की प्रवृत्ति होती है कि उसने जो मार्ग अपनाया है वही ईश्वर प्राप्ति का एक मेव मार्ग है योग जिससे अपने भीतर ही ईश्वर मिल जाता है निसंशय सर्वोच्च मार्ग है जैसा कि लाहिड़ी महाशय ने हमें बताया है परंतु भीतर ईश्वर की प्राप्ति हो जाने पर हम शीघ्र ही बाहर भी उसकी अनुभूति करते हैं तारकेश्वर तथा अन्य स्थानों के पवित्र मंदिरों के प्रति उन्हें आध्यात्मिक शक्ति के केंद्र मानकर जो श्रद्धा भाव लोगों में है वह बिल्कुल सही है योगीवर की आलोचनात्मक वृत्ति अब अंतरहित हो गई उनके नेत्र करुणार्द्रता से स्निग्ध उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया छोटे योगी मैं देख रहा हूं कि तुम अपने गुरु से दूर भाग रहे हो उनके पास वह सब कुछ है जिसकी तुम्हें आवश्यकता है तुम्हें उनके पास लौट जाना चाहिए आगे उन्होंने कहा पर्वत तुम्हारे गुरु नहीं बन सकते दो दिन पहले श्री द्वारा प्रकट किया गया वही विचार सिद्ध जन केवल पर्वतों में ही निवास करें ऐसा कोई विधि का विधान नहीं है मेरी ओर रहस्यपूर्ण दृष्टि से देखते हुए वे कहते जा रहे थे भारत और तिब्बत के हिमालय शिखरों का संतों पर कोई एकाधिकार नहीं है जिसे अपने अंदर पाने का कष्ट ना किया जाए उसे शरीर को यहां वहां ले जाने से प्राप्त नहीं किया जा सकता जैसे ही साधक आध्यात्मिक ज्ञान लाभ के लिए विश्व के अंतिम छोर तक भी जाने को तैयार हो जाता है उसका गुरु उसके पास ही प्रकट हो जाता है मन ही मन मैं इस बात से सहमत हो गया मुझे काशी के उस आश्रम में की हुई अपनी प्रार्थना का स्मरण हो आया जिसके बाद भीड़ भाड़ से भरी एक गली में युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट हुई थी क्या तुम अपने लिए एक ऐसे छोटे कमरे की व्यवस्था कर सकते हो जिसका दरवाजा बंद कर तुम अंदर एकांत में रह सको जी हां मेरे मन में यह विचार उभर आया कि ये संतवर इतनी विलक्षण गति से सामान्य स्तर की बातों से व्यक्तिगत स्तर पर उतर आते हैं तो वही तुम्हारी गुफा है योगीराज ने ज्ञान जगा देने वाली एक ऐसी दृष्टि मुझ पर डाली कि मैं उसे आज तक नहीं भूल पाया वही तुम्हारा पावन पर्वत है वही तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी उनके इन सरल शब्दों ने हिमालय के लिए मेरे मन में बैठी तीव्र आसक्ति एक पल में समाप्त कर दी धान के एक दाहक खेत में मैं पर्वतों और अनंत बर्फ के स्वप्न से जाग गया युवक महोदय तुम्हारी ईश्वर लालसा प्रशंसनीय है मैं तुम्हारे प्रति तीव्र प्रेम अनुभव कर रहा हूं राम गोपाल बाबू ने मेरा हाथ अपने हाथ में पकड़ा और जंगल में बनी खुली जगह में बसी एक छोटी सी विचित्र सी लगने वाली बस्ती में मुझे ले गए इस बस्ती में घर मिट्टी के बने हुए थे जिनकी छतें नारियल के पत्तों से बनी थी प्रवेश द्वारों को ताजे फूलों से सजाया गया था अपनी छोटी सी कुटिया में ले जाकर संत महाराज ने मुझे एक बांस के मचान पर बैठाया मुझे उन्होंने नींबू का शरबत और मिश्री का एक टुकड़ा दिया त्पश्चात हम उनके आंगन में गए और पद्मासन लगाकर ध्यानस्थ हो गए ध्यान में घंटे बीत गए मैंने आंखें खोलकर देखा तो चंद्रमा के प्रकाश में योगी राज की मूर्ति निश्चल बैठी थी मैं अपने पेट को दृढ़ता पूर्वक याद दिला रहा था कि मनुष्य केवल अन्न से ही जीवित नहीं रहता तभी रामगोपाल अपने आसन से उठ गए मैं देख रहा हूं कि तुम्हें बहुत जोर से भूख लगी है उन्होंने कहा भोजन अभी तैयार हो जाएगा आंगन में ही उन्होंने मिट्टी के एक चूल्हे में आग जलाई थोड़ी देर में हम केले के विशाल पत्तों पर चावल और दाल खा रहे थे उन्होंने खाना बनाने में मेरी ओर से कोई सहायता स्वीकार नहीं की थी अतिथि देवोभव की हिंदू लोकोक्ति का भारत में अनादिकाल से श्रद्धा पूर्वक पालन किया जाता रहा है बाद में अपनी विश्व भ्रमण यात्राओं में मैं यह देखकर अत्यंत आनंदित हुआ कि अनेक देशों के देहाती इलाकों में अतिथियों का इसी प्रकार सम्मान किया जाता है शहरी लोगों में अपरिचित चेहरों की बहुलता के कारण, सेवा का पड़ गया है। उस सी जंगल बस्ती के, में, योगी वर के पास बैठे बैठे मनुष्यों की भीड़ भाड़ से भरे स्थान कल्पनातीत रूप से सुदूर लग रहे थे कुटिया का वह छोटा सा कमरा एक मृदु प्रकाश में रहस्यमय रूप से आलोकित लग रहा था रामगोपाल ने मेरा बिस्तर बनाने के लिए कुछ फटे कंबल जमीन पर बिछा दिए और स्वयं एक चटाई पर बैठ गए उनके आध्यात्मिक आकर्षण से विभोर होकर मैंने साहस बटोर कर एक निवेदन उनसे किया महाराज मुझे आप समाधि क्यों नहीं प्रदान कर देते प्रियवत्स मैं खुशी से तुम्हें यह ईश संपर्क करा देता परंतु उसका मुझे अधिकार नहीं है उन्होंने अर्धोन्मिलित नेत्रों से मेरी ओर देखा शीघ्र ही तुम्हारे गुरुदेव तुम्हें वह अनुभव प्रदान कर देंगे इस क्षण तुम्हारा शरीर उसके लिए तैयार नहीं है छोटे से विद्युत बल्ब में अत्यधिक वोल्टेज देने पर जिस प्रकार उसके पर खच्चे उठ जाएंगे उसी प्रकार तुम्हारी नाड़ियां भी अभी महाप्राण के उस अत्यधिक भारी प्रवाह को सहन करने के योग्य नहीं बनी है इसी समय यदि मैं तुम्हें समाधि दे दूं, तो तुम ऐसे जलोगे कि मानो तुम्हारे शरीर की प्रत्येक कोशिका में आग लग गई हो तुम मुझसे ब्रह्म ज्ञान चाहते हो क्योंकि वह सोच में डूबे हुए आगे कहते जा रहे थे जबकि जितना नगण्य व्यक्ति मैं हूं और जितनी अत्यल्प ध्यान धारणा मैंने की है उससे मैं स्वयं इस अचरज में हूं कि क्या मैं भगवान को प्रसन्न करने में सफल हो पाया हूं और उसकी दृष्टि में अंतिम मूल्यांकन के समय मेरा मूल्य क्या होगा महाराज क्या आप लंबे समय से अनन्य भाव से ईश्वर प्राप्ति का प्रयास नहीं करते आ रहे हैं मैंने कुछ खास नहीं किया है बिहारी ने तुम्हें मेरे जीवन के विषय में अवश्य ही कुछ बताया होगा बीस साल तक मैं एक निर्जन गुफा में प्रतिदिन अठारह घंटे ध्यान करता था फिर मैं उससे भी अधिक दुर्गम क्षेत्र में एक गुफा में जाकर 25 साल तक रहा वहां मैं प्रतिदिन 20 घंटे योगिक ध्यान में लीन रहता था मुझे निद्रा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि मैं सदा ईश्वर के साथ ही रहता था निद्रा की साधारण अवचेतन अवस्था की आंशिक शांति से मेरे शरीर को जितना विश्राम मिलता उससे कहीं अधिक समाधि की अधिचेतन अवस्था की पूर्ण शांति में मिलता था निद्रा अवस्था में मांसपेशियों को विश्राम मिलता है परंतु हृदय फेफड़े और रक्त संचारण प्रणाली निरंतर कार्यरत रहती है उन्हें कोई विश्राम नहीं मिलता अधिचेतन अवस्था में सभी आंतरिक अवयव भी महाप्राण की शक्ति से आवेश होकर निष्क्रिय जीवंतता की अवस्था में स्थिर रहते हैं ऐसी अवस्थाओं के कारण वर्षों से निद्रा मेरे लिए अनावश्यक हो गई है फिर उन्होंने कहा एक समय आएगा जब तुम्हें भी निद्रा की आवश्यकता नहीं रहेगी हे भगवान आप इतने लंबे समय से इतनी अधिक ध्यान धारणा करते आ रहे हैं और अभी भी आपको निश्चित पता नहीं कि आपने प्रभु को प्रसन्न कर दिया है या नहीं मैंने आश्चर्य से कहा फिर हम जैसे साधारण लोगों का क्या होगा क्या तुम नहीं समझ रहे हो वत्स कि ईश्वर स्वयं अनंत है यह सोचना कि केवल 45 वर्षों की ध्यान धारणा से कोई उसे पूर्ण रूप से जान लेगा असंगत अपेक्षा रखना है तथापि बाबा जी हमें यह विश्वास अवश्य दिलाते हैं कि थोड़ी सी ध्यान धारणा भी मृत्यु भय और परलोक की अवस्था के भय से हमारा रक्षण करती है तुच्छ तो पर्वतों को अपना आध्यात्मिक आदर्श न बनाकर निर्गुण ईश्वर प्राप्ति के तारे पर अपना लक्ष्य केंद्रित करो यदि कठिन परिश्रम करोगे तो वहां पहुंच जाओगे इस संभावना से रोमांचित होकर मैंने उनसे कुछ और ज्ञानोपदेश करने की याचना की उन्होंने लाहिड़ी महाशय के गुरु बाबा जी के साथ अपनी प्रथम भेंट की अद्भुत कहानी सुनाई लगभग मध्य रात्रि होने पर तब रामगोपाल मौन हो गए और मैं अपने कंबलों पर लेट गया जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे बिजलियां कौंधती दिखाई देने लगी मेरे अंदर का विशाल अंतराल जैसे पिघले हुए प्रकाश से भर गया मैंने आंखें खोली तो वही चुंधियाने वाला प्रकाश दिखाई दे रहा था वह कुटीर उस अनंत महाकाश का एक छोटा सा हिस्सा बन गई थी जिसे मैं अपनी अंतर दृष्टि से देख रहा था तभी योगी राज ने कहा तुम सोते क्यों नहीं महाराज मैं कैसे सो सकता हूं जब मेरे चारों ओर बिजलियां कौंद रही हो चाहे मेरी आंखें बंद हो या खुली तुम धन्य हो जो तुम्हें यह अनुभव मिल रहा है इन आध्यात्मिक प्रभा किरणों का दर्शन आसानी से नहीं होता फिर उन्होंने स्नेह के कुछ और शब्द कहे ऊषाकाल होने पर राम गोपाल ने मुझे मिश्री के कुछ टुकड़े दिए और वापस लौट जाने के लिए कहा उनसे विदा लेने में मुझे इतना दुख हो रहा था कि अश्रु मेरे गालों पर बहने लगे मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा योगी राज ने दयाद्रह होकर कहा मैं तुम्हारे लिए कुछ अवश्य करूंगा वे मुस्कुराए और उन्होंने अपनी दृष्टि मुझ पर स्थिर की मैं निश्चल हो गया मनुष्य जमीन से चिपक गया था उनसे निस्तृत होने वाली शांति की धाराओं ने मेरे संपूर्ण अस्तित्व को आपलावित कर दिया मेरी पीठ का दर्द ठीक हो गया जो अनेक वर्षों से बीच बीच में मुझे तकलीफ देता रहता था ज्योतिर्मय आनंद के सागर में नहाकर नव उल्लास प्राप्त करने से अब मेरा रुदन बंद हो गया राम गोपाल की चरण वंदना करके मैं जंगल में प्रवेश कर गया जंगल की उलझती झाड़ियों में से रास्ता बनाते हुए कई धाम खेतों को पार करता हुआ आखिर मैं तारकेश्वर पहुंचा तारकेश्वर में दूसरी बार जब मैं मंदिर गया तो इस बार मैंने भगवान के सामने साष्टांग दंडवत किया वह गोल पत्थर मेरी अंतर दृष्टि के सामने आकार में बढ़ता गया और आकाश पिंड बन गया जिसमें वलयों पर वलय अंचलों पर अंचल सभी ईश्वर की प्रभा से ओतप्रोत लग रहे थे एक घंटे बाद मैं खुशी खुशी कोलकाता की गाड़ी में बैठ गया मेरी यात्राओं का अंत हो गया उत्तुंग पर्वतों में नहीं बल्कि अपने गुरु के हिमालय सदृश व्यक्तित्व के चरणों में चौदवा अध्याय समाधि लाभ मैं आ गया गुरु जी मेरा लज्जित चेहरा मेरे मनोभावों को अधिक स्पष्टता से व्यक्त कर रहा था चलो रसोई घर में चलकर खाने के लिए कुछ देखते हैं श्री युक्तेश्वर जी का बर्ताव इतना सहज था मानो हम कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कुछ घंटों के लिए ही अलग रहे हों गुरुदेव मेरे द्वारा आश्रम के कर्तव्यों को अचानक छोड़कर चले जाने से आपको अवश्य निराशा हुई होगी मुझे तो लगा था आप मुझ पर क्रोधित होंगे नहीं बिल्कुल नहीं क्रोध केवल इच्छा के अवरोध से उत्पन्न होता है मैं कभी दूसरों से कोई अपेक्षा नहीं रखता इसलिए उनका कोई भी कार्य मेरी इच्छाओं के विपरीत नहीं हो सकता मैं अपने किसी स्वार्थ के लिए तुम्हारा उपयोग कभी नहीं करता मैं तो केवल तुम्हारे सच्चे सुख में ही खुश हूं गुरुदेव दिव्य प्रेम के बारे में मैंने केवल सुना ही था और कुछ धुंधली सी कल्पना कर सकता था परंतु आज आपके देवता स्वरूप उदाहरण में मैं उसका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहा हूं संसार में तो यदि पुत्र भी अपने पिता को पूर्व सूचना दिए बिना उसका काम छोड़कर चला जाए तो पिता उसे आसानी से क्षमा नहीं करता परंतु आप में क्रोध तो क्या जरा सी नाराजगी का भी लवलेश मात्र नहीं है जबकि मेरे कई काम अधूरे छोड़ जाने से आपको भारी असुविधा हुई होगी हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा दोनों के ही नेत्रों में अश्रु भर आए थे आनंद की एक लहर ने मुझे निमग्न कर दिया मुझे यह बोध हो रहा था कि मेरे गुरु के रूप में साक्षात भगवान मेरे हृदय के प्रेम की सीमित उत्कंठाओं को विराट प्रेम में विस्तारित कर रहे थे कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन सुबह मैं गुरुदेव के खाली बैठक कक्ष में गया महा ध्यान करने का मेरा विचार था परंतु मेरा अवज्ञाकारी मन इस प्रशंसनीय उद्देश्य में सहयोग देने के लिए तैयार नहीं था विचार ऐसे बिखर रहे थे जैसे किसी शिकारी के आते ही पक्षी बिखर जाते हैं मुकुंद दूर की एक बालकनी से श्री युक्तेश्वर जी की आवाज आई मेरे विचार जितने विद्रोही थे उतना ही विद्रोही अब मैं भी बन गया गुरुदेव सदा मुझे ध्यान करने को कहते हैं मैं अपने आप से बड़बड़ाया उन्हें मालूम है कि मैं यहां किस लिए आया हूं अब उन्हें मेरे प्रयास में बाधा नहीं डालनी चाहिए उन्होंने फिर मुझे बुलाया मैं चुप ही बैठा रहा तीसरी बार जब उन्होंने फिर पुकारा तो उनके स्वर में कठोरता आ गई थी मैं ध्यान कर रहा हूं गुरु जी मैं विरोध में चिल्लाया मैं जानता हूं तुम कैसा ध्यान कर रहे हो मेरे गुरु ने उधर से कहा आंधी में उड़ रहे पत्तों के समान बिखरे मन से यहां मेरे पास आओ प्रयत्न में विफल रहने और भेद खोल जाने पर मैं खिन्न मन से चुपचाप उनके पास जाकर खड़ा हो गया नादान बच्चे तुम्हें जो चाहिए वह पर्वत तुम्हें नहीं दे सके गुरुदेव स्नेह भरे सांत्वना देते स्वर में बोल रहे थे उनकी शांत दृष्टि अतः बन गई थी तुम्हारे हृदय की लालसा अवश्य पूरी होगी श्री युक्तेश्वर जी कदाचित ही कभी गूढ़ भाषा में बोलते थे मैं असमंजस में पड़ गया उन्होंने धीरे से मेरी छाती पर हृदय के ऊपर थपथपाया मेरा शरीर निश्चल होकर जमीन से चिपक गया श्वास तेजी से फेफड़ों से बाहर खींच गया मानो किसी महाकाय चुंबक ने उसे खींच लिया हो आत्मा और मन तत् शरीर के बंधन से मुक्त हो गए और किसी प्रवाहमान तीक्ष्ण तेज के समान मेरे शरीर के रोम रोम से बाहर बहने लगे स्थूल शरीर मृतवत हो गया फिर भी अपने तीव्र बोध में मुझे यह भान हो रहा था कि मैं पहले कभी भी पूर्ण रूप से जीवित नहीं था अपने अस्तित्व का मेरा बोध अब संकुचित रूप से केवल मेरे शरीर तक ही सीमित नहीं था बल्कि मेरे चारों ओर व्याप्त अड़ु परमाणुओं में फैल गया था दूर सड़कों पर चल रहे लोग मेरी अपनी ही सुदूर स्थित परिधि पर चलते प्रतीत हो रहे थे भूमि की धुंधली पारदर्शिता में पेड़ पौधों की जड़ें दिखाई दे रही थीं। उनके अंदर चल रहे रस प्रवाह का भी मैं स्पष्ट अवलोकन कर रहा था आसपास का पूरा क्षेत्र मेरे सामने अनावृत हो गया था केवल सामने ही देख पाने वाली मेरी साधारण दृष्टि चतुर दिग्दर्शी विशाल मंडलाकार दृष्टि में परिवर्तित हो गई थी जो सर्वदर्शी भी थी अपने मस्तक के पीछे से मैं रायघाट लेन में दूर चलते फिरते लोगों को देख रहा था और एक श्वेत गाय को भी मैंने वहां देखा जो धीरे धीरे आश्रम की ओर आ रही थी जब वह आश्रम के खुले द्वार पर पहुंच गई तो मैंने उसे ऐसे देखा मानो अपनी दो स्थूल आंखों से देखा हो जब वह आश्रम के अहाते की दीवार के पीछे चली गई भी मैं उसे स्पष्ट देख रहा था मेरी विशाल दर्शी दृष्टि में दिखने वाली सारी वस्तुएं तेज चलने वाले चलचित्रों की भांति कंपित और स्पंदित थीं। मेरा शरीर गुरुदेव का शरीर चारों ओर से खंबों से घिरा आश्रम का चौक फर्नीचर और फर्श पेड़ पौधे और धूप यदा कदा उग्रता से स्पंदित होते रहे जब तक कि सब कुछ प्रकाश सागर में विलीन नहीं हो गया ठीक वैसे ही जैसे पानी भरे गिलास में चीनी डालने के बाद उसे हिलाने से वह पानी में घुल जाती है सब कुछ अपने में विलीन कर लेने वाला यह प्रकाश बीच बीच में आकार धारण कर लेता था फिर वह आकार उसी प्रकाश में विलीन हो जाता था प्रकाश और स्थूल आकार पर्याय क्रम से एक दूसरे में रूपांतरित होकर सृष्टि के कारण सिद्धांत को स्पष्ट कर रहे थे मेरी आत्मा के शांत अनंत तट पर सागर के समान आनंद उमड़ पड़ा मैंने अनुभव किया कि ईश्वर का स्वरूप अक्षय आनंद है उसका शरीर प्रकाश के असंख्य तंतु हैं। मेरे अंदर उमरती दिव्य ज्योति ने विस्तृत होते होते नगरों महाद्वीपों पृथ्वी सूर्यमंडल तारामंडल निहारिका पुंज और अंतरिक्ष में प्रवर्तमान ब्रह्मांडों को अपने में समा लिया रात में दूर से दिखाई पड़ने वाले प्रकाशमय शहर की भांति समस्त ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व की अनंतता में जगमगा रहा था ब्रह्मांड के स्पष्ट रेखांकित परिधि के परे चमकने वाला तीव्र प्रकाश उसके दूरस्थ किनारों तक पहुंचते पहुंचते किंचित सा होता जा रहा था। वहां मुझे एक स्नेग्ध मृदु तेज दिखाई दे रहा था जिसमें कभी किसी प्रकार की कोई क्षीणता नहीं आ रही थी वह तेज अवर्णनीय रूप से सूक्ष्म था नक्षत्र पुंजों के आकार अपेक्षाकृत स्थूल प्रकाश से बने हुए थे एक शाश्वत उद्गम स्रोत से दिव्य किरणों का प्रसार हो रहा था और वे अवर्णनीय प्रभा मंडल से दैदीप्यमान आकाश कंगाओं में रूपांतरित हो रही थी बारंबार मैंने उन सृजनात्मक किरणों को नक्षत्रों में और फिर विस्तृत पारदर्शक ज्वालाओं में रूपांतरित होते देखा लयबद्ध प्रत्यावर्तन के द्वारा करोड़ों करोड़ों विश्व पारदर्शक तेज में विलीन हो गए और फिर वह तेज महाव्योम बन गया मुझे यह ज्ञान हुआ कि समस्त तेजोमय ब्रह्मांड का केंद्र मेरे हृदय में स्थित ज्ञानानुभूति का बिंदु है एक प्रकाशकारी ज्योति मेरी नाभि से समस्त ब्रह्मांड के प्रत्येक भाग को प्रसारित हो रही थी परमानंदमय अमृत मेरे अस्तित्व के कण कण में पारे के प्रवाह की भांति व्याप्त हो रहा था ईश्वर की सृजनात्मक ध्वनि को ब्रह्मांड के प्रेरक यंत्र की ध्वनि को मैं ओम की झंकार में प्रतिध्वनित होते सुन रहा था अचानक श्वास मेरे फेफड़ों में लौट आया। लगभग निराशा के साथ मैं जान गया कि मेरी विराट असीमता लुप्त हो गई थी फिर एक बार मैं अपमानास्पद देह पिंजरे में आबद्ध हो गया था जिसमें ब्रह्म को आसानी से कोई स्थान नहीं मिल सकता घर से भागे बालक की भांति मैं अपने विराट दिव्य धाम से भाग आया था और अपने आप को मैंने एक संकीर्ण पार्थिव दे के क्षुद्र पिंजरे में कैद कर लिया था मेरे गुरु मेरे सामने निश्चल खड़े थे लंबे समय से मुझे जिस ब्रह्म चैतन्य के अनुभव की उत्कट लालसा थी वह अनुभव उन्होंने मुझे प्रदान कर दिया था उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जैसे ही मैं उनके सामने साष्टांग दंडवत करने लगा तो रोक कर उन्होंने मुझे सीधा खड़ा कर दिया और शांत भाव से बोले तुम्हें परमानंद में डूबे नहीं रहना है तुम्हारे लिए अभी जगत में बहुत सा काम करना बाकी है आओ, बरामदे में पहले झाड़ू लगाते हैं और फिर गंगा किनारे घूमने चलेंगे मैं एक झाड़ू लाया मैं जानता था कि गुरुदेव मुझे संतुलित जीवन की शिक्षा दे रहे थे शरीर के अपने दैनिक कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए आत्मा को विश्वोत्पत्ति के रहस्यों को अपने में समाते हुए विस्तारित होते रहना चाहिए बाद में जब श्री युक्तेश्वर जी और मैं घूमने निकले तब भी मैं अनिर्वचनीय आनंद में विभोर था मैं हम दोनों के शरीरों को प्राण शक्ति से बने चित्रों के रूप में देख रहा था जो प्रकाश से बनी एक नदी के किनारे प्रकाश के ही बने एक रास्ते पर चल रहे थे वह ईश्वर का चैतन्य ही है जो सृष्टि में विद्यमान प्रत्येक रूपाकार और प्रत्येक शक्ति का पोषण करता है और उसे आधार देता है फिर भी वह स्वयं स्पंदनशील प्रतिभासिक सृष्टि से परे परमानंदमय असृष्ट महाशून्य में इन सब से पृथक अलिप्त रहता है गुरुदेव समझा रहे थे जो लोग इस भूलोक में आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेते हैं वे भी इसी प्रकार का द्विविध जीवन जीते हैं विवेक और निष्ठा के साथ जगत में अपना कार्य करते हुए भी वे अपने आंतरिक परमानंद में निमग्न रहते हैं ईश्वर ने अपने अस्तित्व के असीम आनंद से ही सब मनुष्यों की सृष्टि की है यद्यपि वे शरीर में कष्टप्रद रूप से आबद्ध हैं, फिर भी ईश्वर यह अपेक्षा करते हैं कि उसकी प्रतिमूर्ति स्वरूप बने मानव इंद्रिय बोध से उत्पन्न सीमित व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ पुनः एकात्म स्थापित कर ले इस विश्व रूप दर्शन से मुझे कई स्थायी शिक्षाएं मिली प्रतिदिन अपनी चित्त वृत्तियों का निरोध कर मैं इस भ्रमात्मक धारणा से मुक्त हो सकता था कि मेरा शरीर स्थूल भूमि पर चलने फिरने वाला एक हाड़ मास का पिंड मात्र है मैंने देखा कि श्वास और चंचल मन ऐसे तूफानों के समान हैं जो प्रकाश सागर को आलोड़ित कर उसमें पृथ्वी आकाश मानव प्राणी पक्षी वृक्ष आदि भौतिक आकारों की लहरें उत्पन्न करते हैं इन तूफानों को शांत किए बिना उस अनंत परम तत्व की एकमात्र अखंड प्रकाश के रूप में अनुभूति नहीं की जा सकती जब जब मैंने इन दो प्राकृतिक तूफानों को शांत किया तब तब मैंने सृष्टि की असंख्य उत्ताल तरंगों को उस प्रकाश सागर में ठीक उसी प्रकार विलीन होते देखा जिस प्रकार समुद्र की लहरें तूफान के थम जाने के बाद शांत होकर विलीन हो जाती हैं गुरु तभी ब्रह्म चैतन्य का यह अनुभव अपने शिष्यों को प्रदान करता है जब उसने ध्यान धारणा द्वारा अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लिया हो कि वह इन विराट दृश्यों को देखकर घबरा ना जाए केवल बौद्धिक के इच्छा या खुले दिमाग का होना ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है योग साधना और भक्ति द्वारा चेतना की समुचित रूप से उन्नति द्वारा ही साधक सर्व व्यापकता के मुक्तिदायी आघात को सहन करने के योग्य बनता है सच्चे भक्त को यह दिव्य अनुभव अवश्य होता है उसकी अत्यंत तीव्र लालसा ईश्वर को इस प्रकार खींचने लगती है कि ईश्वर उसका प्रतिकार नहीं कर सकते उस चुंबकीय उत्कंठा से सृष्टिपति विराट दर्शन के रूप में साधक की चेतना की सीमा में खिंचाते हैं कई वर्षों बाद मैंने समाधि नाम से एक कविता लिखी जिसमें मैंने समाधि की महिमा की एक झांकी प्रस्तुत करने का प्रयास किया था अदृश्य हो गए प्रकाश और छाया के पर्दे सारे दुख का लवलेश भी कहीं नहीं रहा मिट गए क्षण भंगुर सुखों के बोध सारे नष्ट हो गई इंद्रियों की धुंधली मृग मरीचिका प्रेम घृणा स्वास्थ्य रोग जन्म मृत्यु द्वैत के पर्दे पर खेलती ये सारी मिथ्या परछाईयां लुप्त हो गईं, माया का तूफान थम गया गहन अंतर्ज्ञान की जादुई छड़ी से वर्तमान भूत भविष्य कुछ भी नहीं रहा अब मेरे लिए अब तो केवल मैं ही मैं हूं सदा सर्वदा फैलता सब में सब ओर ग्रह तारे निहारी का पुंज पृथ्वी महाप्रलय के ज्वालामुखियों के विस्फोट सृष्टि की ढलाई की धधकती भट्टी नीरव क्षय किरणों के हिम्मत ज्वलंत विद्युत अड़ुओं की बाढ़ अतीत में हुए वर्तमान में जी रहे भविष्य में होने वाले सब मनुष्यों के विचार घास तक का प्रत्येक पत्ता मैं स्वयं समस्त मानव जाति सृष्टि का प्रत्येक कण, काम क्रोध लोभ अच्छा बुरा मोक्ष मुक्ति इन सब को मैंने निकल लिया और यह सब मेरे एकमात्र विराट अस्तित्व के रुधिर का महासागर बन गए भीतरी भीतर ही भीतर सुलगते आनंद ने जो ध्यान में प्राय सुलग उठता मेरे अश्रुपूर्ण नेत्रों को रुद्ध कर दिया और भड़क उठा परमानंद के शोलों के रूप में और स्वाहा कर लिया मेरे अश्रुओं को मेरे शरीर को मेरे संपूर्ण अस्तित्व को ब्रह्म मुझ में समा गया मैं ब्रह्म में समा गया ज्ञान ज्ञाता ज्ञे सब एक हो गए शांत अखंड रोमांच सदा के लिए जीती जागती नित्य नवीन शांति समस्त आशा और कल्पनाओं से परे आनंद देने वाला समाधि का परमानंद नहीं यह कोई अचेत अवस्था या मानसिक बेहोशी जिसमें से स्वेच्छा से लौटा ना जा सके बल्कि समाधि तो मेरी चेतना के विस्तार को मर्त्य देह की सीमाओं से परे ले जाती है अनंतता की दूरतम परिधि तक जहाँ ब्रह्म सागर बना मैं अपने छोटे से अहम रूप को अपने में ही तैरता देखता हूं अणुओं की सरसराहट सुनाई देती है निस्तेज पृथ्वी पहाड़ पर्वत घाटिया पल भर में सब गलकर तरल बन गए सागर प्रवाह निहारिकाओं की धुंध में बदल गए इस धुंध पर प्रणव की फुंकार आई और उसने उस धुंध के तुषारों पर छाए पर्दे उठा दिए ज्योतिर्मय अणु परमाणुओं के सागर महासागर दृष्टि के सामने अनावृत हो गए जब तक ओम के ब्रह्मनाथ से सब स्थूल तर आलोक आखिर सर्वव्याप्त परमानंद की शाश्वत किरणों में विलीन न हो गए आनंद से मैं आया था आनंद के लिए मैं जीता हूं पवित्र आनंद में मैं विलीन हो जाता हूं मन का सागर बना मैं सृष्टि की सारी तरंगों को पीता हूं उठ गए चार पर्दे जड़ तरल वायु एवं प्रकाश के कण कण में विद्यमान मैं अपने विराट स्वरूप में विलीन होता हूं चली गई सदा के लिए मर्त्य स्मृति की अस्थिर फरफराती परछाइया निरभ्र है मेरे मन का आकाश अब नीचे ऊपर आगे पीछे अनंतता और मैं एक रूप बनी एक ही किरण है अब हंसी का एक नन्हा सा बुलबुला मैं अब बन गया हूं सागर हर्षोल्लास का स्वयं श्री युक्तेश्वर जी ने मुझे यह दिव्य आनंदपूर्ण अनुभव अपनी इच्छा अनुसार जब चाहे प्राप्त करने का और जिनकी अंतर्ज्ञान प्रणाली पर्याप्त रूप से विकसित हो गई हो ऐसे लोगों को भी इसे प्रदान करने का तरीका सिखाया इस प्रथम अनुभव के बाद कई महीनों तक मैं इस परमानंदमय एकात्मता की अवस्था में तल्लीन रहा और प्रतिदिन यह बात मेरी समझ में आती रही कि उपनिषदों में ईश्वर को रसस्वरूप रसो व सह क्यों कहा गया है परंतु एक दिन सुबह मैं एक समस्या लेकर गुरुदेव के पास गया मैं जानना चाहता हूं गुरुदेव मुझे ईश्वर प्राप्ति कब होगी तुम्हें ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है जी नहीं गुरुदेव मुझे तो ऐसा नहीं लगता मेरे गुरु मुस्कुरा रहे थे मुझे विश्वास है कि तुम सृष्टि के किसी जीवाणु रहित साफ सुथरे कोने में सिंहासन पर विराजमान किसी व्यक्ति को ईश्वर नहीं मान रहे हो तथा यह भी देख रहा हूं कि तुम्हारी ऐसी कल्पना है कि चमत्कारी शक्तियों का किसी के पास होना ही इस बात का प्रमाण है कि उसने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है नहीं ऐसा नहीं है किसी को पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित करने की शक्ति मिल सकती है परंतु फिर भी ईश्वर उसकी पहुंच से दूर रह सकता है आध्यात्मिक उन्नति को बाह्य शक्तियों के प्रदर्शन से नहीं मापा जा सकता बल्कि उसका मापदंड केवल यह है कि ध्यान में वह आनंद की कितनी गहराई में उतरता है नित्य नवीन आनंद ही ईश्वर है वह अक्षय है वर्ष दर वर्ष जैसे जैसे तुम ध्यान करते जाओगे वैसे वैसे वह अनंत युक्तियों से तुम्हें मोहित करता ही रहेगा तुम्हारे जैसे भक्त जिन्हें ईश्वर का मार्ग मिल जाता है स्वप्न में भी कभी ईश्वर के स्थान पर दूसरे किसी सुख की प्राप्ति की कल्पना नहीं कर सकते ईश्वर तुलना या प्रतिस्पर्धा से भी परे बेजोड़ विमोहक है इलौकिक सुखों से हम कितनी जल्दी उब जाते हैं भौतिक सुखों की कामनाओं का अंत नहीं है मनुष्य कभी पूर्ण तृप्त नहीं होता और एक के बाद दूसरे लक्ष्य के पीछे दौड़ता ही रहता है सुख के लिए वह जिस कुछ और की खोज करता रहता है वह कुछ और ईश्वर ही है और केवल वही शाश्वत आनंद प्रदान कर सकता है बाह्य इच्छाएं हमें अभ्यंतर के स्वर्ग से बाहर खींच लाती हैं, वे मिथ्या आनंद देती हैं जो आत्मिक आनंद का छद्म आभास मात्र है खोया हुआ आंतरिक स्वर्ग दिव्य ध्यान के द्वारा शीघ्र ही पुनः प्राप्त किया जा सकता है ईश्वर अकल्पित नित्य नूतनता है अतः हम कभी उससे ऊब नहीं सकते जो परमानंद अनंत काल तक सदा के लिए आह्लादक विविधताओं से भरा हो उससे क्या कभी किसी का मन भर सकता है अब मेरी समझ में आया गुरुदेव कि संतों ने ईश्वर को अगाध क्यों कहा है अमर जीवन भी ईश्वर को समझने के लिए पर्याप्त नहीं है यह सच है किंतु वह निकट संबंधी और प्रियजन भी है जब क्रिया योग द्वारा मन इंद्रिय जन्य विकारों से रहित हो जाता है तब ध्यान ईश्वर का दोहरा प्रमाण प्रस्तुत कर देता है नित्य नवीन आनंद उसके अस्तित्व का प्रमाण है जो हमारे प्रत्येक अणु को भी उसकी प्रतीति करा देता है और ध्यान में हमारी प्रत्येक समस्या के लिए ईश्वर का तत्ण मार्गदर्शन उसका समुचित प्रत्युत्तर भी मिलता है गुरुजी, आपने मेरी समस्या का निराकरण कर दिया मैं कृतज्ञतापूर्वक कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराया अब मैं यह जान गया हूं कि मैंने ईश्वर को पा लिया है क्योंकि जब कभी कार्यशीलता के बीच ध्यान का आनंद मेरे सुप्त मन में लौट आता है तब प्रत्येक कार्य में यहां तक कि उससे संबंधित छोटी से छोटी बात में भी सही दिशा अपनाने का सूक्ष्म मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है गुरुदेव ने कहा मानव जीवन तब तक दुखों से ग्रस्त रहता है जब तक हम यह नहीं जान लेते कि ईश्वरी इच्छा के साथ समस्वर कैसे हुआ जाए उसकी इच्छा की सही दिशा भी प्राय अहम मन्य बुद्धि के लिए चक्रा देने वाली होती है केवल ईश्वर ही अचूक मार्गदर्शन देता है आखिर वह नहीं तो और कौन सृष्टि का भार बहन कर रहा है